हेलो ईच एंड एवरीबडी सो माई सेल्फ प्रोफेसर वैभव कार्या वेलकम्स यू ऑल टू द लेक्चर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग द मैराथन सीरीज आई होप अभी तक आपको बहुत मज़ा आ रहेगा ये सीरीज में और आज भी काफ़ी आएगा

खाली बच्चे जैसे चार चैप्टर्स है आपके सामने जो हमें कवर करने हैं आज पहला है आपका सीरीज ठीक है सीरीज के साथ साथ कोडिंग डिकोडिंग एंड ऑर्डम आउट भी हो जाएगा फिर ब्लड रिलेशन फिर सीटिंग अरेंजमेंट एंड फिर आपका डायरेक्शन टेस्ट तो ये है आपके चार चैप्टर्स हैं जो हम लोग आज देखने वाले हैं सो टॉकिंग अबाउट एक सवाल बहुत आता है मुझे सर ये एल में वेटेज कितना रहता है पर चैप्टर सी बेटा सो so, इंस्टीट्यूट क्या करते हैं ऐसे तो कोई फिक्स मार्किंग नहीं है कि ये चैप्टर इतने मार्क का ही आएगा ये चैप्टर इतने मार्क का ही आएगा बट ऑन एन एवरेज आप पाँच मार्क पकड़ सकते हो एक चैप्टर के आपको अगर मैं प्रीवियस अटैम्प्ट की बात करूँ तो सीटिंग अरेंजमेंट के वो लोग ने खाली तीन मार्क के क्वेश्चन पूछे थे ब्लड रिलेशन के सात मार्क के क्वेश्चन पूछे थे और आपके डायरेक्शन टेस्ट के पाँच क्वेश्चन नंबर सीरीज़ के पाँच क्वेश्चन ऐसे करके वो लोग ने बीस मार्क कवर किए थे सो इंस्टीट्यूट कभी भी फिक्स नहीं रखता कोई चीज़ कि इसको पाँच मार्क के लिए पूछना है जैसे कि आप देख सकते हो सीटिंग अरेंजमेंट ने खाली तीन मार्क के लिए पूछा ब्लड रिलेशन आपका सात मार्क के लिए पूछा सबसे पहली बात मैं जो करना चाहूँगा ना मैं आपको क्या कराऊंगा आपके जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर करूँगा मैं और उस कंसेप्ट के बेस पर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और फिर अगर उसके रिलेटेड कोई पास्ट क्वेश्चन आया है तो वो भी मैं आपको कराऊंगा आपका आज पूरे दिन में थरो रिवीजन एलआर का होगा एंड आप खुद After this lecture, you will feel confident and you will definitely say, Yes, sir, we will get 20 on 20 for sure. Right? So, let's start with the lecture and let's start with the first chapter that is series. So, but as know, series chapter, your institute has merged coding, decoding, and oddman out, these are three different chapters, right?

एंड चौथा कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज नाउ टॉकिंग अबाउट द नंबर सीरीज नंबर सीरीज इड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स फाइंड द मिसिंग टर्म एंड फाइंड द रोंग टर्म फाइंड द मिसिंग टर्म एंड फाइंड द रोंग टर्म सो बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब ये नंबर सीरीज का है वो यही है फाइंड द मिसिंग टर्म कोई भी बच्चा आके इधर ही अटकता है कोई भी बच्चा आके सीरीज़ के ये पार्ट में ही अटकता है और इंस्टीट्यूट का ये फेवरेट पार्ट है एक से दो मार्क के लिए इधर से वो पूछ ही लेती है पूछती पूछती है उनका ये फेवरेट जगह है राइट सो अब ये फाइंड द मिसिंग टर्म क्या है अपन एकदम अच्छे से समझने वाले हैं तो सबका ध्यान यहाँ पे रहेगा राइट सो टॉकिंग अबाउट फाइंड द मिसिंग टर्म मैं आपको बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको क्या करना है सो so, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में थ्री सिक्स नाइन 12, 15 क्वेश्चन मार्क सो now what यू हैव टू डू is आपको इसका क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है तो लोग बोल देते सर कितना easy है मुझे आता है easy हाँ आप लोग का भी आंसर आ गया रहेगा जल्दी से चैट में लिखना obviously आंसर रहेगा 80 राइट right? बट वो कैसे किया वो important है तो प्लस three three और six के बीच में difference कितना है प्लस three का सिक्स एंड नाइन डिफरेंस ऑफ प्लस थ्री नाइन एंड ट्वेल्व डिफरेंस ऑफ प्लस थ्री ट्वेल्व एंड फिफ्टीन डिफरेंस ऑफ प्लस थ्री तो यहाँ पे भी किसका डिफरेंस रहेगा बेटा बस मत देना जवाब रुक जाना है ना लोग ऐसे ही जवाब देने की गहई करते हैं पर अपन चीज़ों को समझेंगे राइट right? सो so ये जो बेटा तूने किया प्लस थ्री, प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री इसको अपन बोलते हैं पैटर्न व्हाट डू वी कॉल दिस पैटर्न

एक ट्यून में जाएगा पढ़ के देखो खाली एक बार प्लस थ्री 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 हा ना तो ट्यून में आपको सुनाई दे रहा है ऑब्वियसली सर और आपको दिखाई भी कितना मस्त दिखेगा देखने में भी बहुत मस्त है देखो सब एकदम लाइन से जा रहा है अगर मैं ऐसा कुछ कर दूँ तो प्लस फाइव माइनस टू प्लस सेवन माइनस एट अच्छा लगेगा पैटर्न नहीं हो सकती है राइट सो ऑब्वियसली इधर भी क्या आ जाएगा बेटा प्लस थ्री तो आंसर आ जाएगा एटी बस आपको पूरे के पूरे सीरीज चैप्टर में यही करना है पैटर्न 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 अप्लाई द पैटर्न सप्लाई द आंसर अप्लाई द पैटर्न सप्लाई द आंसर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड देर आर एन नंबर ऑफ पैटर्न विच कैन बी फॉर्म्ड विच कैन बी फॉर्मड आप इसको रट्टा नहीं मार सकते आपको ऑब्जर्व करना है चीज़ों को और फिर आंसर देना है माई सेल्फ आई हैव सीन ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड टू फोर हंड्रेड क्वेश्चन ऑफ सीरीज नॉट लेस देन दैट पर फिर भी हर छः महीने में मेरे सामने एक नई पैटर्न आती है राइट सो नाउ वॉट आई हैव डन य आई हैव मेड अ चेकलिस्ट सो आपको चेकलिस्ट फॉलो करनी है चेकलिस्ट से नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन 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 परसेंट आपका आंसर आएगा आएगा और आएगा ही बाकी का आपका ऑब्जर्वेशन मैटर करेगा आपकी मेहनत में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा होगा पर आपकी भी वो मेहनत रहेगी कि आप उतने फोकस से सॉल्व कर पाओगे और आज तक ट्रैक रहा है मेरी चेकलिस्ट से आंसर आया ही आया है राइट सो right? so, अपन वो चेकलिस्ट के हिसाब से क्वेश्चन देखेंगे और मैं आपको कंसेप्ट भी इसके अच्छे से क्लियर करवा दूंगा राइट सो आर यू रेडी टू सी डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न यस सो लेट स्टार्ट विद द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर ना ये चेकलिस्ट क्या है कैसा है मैं करवाते जाऊँगा और आपको चेक लिस्ट लिखवाते भी जाऊँगा राइट सो लेट सी फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिखते हैं पर यह भी समझने जरूरी है राइट सो लेट सी द क्वेश्चन इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन हम लोग ने अभी ऐसा कुछ क्वेश्चन किया राइट सो सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन एना क्वेश्चन मार्क, सो बोलो जल्दी जल्दी बोलो क्या रहेगा आंसर यस yes, प्लस थ्री यहाँ पे भी प्लस थ्री यहाँ पे भी प्लस थ्री यहाँ पे भी प्लस थ्री तो यहाँ पे भी एटीन प्लस थ्री कितना आ जाएगा ट्वेंटी वन राइट इजी राइट right? तो ऐसे क्वेश्चन ऑब्बियसली इंस्टीट्यूट एग्जाम में दी थी नहीं है पर हम लोग ये चैप्टर का बेस फॉर्म कर रहे हैं तो ये चैप ये करेगा ना तो तुझे चैप्टर का फील आएगा यू विल कम टू नो वॉट द रियल सीरीज इज राइट सो लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ सीरीज 7 ट्वेल्व नाइनटीन ट्वेंटी एट थर्टी नाइन क्वेश्चन मार्क सेवेन ट्वेल्व नाइनटीन ट्वेंटी एट थर्टी नाइन एंड क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पे देखोगे प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस इलेवन एंड हियर इट विल बी प्लस थर्टीन सो थर्टी नाइन प्लस थर्टीन कम टू फिफ्टी टू नाउ आपके मन में एक डाउट आता रहेगा सर ये क्या प्लस ही आएगा ऐसा जरूरी है तो पैटर्न की बेटा मैं बात करूँ तो ये तो तेरे पास खाली एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है राइट देर इज दिस इज ओनली वन मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट इज प्लस बट आपके पास तो और भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है जैसे माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो कुछ भी कर सकता है माइनस फाइव माइनस सेवन माइनस नाइन माइनस इलेवन माइनस थर्टीन भी कर सकता है कुछ भी कर सकता है वो मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय सेवन मल्टीप्लाई बाय नाइन कुछ भी कर सकता है वो सो इट इज ऑन देयर एंड सो इसके लिए बच्चा यहाँ पे फंसता है क्योंकि वो समझता नहीं है कि इसके अनगिनत क्वेश्चन बन सकते हैं अनगिनत राइट सो so, हम लोग को यही सीखना है हाँ एक और बात इसमें वो कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकता है प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड वैसा सब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ कर सकता है प्लस फाइव माइनस टू प्लस फाइव माइनस टू प्लस फाइव माइनस टू पैटर्न देखने और सुनने में दोनों में तेरे को अच्छा लगेगा समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ पैटर्न कैन बी एनी थिंग इट इज प्योरली ऑन ऑब्जर्वेशंस प्योरली ऑन ऑब्जर्वेशन हम लोग को यही देखना है राइट right? सो so, ये तो आज सेकेंड क्वेश्चन बेटा अब हम लोग एक माइनस का क्वेश्चन देखते क्लैरिटी आएगा लेट सी क्वेश्चन नंबर सेवन सो टॉकिंग अबर क्वेश्चन नंबर सेवन सेवेंटी वन फिफ्टी नाइन फोर्टी एट थर्टी एट ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन मार्क सो सेवेंटी वन से फिफ्टी नाइन क्या किया बेटा माइनस ट्वेल्व राइट फोर्टी नाइन से फिफ्टी नाइन से फोर्टी एट माइनस इलेवन माइनस टेन माइनस नाइन तो यहां पे आप देख सकते हो माइनस की सीरीज है तो so, यहां पे हो जाएगा माइनस एट तो ट्वेंटी नाइन से माइनस एट करोगे तो आ जाएगा ट्वेंटी वन इजी इजी तो ये है बेसिक से क्वेश्चन राइट सो ये बेसिक से क्वेश्चन आपको ऑब्वियसली एग्जाम में दिखते नहीं है बहुत ईजी है ना इंस्टीट्यूट ऐसे तो फ्री में एक मार्क देगा नहीं तो यही बेटा है मेरी पहली चेकलिस्ट ठीक है तो हम लोग चेकलिस्ट लिखना चालू करते हैं साथ साथ में तो ये चेकलिस्ट फॉर नंबर सीरीज थी बेटा और ये मेरी पहली चेकलिस्ट क्या बोलती है कि सादा सादा प्लस माइनस मल्टीप्लाई ढूंढो क्या आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है बेसिक क्वेश्चंस ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ऐसे आप क्वेश्चंस देख सकते ऑफ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस राइट अगर इससे आंसर नहीं आ रहा है तो मेरी दूसरी चेकलिस्ट के पास जाओ मेरी किसकी चेकलिस्ट के पास जाओ दूसरी चेकलिस्ट नाउ व्हाट इज दिस दूसरी चेकलिस्ट अब देख मैं चेकलिस्ट नहीं लिखूगा तू ही मेरे को जवाब देगा राइट सो so, ये दूसरी चेकलिस्ट क्या है उसके लिए लेट सी क्वेश्चन नंबर सेवनटीन लेट सी क्वेश्चन नंबर सेवनटीन आ जाओ सो लेट सी क्वेश्चन नंबर सत्रह एंड क्वेश्चन देखते क्या बोलता है वन 2 5 26 and a question mark and a dash and see the options also 620 650 677 687 so 1 2 5 26 and a question mark up sir apne basic basic प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अप्लाई करो तो ध्यान से ऑब्जर्व करो नंबर बढ़ रहा है ऑब्वियसली बढ़ रहा है तो चलो प्लस की एक बार पैटर्न ट्राई करके देखते हैं तुझे भी ऐसे ही ट्राई करना है सो प्लस वन प्लस थ्री प्लस ट्वेंटी वन एंड अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑलमोस्ट वो सिक्स हंड्रेड्स के आसपास थे ना तो अब यहाँ पर आप कुछ भी नंबर प्लस भी कर दोगे तो क्या ये पैटर्न बन रहा है क्या ये देखने और सुनने में अच्छा लग रहा है जी नहीं जी नहीं देखो मैंने क्या बोला था पैटर्न देखने और सुनने में दोनों में अच्छा लगना चाहिए पर यहां पे ऐसा हो रहा नहीं है सो so, क्योंकि यहां पे ऐसा हो रहा नहीं है तो अभी आपको ऑब्जर्वेशन लगाना है देखो कैन आई से यू स्टार्टेड विथ वन यू स्टार्टेड विथ वन एंड यू आर एंडिंग अप इन सिक्स हंड्रेड एंड सेवन ये तो आपका आंसर हो सकता है सो so, आप लोग एक बात देख पा रहे हो कि आपने वन से चालू किया थोड़ा नंबर बढ़ा फिर थोड़ा और नंबर बढ़ा थोड़ा और नंबर बढ़ा और नंबर कितना बड़ा हो गया कहना है से नंबर अचानक से बड़ा हो गया कहना है से दिस कहना है से दिस कि नंबर अचानक से बड़ा हो गया तो तुम लोग नंबर के साथ ऐसा क्या कर सकता है जिससे नंबर इतना अचानक बड़ा हो जाता है सोचो सोचो नंबर्स के साथ ऐसा तुम लोग क्या कर सकते हो कि नंबर अचानक इतना बड़ा हो जाता है यस यू आर राइट मल्टीप्लाई कर सकते हो यस यू आर डेफिनेटली राइट स्क्वायर कर सकते हो एंड यस यू आर पक्का 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 राइट कि आप क्यूब भी कर सकते हो सर कोई भी नंबर का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूँ स्क्वायर करूँ या क्यूब करूँ तो अचानक बड़ा हो जाएगा बराबर हो ये तो मेरी दूसरी चेकलिस्ट है धुन सुनना ध्यान से सुनना ध्यान से अब मेरा नॉलेज यू कैन ऑल्सो समटाइम्स यूज द प्रीवियस नंबर प्रीवियस नंबर मतलब मतलब पहले का नंबर उसमें कुछ स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई करो नेक्स्ट नंबर लाओ वापस सेम चीज नेक्स्ट नंबर में वो चीज स्क्वेयर क्यूब मल्टीप्लाई करो उसके बाद का नंबर लाओ और ऐसे चीजों को चलाते जाओ सो so, ध्यान से देखना टू का प्रीवियस नंबर क्या है वन फाइव का प्रीवियस नंबर क्या है टू ट्वेंटी सिक्स का प्रीवियस नंबर क्या है फाइव और क्वेश्चन मार्क का प्रीवियस नंबर क्या है ट्वेंटी सिक्स वन को टू बनाना है टू को फाइव बनाना है फाइव को ट्वेंटी सिक्स बनाना है ट्वेंटी सिक्स को क्वेश्चन मार्क बनाना है कैसे भी करके कैसे भी करके तो अब वापस ऑब्जर्व करो चीजों को आपने ही बोला आपने ही बोला कि सर नंबर अगर अचानक बढ़ा रहा है तो माइनस स्क्वायर क्यूब ट्राई करके देखो तो ऑब्जर्व करो अगर सपोज मुझे फाइव को ट्वेंटी सिक्स बनाना है तो फाइव के साथ में ऐसा क्या कर सकता हूँ कि वो ट्वेंटी सिक्स या ट्वेंटी सिक्स के आजू बाजू में चला जाए यस सर आप फाइव का स्क्वायर कर दो तो फाइव का स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव एन प्लस वन वेलकम टू, टू ट्वेंटी सिक्स अरे आपने सर फाइव का स्क्वायर किया वो तो ट्वेंटी फाइव ही आया ना पर आपको दिया कितना है ट्वेंटी सिक्स दिया है था, आपको प्लस वन भी तो करना पड़ेगा अब वैसे ही टू के साथ ऐसा क्या करोगे कि वो फाइव या फाइव के आजू बाजू में चला जाएगा बराबर टू का स्क्वायर प्लस वन।, वैसे ही, वन के साथ क्या करोगे वन का स्क्वायर प्लस वन मिल को पैटर्न मिल गए आप लोग, को गया आप लोग को आपने क्या किया, सर कुछ नहीं किया प्रीवियस नंबर को हम लोग ने कैच किया उसका स्क्वायर किया और प्लस वन किया तो वैसे ही आपको ट्वेंटी सिक्स का भी स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस वन करना पड़ेगा इट विल बी सिक्स सेवेंटी सिक्स प्लस वन सिक्स सेवेंटी सेवन एंड दैट इज नथिंग बट ऑप्शन सी समझा कि नहीं समझा समझा कि नहीं समझा आपने यहाँ पे पैटर्न यूज़ किया प्रीवियस नंबर का स्क्वायर प्लस वन सर आपने बोला था पैटर्न देखने और सुनने में अच्छा लगेगा इधर बताओ इधर बताओ तो देखो हो रहा है ना प्रीवियस नंबर का स्क्वायर प्लस वन 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 हो तो रहा है अब बताओ मुझे क्या आप रट्टा मार सकते हो बिल्कुल नहीं ऐसी तो अनगिनत पैटर्न बन सकती है और हर बार प्रीवियस नंबर यूज़ करेगा ऐसा भी जरूरी नहीं है ऐसा भी जरूरी नहीं है विदाउट प्रीवियस नंबर भी तेरे को क्वेश्चन दे सकता है बताओ बताओ ठीक है तो ये पहले फटाफट कॉपी कर लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो आई होप आप लोगों ने क्लियर आएगा राइट सो लेट सी फर्दर अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसी कैसी पैटर्न बन सकती है और वो आपके साथ कैसे कैसे मस्ती कर सकता है और उसके लिए आप लोग क्या करोगे एंड डेफिनेटली इफ यू फॉलो दिस थिंग नाउ थिंग्स गेट मच मोर इजियर एंड यू विल बी इन मच मोर बेटर पोजिशन देन अदर्स राइट चल आ जाओ देखते हैं मैं आपको चीजों को समझाता हूँ जैसे कि मैं नंबर लेता हूँ टू मैं नंबर लेता हूँ फाइव मैं नंबर लेता हूँ टेन नंबर लेता हूँ सेवेंटी नंबर लेता हूँ ट्वेंटी सिक्स एंड देन अ क्वेश्चन मार्क सो यू हव टू ऑब्जर्व थिंग्स यार तो ध्यान से जैसे हम लोग ने देखो ये ट्वेंटी सिक्स को यहाँ पे फाइव स्क्वायर प्लस वन लिखा तो, तो अगर आप लोग का थोड़ा ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो मैं थ्री क्यूब माइनस वन भी तो लिख सकता हूँ ना थ्री क्यूब इज ट्वेंटी सेवन माइनस वन ट्वेंटी सिक्स So, आप लोग को ऐसी चीजों को ऑब्जर्व करना है जैसे कि मैं आपको यही अलग अलग पैटर्न बताने जा रहा हूं तो ध्यान से यहाँ पे वो क्या पैटर्न फॉलो कर सकता है अगर मैं की बात करूं। ठीक है? एक और पैटर्न फॉलो होगा बताऊंगा प्लस वन टू प्लस वन थ्री स्क्वायर प्लस वन फोर स्क्वायर प्लस वन फाइव स्क्वायर प्लस वन वन स्क्वायर वन वन प्लस वन टू टू स्क्वायेयर फोर फोर प्लस वन फाइव थ्री स्क्यर नाइन नाइन प्लस वन टेन फोर स्क्वर सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस वन सेवन फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी सिक्स सो यर कैन आई डू सिक्स स्क्वायर थर्टी सिक्स प्लस वन इज नथिंग बट थर्टी सेवन तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया थर्टी सेवन तो यहाँ पे पैटर्न क्या था प्रीवियस नंबर नहीं था वन स्क्वायर प्लस वन टू स्क्यर प्लस वन थ्री स्क्यर प्लस वन फोर स्क्वेयर प्लस वन फाइव स्क्वायर प्लस वन सिक्स स्क्वायर प्लस वन सेवन स्क्वायर प्लस वन एट स्क्टर्न देखने और सुनने में अच्छा लगेगा पर इसको मैं एक और रास्ते से कर सकता था ध्यान से देखना नॉर्मल जो मैंने तेरे को फर्स्ट चेक लिस्ट करवाई प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन सो यहाँ पे प्लस इलेवन ट्वेंटी सिक्स प्लस इलेवन सी आंसर रिमी द सेम पर मुझे तुझे ये बताना था समझा कि नहीं समझा अब ऐसे में तेरे साथ थोड़ी रैंडम ओरली पैटर्न डिस्कस करना चाहूंगा वो क्या क्या कर सकता है अब ये तो उसने क्या किया वन स्क्वायर प्लस वन किया ना सो लोग ऐसे भी कर सकते हैं वन स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस टू थ्री प्लस थ्री फोर स्क्वायर प्लस फोर फाइव स्क्वायर प्लस फाइव पैटर्न है ऑब्जर्वेशन एग्जैक्ट नंबर नहीं देगा वो आजू बाजू के देगा मतलब फोर स्क्वास फोर स्क्वायर इज सिक्सटीन प्लस फोर इज ट्वेंटी सो दे विल गिव यू स्क्स थ्री ट्वेल्व गिव यू

सो so, कुछ भी कर सकता है एनीथिंग दे कैन डू एनीथिंग देयर विश पैटर्न होना चाहिए ये तो प्लस हुआ बेटा वो माइनस भी कर सकता है वन स्क्वायर माइनस वन तो वैसे ही टू स्क्वायर माइनस टू थ्री स्क्वायर माइनस थ्री ऐसी पैटर्न है मैंने देखी हुई है दैट्स वाई एम टेलिंग यू दैट्स वाई एम टेलिंग यू एक और बात ये तो हुआ माइनस एन प्लस साथ में वो ऑल्टरनेटली भी खेलता है ऑल्टरनेटली कैसे खेलता है सर देखो ऐसा कुछ वन स्क्वायर प्लस वन टू स्क्वायर माइनस टू थ्री स्क्वायर प्लस थ्री फोर स्क्वायर माइनस फोर प्लस माइनस ऑल्टरनेटली अब ये तो कुछ भी नहीं ये तो कुछ भी नहीं मैंने तो ऐसे भी पैटर्न देखे ध्यान से देखना बहुत बहुत वो लोग लो ब्यूटीफुली फ्रेम करते हैं ये देखना वन स्क्वायर प्लस वन टू क्यूब माइनस वन थ्री स्क्वायर प्लस वन फोर क्यूब माइनस वन फाइव स्क्वायर प्लस वन तो आगे क्या हो जाएगा बेटा सिक्स क्यूब माइनस वन जरूरी नहीं वो प्लस वन माइनस वन ही करे वो लोग प्लस टू माइनस टू भी कर सकते हैं वन स्क्वायर प्लस टू 2 टू क्यूब माइनस टू थ्री स्क्वायर प्लस टू थ्री स्क्वायर वैसे प्लस टू फोर क्यूब माइनस टू कैन डू एनीथिंग एनीथिंग आप समझ रहे हो कॉम्बिनेशन समझ रहे हो आप तो सर इसमें जीते कैसे आप यू साइड के हम लोग इसमें जीत सकते हैं हाँ एक रास्ता है एक देखो वो लोग एग्जैक्ट नंबर्स नहीं देखे वो लोग एग्जैक्ट नंबर्स नहीं देखे वो लोग आजू बाजू के नंबर्स देखे सो आप लोग को क्या करना है ना मैं करता हूँ वैसे वैसे तुम लोग करते जाना आपका काम हो जाएगा आपको ये बात लिखने लग लिखने ही लगनी है और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक से लेके दस तक के क्यूब वन टू ट्वेंटी के स्क्वे रट्टा मारले रट्टा आर ए टी टी एम मगिटअप आपका काम हो जाएगा आपका काम हो जाएगा आई अश्योर यू डैट आई अश्योर यू डैट क्योंकि वो लोग एग्जैक्ट नंबर्स नहीं देते हैं आजू बाजू वाले नंबर्स देते हैं जैसे कि आई टॉक अबाउट टू हंड्रेड एंड टेन सो योर ब्रेन शुड स्ट्राइक क्या सर सिक्स का क्यूब होता है सिक्स का क्यूब होता है टू वन सिक्स माइनस सिक्स सो आई कैन राइट दिस क्यूब है और ये बेटा कैसा रहेगा ना डोमिनोज इफेक्ट जैसा रहेगा एक मिला दूसरा मिला ना तो अपने आप पैटर्न दिख जाएगी समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं ऐसा वो लोग करते हैं तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है क्लियर आई होप आई एम क्लियर विद द सेकंड चलिश नाउ ये चीज़ आप लोग रट्टा मार लो और अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है ना तीन अटैम्प बीच के फ्रॉम ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी टू थ्री अटैम्प वो लोग ने लिटरल सेंस में स्क्वायर क्यूब के क्वेश्चन पूछे थे लिटरल सेंस में बस ऐसे ही विदाउट पेन एंड पेपर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आंसर आ जाएगी देख ये सारे पैटर्न है ना बेटा आपके दोस्त लोग की भी आएगी ऐसा नहीं है नहीं आएगी आएगी उनकी दो से तीन मिनट में आएगी पर आपके स्क्र क्यूबला ना ना तो आपके दस सेकेंड में आंसर आएगा बस डिफरेंस इतना ही रहेगा एन टाइम आपको बहुत हेल्प करेगा जो दो मिनट आपका बचेगा ना आप स्टैटिस्टिक्स के बड़े बड़े क्वेश्चंस में मैथ्स के बड़े बड़े क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो या फिर लॉजिकल रीजनिंग में ही सीटिंग अरेंजमेंट के बड़ा सा क्वेश्चन आ गया तो आपको बहुत हेल्प करेगा लाइक इन प्रीवियस अटेम्प्ट सो आपके खाली दो या तीन मिनट की मेहनत स्क्वायर क्यूब लर्न करने की आपको एग्जाम में बहुत फायदा दिलाएगी क्लियर क्लियर तो ये चीज़ याद रखोगे पक्का पिंकी प्रॉमिस है ना अपन बचपन में करते थे पिंकी प्रॉमिस सर है ना तो पिंकी प्रोमिस याद रखना ओके अब अपन एक दो क्वेश्चन और इसमें देखते हैं तो अपना ग्रीप अच्छे से बैठ जाएगा ये टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं वो ऊपर वाले बच्चे जैसे क्वेश्चन नहीं रहते राइट सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके ऐसे ही रहेंगे जबकि आपको खेलना पड़ेगा स्क्वायर क्यूब्स के साथ मल्टीप्लीकेशन के साथ राइट right? मैं आपको पहले दो तीन क्वेश्चन बुक से ही करवाऊंगा और फिर मैं आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी दूंगा कि देखो ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है राइट right? आपको देखना ही देखना है वो चीज राइट मॉक टेस्ट पेपर्स के भी क्वेश्चंस आई हैव राइट सो लेट सी सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एटीन ना क्वेश्चन नंबर एटीन इज ऑलरेडी यू कैन सी जैन टू के पेपर में देखा गया था राइट सो लेट सी द क्वेश्चन इज सेवन सेवेन ट्वेंटी थ्री फोर्टी सेवेन वन वन नाइन वन सिक्सटी सेवेन एने क्वेश्चन अब ऑब्जर्व करो बेटा क्या नंबर अचानक बढ़ रहा है यू कैन सी वी स्टार्टेड फ्रॉम सेवन एंड वी आर एंडिंग अप इन टू हंड्रेड एंड थ्री हंड्रेड येस सर डेफिनेटली यस सर राइट अब एक बार पैटर्न देख लो प्लस की क्या बन रही है खाली देख लो ना हो ना सेवन से ट्वेंटी थ्री प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी फोर्टी सेवन आपका रहेगा प्लस ट्वेंटी फोर एंड फोर्टी सेवन से वन वन नाइन तो बहुत दूर है सो ये ऑब्वियसली प्लस का पैटर्न बन रहा सो स्टार्ट लुकिंग फॉर स्क्वास एंड क्यूब्स राइट right, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके लिए मैं करवा रहा हूँ स्टार्ट लुकिंग फॉर स्क्स इन क्यूब और एक ही नंबर को आप पहले अलग अलग पॉसिबल वेज में देखो जैसे कि मैं वन स्क्वायर तो वन स्क्वायर से तो सेवन बहुत दूर है यार राइट right, अगर जीरो रहता ना तो मैं वन स्क्वायर ट्राई करता राइट बट वो यहाँ पे तो ऑब्वियसली वन से बहुत दूर है सो लेट्स स्टार्ट विथ टू स्क्वायर टू स्क्वायर इज फोर फोर प्लस थ्री राइट फिर आपका बेटा यहाँ पे टू का स्क्वायर हो गया फिर यहाँ पे अपन ट्राई करते हैं थ्री का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर होता है नाइन नाइन माइनस टू इज सेवन फिर अब स्क्वायर अब फोर का स्क्वायर करेगा तो सिक्सटीन पहुंच जाएगा पर अपन एक बार क्यूब ट्राई करते हैं वन के क्यूब से दूर है पर टू के क्यूब से तो बाज में ना टू क्यूब माइनस वन सो बेटा ये सेवन को ही मैं देखो कितने अलग अलग वेज में लिख सकता हूँ वैसे नेक्स्ट नंबर को भी देखो आपको अपने आप एक पैटर्न दिखने लगेगी चलो अब बात करते हैं ट्वेंटी थ्री की तो थ्री का स्क्वायर से तो ट्वेंटी थ्री बहुत दूर है बट फोर के स्क्वायर स्क्वायर से तो बाजू में है, 4 प्लस राइट right? अब बात करते हैं फाइव स्क्वायर तो माइनस टू भी तो हो सकता है एन क्यूब की बात करें तो थ्री क्यूब इज ट्वेंटी सेवन माइनस फोर अब आपको ही दिखता रहेगा सर कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली सर सेकंड वाला रहा थ्री स्क्वायर माइनस टू फाइव स्क्वायर माइनस टू बोलने भी अच्छा लगा सुनने में भी, भी पर क्या पहला और थर्ड पैटर्न नहीं हो सकता है हो सकता है वो लोग कभी कभी क्या करते हैं पैटर्न के अंदर भी एक पैटर्न छुपा के रखते हैं और ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके लास्ट अटैम्प्ट के मॉक टेस्ट पेपर में दिखा गया था हम लोग सॉल्व करेंगे मैं आपको तभी रेफरेंस दूंगा तो कभी भी स्कीप नहीं करने का चीज़ों को देखने का लास्ट तक बात इधर करते हैं सिक्स स्क्वायर प्लस इलेवन हो सकता है हो सकता है वैसे सेवन स्क्वायर से ट्राई करो सेवन स्क्वायर माइनस टू और क्यूब की मैं बात करूंगा तो फोर क्यूब इज सिक्सटी फोर माइनस टेन विल बी फिफ्टी फोर माइनस सेवनटीन विल बी फोर्टी सेवन एक बार क्यूब देख लेते हैं और समाप्त करते हैं क्यूब को ध्यान से देखना टू क्यूब थ्री क्यूब फोर क्यूब बराबर जा रहा है लाइन से जा रहा है पैटर्न से जा रहा है पर क्या माइनस पैटर्न से जा रहा है माइनस वन माइनस फोर माइनस सेवनटीन अच्छा लग रहा नहीं है कैंसिल इट आउट कैंसल और वैसे भी आप फाइव का क्यूब करोगे तो वन ट्वेंटी फाइव फिर वन ट्वेंटी फाइव से माइनस सिक्स का लि सिक्स का क्यूब करोगे तो टू वन सिक्स बहुत दूर चले जाओगे आप आपका नेक्स्ट नंबर ही वन सिक्सटी सेवन है इसके लिए बोला था स्क्वायर क्यूब लर्न करो कैलसी की भी जरूरत नहीं है तो लास्ट वाला तो क्यूब वाला तो गया अब दो स्क्वायर के बीच में मारा मारी गए ओके टू फोर सिक्स सो सिक्स के बाद एट का स्क्वायर एट का स्क्वायर प्लस अब एट का स्क्वायर करोगे तो सिक्सटी फोर आएगा बराबर है अब बात करते हैं प्लस की बट आपको देख एक बात ध्यान रखना आपको पहुंचना है वन वन नाइन तक तो प्लस इतना करोगे तो वापस स्क्वायर का तो लाइन से जा रहा है क्या प्लस का लाइन से जाएगा नहीं इन शॉर्ट ये भी चलेगा नहीं बराबर है बराबर है अरे आपको फिफ्टी फाइव प्लस करना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या कैसे थ्री सेवन इलेवन हाँ अगर इधर फिफ्टीन होता एट स्क्र सिक्सटी फोर प्लस फिफ्टीन सेवनटी नाइन चल सकता था पर आपको तो दिया है वन वन नाइन चलेगा नहीं तो बचा कौन सा बीच का बचा अब नाइन स्क्वायर माइनस टू तो नाइन स्क्वायर अपने पास नहीं है पर इलेवन का स्क्वायर माइनस टू जरूर है इलेवन का स्क्वायर माइनस टू इलेवन का स्क्वायर वन ट्वेंटी वन माइनस टू फिर थर्टीन का स्क्वायर माइनस ये अब मजा आएगा अब लोग बोलेंगे यस yes, मेरा आंसर आ गया मेरा आंसर आ गया थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन का स्क्वायर माइनस टू 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 फाइव माइनस टू 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 थ्री और ये आपका आंसर है गलत इंस्टीट्यूट को यही चाहिए था कि आप गलत आंसर दो पहले एक बार सोचो ये गलत है तो क्यों है गलत है तो क्यों है वाई इज दिस रॉन्ग वाई इज दिस रॉन्ग सोचा सर आपने बोला था पैटर्न से जाने का थ्री फाइव सेवन ऑर्ड नंबर्स का पैटर्न है तो सेवन के बाद ऑर्ड नंबर इलेवन आता है हाँ बोल हाँ वो मुन्नी ऐसे करते थे ना हाँ बोल हाँ नाइन आपके पास है किधर थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन ना नाइन आपके पास है नहीं तो ये ऑड नंबर का स्क्वायर माइनस टू का पैटर्न नहीं था बेटा अगर तू ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करता तो तू तो समझता थ्री फाइव सेवेन इलेवन आर योर योर थर्टीन आर योर प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या तो वन से नंबर्स विच आर आई डिविजिबल बाय बाई इट सेल्फ और डिविजिबल बाय वन आर प्राइम नंबर्स तो तेरह के बाद का प्राइम नंबर सत्रह सत्रह का स्क्वायर टू एटी नाइन माइनस टू टू एटी सेवन इज द करेक्ट आंसर एंड यू कैन सी बोथ ऑप्शन भी दिए बेटा इंस्टीट्यूट यही करती है उसको चाहिए तू गलती करे तो ये पैटर्न किसका था प्राइम नंबर के स्क्वेर माइनस टू का लोग क्या करते हैं ऑड नंबर का स्क्वायर माइनस टू गलत बारह बोलते यस मेरा आंसर राइट आया फिर जब एग्जाम में थर्टी नाइन आता है तब याद आता है अच्छा मैंने ऑड नंबर का स्क्वायर माइनस टू किया था एक एक मार्क मैटर करेगा आपका एक एक मार्क मैटर करेगा एक बार है ना बेटा क्वेश्चंस को अगर आंसर आ भी जाए ना तो एक हैबिट रखने की कि मैं एक बार खाली गो थ्रू कर लूँ कि बराबर है कि नहीं दो या तीन सेकंड जाएंगे बट यू विल बी श्योर यू आर राइट राइट वो दो या तीन सेकंड के आपका कंफर्मेशन आपका छः महीना बचा सकता है समझा सबको समझा सबको खुश होने का नहीं आई होप आपको ये स्क्वायर क्यूब के पैटर्न का क्वेश्चन समझे अब इसमें एक अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है ठीक है प्रीवियस नंबर का ही उसमें रोल है मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है साथ साथ में देखते हैं और सॉल्व करने की ट्राई करते राइट द क्वेश्चन इज टेन नाइन सिक्सटीन फोर्टी फाइव वन सेवेंटी सिक्स क्वेश्चन में और मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ एट फिफ्टी सेवन एट सेवेंटी फाइव एट थर्टी सेवन एट नाइन्टी सेवन सोचो थोड़ा सर आपने बोला था नंबर अचानक बढ़ रहा है बढ़ रहा है अगर नंबर अचानक बढ़ रहा है तो प्रीवियस नंबर स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लीकेशन तो मैं अप्लाई करता हूँ सर मेरे को देखा मेरे को स्क्वायर आता है थ्री का स्क्वायर नाइन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन बट बेटा बाकी लोग का क्या वो लोग एग्जैक्ट स्क्वास नहीं है तो ऑब्वियसली ये स्क्वायर का पैटर्न नहीं है क्यूब का भी हो सकता नहीं है समझा कि नहीं समझा समझा कि नहीं समझा तो तभी किसका पैटर्न है सर क्या करें इसमें कुछ तो बताओ हमें ध्यान से सुनना तो सबसे पहले नंबर अचानक बढ़ रहा है जी हाँ बिल्कुल बढ़ रहा है यू आर स्टार्टिंग विथ टेन एंड यू आर एटी यू नो एंडिंग विथ एट हंड्रेड एंड नाइन हंड्रेड्स एट नाइनटी सेवन मतलब ऑलमोस्ट नाइन हंड्रेड हो गया ना नंबर अचानक बढ़ा बड़ा स्क्वायर क्यूब से आंसर नहीं आ रहा है तो और दो रास्ते कौन से बचे प्रीवियस नंबर एंड मल्टीप्ल शन राइट नाउ दस का नौ हुआ नौ का सोलह हुआ मतलब स्टार्टिंग में कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है तो अगर मेरे को नंबर्स को दस को नौ करना है तो तू डायरेक्टली टेन माइनस वन नाइन कर सकता नहीं है बिकॉज यू हैव टू ऑल्सो गिव द मल्टीप्लायर इफेक्ट आया ना आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट भी देना है तो और एक और रास्ता क्या है मेरे पास तो मैं करता हूँ ना टेन मंजा टेन माइनस वन ऐसा कर सकता हूं मैं हाँ अब नाइन इज योर प्रीवियस नंबर नाइन टू देख नाइन वन झा नाइन प्लस सेवन तो नहीं बैठेगा नाइन टू झा एटीन माइनस टू यू यार दिखी पैटर्न तो मैंने वही तो बोला था एक बार ट्राई तो करो डोमिनोज इफेक्ट है एक दो मिलेंगे तो सारे मिल जाएंगे तो आगे तू क्या ट्राई करेगा बराबर सोचा एकदम बराबर सोचा सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट माइनस थ्री सो आगे क्या होगा फोर्टी फाइव फोर जा वन नाइनटी माइनस फोर सॉरी वन एटी होगा हाँ या फोर्टी फाइव इंटू फोर वन एटी माइनस फोर वन सेवेंटी सिक्स राइट यू कैन श्योरली डू विथ कैलसी ठीक है चलो आ जाओ मैसा तो मैं कर सकता नो वन सेवनटी सिक्स इंटू फाइव सो वन सेवेंटी सिक्स इंटू फाइव विल बी एट एटी माइनस फाइव सो आंसर विल बी एट सेवेंटी फाइव ऑप्शन बी बोलो मार सकते हो रट्टा मैं आपको पहले ही ना बोला था अब बस मैं आपको इतनी सारी अलग अलग पैटर्न बेटा इसके लिए करवा रहा हूँ कि एग्जाम में आना आपको याद आएगा कि सर ने ये भी करवाया था सर ने वो भी करवाया था सर ने ये भी करवाया था सर ने वो भी करवाया था मैं ऐसा ट्राई करता हूँ मैं ऐसा ट्राई करता हूँ इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ही आपको जिताता है ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप ट्राई करोगे ना वही आपको जिताएगा अब ये इंटू वन माइनस वन से बना तो आप मुझे बताओ क्या इंटू वन प्लस वन से नहीं बन सकता है बिल्कुल बन सकता है बराबर सोच रहा तू समझ रहे समझ रहे हो सो so, दस के बाद अगर ग्यारह देता सपोज ऐसा कुछ देता टेन इलेवन तो मेरा दिमाग स्ट्राइक करता अच्छा सर ने बताया था प्रीवियस नंबर इन टू वन प्लस वन सो यू विल डायरेक्टली स्टार्ट राइटिंग दैट फिर क्या होगा आगे प्रीवियस नंबर इंटू टू प्लस टू ऐसा भी हो सकता है तो दस के बाद ग्यारह ग्यारह का डबल बाईस बाईस का प्लस टू कितना हो जाएगा चौबीस प्रीवियस नंबर इंटू थ्री प्लस थ्री प्रीवियस नंबर इंटू फोर प्लस फोर कंटिन्यू होता जाएगा आई होप दिस चेकलिस्ट इज क्लियर टू यू नाउ ठीक है समझा तो फटाफट फटाफट फाट अपन एक बार चेकलिस्ट लिख लेते हैं आई होप आप लोग ने ये लिख लिया रहेगा और आई होप अभी आपका दिमाग अलग वे में चलना चालू हो जाएगा राइट सो लेट सीर द सेकंड चेकलिस्ट साथ साथ में लिखेगा सेकेंड चेकलिस्ट इफ नंबर इंक्रीजिस Suddenly, then check for multiplication, square or cube, and it can also be. With प्रीवियस नंबर और वो प्रीवियस नंबर के साथ साथ भी हो सकता है अगर नंबर अचानक बढ़े तो चेक फॉर multiplication, स्क्वायर क्यूब एंड इट कैन also बी with previous number. प्रीवियस नंबर प्रीवियस नंबर दे भी सकता है नहीं भी दे सकता हम लोग ने दोनों दिखा हम लोग ने दोनों दिखा राइट हाँ और अगर चाहिए तो लिख ले लर्न वन टू ट्वेंटी का स्क्वास एंड वन टू टेन का क्यूब हाँ प्लीज प्लीज मैं आपको प्लीज बोल रहा हूँ राइट सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन एग्जामिनेशन अ लॉट ठीक है आप ऐसा मान के चल सकते हो कि भाई दूसरे में से एक क्वेश्चन तो इधर से मिलेगा ही मिलेगा हर दो में से एक क्वेश्चन आप अपनी टेक्स्ट बुक्स भी ट्राई कर सकते हो जिस कैसे कि आप मॉड्यूल के क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो एनी क्वेश्चन यू जस्ट लुक इन टू फॉर दिस एंड योर जॉब इज डन योर जॉब इज डन नॉर्मली बच्चे लोग इसमें फंसते हैं क्योंकि रट्टा मारते है ना रट्टा मारते हैं सर ने हमें इधर ये पैटर्न लगाने को बोला था इधर ये पैटर्न लगाना नहीं ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन विल सेल्व सी राइट चलो आ जाओ सो लेट्स सी नाउ थर्ड चेकलिस्ट थर्ड चेकलिस्ट का नाम लिख ही लो साथ साथ में ठीक है और वही अपने चेकलिस्ट का नाम है ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज ठीक है ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज एंड हाईली इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज क्योंकि आई आई गेस आपने आज से पहले इसका कभी नाम भी नहीं सुना रहेगा बट अपने पास हर, हर है ना हर दर्द की है राइट सो लेट्स सी यर ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज ना व्हाट इज़ दिस ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज आपको मैं समझाता हूँ और मेरे बच्चों को ये चीज़ ने दिसंबर 2022 के अटैम्प में बहुत हेल्प किया था जिधर लोगों के चार चार पाँच पाँच मिनट में आंसर आ रहे थे आधे से ज़्यादा लोग के तो आए ही नहीं थे राइट right? बट ये ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज से आंसर 10 से 20 सेकंड में उन लोग का आ गया था मैं आपको वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा पर पहले ये ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज समझ के थे राइट बहुत कम लोगों को ये चीज पता रहता है बट ये एग्जिस्ट करता है राइट ध्यान से देखते हैं नाउ इसके लिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं फॉर ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज क्वेश्चन इज फोर सिक्स ट्वेल्व फोरटीन ट्वेंटी एट थर्टी अ क्वेश्चन मार्क ऑप्शन ए थर्टी फोर ऑप्शन बी सिक्सटी ऑप्शन सी सिक्सटी टू ऑप्शन डी सेवेंटी फोर राइट सो एक वे से बेटा आपका आंसर आ जाएगा एक वे ऐसा है जिससे आपका आंसर आ जाएगा आप ऑब्जर्व करोगे ना आपका आंसर आ जाएगा हाँ सर मेरा आंसर आया सर मुझे तो दिख गया सर कितना इजी है अल्टरनेट पैटर्न सीरीज़ पर नहीं तुम जो कर रहे हो अल्टरनेट पैटर्न सीरीज़ नहीं है मैंने अभी तक अल्टरनेट पैटर्न सिखाया ही नहीं है मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि आपका आंसर आ सकता है पर आप एक जगह पर फंस भी जाओगे ठीक है क्या फँसोगे कैसा फंसोगे मैं सब आपको बाद में बताता हूँ पहले इधर ध्यान देते हैं सर मेरा आंसर आया सर Plus 2 into 2. Plus 2 into 2. Plus 2 into 2. Pattern money, na Plus two, into two. Plus 2 into 2. 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 Right? So, this is the pattern. So, 30 into 2. Answer will be 60. Yes, sir. Yes, sir. पर ये अल्टरनेट पैटर्न सीरीज था नहीं अल्टरनेट पैटर्न सीरीज तो अब चालू होगा बेटा दूसरा रास्ता मेरा रास्ता ध्यान सुनना सबसे पहले मतलब समझते हैं अल्टरनेट का सर व्हाट डू मीन बाय का कैसे सवाल पूछता है, है एक छोड़ के एक अल्टरनेट मतलब क्या एक छोड़ के एक अगर मैं फोर को पकड़ता हूं तो फोर के बाद का अल्टरनेट नंबर क्या होगा ट्वेल्व ट्वेल्थ के बाद का ऑल्टरनेट नंबर होगा ट्वेंटी एट एंड ट्वेंटी एट के बाद का ऑल्टरनेट नंबर होगा क्वेश्चन मार्क तो इसको है ना इसको मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ फोर 12 ट्वेंटी एट क्वेश्चन मार्क सर और भी तो नंबर बचे हाँ वो भी तो ऑल्टरनेट है हाँ छ चौदह अड़तीस सिक्स फोर एंड थर्डी दिस इज द इंट्रोडक्शन और मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज ऐसी ऐसी ऊपर क्वेश्चन ऐसी ऐसी दो छुपी हुई सीरीज होती है जिसमें दो छुपी हुई सीरीज होती है यू कैन सी सीरीज ए एंड यू कैन सी सीरीज बी अब मेरे काम की कौन सी है ऑब्वियसली जहां पे क्वेश्चन मार्क है ऑब्वियसली जहां पे क्वेश्चन मार्क है वही मेरे काम की होगी तो इधर की बात करें तो प्लस एट प्लस सिक्सटीन प्लस पता नहीं है ना है ना सर मेरे को आंसर आता है प्लस ट्वेंटी फोर नहीं नहीं, नहीं नहीं सर प्लस थर्टी टू नहीं 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 सर प्लस ट्वेंटी फोर नहीं, नहीं 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 प्लस थर्टी टू है ना देख थोड़े लोग जो है ना अभी मेरे साथ है ना वो लोग आधे लोग सोचते रह गए ट्वेंटी फ़ोर आधे लोग सोचते रहे थे थर्टी टू तू सोच क्या राइट है फिर मैं तेरे को बताता हूँ सोचो सोचो सर ट्वेंटी फ़ोर राइट है नहीं सर मेरा राइट है मैं स्मार्ट हूँ थर्टी टू राइट है सर नहीं सर नहीं सर ट्वेंटी फ़ोर राइट है नहीं सर थर्टी टू राइट है नहीं सर ट्वेंटी फोर नहीं सर थर्टी टू दोनों के दोनों राइट है यार समझता नहीं है यार मैं वही तो लिख रहा हूँ वही तो लिख रहा हूँ तू भी राइट है तू भी राइट है दोनों के दोनों राइट है कोई रॉन्ग नहीं है ट्वेंटी फोर भी आ सकता है थर्टी टू भी आ सकता है जितने लोगों ने ट्वेंटी फोर बोला ना बेटा वो लोग गए टेबल वाले रास्ते से कौन से रास्ते से गए टेबल देखना आठ का टेबल चालू है एट सिक्सटीन ट्वेंटी फोर थर्टी टू फोर्टी फोर्टी एट वैसा प्लस 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 एंड दूसरा रास्ता बेटा जिनने लोग ने थर्टी टू बोला वो लोग ने भी बराबर बोला डबल अपैन एड रास्ता क्या है डबल अपन ऐड आठ का डबल सोलह सोलह का डबल बत्तीस बत्तीस का डबल सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर का डबल वन ट्वेंटी एट वन ट्वेंटी एट का डबल टू फिफ्टी सिक्स और वो चलता जाएगा समझा कि नहीं समझा सर अब मेरे को पता कैसे चलेगा यार दो दो पैटर्न अप्लाई हो रही है इसके लिए मैंने लिखा सच नंबर्स दे रहा हूँ एग्जांपल। आठ और सोलह तो छः बारह सेवन फोटीन बस ये दो ही नंबर है सपोज सेवन एंड फोर्टीन दो ही नंबर है मेरे पास तो सेवन का टेबल चालू हो सकता है सेवन फोरटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी एट या तो फिर डबल अपन सेवन का डबल फोर्टीन का डबल ट्वेंटी एट का डबल फिफ्टी सिक्स का डबल वन वन टू समझा समझा थ्री सिक्स टू फोर फाइव टेन अगर तेरे पास ऐसे दो ही नंबर है तो दो रास्ते निकल सकते हैं तो अभी इधर कौन सा अप्लाई करेगी सर पहले हम लोग ट्राई करते हैं सिक्सटीन के बाद ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी एट प्लस ट्वेंटी फोर आता है फ़िफ्टी टू क्या फिफ्टी टू ऑप्शन में है तेरे पास नहीं तो अभी क्या ट्राई करेंगे थर्टी टू ट्वेंटी एट प्लस थर्टी टू इज सिक्सटी क्या सिक्सटी ऑप्शन में है सर मेरे पास यस yes, सर बिल्कुल सर जी हां सर आई होप आपको ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज क्लियर है ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज मतलब ऐसी सीरीज जिसमें दो छुपी हुई सीरीज होती है दो छुपी हुई सीरीज होती है जिधर क्वेश्चन मार्क मेरे काम के सर दूसरे में भी क्वेश्चन मार्क आया तो, तो फिर वो भी सॉल्व करेगा तू आ सकता है और आई होप आप लोग को ये भी समझा रहेगा टू पॉसिबल पैटर्न फॉर सच नंबर्स समझा सबको समझा सबको तो कॉपी करो और फिर मैं इसके बारे में कहानी सुना था आपको कॉपी करो सो so, अब बेटा क्या था ना ये मैंने आपको क्यों करवाया ना क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बोला ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज के कभी कभी ये तो ठीक है आपके दो रास्ते से अलग अलग आंसर आया प्लस टू इंटू टू प्लस टू इंटू टू से भी आया नीचे से भी आया आंसर रिमेंस द सेम ठीक है आंसर के तुम लोगों को किधर ये नहीं पूछा है कि भाई अलग से पैटर्न से नहीं सॉल्व कर सकते आपको किधर सॉल्विंग नहीं है आंसर के मार्क करके आना आपको सो so, बात करते इधर तो यहाँ पे बेटा आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है कि यार उधर से भी कर सकता हूँ इधर से भी कर सकता हूँ मैं किधर से जाऊँ आपको दिमाग में ये रास्ता रखना है सबसे पहले देख इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में आपको चेकलिस्ट बोला चेकलिस्ट मतलब क्या मैं ये ट्राई करता हूँ इससे आंसर नहीं आता तो ये ट्राई करता हूँ इससे आंसर नहीं आता तो ये ट्राई करता हूँ वैसे तो आपने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ट्राई किया नहीं आया नंबर इनक्रीज सडनली ट्राई किया नहीं आया तो आप किसके पास जाओगे हाँ वी के ने बोला था वी के ने क्या बोला था मैं एक बार अल्टरनेट पैटर्न सीरीज से जाता हूँ और तू उसमें जीत जाएगा टाइम वेस्ट नहीं करेगा तू जीत जाएगा क्योंकि बेटा ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज के स्पेसिफिक क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं specific questions, specific questions वो से ही हो और कोई भी मेथड से सॉल्व होगा नहीं सर एग्जांपल दो ना ठीक है अपन आए उसके लिए आ जाओ हैं आ जाओ बॉस दिखा दूंगा क्वेश्चन so, है दुनिया की कोई भी मैथड लगा तेरा आंसर नहीं आने वाले ध्यान से देखना वन थ्री थ्री सिक्स सेवन नाइन क्वेश्चन मार्क ट्वेल्व ट्वेंटी वन ये एग्जाम में तेरे सामने क्वेश्चन आया तो पहले थोड़ा ऐसा डर जाने का बहुत हार्ड क्वेश्चन है भाई बहुत हार्ड क्वेश्चन है बहुत हार्ड बहुत हार्ड है ना समझ में नहीं आ रहा है यार फिर ऐसा थोड़ा शांत थो होने का चलो मैं चेक लिस्ट याद करता हूँ चेक लिस्ट बोलता था सादा सादा प्लस माइनस ट्राई करके देखता हूँ प्लस टू प्लस जीरो प्लस थ्री प्लस वन क्या पैटर्न दिख रहा है क्या देखने और सुनने में अच्छा लग रहा है नहीं जाने दी सर नंबर अचानक बढ़ रहा है इधर तो नंबर अचानक बढ़ ही नहीं रहे तो फिर भी एक बार स्क्वायर क्यूब ट्राई करना ही कर सकता सर बहुत आजू बाजू के नंबर वन के बाद थ्री है थ्री के बाद नाइन थ्री हाँ वन के बाद थ्री है थ्री के बाद थ्री बहुत आजू बाजू के नंबर नहीं कर सकता मैं स्क्वायर क्यूब करेगा तो वो भी पैटर्न बनेगा नहीं तो अब मैं क्या करूँ अब क्या करूँ मैं अब क्या करूँ मैं ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज ट्राई कर तेरी तीसरी चेकलिस्ट ओके सर थैंक यू सर बताने के लिए मैं अब भी ट्राई करता ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज और तुमने चालू किया वन थ्री सेवेन क्वेश्चन मार्क ट्वेंटी वन तो एक सीरीज बनी वन थ्री सेवन क्वेश्चन मार्क ट्वेंटी वन बाकी के नंबर्स बचे थे रे थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व हे वाव मैजिक पैटर्न दिखी थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व पर ये अपने काम का नहीं है क्योंकि उधर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो हम क्या ट्राई करेंगे ये ट्राई करेंगे प्लस टू प्लस फोर इधर प्लस पता नहीं इधर भी प्लस पता नहीं सर आपने सिखाया था क्या सिखाया था कि दो रास्ते पॉसिबल है टू फोर सिक्स एट ऐसे भी तो हो सकता है टू फोर एट सिक्सटीन डबल अपन एड पहले कौन सा ट्राई करेगा नाउ देख यू ऑलरेडी हैव ट्वेंटी वन राइट सो ये आपका क्रॉस चेक एक्ट कर गया पैटर्न तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ सिक्स एन एट नाव यू हैव बीन गिवन विथ सेवन यू डिड सेवन प्लस सिक्स इट विल बी थर्टीन एंड थर्टीन प्लस एट विल बी ट्वेंटी वन विच इज ऑलरेडी गिवन टू यू आपका क्वेश्चन माँ क्या, मा, क्या होगा बेटा तेरा तो इधर तेरा आ गया आप देख सकते हो सात प्लस छः ये तेरा तेरह प्लस आठ इक्कीस होता है सो तेरा तेरा आंसर है गेम ओवर जाओ जो रास्ते से जाना है जाओ आएगा ही नहीं ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज से आंसर आना है आई होप समझा आई होप समझा सर भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन दिखाओ ना प्लीज 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 प्लीज, प्लीज, प्लीज आ जाओ एग्जामिनेशन क्वेश्चन की बारी अब देख एग्जामिनेशन क्वेश्चन है मेरा घर का तो क्वेश्चन नहीं है देख सकता है यू हैव द पास्ट रिकॉर्ड ऑफ आई सी आई यू कैन गो एंड सी राइट नहीं सर आप पे भरोसा आप मस्त पढ़ा दो थैंक यू चल आ जाओ देखते इधर एग्जाम्पल थ्री फाइव फाइव नाइनटीन सेवन फोर्टी वन नाइन क्वेश्चन मार्क इलेवन वन जीरो नाइन दिस वॉज योर एग्जामिन क्वेश्चन क्वेश्चन विच वॉज आस्ट राइट सर अभी आप कर रहे हो कि हम करें नहीं मैं करवाता हूँ ध्यान से देखना सबसे पहले तो प्लस माइनस से जाता तेरा आंसर आता नहीं प्रीवियस नंबर स्क्वायर क्यों मल्टीप्लीकेशन आंसर आएगा नहीं आएगा अरे ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट को भी ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज नहीं पता है टॉप सीक्रेट है अपना इंस्टीट्यूट का आंसर स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लीकेशन से ही आ रहा है जो दूसरी चकलीस है ना उधर से ही आ रहा है वो कैसे आ रहा है क्यों आ रहा है बाद में करता हूँ पहले मैं दिखाता था वो ऑल्टरनेट पैर्न सीरीज का मैजिक ठीक है फिर इसको इंश... मैं बोला था ना तेरे को कि आधे से ज़्यादा बच्चे लोग का इसका आंसर नहीं आता फिर उन लोग को थोड़ी पता था स्क्वायर क्यूब लर्न करने वो तो खाली मैंने बोल के रखा था जो मेरे साथ है उन लोग को पता है रास पता है कि बीस में से बीस कैसे लाना है राइट चलो आ जाओ इधर देखते आ जाओ सबसे पहले ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज ट्राई करके देखते हैं

फोर्टी वन क्वेश्चन मार्क वन जीरो नाइन प्लस फोर्टीन प्लस ट्वेंटी टू प्लस पता नहीं प्लस पता नहीं ना सर हम लोग आगे क्या करेंगे तो इधर देख ध्यान से देखना यहां पे प्लस एट होगा होगा ना तो यहां पे भी हो सकता है ना इधर भी प्लस एट हो और इधर भी प्लस एट हो हम लोग को तो ट्राई करना है और आखिर में ये सब करके बेटा तेरे पास वन जीरो नाइन आना चाहिए बराबर है तो ट्राई कर ट्वेंटी टू प्लस एट थर्टी थर्टी प्लस एट थर्टी एट अब थोड़ा और ऊपर जा नाइनटीन प्लस ट्वेंटी टू फोर्टी वन फोर्टी वन प्लस थर्टी शुड बी योर क्वेश्चन मार्क एंड दिस क्वेश्चन मार्क प्लस थर्टी एट एंड वन जीरो नाइन इज गिवन टू यू क्या सेवेंटी वन प्लस थर्टी एट वन जीरो नाइन होता है हाँ सर बिल्कुल तो यू गॉट योर क्वेश्चन मार्क व्हाट इज द क्वेश्चन मार्क इज नथिंग बट सेवेंटी वन खत्म ये मूवर एक मिनट के अंदर अंदर आंसर हाला सेवेंटी वन प्लस थर्टी एट कितना होता है वन जीरो नाइन मैजिक मज़ा आया बोल हाँ बोल हाँ बोल हाँ बोल हाँ, जल्दी हाँ बोल मज़ा आया पक्का मजा आया अरे झूठपूट का मत बोलना अब सर तो इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर कैसे दिया रह सकता है अब इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली आंसर रिलीज करता नहीं है पर मेरे हिसाब से बेटा इंस्टीट्यूट ने ऐसे कुछ आंसर दिया रहेगा ध्यान से देखना। थ्री फाइव फाइव नाइनटीन सेवन फोर्टी वन नाइन क्वेश्चन मार्क इलेवन वन ज़ीरो नाइन ओके बता दे जा रहा मुझे थ्री का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर कितना होता है बेटा थ्री का स्क्वायर होता है नाइन माइनस फोर करोगे तो फाइव आएगा फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स करोगे तो नाइनटीन आएगा सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन माइनस एट करोगे तो फोर्टी वन आएगा नाइन का स्क्वायर वैसे हो जाएगा मेरे को भी पता है पर पहले ये देख ले इलेवन का स्क्वायर वन ट्वेंटी वन माइनस ट्वेल्व नाव यू ओनली कैन सी दैटर्न थ्री फाइव सेवन क्वेश्चन मार्क इलेवन तो ऑब्वियसली यह इट विल बी नाइन का स्क्वायर माइनस क्या होगा फोर सिक्स एट क्वेश्चन मार्क सो इट विल बी व तो नाइन स्क्वायर एटी वन माइनस टेन विल बी नथिंग बट सेवेंटी वन वही तो बेटा अपना पहले आंसर आया था तो बोलो मैंने बोला था स्क्वायर क्यों लर्न करने के फायदे आपके सामने ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज से भी आया स्क्वायर क्यूब करने से भी आया इंस्टीट्यूट ने ये दिया था मेरा रास्ता वो वाला रास्ता क्योंकि बेटा एग्जाम में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता तेरे लिए ये आइडेंटिफाई करना कि अच्छा उसने दो दो नंबर्स को देखा है समझा कि नहीं समझा समझा आई होप पहले से आपको कलेरिटी आई रहेगी पक्का पक्का ही एकदम पक्का वाला चल आ जाओ देखते हैं आगे So, this was my third checklist that is alternate pattern series. Now, moving on to fourth and the final checklist triangular pattern series. That is nothing but triangular pattern series. Now, triangular pattern series, you have to do question number 90. so adding the triangular pattern series and the question says example 19 says 0, 6 24 60 120 210 and a question mark सो so, ज़ीरो से सिक्स बेटा प्लस सिक्स प्लस एटीन प्लस थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटी प्लस नाइन्टी प्लस पता नहीं क्या आपको पैटर्न दिखी पैटर्न ना बोलना ना बोलना नहीं दिखी ना नहीं दिखी ना तो थोड़ा और नीचे जाने का बोलता है ऐसा करना थोड़ा और नीचे ना थोड़ा और नीचे मतलब सर जीरो से सिक्स में प्लस सिक्स तो वैसे ही प्लस सिक्स एंड प्लस एटीन में कुछ तो प्लस वो रहेगा ना क्या हो रहेगा प्लस ट्वेल्व प्लस एटीन प्लस ट्वेंटी फोर प्लस थर्टी प्लस पता नहीं पैटर्न दिखी ना बोल ना ना बोल ना ना बोल ना ना नहीं 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 दिखी नहीं दिखे सर नहीं दिखे थोड़ा और नीचे रहा थोड़ा और नीचे रहा प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स तो इधर भी क्या आ जाएगा प्लस हाँ सर अब पैटर्न दिखी हाँ तो तूने क्या किया ऊपर से चालू किया नीचे 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 एक बेस में पैटर्न फॉर्म हुआ अब यहाँ से वापस ऊपर 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 अपन जाते जाएंगे तो जाते जाओ सिक्स 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 तो थर्टी प्लस सिक्स थर्टी सिक्स नाइन्टी प्लस थर्टी सिक्स प्लस वन ट्वेंटी सिक्स टू टेन प्लस वन ट्वेंटी सिक्स थ्री थ्री सिक्स डैट इज नथिंग बट योर ऑप्शन सी सर ओ सर ये ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज इसका नाम क्यों गिरा क्योंकि आप ही देख सकते हो क्या ये ट्रायंगल का शेप ले रहा है अगर थोड़ा और नीचे होता तो और मस्त ट्रायंगल बनता तो क्या ये ट्रायंगल का शेप ले रहा है इसके लिए इसका नाम गिरा ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज लॉजिकल रीजनिंग काफी लॉजिकल है मजा आया मजा आया सर इसको और एक वे से नहीं कर सकते हैं कर सकते हो क्या नंबर अचानक बढ़ रहा है जी हाँ बिल्कुल ज़ीरो सिक्स ट्वेंटी फोर सिक्सटी वन ट्वेंटी टू टेन क्वेश्चन मार्क ऑब्जर्वेशन इसके लिए बोला था ध्यान से देखना जीरो सिक्स ट्वेंटी फोर सिक्सटी वन ट्वेंटी टू टेन एंड क्वेश्चन मार्क सर ये वन ट्वेंटी को मैं फाइव क्यूब माइनस फाइव सिक्सटी को मैं फोर क्यूब माइनस फोर ट्वेंटी फोर को थ्री क्यूब माइनस थ्री इसको टू क्यूब माइनस टू इसको वन क्यूब माइनस वन इसको सिक्स क्यूब माइनस सिक्स नहीं लिख सकता लिख सकता है सेवन क्यूब माइनस सेवन थ्री फोर्टी थ्री माइनस सेवन थ्री थर्टी सिक्स ये भी सही ये भी सही बट लाइक वाइज जैसे ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज के स्पेसिफिक क्वेश्चन है वैसे ट्राइंगर पैटर्न सीरीज के भी स्पेसिफिक हो सकते हैं और होते हैं जिसका आंसर किसी से नहीं आता है खाली पैटर्न सीरीज से ही आता है समझा कि नहीं समझा अब देखो उसने क्यूब माइनस वन किया तो क्यूब प्लस वन भी कर सकते इसके लिए बोला था मैंने स्क्वायर क्यूब लर्न करके रखो किधर भी काम में आ सकता है तुझे क्लियर बेटा सबको सबको क्लियर हुए क्वेश्चन सबको क्लियर हुए क्वेश्चन ठीक है तो फटाफट फटाफट -फटा -फटा एक बार चेकलिस्ट देख लेते हैं अपन ध्यान से देखना सो so, ये है मेरी चेकलिस्ट क्या बोलती है चेकलिस्ट फॉर नंबर सीरीज सबसे पहले साधा सादा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अगर नंबर अगर अचानक बढ़ रहा है तो स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लिकेशन प्रीवियस नंबर के साथ देख सकते हो लर्न कर लेना स्क्वास एंड क्यूब्स तीसरा ऑल्टरनेट पैटर्न एक छोड़ के एक चुड़के, एक छोड़ के एक एक छोड़ के उसके अंदर पैटर्न बन सकता है एंड चौथा और आखिरी है ट्रायंगुलर पैटर्न 99.99% ऑफ एनी ऑफ द क्वेश्चंस विल फॉल इनटू दिस कैटेगरीज कोई भी क्वेश्चन बेटा उठा के ले लो हाँ एकदम जब एक्सट्रीम डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें पैटर्न के अंदर भी पैटर्न छुपाते हैं पर तेरे को फिर भी काम यही आता है काम कौन आता है यही आता है देखिए थोड़े क्वेश्चन अब थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन देखे राइट right? एक दो क्वेश्चन है जो तुझे समझने जरूरी है क्योंकि एग्जाम पे भी उस पर चर्चा हो चुकी है मॉक टेस्ट पेपर में भी हो चुकी है अब आते एक थोड़े डिफरेंट यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चन पे दैट इज ट्वेंटी फाइव तुम लोग को आता है पर एक नई चीज़ दिखेगी क्या बोलता है क्वेश्चन पहले पढ़ो फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स सेवेंटी वन फोर्टी वन क्वेश्चन मार्क 1061.5 question says forty five forty six seventy one forty one question mark 1.06.1.5 सो सर अभी तक जितने क्वेश्चन किए और ये क्वेश्चन किए उसमें क्या फ़र्क है क्या चेंज है राइट right? तो अपने को वही जानना है सर यहाँ पे डेसिमल नया है बस अब तक क्या तूने एक भी क्वेश्चन में डेसिमल देखा था नहीं इधर डेसिमल है हाँ सो so, डेसिमल आया मीन्स इट इज़ अ हिंट फॉर यू कि पैटर्न में डेसिमल यूज होगा कि पैटर्न में क्या यूज़ होगा डेसिमल यूज़ होगा अब सर स्क्वायर क्यूब करे मल्टीप्लिकेशन करे क्या करे ऑल्टरनेट पैटर्न करे पैटर्न करे क्या करे सर क्या करे क्या करे तो ध्यान से देख 45 से चालू हुआ खत्म हो रहे एक हजार साठ के आसपास कैन आई डेफिनेटली से नंबर अचानक बड़ा चेक चेकलिस्ट यस अब ध्यान से 46 का पहले का भी नंबर ऑब्जर्व करना बेटा 45 सो कैन आई से 45 फाइव वन जाव प्लस टू झा इफ यू डू फोर्टी सिक्स टू झा इट गोज नाइनटी टू सर ऐसा कैसा वन से हुआ फोर्टी फाइव वन जा फोर्टी फाइव टू से नहीं हो रहा है अरे मेरे पास डेसिमल पड़ा है सो कैन आई ट्राई फोर्टी सिक्स इंटू वन पॉइंट फाइव कैन आई ट्राई दिस सो येस इफ यू ट्राई फोर्टी सिक्स इंटू वन पॉइंट फाइव इट कम्स टू सिक्सटी नाइन तो यू कैन डू ना सिक्सटी नाइन प्लस वन इज नथिंग बट सेवन टी समझा नहीं समझा देख सर नॉर्मली हम लोगों ने क्या दिखाया इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री बट वाई नॉट इंटू वन इंटू वन पॉइंट फाइव इंटू टू इंटू टू पॉइंट फाइव थ्री इंटू थ्री पॉइंट फाइव अब मैं होता ना मेरी मस्ती बहुत है है ना मुझे क्वेश्चन के साथ खेलना बहुत पसंद है सो so, मैं तो क्या करता पता है इंटू वन इंटू वन पॉइंट टू फाइव करता वह वन वन पॉइंट टू फाइव वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट सेवन फाइव टू टू पॉइंट टू फाइव टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट सेवन फाइव कुछ भी कर सकता है पैटर्न कैन बी एनी थिंग मैं होता तो मैं तो ऐसे भी करता इंटू वन इंटू वन पॉइंट वन इंटू वन पॉइंट टू इंटू वन पॉइंट थ्री समझा कि नहीं समझा पैटर्न कुछ भी बन सकते यू कैन नॉट मग अप यू कैन नॉट रटोफाइ इट इज जस्ट प्योर ऑब्जर्वेशन डेसीमल है तो इट इज़ अंट आगे सेवेंटी इंटू टू प्लस वन तो क्या हो जाएगा वन फोर्टी वन इंटू टू पॉइंट फाइव प्लस वन सो वन फोर्टी वन इंटू टू पॉइंट फाइव कम्स टू थ्री फिफ्टी टू पॉइंट फाइव प्लस वन थ्री फिफ्टी थ्री पॉइंट फाइव अब क्रॉस चेक के लिए बेटा तेरे पास ये भी नंबर है और तेरा आंसर भी है सो थ्री फिफ्टी थ्री पॉइंट फाइव इंटू थ्री हो जाएगा प्लस वन यस इट इज कमिंग टू वन जीरो सिक्स फाइव सो दिस इज योर करेक्ट आंसर समझा सबको समझा सबको सो डेसिमल आया मीन्स इट इज हिंट फॉर यू कि पैटर्न में डेसिमल यूज होगा ही होगा पक्का होगा किधर जाएगा क्लियर आर द थिंग्स क्लियर टू यू कुछ नहीं बात अब इसी से रिलेटेड एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन मैं आपको लिखा रहा हूं ठीक है 2022 का जून अटैम का क्वेश्चन था ये राइट सो देखते हैं क्वेश्चन को सो एग्जामिनेशन क्वेश्चन रह चुका है ये भी ध्यान से देखना क्वेश्चन और एक बार आप ट्राई करो क्या आपका आंसर आ रहा है ट्वेल्व नाइन थर्टीन पॉइंट फाइव 30.375 एंड आगे जब आप करोगे इसको आपके पास एक और नंबर है बेटा दैट इज 341.71875 फोर्टी वन पॉइंट सेवन वन एट सेवन फाइव सो एग्जामिनेशन क्वेश्चन हाँ देख लेना आपको मिल जाएगा राइट सो अब सर यहाँ पे मुझे यार सच्ची में नहीं समझ में आ रहा है तो देख एक हिंट देता हूँ तुझे डेसी आया मिनस इट हिंट फॉर यू कि डेसीमल यूज होगा पर ये हिंट नहीं है अब अगर आप एक बात समझो कि यहाँ से अगर मैं स्टार्टिंग से सपोज मैं स्टार्टिंग से प्लस कर रहा हूँ चीज़ें तो एंड से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना अरे प्लस टू प्लस फोर प्लस सिक्स तो उल्टा हो गया तो माइनस फोर माइनस सॉरी माइनस सिक्स माइनस फोर माइनस टू तो वैसे ही अगर आप जाते वक्त मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वापस आते वक्त डिवाइड करोगे ना तो अगर चाहिए ना तो डिवाइड कर और दिमाग लगा आई एम गिविंग यू वन मिनट टू सॉल्व मिला आंसर मिला क्या आंसर मिला आंसर हेलो 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 हेलो, हेलो 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 हेलो, आया चलो देखते आ जाओ आ जाओ so, सो मैंने आपको क्या बोला बेटा हिंट दिया कि अगर सीधे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उल्टे से क्या होगा डिवाइड होगा एंड अ हिंट फॉर यू की पैटर्न में डेसिमल यूज होगा सो आई ट्राई थर्टी पॉइंट थ्री सेवन फाइव डिवाइड by 13.5 और आपको पता चलेगा कि जब मैं 13.5 को इंटू टू करता हूँ तो मेरा आंसर ही आता है ओके okay. अब वैसे ही 13.5 पॉइंट डिवाइड कर रहा हूँ तो 9 इंटू वन पॉइंट फाइव ब्रिंग्स टू थर्टीन पॉइंट फाइव एंड नाइन डिवाइड बाई तो ट्वेल्व इंटू पॉइंट सेवन फाइव इस नाइन नाउ आपको ही बेटा पैटर्न दिखा रहेगा क्या है पैटर्न सर मैंने प्लस पॉइंट सेवन फाइव किया और फिर मल्टीप्लाई किया प्रीवियस नंबर के साथ प्लस पॉइंट सेवन फाइव किया और फिर मल्टीप्लाई किया प्रीवियस नंबर के साथ तो वापस इधर प्लस पॉइंट सेवन फाइव हो जाएगा ये हो जाएगा थर्टी पॉइंट थ्री सेवन फाइव इज माई प्रीवियस नंबर इन थ्री विच विल कम टू नाइन्टी वन पॉइंट वन टू फाइव अब वापस क्रॉस चेक करना है तो 91.125 इनटू 3.75 विल गिव यू 341.71875 अब देख मैंने लेक्चर में बताया था डेसिमल यूज होता है एग्जाम में आया हिंट फॉर यू डेसिमल यूज मैंने लेक्चर में बताया था नंबर अगर अचानक बड़ा हो रहा है प्रीवियस नंबर स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लिकेशन प्रीवियस नंबर भी है मल्टीप्लिकेशन भी है दैट्स ऑल अब ये बातें तू याद रखेगा तेरा काम हो गया आई होप आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हुआ क्योंकि बेटा ये ऐसी चीज है ना मैं बोला ना 6 महीने में मेरे को भी ऐसा बूम मैजिक वाओ क्या पैटर्न थी ऐसा होता है मेरे साथ सो so, आपको ऐसे ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करने हैं और ऐसे में आपको और थोड़े वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बताना चाहूंगा राइट सो मूविंग ऑन टू लास्ट वैरायटी ये एक्सट्रीम क्वेश्चंस है ये भी बेटा सेवेंटी परसेंट जितना डिफिकल्ट रहेगा लोगों को जल्दी से आंसर नहीं आया रहेगा ये तो मैंने तुझे इतना ऑब्जर्वेशन दिया है सिखाया है तब जाके तू थोड़ा इसके साथ कंफर्टेबल है तेरे को इतना हार्ड नहीं लग रहा है राइट सो लेट्स सी फर्दर लेट्स सी फर्दर द लास्ट टाइप एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्सट्रीम एक्सट्रीम मतलब एकदम राइट सो इसमें क्या है ना बेटा पैटर्न के अंदर भी पैटर्न छुपाई है। तो so, देखते हैं एक दो क्वेश्चन है और एग्जाम में अगर आएगा ना मैं वो भी बोलता डिटो आएगा डिट्टो डी आई टी टी ओ डिटो नो चेंज नो चेंज लेट सी सो लेट सी क्वेश्चन ट्वेंटी फोर सिक्स थर्टीन थर्टी एट क्वेश्चन मार्क फाइव थर्टी टू टू सिक्स सेवन फाइव सो दिस इज योर क्वेश्चन अब देख सर आपने क्या था नंबर अचानक बड़ा बड़ा छः से चालू हुआ खत्म छब्बीस सौ सिक्स टू सिक्स सेवन फाइव पे हुआ छब्बीस सौ भी नहीं सो स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लिकेशन प्रीवियस नंबर ऑब्वियसली इफ यू गो विथ बहुत स्कैटर्ड नंबर है नहीं पहुंच पाएगा स्क्वायर में तो और ही ज्यादा स्कैटर्ड हो जाएगा समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं देख अगर तू दस का भी क्यूब करेगा ना तो दस का क्यूब होता है हजार ग्यारह का क्यूब होता है वन थ्री थ्री वन तो इधर टू सिक्स सेवन फाइव फाइव थ्री टू बहुत दूर है दोनों से समझो बात को

तो इधर इन टू से किसने बोला था करने को मैं इन टू वन से भी तो कर सकता हूँ ना बेटा देख यही चीज़ तुम लोग को ट्राई आउट करनी है तो इन वन से करो सिक्स वन जिक्स टू से नहीं आ रहा है वो तो मैं वन से ट्राई करो तो सिक्स वन जो होगा सिक्स प्लस कितना पढ़ना करना पड़ेगा बेटा मेरे को सेवन अरे समझा सबको सेवन किधर से सिक्स वन जा सिक्स करूँगा तो ही मेरे हाथ में सेवन बचेगा ना थर्टीन तक पहुँचाने के लिए थर्टीन टू ज ट्वेंटी सिक्स प्लस ट्वेल्व तो इधर क्या होगा थर्टी एट इंटू थ्री प्लस अब मगज मारी बेटा प्लस की है तो क्या करेंगे प्लस तो यहाँ पे देखना ध्यान से सेवन वन जा सेवन क्या मैं इसको लिख सकता हूँ मैं आपको वही बोल रहा हूँ पैटन के अंदर पैटन छुपा है देख इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री बराबर जा रहा है अब प्लस की बात करते हो प्लस आया तो कैसे आया बराबर है तो सेवन वन जा सेवन में लिख सकता हूँ तो ट्वेल्व को ऐसे मैं कैसे लिख सकता हूँ ट्वेल्व को सिक्स टू सा ट्वेल्व सिक्स टू सा ट्वेल्व तो वैसे ही इधर की अगर मैं बात करूँ तो सात का हुआ छ एक का हुआ दो तो छः का होगा पाँच दो का होगा तीन पैटर्न के अंदर वापस पैटर्न फाइव जा फिफ्टीन थर्टी एट इंटू थ्री करोगे आएगा वन वन फोर प्लस फिफ्टीन करोगे आएगा वन ट्वेंटी नाइन ऑप्शन ए सर एक बार एक बार एक बार वापस क्रॉस चेक क्रॉस चेक करते चल वन ट्वेंटी नाइन इज योर आंसर इन टू फोर प्लस फाइव का हो जाएगा फोर थ्री का भी हो जाएगा फोर वन ट्वेंटी नाइन इंटू फोर इज फाइव वन सिक्स प्लस सिक्सटीन कम्स टू फाइव थर्टी टू कर लो कॉपी सर इतना मजा आया ना कि मैं क्या ही बोलूँ स्टार्टिंग से अभी तक सब समझा फिर आपने दिया ये क्वेश्चन जितना समझा था सब उड़ गया सब उड़ गया देख डरने का नहीं मैं अभी भी बोल रहा हूँ यही सब क्वेश्चंस है जो रियल कंसेप्ट टेस्ट करते हैं, रियल पेशेंस टेस्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन तुझे करवाना ना बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुझे उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे मॉड्यूल का है तेरे मॉड्यूल का नेक्स्ट क्वेश्चन राइट वो लोग ने मॉक टेस्ट पेपर में लास्ट टाइम के मॉक टेस्ट पेपर जब रिलीज किए ना उसमें दिया वो लोग ने और बहुत अच्छा है वो सो लेट सी दैट क्वेश्चन नाउ राइट लेट्स राइट द क्वेश्चन लिखो टेन टेन सिक्सटी नाइन टू थर्टी सिक्स फाइव नाइन्टी फाइव एड क्वेश्चन मार्क ये मॉक टेस्ट पेपर में लास्ट अटैम्प में आया था अब एक बात समझ लेना मॉक टेस्ट पेपर में अगर क्वेश्चन आया ना सो इट इज़ लाइक अ टाइम बॉम्ब क्यों टाइम बॉम्ब क्यों कोई भी अटैम्प में आने वाले अटैम्प में आ सकता है हो सकता है ये सेम क्वेश्चन तेरे अटैम्प में दिख जाए सेम क्वेश्चन नो चेंज वो लोग मेहनत भी नहीं करेंगे चेंज करने की एक दो अटैम्प बाद दिख जाए पर दिखेगा जरूर और ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं डेफिनेटली दिखेगी सर मैं ट्राई करता हूँ प्रीवियस नंबर स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लीकेशन ऑब्वियसली यहाँ पे प्रीवियस नंबर और मल्टीप्लीकेशन ट्राएगा टेन सेवनजा सेवेंटी फिर सेवेंटी इन टू थ्री करेगा तो टू थर्टी के आजू बाजू पहुंच जाएगा सो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई यहाँ पे अच्छे से बैठेगा नहीं तो so, ट्राई करना पड़ेगा स्क्वायर क्यूब पहले स्क्वायर से जाते हैं थ्री का स्क्वायर तो बाजू में रहेगा ना थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस वन फिर फोर का नहीं फाइव का नहीं सिक्स का नहीं क्योंकि नंबर्स अचानक बढ़ रहे सिक्सटी नाइन है तो एट का स्क्वायर होता है सिक्सटी फोर प्लस फाइव टू थर्टी सिक्स तो फिफ्टीन का स्क्वायर चू चू फाइव प्लस आपका हो जाएगा कितना इलेवन फिर ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर सिक्स ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फोर का स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा फाइव सेवेंटी सिक्स माइनस फाइव नाइन्टी फाइव करोगे तो आपको आ जाएगा नाइनटीन ट्वेंटी फोर का स्क्वायर प्लस नाइनटीन पैटर्न दिखी हाँ इसमें भी पैटर्न के अंदर पैटर्न इसके लिए बेटा एक क्वेश्चन लिया मैंने पैटर्न के अंदर पैटर्न छुपाई है ध्यान से देखना थ्री टू एट प्लस फाइव एट टू फिफ्टीन प्लस सेवन फिफ्टीन टू ट्वेंटी फोर प्लस नाइन तो इधर कितना हो जाएगा प्लस इलेवन सो so यहाँ पे आ जाएगा बेटा थर्टी फाइव थर्टी फाइव का स्क्वायर प्लस क्या होगा ध्यान से तो देखो वो लोग ने क्या किया स्क्वास प्लस दिया फिर वो स्क्वायर्स में भी पैटर्न और ये प्लस में भी पैटर्न है प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट तो प्लस कितना हो जाएगा टेन तो योर आंसर जो भी होगा ना होगा थर्टी फाइव का स्क्वायर प्लस ट्वेंटी नाइन थर्टी फाइव का स्क्वायर होता है प्लस विल कम बूम, अ क्वेश्चन वॉट अ क्वेश्चन तो सबसे पहले वो लोग ने किया क्या स्क्वायर, फिर किया प्लस स्क्वायर में भी पैटर्न प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस इलेवन और उधर प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट प्लस टेन उसमें भी पैटर्न पैटर्न ही पैटर्न वापस एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन डरने की जरूरत नहीं है आएगा तो एग्जाम में सेम आएगा पर आई होप आपको क्वेश्चन समझा होप मैं आपको क्वेश्चन समझा इसी के साथ जो मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर था सीरीज में यही सबसे इंपॉर्टेंट है अब सब छोटा छोटा कंसेप्ट है दैट इज फाइंड द मिसिंग टर्म होता है समाप्त क्लियर सबको समझा सबको समझा अब बेटा इसी का भाई है फाइंड द रॉन्ग टर्म तो उस पर थोड़ी क्लैरिटी देता हूं क्योंकि बच्चे लोग को इसमें कंफ्यूजन होता है आ जाओ देखते हैं फाइंड द रोंग टर्म योर सेकेंड पार्ट ऑफ नंबर सीरीज अभी तक हम लोग नंबर सीरीज में फाइंड द रोंग टर्म मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आंसर देने की ट्राई करना फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन नाइनटीन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट फाइंड द रॉन्ग टर्म कौन सा नंबर हिंदी में क्या बोलेगा कौन सा नंबर गलत है कौन सा नंबर गलत है तो सर मेरे को आता है मेरे को आता है नाइनटीन नाइनटीन ऑड नंबर है इसके लिए वो गलत है सर नाइनटीन मेरे को आता है डिवाइड बाय फोर नहीं होता है इसके लिए गलत है सर 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 नाइनटीन प्राइम नंबर है इसके लिए गलत है ये सब जो आपने किया ना बेटा तू भी गलत है तुम लोगों ने ये रॉन्ग टर्म फाइंड आउट नहीं किया तुम लोगों ने ये फाइंड आउट किया ऑड मैन आउट मैं पूछ रहा हूँ कौन सा नंबर गलत है और तुम लोग मेरे साथ ऑड मैन आउट ऑड मैन खेल रहे हो बस ये तेरी गलती नहीं है इंस्टीट्यूट भी यही चीज़ करती है इंस्टीट्यूट को पता ही नहीं है कि रॉन्ग टर्म का मतलब अलग है और ऑड मैन आउट का मतलब अलग है चल अपन हिंदी में समझते हैं रॉन्ग मतलब गलत ऑड मतलब अलग ऑड मतलब अलग तेरे को चश्मा तेरे दोस्त को चश्मा तेरे दोस्त के दोस्त के दोस्त को चश्मा उसके भी चश्मा उसमें भी चश्मा सबको चश्मा मेरे को चश्मा नहीं तो तू क्या बोलेगा ए तू अलग है तेरे को चश्मा वाला नहीं तू चश्मा वाला मैं चश्मा वाला समझा कि नहीं समझा समझा कि नहीं समझा तू अलग है चश्मा नहीं है तेरे को ग्रुप ऑफ पीपल हु आर चश्मा वाला यू आर यू नो जस्ट लेटिंग मी गो नहीं भाई नहीं तो अलग है तो ऑर्डमैन आउट मतलब नंबर अलग है और रॉन्ग टर्म मतलब नंबर गलत है अरे भाई गलत अलग है और अलग अलग है ना दोनों you सेम know, कैसे हुआ मेरे को पता तो आप लोगों ने किया ना वो ऑर्डमैन आउट किया देर इज अट अ थीन लाइन बिटवीन ऑर्डमैन आउट के क्वेश्चन क्वेश्चन इंस्टीट्यूट एग्जाम में क्या करती है तेरे को पता है फाइंड दैन आउट और नीचे क्वेश्चन रहेगा रॉन्ग टर्म का लास्ट टाइम में किया था वैसा इंस्टीट्यूट को भी ये डिफरेंस पता नहीं हंसी आता है ना अपने को बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है तो अब मैं तो जैसे कहता हूं नंबर कैसे अलग है और नंबर कैसे गलत है राइट right? मतलब तू डिफरेंस कैसे दोनों में फाइंड आउट करेगा पर उसके पहले बताता हूँ मैं सब बताऊंगा टेंशन मतले अपन आए इसके लिए पर सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा तो सर पैटर्न फाइंड आउट करना देख तुझे पता है नंबर गलत है तो पैटर्न भी गलत मिलेगी पैटर्न गलत मिलेगी वो पैटर्न को तू रेक्टिफाई कर तो तेरे को सही नंबर मिलेगा राइट टर्म मिलेगा और तेरे को अपने आप रॉन्ग टर्म पता चल जाएगा ठीक है जो तो गलत चीज़ है उसको हटा और सही चीज़ को ला तो इधर देख प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस थ्री पहले गलती कर जान बुझ के गलती कर प्लस फाइव प्लस फोर पर इधर पैटर्न क्या होनी चाहिए थी प्लस फोर तो ये भी गलत है ये भी गलत है इधर सर प्लस फोर होना चाहिए था इधर भी प्लस फोर होना ये थी तेरी रॉन्ग पैटर्न ये तूने की करेक्ट पैटर्न फाइंड अब रेक्टिफाइड पैटर्न से वापस क्वेश्चन बना ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन बराबर है ना ये तो बराबर है अब सिक्सटीन प्लस थ्री होना चाहिए सिक्सटीन प्लस फोर होना चाहिए था तो सिक्सटीन प्लस फोर होता है ट्वेंटी बट आपको दिया है नाइनटीन तो नाइनटीन मेरा कैसा टर्म है रॉन्ग टर्म है क्योंकि तेरा राइट right टर्म कौन सा बेटा ट्वेंटी तो गलत कौन सा हुआ अब क्रॉस चेक कर अब देख एक ही नंबर गलत रहेगा उसके बाजू के नंबर है ना एकदम बराबर जाते रहेगी तो उसको क्रॉस चेक कर कैसे करने का तो देख ट्वेंट नाइन्टीन में प्लस फाइव नहीं होना चाहिए था ट्वेंटी में प्लस फोर होना उसके जगह पे ट्वेंटी होना चाहिए था ना तो ट्वेंटी प्लस फोर कितना होता है वो तो आपको दिया है वो तो आपको ऑलरेडी दिया है क्लियर क्लियर चलो क्विकली मैं आपको है ना बेटा यहाँ पे क्वेश्चन बता देता हूँ रॉन्ग टर्म के फिर ऑड मैन आउट पे भी तो चर्चा करनी है तो ध्यान से देखना मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सपोज है फाइव ठीक है लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फाइव talking about question number five the question says 56 72 90 110 132 150 and you have to find the wrong term plus 16 plus 18 पहले पहले पैटर्न ही फाइंड आउट कर प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी टू पर इधर कितना हो रहा है बेटा प्लस एटीन जबकि इधर कितना होना चाहिए था सोलह अठारह बीस बाईस तो इधर चौबीस होना चाहिए था ना तो एक सौ बत्तीस प्लस एक सौ चौबीस होता है वन फिफ्टी सिक्स पर दिया कितना है वन फिफ्टी सो वन फिफ्टी इज योर रॉन्ग टर्म वन फिफ्टी सिक्स इज योर राइट करेक्ट टर्म आई होप आपको समझा आई होप आपको समझा पक्का समझा सबसे पहले पैटर्न फाइंड आउट कर किधर गलत जा रहा है उसको सुधार और फिर आंसर राइट अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना, डेसिमल वाला क्वेश्चन इसमें बताता हूं क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन नाइन्थ सो टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नाइन्थ सेवन फोर फाइव नाइन सेवन फोर फाइव नाइन ट्वेंटी फिफ्टी वन एंड वन सिक्सटी पॉइंट फाइव क्या नंबर अचानक बढ़ रहा है जी हाँ बिल्कुल सर नंबर अचानक बढ़ रहा है क्या डेसिमल है जी हाँ बिल्कुल डेसिमल इट इज़ अ हिंट फॉर यू के पैटर्न में भी डेसिमल यूज़ होगा राइट right? अब मेरे को सेवन से फोर कैसे सम, कम हुआ मेरे को नहीं समझ रहा है तो मैं फ़ोर से आगे बढ़ रहा हूँ फ़ाइव का प्रीवियस नंबर है फ़ोर फोर वन ज़ा फोर प्लस वन एंड नाउ आई नो डेसिमल है तो डेसिमल भी यूज़ में आएगा फाइव टू ज़ा कर सकता नहीं है नाइन इंटू सॉरी फाइव इंटू वन पॉइंट फाइव करता हूँ फाइव इंटू वन पॉइंट फाइव करेगा तो आएगा सेवन पॉइंट फाइव प्लस वन पॉइंट फाइव का तो नाइन आ जाएगा ना राइट अब इधर क्या होगा नाइन इंटू टू प्लस टू तो अभी इधर भी तेरे को पता चल गया इधर क्या हो रहा है जो नंबर को तू मल्टीप्लाई कर रहा है वही नंबर को तू प्लस कर रहा है तो वन के पहले क्या रहेगा पॉइंट फाइव ना सेवन इंटू पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव प्लस जो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो वही नंबर को आप लोग प्लस भी कर रहे हो तो इधर क्या हो जाएगा अब 20 इंटू टू पॉइंट फाइव हे ट्वेंटी इंटू टू पॉइंट फाइव खुद 50 होता है आपका आंसर आ जाएगा 52.5 पर आपको दिया कितना है आपको दिया कितना है 51 सो so, 51 इज द करेक्ट आंसर यह आपका राइट टर्म था आपका रॉन्ग टर्म था 51 सर so, मुझे क्रॉस चेक करना है तो कैसे करूँ ये जो राइट right टर्म है ना 52.5 टू पॉइंट फाइव इंटू थ्री प्लस थ्री आंसर जाएगा क्लियर क्लियर विद द क्वेश्चंस ऑफ रॉन्ग टर्म बेटा रॉन्ग टर्म है ना मिसिंग टर्म से काफ़ी इजी है क्योंकि यहाँ पे पैटर्न आपको दिख जाती है पैटर्न अप्लाई करो ऑब्वियसली थोड़ा पैटर्न हिला हुआ मिलेगा उसको रेक्टिफाई करो और आंसर करो समझा समझा चलो सो so, इसी के साथ बेटा रॉन्ग टर्म होता है सम अप अब ऑड मैन आउट एक पूरा अलग चैप्टर है पर आपकी इंस्टीट्यूट इससे बहुत डरती है और सब लोग डरते हैं क्यों डरते हैं मैं आपको बताता हूं अब देखते हैं ऑड मैन आउट मैंने आपको बोला भी मैन आउट मतलब नंबर अलग है मैन आउट मतलब नंबर अलग है नाम इसका है क्लासिफिकेशन बाहर की दुनिया में टू क्लासिफाई टू अट है ना अब इसमें बेटा तीन तरह का क्वेश्चंस रहते हैं सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो मैन आउट ऑफ आपका पिक्चर्स फिर मैन आउट ऑफ आपका वर्ड्स एंड मैन आउट ऑफ नंबर्स पर आपको पहला वाला पार्ट नहीं है इंस्टीट्यूट नहीं पूछता है मैन आउट ऑफ पिक्चर्स बाहर की दुनिया में एग्जिस्ट करता है पर आपको ये डेफिनेटली मैन आउट ऑफ वर्ड्स एंड मैन आउट ऑफ नंबर्स के क्वेश्चन दिख सकते हैं तो पहले वर्ड्स की बात करते हैं ऑड मैन आउट ऑफ वर्ड्स पूरा का पूरा जनरल नॉलेज पे बेस्ड जैसे कि स्टेट है बाकी सब स्टेट नहीं है ये कैपिटल है दे देगा चार पाँच सिटी दे देगा मुंबई पूना नाशिक हाँ ना वैसे तो तुझे बोलने का कि ये कैपिटल है ये कैपिटल नहीं है वैसा करके आंसर मार्क करने का है ना आलिया भट्ट नहीं बनने का फिर कौन सा आपका सिटी है कौन सा नहीं है कौन सा कॉन्टिनेंट है कौन सा फ्लावर है कौन सा फ़्रूट है कौन सा एनिमल्स है एनिमल्स में भी अलग अलग मैमल्स रेप्टाइल्स एम्फीबियंस व्हाट्स? देख से सबसे पहला क्वेश्चन फिश मछली जल की रानी कै रहती किधर है पानी में फिर है स्टार फिश तो स्टार फिश किधर रहती है स्टार पे ऐसा बोलने का नहीं वो भी, भी रहती है पानी में क्रोकोडाइल आधा पानी आधा जमीन बोल सकता है ठीक है हैन जमीन तो देख बाकी सारे पानी वाले हैन जमीन वाला तो आंसर आ जाएगा हैन ईजी ऐसा ही कुछ और मैन आउट ऑफ वर्ड्स बात करते हैं ऑड मैन आउट ऑफ नंबर्स की अब पता कैसे चलेगा कि यार ये ऑड मैन आउट ऑफ नंबर है कि रॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है दिखते दोनों एक जैसे ही है और बोला अभी इंस्टीट्यूट गलती करती है तो तू ही अभी ऑब्जर्व कर क्वेश्चन टू में और क्वेश्चन थ्री में या अपन ने क्वेश्चन किए क्या चेंज दिख रहा है तुझे सर यहां पे क्वेश्चन थ्री में है ना नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है एकदम सही पकड़े हैं और टू में रैंडम नंबर है तो ऑर्डमेन आउट के बेटा क्वेश्चन रहेगा ना उसमें कभी पैटर्न नहीं बनेगा रॉन्ग टर्म के क्वेश्चन में पैटर्न बनेगा या तो असेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन रहेगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर के रह पर पर ऑर्डमेन आउट के रैंडम नंबर रहेगे ठीक ना पंद्रह के बाद इक्कीस के बाद सिक्सटी थ्री फिर एटी वन फिर वापस सिक्सटी नाइन मिसिंग टर्म भी इतने क्वेश्चन देखे रैंडम नंबर से नहीं या तो बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है तो अब इधर बहुत मगजमारी होती है पर क्वेश्चन में क्या मगजमारी होती है कैसी मगजमारी होती है सब बता दो इंस्टीट्यूट ने इज्जत से मैन आउट है ना पूछा था आपको ट्वेंटी वन में डिसम्बर ट्वेंटी वन में दो क्वेश्चन पूछे थे ऑर्डमैन आउट ऑफ वर्ड्स के ऑर्डमैन आउट ऑफ नंबर्स के दोनों क्वेश्चन no में दो दो सही आंसर दो दो सही आंसर इधर भी आप लोग देखोगे इधर भी ऐसा होगा एक सही आंसर रह सकता है दो कभी कभी तो तीन सही आंसर भी निकलते हैं बहुत मगज मगजमर रहते इसके लिए ऑड मै नॉट ऑफ वर्ड्स एक बार पूछ लेते हैं नंबर्स तो पूछते ही नहीं है देख दिखाता हूँ कैसे आप लोग ने जैसे पहले किया था ना वैसे करो सर ये डिविजिबल है ये ऑड है ये ईवन है ये प्राइम है करो तो आप लोग ऐसा करोगे ना तो आपको पता चलेगा एटी वन कैन बी माई आंसर क्योंकि ये नाइन का स्क्वायर है ये एक ऐसा अकेला नंबर है जो किसी का है। बाकी सारे स्क्वायर नहीं है और मैं नॉट हुआ इट इज़ अ नॉन स्क्वायर नंबर बाकी सारे दिस इज अ स्क्वायर नंबर ऐसा भी तो हो सकता है ये एक ऐसा अकेला नंबर है जो डिविजिबल बाई फाइव है बाकी सारे डिजिबल बाई फाई नहीं है क्या ट्वेंटी वन डिविजिबल बाई फाइव है नहीं सिक्सटी थ्री नहीं एटी वन नहीं सिक्सटी नाइन नहीं तो ये भी तो आंसर हो सकता है सर ऑप्शन में कौन सा दिया है वो मक कर ले ऑप्शन फिफ्टीन भी है एटी वन भी है बस बेटा ये तू नहीं ये सब फेस करते हैं सबके साथ यही मगजमारी होता है तो मैं ना मैं थोड़ा स्मार्ट हूं ना तो मैंने थोड़ी अपनी स्मार्टनेस यूज की मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिखे और मैंने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई तेरी जिंदगी में प्रायोरिटी है, है ना तो आज के बाद चेंज हो जाएगी प्रायरिटी लिस्ट क्या बना ये प्रायरिटी लिस्ट मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे तब मैंने जाना कि सबसे पहली प्रायोरिटी देनी या तो स्क्वायर को या तो क्यूब को दूसरी प्रायोरिटी आपको जो देनी है वो देनी है प्राइम नंबर्स को तीसरी प्रायोरिटी जो देनी है आपको वो देनी है आपके टेबल या डिविजिबल को जो भी किया ना डिवाइड बाय फाइव डिवाइड बाय थ्री वैसा और चौथी प्रायोरिटी आपको देनी है स्क्वायर क्यूब को किसको देनी है स्क्वायर क्यूब को अरे सॉरी सॉरी, क्यूब नहीं, ऑड इवन को ऑड इवन को अब मैं ये बोलना क्या चाहता हूं ध्यान से सुनना मैं बोलना क्या चाहता हूँ तो ध्यान से सुनना ऑड इवन तो आपको कोई भी मतलब क्वेश्चन में दिख जाएगा है ना बहुत बेजिक्स है ना ये ऑड है ये इवन है क्या उससे कोई अच्छा दिख रहा है आपको क्या उससे कोई अच्छा दिख रहा है आपको क्या उससे कोई अच्छा दिख रहा अच्छा है आपको वैसा ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैंने जितना क्वेश्चंस को दिखा और मैंने सॉल्व किया और मैंने आंसर्स भी फिर मैच किया तो ऑब्वियसली इसका तेरा आंसर क्या आ गया 81 और ये इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया था नवंबर 2018 का 81 वन सो दे प्रायोरिटी टू ओवर टेबल डिविजिबल अब फिर मैंने जब ये सब चीज कर ली तो मेरे सामने क्वेश्चन है अब तू ही देखना क्वेश्चन ट्वेल्व फोर्टी एट थर्टी सिक्स ट्वेंटी फोर फिफ्टी नाइन क्या रहेगा आंसर सर 59 क्योंकि वो ऑड है सर 59 क्योंकि वो प्राइम नंबर है ओ सर वो डिविजिबल बाय 12 नहीं है बाकी सारे डिविजिबल बाय 12 है ओ सर एक और आंसर है एक और आंसर 36 क्योंकि वो 6 का स्क्वायर है वो 6 का सर प्रायोरिटी लिस्ट ऑड नंबर आ गया प्राइम नंबर आ गया टेबल डिविजेबल आ गया स्क्वायर क्यूब आ गया अब क्या मार्क करूं मैं सर स्क्वायर ऑब्वियसली आपने तो बोला प्रायोरिटी लिस्ट आप झूठ थोड़ी बोलते सर नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं 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 तीन तीन फिफ्टी नाइन तीन तीन, तीन तीन अलग अलग बार आया फिफ्टी नाइन मेरा आंसर मेजोरिटी विंस कुछ नहीं आएगा ध्यान देना इधर सुन 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 ध्यान सुन आएगा नोट नोट क्या है दिस प्रायोरिटी लिस्ट इज नॉट दिस प्रायोरिटी लिस्ट इज नॉट फिक्सड ए यार सर ये तो स्कैम करेगा तो सर कैसे चलेगा यार अभी अभी तूने सिखाया बोलता है प्रायोरिटी लिस्ट फॉलो करने का अब तू बोलता है ये फिक्स नहीं है दोनों यार दोनों दोनों तरफ बात मत कर प्लीज सुन जब मेरे सामने ऐसा क्वेश्चन आया ना तब मैंने समझा कि तेरे को धाड़ करके ऐसे ही आंसर मार्क नहीं करना है तेरे को चीजों को ऑब्जर्व करना है ट्वेल्व फोर्टी एट थर्टी सिक्स ट्वेंटी फोर कहना से ट्वेल्व का टेबल चालू है और वो नंबर भी देखना उसने सिक्सटी के आजू बाजू ही रखा ट्वेल्व फाइजर सिक्सटी सर मैं ऑड और, और प्राइम से करता गलत होता नहीं तो बिल्कुल सही होता मैंने क्या बोला था अब देख वी आर नॉट अंतर हम लोग ऐसा करके पता नहीं लगा सकते यार उसने क्वेश्चन किस हिसाब से फ्रेम किया रहेगा बस यही मगज हमारी के चलते ये ज्यादा एग्जाम में नहीं देखा जाता है क्लियर क्लियर सो ड्रॉइंग कंक्लूजन रॉन्ग टर्म अलग है ऑड मैन आउट अलग है रॉन्ग टर्म में पता कैसे चलेगा रॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है या तो बढ़ते सीक्वेंस में रहेगा या तो कम होते सीक्वेंस में रहेगा आपका एक प्रॉपर पैटर्न बनेगा यहाँ पर रैंडम नंबर नहीं बनेगा That's all. So, इसी के साथ बेटा स्टार्टिंग पे आ जाते अपना नंबर सीरीज पूरा होता है समाप्त right? अभी एकदम बच्चे जैसा है ये खत्म सीरीज का पार्ट खत्म फिर कोडिंग डिकोडिंग चालू करेंगे आ जाओ सो मूविंग ऑन टू अल्फाबेटिकल सीरीज एकदम इजी अल्फाबेटिकल सीरीज ए बी सी डी सबको आता रहेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी आता है ना मेरे को भी आता है तो इसमें करना क्या है सर आपको यहाँ पे पैटर्न ढूंढनी है आपको यहां पे क्या ढूंढनी है पैटर्न ढूंढनी ठीक है पैटर्न क्या हो सकती है तो देखो ए से सी आपको देखना है कि आपने A और सी के बीच में कितने है? लेटर छोड़े हैं एक और आप टूवर्ड जेड जा रहे हो ना ए के बाद आएगा ना ए के बाद सी और फिर आएगा ना टूवर्ड जेड जा रहे हो ना तो आपको बोलने का आप एक आगे जा रहे हो आप एक कैसे जा रहे हो आगे ए और सी के बीच में आपने एक लेटर स्किप किया और आगे की तरफ आपने स्किप किया सी और ई e में सेम एक आगे डी स्किप किया ई और जी में सेम एक आगे तो ये एक आगे एक आगे का क्या बन गया वेरी गुड पैटर्न बन गया देखना बोल सकता ना एक आगे 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 तो जी से एक आगे बोलने का एच और यहाँ पे आ जाएगा आई याद रखना दोनों के बीच में वो लेटर्स की होना चाहिए दोनों के बीच में वो लेटर्स की होना चाहिए सर जैसे आगे का पैटर्न बना टूवर्ड्स में जेड जा रहा हूँ तो वैसे पीछे का भी पैटर्न बन सकता है क्या हाँ बिल्कुल देखते हैं यही क्वेश्चन को मैं उल्टा कर देता हूँ ये देख I, G, E, C, N क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पे I से G, टूवर्ड्स A जा रहे हो एक पीछे एक पीछे एक पीछे एक पीछे, एक पीछे. Easy. तो सी से एक पीछे क्या आ जाएगा उसको अगर पेपर एकदम इजी देना है ना तो ये पूछेगा एंड आई हैव सीन अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन रेयरली रेयरली तो बात करते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं अल्फाबेटिकल का ध्यान से देखना दैट इज क्वेश्चन नंबर सेवेंथ अब इसको लिखने का भी कैसे सॉल्व भी कैसे करने का देखना इसको वर्टिकली लिखने का ओ ई पी यू एफ क्यू वी जी डब्ल्यू एच क्वेश्चन मार्क सो आपको इसको सॉल्व वर्टिकली करना है वर्टिकली लिखना भी वर्टिकली है सॉल्व भी आपके पास तीन क्या है कॉलम्स है तो ओ से पी जीरो आगे पी से क्यू जीरो आगे ओ और पी के बीच में कोई भी लेटर नहीं जीरो पर तो आगे जा रहा है ना क्यू से आर जीरो आगे तो आर से भी क्या आ जाएगा जीरो आगे आ जाएगा एस फिर यहाँ टी से यू जीरो आगे यू से वी जीरो आगे वी से डब्ल्यू जीरो आगे तो डब्ल्यू से जीरो आगे डब्ल्यू एक्स ई सेफ जीरो आगे एफ से जी जीरो आगे जी से एच जीरो आगे तो एच से जीरो आगे आए तो यार आंसर इज एस एक्स आई इजी इजी चल एक और दिखा देता हो ये तो एकदम बच्चे से क्वेश्चन था तो तेरे को क्या और आएगे भी ऐसे ही बहुत मैनेजेबल आवल आए गए देख के भी तो कर सकता है कभी कभी तो राइट चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सिक्स क्वेश्चन XWA, ए वी टी सी एस पी एफ ओकेजे एना क्वेश्चन मार्क्स सुशी ध्यान से x से भी ना तो आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है तो देख उल्टी एबीसीडी बोलने को थोड़ी आर गिनती है ना राइट तो तू जा लिखना पीछे पर बोल आगे v w x अब लिख पीछे s t u v दो पीछे o से o से p q r s तीन पीछे तो इधर क्या आ जाएगा बेटा o से चार पीछे तो o से यू टू गो चार लेटर पीछे की तरफ सपोज मैं g से लेता हूं k एल एम एन हो गए ना चार लेटर्स और क्वेश्चन मार्क के बीच में चार लेटर्स कीप होने चाहिए दैट इज नथिंग बट जी समझा कि नहीं समझा समझा के नहीं समझा अब वैसे ही यहां पे ट्राई कर एक्स से डब्ल्यू सॉरी डब्ल्यू से टी तो टी यू वी डब्ल्यू दो पीछे पी से टी क्यू आर एस तीन पीछे के से पी एल एम एन ओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाँच पीछे तो के से पाँच पीछे जाना है के से पाँच पीछे जाना है तो ट्राई करते हैं जी एच आई जे तो ये तो चार ही हुआ ना एफ पाँच तो इधर क्या आ जाएगा ई e. अब यहाँ पे देख मैं वही वो, वो दिखाना जा रहा था कि हर कॉलम में पैटर्न सेम हो ऐसा जरूरी नहीं पीछे आगे पीछे आगे कुछ भी हो सकता है तो ए बी सी एक आगे डी ई एफ दो आगे जी एच आई तीन आगे, तो यहाँ पे चार आगे। अब थोड़ा दिमाग लगाओ ओ से चार पीछे जे तो जे से चार आगे ओ सोर तो आंसर इज जी इजी इजी तो ये था आपका अल्फाबेटिकल सीरीज यहाँ पे आपको नॉर्मली आगे पीछे देखना है राइट अब वैसे ही बेटा अल्फा न्यूमेरिक है सो अल्फा न्यूमरिक इज नथिंग बट अल्फाबेट्स एंड नंबर्स का मिक्सचर्स यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर टेन अल्फाबेट्स को अल्फाबेट्स के जैसे सॉल्व कर नंबर्स को नंबर्स के जैसे चलो नाइन्थ क्वेश्चन साथ साथ में करते हैं पी थ्री एम एट क्वेश्चन मार्क जी ट्वेंटी फोर डी थर्टी फाइव तो पहले अल्फाबेट्स को अल्फाबेट्स कैसे सॉल्व करते हैं पी से एम एन ओ पी दो पीछे इधर पता नहीं इधर भी पता नहीं जी से डी ई एफ दो पीछे तो अब एम से भी दो पीछे रहेगा ना अब एक बात सोचो क्वेश्चन मार्क से जी दो पीछे रहेगा ना तो कहना जी से क्वेश्चन मार्क दो आगे रहेगा तो ऐसे भी सॉल्व कर सकता है देख या तो एम से दो पीछे ले या तो जी से दो आगे ले तो जी एच आई तो इधर क्या आगे जाएगा जे एंड यू कैन क्रॉस चेक जे से दो आगे के एल तो तेरे को एम तो दिया है ना, अब बात करते हैं नंबर्स को नंबर्स को नंबर्स प्लस फाइव प्लस पता नहीं प्लस पता नहीं प्लस इलेवन तो प्लस फाइव है प्लस इलेवन है तो कैन ट्राई प्लस सेवन एंड प्लस नाइन एट प्लस सेवन नाइन ट्वेंटी फोर सो या आंसर इज जे फिफ्टीन अल्फाबेट्स को अल्फाबेट्स नंबर्स को नंबर्स के जैसे अल्फा न्यूमरिक क्लियर नाउ मूविंग ऑन टू द आखिरी टाइप दैट इज कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज और उसी के साथ आपका सीरीज का पार्ट हो जाएगा समाप्त तो ध्यान से देखना कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज थोड़ा अलग है पर इजी है सो so नाउ ये टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है ना बेटा इसको बोलते हैं कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज एक बार सबसे पहले अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर तेरह ठीक है चलो सो क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखते हैं बी ए अंडर स्कोर बी अंडर स्कोर ए ए बी अंडर स्कोर ए अंडर स्कोर बी नाव यू कैन सी यर कि भाई दो ही ऐसे लेटर्स है जो रिपीट हो रहे एंड बी तो अब कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज का मतलब समझाता हूँ ऐसे सीरीज़ जिसमें कंटिन्यूसली लेटर्स रिपीट हो गए दो दो के तीन तीन के चार चार के पाँच पाँच के पैटर्न में सर मतलब 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 मतलब, मतलब, मतलब ऐसा कुछ दो दो के पैटर्न में रिपीट हो सकते हैं जैसे कि ऐसा ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी कंटिन्यूस पैटर्न ना, ऐसे तीन दिन भी हो सकता है ए बी सी 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 ऐसा अमिताभ बच्चन के बी सी के बी सी कुछ भी बन सकता है चार चार का भी बन सकता है पाँच पाँच का भी बन सकता है छः छः का भी बन सकता है कुछ भी कंटिन्यूसली पैटर्न बन रहा है इसके लिए इसका नाम गिरा कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज इट कैन बी रैंडम लेटर्स क्लियर तो सर इसको सॉल्व कैसे करेगी तो मैं इसको सॉल्व करता हूं मैं ऐसा बोलता हूं गुच्छे से जाने का किससे जाने का गुच्छा गुच्छा मतलब सबसे ज्यादा बंच ऑफ लेटर्स एक साथ किधर है ए ए बी ए बी गुच्छा ये गुच्छे को आगे पीछे फिट करने का ट्राई करने का तो इधर देख इधर कर सकता हूं ए ए बी हुआ गुच्छा फिट हुआ 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 रहा ना तो यहां पे कौन बैठ जाएगा ए अब देख ये बी तो इधर भी तेरे पास ए बी है एक ब्लैंक खाली है तो इधर भी क्या बैठ जाएगा बी बैठ सकता है ना अब स्टार्टिंग से एक बार पढ़ना चालू कर तो बी ए बी बी ए बी बी ए बी खत्म गेम हो इधर भी बैटर है ना बी ए समझा नहीं समझा कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली पहला पर ये तेरा आंसर नहीं है तूने फिल इन द ब्लैंक्स क्या किया सो यू है अब्बा अब्बा नहीं मानेंगे ना बोला था ना फरार ने अब्बा नहीं मानते चलो ऑप्शन समझा कि नहीं समझा कंटिन्यूस पैटर्न सर पर अगर हम लोग अटके तो क्या करेंगे हाँ अगर अटको ना तो ऑप्शन से जा सकते हो अगर किसी बात में अटक गए नहीं समझ में आ रहा है पर पहले गुच्छे से ही जाने का अटके तो ऑप्शन से जा वरना ऑप्शन से जाने का नहीं अब इसका मतलब क्या तो ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर फोर्टीन रहा था ट्वेल्थ इज इजी फोर्टीन देखते ध्यान से देखना डैश एस आर डैश टी आर डैश एस आर एस डैश आर डैश एस आर एस टी डैश सो यहां पर गुच्छे से जाते हैं तो सबसे बड़ा गुच्छा कौन सा है एस आर एस टी तो यहाँ पे मैं टी डाल सकता हूँ तो बन गया एस आर एस टी आर तो इधर भी क्या आ जाएगा आर इधर देख एस आर एस टी आर तब ध्यान से देखना डैश एस आर एस टी आर डैश एस आर एस टी आर डैश S एस आर एस टी आर अब हर एक एस आर एस टी आर के पहले डैश है फंस गए ना फंसे कि नहीं फंसे है ना तो बस अब ऑप्शन से आप लोग जा सकते हो तो तेरे पास देख कितने ब्लैंक है एक दो तीन चार पाँच छः एस टी एन आर एस टी एन आर सो यू हैव सेकेंड ब्लैंक एस फोर्थ ब्लैंक टी एंड सिक्स ब्लैंक आर तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिधर जिसका सेकंड ब्लैंक एस है नहीं सेकंड ब्लैंक एस फोर्थ ब्लैंक टी सिक्स ब्लैंक आर बी का ये आंसर आ गया ऐसा बोलने का नहीं आगे चेक करने का सेकेंड ब्लैंक एस नहीं सेकेंड ब्लैंक एस फोर्थ ब्लैंक डी सिक्स ब्लैंक आर डी सो आईधर बी विल बी ऑर आंसर और डी विल बी ऑर आंसर तो अब फिट करके देख जिधर ज़्यादा अच्छा पैटर्न बैठा वो तेरा आंसर तो सबसे पहला ऑप्शन है टी एस आर टी एस आर एंड दूसरा ऑप्शन है डी ऑप्शन है टी एस टी 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 आर तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन बिठाकर दिखता हूँ दैट इज़ ऑप्शन बी सो व्हाट डज ऑप्शन बी सी मैं यहाँ पे टी डाल देता हूँ फिर एस तो ऑलरेडी है फिर आर डाल देता हूँ फिर टी तो ऑलरेडी है फिर वापस एस डाल देता हूँ अब ज़रा इसको एक बार पढ़ तो टी एस आर एस टी आर आर एस आर एस टी आर एस एस आर एस टी आर अब एक बार डी सब्स्यूट करके देखते हैं फर्स्ट ब्लैंक टी सेकेंड ब्लैंक एस थर्ड ब्लैंक टी फोर्थ ब्लैंक टी फिफ्थ ब्लैंक टी सिक्स ब्लैंक आर अब जरा इसको पढ़ते हैं ध्यान से लिखना टी एस आर एस टी आर टी एस आर एस टी आर टी एस आर एस टी आर तो ज़्यादा सही पैटर्न की इसमें बना कितना ब्यूटीफुल पैटर्न बन है देख टी एस आर एस टी आर टी एस आर एस टी आर टी एस आर एस टी आर अरे हाया ना मिल गया आंसर तो जिधर अटको ना उधर ऑप्शन से जाने का क्लियर सबको क्लियर किसी को कोई डाउट ओके सो आई रेस्ट हियर विद द सीरीज चैप्टर खत्म सीरीज समाप्त क्विक कई बार सबसे पहले हम लोग ने नंबर सीरीज किया नंबर सीरीज में दो किया फाइंड द मिसिंग टर्म फाइंड द रॉन्ग टर्म आप लोग को चेकलिस्ट भी लिखवाया फिर मैंने आपको बताया रॉन्ग टर्म बताया रॉन्ग टर्म के साथ साथ ऑड मैन ऑट भी बताया फिर अल्फाबेटिकल सीरीज बहुत रेयरली पूछा गया अल्फा एंड फिर पैटर्न सीरीज पे हम लोग गुच्छे से जा रहे थे गुच्छे को आगे पीछे फिट करके दिख रहे थे राइट, right? सो so, आपका इसी के साथ तीन मार्क पूरा सिक्योर दो से तीन मार्क पूरा सिक्योर कोई छेद नहीं सकता है अब बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जो साथ साथ में है, coding, coding, ये है, दैट इज कोडिंग डी कोडिंग इज कोडिंग डी कोडिंग बेटा ये चैप्टर भी जितना इज़ी उतना ही डिफिकल्ट नाउ लाइक वाइज सीरीज ये ट्राई कर ये नहीं तो ये ट्राई कर ये नहीं तो ये ट्राई कर मैंने ये चैप्टर में भी कर दिया कोडिंग डिकोडिंग में भी तो ऐसा कर सकता है ये ट्राई कर इससे आंसर नहीं आता तो ये ट्राई कर इससे आंसर नहीं आता ये ट्राई कर नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट आंसर आ जाएगा सो नाउ ध्यान से सुनना पहले तो इसको हम मतलब समझते हैं और इसके क्वेश्चन कैसे रहेंगे तो नॉर्मली जनरल सेटअप क्वेश्चन का क्या रहेगा तुझे एक वर्ड और एक कोड दिया रहेगा और साथ साथ में या तो दूसरा वर्ड दिए या तो दूसरा कोड देगी ये पैर तुझे जीवन रहेगी क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड आईधर अ कोड और यू हैव टू फाइंड आईधर अ वर्ड कैसे 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 तो कुछ नहीं इन दोनों की पैटर्न आइडेंटिफाई करने की और वो सेम पैटर्न इधर चिपका देने की इन दोनों की पैटर्न आइडेंटिफाई करने की सेम पैटर्न इधर चिपका देने की क्योंकि तू तो वर्ड से कोड बना रहा है इसको बोलते कोडिंग और क्योंकि तू तो कोड से वर्ड पे वापस जा रहा है इसको बोलते डी कोडिंग डी मतलब तोड़ना तो किसको तोड़ रहा है कोड को तोड़ रहा है डी कोडिंग एग्जाम में कोई नहीं पूछता है ये कोडिंग का क्वेश्चन है कि डी कोडिंग का क्वेश्चन आपने को आंसर देने से मतलब है राइट right? सो so, मैं आपको लेके जा रहा हूँ और आपको मैं करवाऊंगा क्वेश्चन ऑन द बेसिस की ये ट्राई करें इससे नहीं आंसर आ रहा है तो ये ट्राई करें इससे नहीं आंसर आ रहा तो ये ट्राई कर वापस तेरा आंसर आ ही जाएगा फिर मैं आपको एग्जाम के एक दो अलग अलग क्वेश्चन भी बताऊंगा राइट इसमें भी एग्जाम के क्वेश्चंस कवर है पर फिर भी मैं आपको एक दो अलग अलग क्वेश्चन बताऊंगा आपको एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही अप्रोच करना है जैसे मैं अब से तेरे को बोलने को जा रहा हूँ ठीक है सबसे पहले एकदम बच्चे से इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो तेरे को एग्जाम में दिखेगी क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर वन एकदम बच्चे जैसे तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर टू इन अ सर्टन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एस एन बी ई एस बी टी तो मद्रास इज कोडेड एज एन बी ई एस बी टी देन हाउ वुड बी बॉम्बे कोडेड इन दैट लैंग्वेज तो आप लोग बॉम्बे को कैसे कोड करोगे तो कैसे कोड करोगे तो इन दोनों के बीच की पैटर्न फाइंड आउट कर तो एम से एन कैन आई से जीरो आगे ए से बी जीरो आगे डी से ई e, जीरो आगे आर से एस जीरो आगे ए से बी जीरो आगे एस से टी जीरो आगे सिखाया था ना अभी अभी इन सब के बीच में मैंने पैटर्न आइडेंटिफाई कर ली जो कि ज़ीरो आगे की तो यहाँ पे भी वो सेम ज़ीरो आगे का पैटर्न चिपका दे बी सी ओ पी एम एन बी सी ए बी वाई जेड खत्म आंसर आ गया एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन बच्चे से आगे पीछे करके आंसर आओ ऐसा कुछ भी हो सकता है उधर देखेगा तो एक आगे एक आगे एक आगे एक आगे एक आगे ऐसा भी हो सकता है एक पीछे एक पीछे एक पीछे कुछ भी हो सकता है राइट right? अब एक बार क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो हनी कोडेड जे क्यू पी जी है विच इज द कोड फॉर वी सी टी आई जी वी यू तो हनी कोड है किसका कोड है जे क्यू पी जी ए का तुझे कोड पूछा है कि, तुझे वर्ड किसका पूछा है पूछा है वी सी टी आई जी वी यू सो so, इसको अब एच आई जे एक आगे ओ पी क्यू एक आगे एन ओ पी एक आगे ई एफ जी एक आगे वाई जेड ए ऐसा नहीं बोलेगा सर ए बी सी डी का था हम जेड के पास नहीं वापस ही चाल होगा ठीक है वैसे उल्टा भी हाँ चलो तो वाई के बाद ए एक आगे वाई के बाद बी दो आगे और फिर भी अब इधर एक आगे एक आगे एक आगे लगाया तो इधर भी एक आगे एक आगे एक आगे लगाने का नहीं क्योंकि वर्ड से कोड एक आगे तो कोड से वर्ड एक बराबर बोला पीछे होएगा सब जगह पे एक पीछे होएगा तो बी से एक पीछे टी V सी से एक पीछे ए बी सी आर एस टी जी एच F ई एफ जी टी S एस टी आंसर इज स्टार गेट्स। आंसर स्टार एट्स समझा तो वर्ड से कोड आगे तो कोड से वर्ड पीछे वर्ड से कोड पीछे तो कोड से वर्ड आगे किसी को कोई डाउट किसी को कोई डाउट ओके अब सर व्हाट इफ ये आगे पीछे आंसर नहीं आया तो उसी के लिए हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर अड़तीस रिटर्न जे वी टी सी जी तो ग्लोब विल बी रिटर्न एस क्या तो ध्यान से देखना अब आप लोग आगे पीछे करोगे करो ई करो, e से जे एफ जी एच आई चार आगे ए से भी सॉरी ए से भी तो कितना आगे तो एक बार पीछे ट्राई करना बी से डब्ल्यू एक्स वाई जेड और ए चार पीछे अरे वाह सर पैटर्न आया चार, चार आगे चार पीछे चार आगे चार पीछे चार आगे चार पीछे कर सकते हैं वो लोग जी बिल्कुल कर सकते तो देखते चल आर एस टी एक के आगे पैटर्न बना नहीं तो अब क्या करूं मैं सर तो ध्यान सुनना ये तेरे को एग्जाम में भी करना है अगर नॉर्मली आगे पीछे से आंसर ना आए नॉर्मली अगर आगे पीछे से आंसर ना आया तो एक बार वर्ड को रिवर्स करके ट्राई करने का वर्ड को रिवर्स ई ए आर टी एच एक आगे एक आगे एक आगे एक आगे एक आगे तो इधर पैटर्न क्या थी सबसे पहले रिवर्स किया फिर एक आगे किया तो रिवर्स करके एक पीछे भी कर सकता है तो ग्लोब का रिवर्स ग्लोब का रिवर्स जी एल ओ बी और फिर एक आगे फिर एक आगे ई एफ जी बी सी डी ओ पी क्यू एल एम एन जी एच आंसर बी जी डी क्यू एन आई समझा कि नहीं समझा तो आप लोग को एग्जाम में ऐसे देखना है एक क्वेश्चन दिखा आगे पीछे से आंसर आ रहा है आ रहा है ठीक है छोड़ दे खत्म कर दे नहीं आ रहा है अरे सर ने बोला था मैं एक बार वर्ड को रिवर्स करके ट्राई करके देखता हूँ वर्ड को क्या करता हूँ रिवर्स करके ट्राई करके देखता हूँ शायद मेरा आंसर आ जाएगा पैटर्न से वापस पैटर्न कुछ भी बन सकती है चलो मैं आपको है ना इसी में एक और रास्ता बताता हूँ ध्यान से देखना ऑब्जर्वेशन मैटर करता है और ऐसे ही वो लोग एग्जाम में देते हैं ध्यान से देखना इफ अर्थ ये दूसरा टाइप ऑफ है इसमें दूसरा टाइप है अर्थ इज कोडेड एस बी एफ क्यू बी एफ क्यू आई यू तो ग्लोब विल बी रिटर्न एस क्या तो ध्यान से ऑब्जर्व करो ध्यान से ऑब्जर्व करो ए बी ई एफ टी यू एच आई क्यू आर रिवर्स जीरो आगे रिवर्स जीरो आगे और ये जो बीच का बंदा था बीच का बंदर जीरो पीछे तो इधर एल एम जी एच पी क्यू ओ पी एल एम एन ओ एफ बी सी इससे तो क्या सीखा इससे तो ये सीखा कि हमेशा पूरा रिवर्स करेगा ऐसा जरूरी नहीं है तोड़ तोड़ के भी रिवर्स कर सकते हैं अगर छह लेटर का वर्ड होता है ना तो तीन तीन भी रिवर्स करता हूं पहले तीन बाद के तीन ऑब्जर्वेशन और ऐसे ही क्वेश्चन रीसेंट अटेम्प्ट में पूछे गए समझा समझा मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ एक बार ध्यान से सुनना मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ ध्यान से सुनना मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ ध्यान से सुनना सबसे पहले आगे पीछे ट्राई करने का नहीं हो रहा है रिवर्स करके आगे पीछे ट्राई कर रहे हैं नहीं हो रहा है देख क्या तोड़ तोड़ के लोग रिवर्स करके आगे पीछे कर रहे हैं क्लियर चलो अब बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज मैपिंग के क्वेश्चन देख मैंने अभी तक तेरे को कितना टाइप बता दिए वो देख ध्यान से देखते जाना ये तेरा हुआ फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ये दोनों फिर ये हुआ तेरा सेकेंड टाइप यार तोड़ तोड़ के रिवर्स करो ये हुआ थर्ड टाइप अब समझ ले नेक्स्ट टाइप दैट इज योर फोर्थ टाइप मैं इसको बोलता हूँ मैपिंग वाले क्वेश्चंस मैपिंग मतलब मैचिंग मैचिंग क्वेश्चन मैपिंग के क्वेश्चन वॉट इज दिस मैपिंग के क्वेश्चन ध्यान से सुनना बात को लेट सी क्वेश्चन नंबर सिक्स एकदम ईजी है ये तो एकदम बच्चे जैसे इफ एप्पल इज रिटन एज पी क्यू क्यू आर एस रिस इज रिटन एस ए बी सी मैंगो इज रिटन एस टी पी एक्स वाई जेड रोज कोडे इन धन लैंग्वेज सर अब ये पता कैसे चलेगा मैपिंग के क्वेश्चन है तो देख ध्यान से ऑब्जर्व कर एक वर्ड कोड नहीं है बहुत सारे वर्ड कोड है ठीक है और हर एक वर्ड और कोड को ऑब्जर्व कर पांच लेटर का वर्ड पांच का कोड तीन का वर्ड तीन का कोड पांच का वर्ड पांच का कोड तो इधर चार का वर्ड चार का कोड ये हिन्ट्स है कि मैपिंग का क्वेश्चन है पक्का कैसा पता चलेगा मैपिंग का क्वेश्चन है एक ओबला पी तो इधर भी देखिए एक ओबला पी जितने भी क्वेश्चन में ए रहेगे सारे के सारे पी पता नहीं कैसे वो लोग ने बोला ना पी तो पी वो लोग ने बोले कि यू तो यू समझा अब ध्यान से सुनना सर बट इधर तो वो लोग ने एक बोला है देख यहां पे तू उल्टा कर सकता नहीं है वरना तो तो, तो पागल हो जाएगा सर मैं एक को पी लू यार लू समझा वो लोग ने एक को पी बोला है पी को ये बोला नहीं है वो लोग ने आर को ये बोला है एक को आर बोला नहीं है अरे समझा तो उल्टा कर सकता नहीं है तब देख एकदम इजी। वो लोग जो बोलेगे तेरे को हाँ में हाँ मिलाने का वापस वो मुन्नी के ऐसा ऐसा करके तो ए तेरे को पूछा क्या है यहाँ पे रोस आर आर तो आर को क्या बोला ए तो इधर आ जाएगा ए ओ को क्या बोला जेड जेड एस को क्या बोला सी सी ई को क्या बोला एस ए जेड सी एस इज योर करेक्ट आंसर क्लियर मैपिंग मैचिंग वो लोग ने जो बोला ना चुपचाप बोल देने का दिमाग लगाने का नहीं अब चल एक और क्वेश्चन में देर को दे रहा हूँ ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर टेंथ रिपल इज रिटन कोड सारे मैपिंग के क्वेश्चन हैं। तो आपको क्या चाहिए पाइलर पी तो पी को लोग ने क्या बोला है थ्री तो इधर पी आ जाएगा थ्री आई को क्या बोला है वो लोग ने वन तो इधर आ जाएगा वन एल को क्या बोला है तो एल को बोला है एट तो थ्री वन एट एट फिर ई को क्या बोला है टू और आर को क्या बोला है थ्री वन एट एट टू सिक्स इजी इजी ये थे मैपिंग के क्वेश्चन अब मूविंग ऑन टू आखिरी टाइप अब बेटा इसी से है ना तेरे अलग अलग चार पाँच टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और ये तेरे को एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा तो ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है मैं बोलता हूँ इफ ब्लैंक ये फिफ्थ और आखिरी टाइप पर इसमें भी बहुत सारे इफ ब्लैंक इज रिटर्न एस टू वन टू वन वन फोर वन वन देन हाउ विल बी वैभव रिटर्न इन दैट कोड तो यहाँ पे तो सबसे पहले देखा गया सर मैपिंग मैपिंग अभी अभी किया था देख ले पांच लेटर का वर्ड तो क्या कोड पांच लेटर का है कि उससे ज़्यादा का है डिजिट देख क्या पांच डिजिट से है कि उसके ज्यादा है ज़्यादा है ना तो ऑब्वियसली मैपिंग का क्वेश्चन नहीं है तो इसी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा चेक लिस्ट फॉर आल्फाबेटिकल सीरीज साथ, साथ में लिखते जाओगे चेकलिस्ट फॉर अल्फाबेटिकल सीरीज़ लोग अल्फाबेट्स के साथ कितनी तरह की मस्ती कर सकते हैं तो एक मस्ती तो तेरे को आती है वो एक गैपिंग वाली मस्ती किए ना अपन ने आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे दूसरी तरह की जो मस्ती है बेटा वो है पोजीशंस वाली मस्ती कैसी मस्ती पोजीशंस वाली ना व्हाट इज दिस पोजीशंस वाली मस्ती तो ध्यान से सुनना मेरे पास ए टू जेड है पोजिशंस में और मेरे पास जेड टू ए बी मैं ए टू जेड में ए को बोल देता हूँ वन तो बी क्या हो जाएगा टू सी थ्री डी फोर ई फाइव वैसे ना वैसे जेड कितना हो जाएगा छब्बीस अभी ये तेरे को पूरी ए बी सी डी याद रखवाता हूँ मैं विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये याद रहेगा तेरा मेजोरिटी ऑफ़ द क्वेश्चन का आंसर जल्दी आ जाएगा तो जेड छब्बीस तो ऐसे ही तेरे को और थोड़े याद रखने जिससे तेरे को पूरी एबीसीडी याद हो जाएगी जैसे कि 26 का आधा कितना होता है तो M middle, M 13 तो एम फॉर मिडल एम फॉर तेरह एम फॉर मिडल एम फॉर तेरा एंड तेरे को ज्योति को याद रखना है किसको याद रखना है ज्योति पर ये ज्योति जोती नहीं है जो तू सोच रहा है ये जोटी है है कौन है जोटी और ये कैसी जोटी है ये ई जोटी है कैसी जोटी है ई जोटी ना व्हाट इज दिस ई जोटी टी पाँच दस पंद्रह बीस पच्चीस हो गई तेरे को ए बी सी डी याद कोई भी तो कोई भी वर्ड लेके विदिन फ्रैक्शन और सेकंड फटाफट फटाफट -फटा 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 उसका पोजीशन देख के देता हूँ जैसे कि अपन यूट्यूब पे यूट्यूब यूट्यूब इसका कोड क्या होगा तो अपने को पता है वाई आता है पच्चीस पे ओ आता है पंद्रह पे यू आता है टी बीस तो यू इक्कीस अरे यू टी के में ना, तो टी बीस तो यू कितना इक्कीस वापस यू आ, टी बीस यू इक्कीस बी दो ई पांच आ गया कोड यूट्यूब का जेके एस सी का कोड तो जेके एस सी का कोड क्या होगा जे दस के ग्यारह टी बीस तो एस उन्नीस सी थ्री आगे जेके एस सी का समझा तेरे को पूरा आई बी सी डी नहीं याद रखना है वो थोड़े थोड़े लेटर्स याद रखना है मेरे को कोई एफ पूछेगा तो पता है ई e पांच में आता तो एफ छ पे कोई मेरे को पी पूछेगा तो पता है ओ पंद्रह तो पी सोलह एन पूछेगा एन तेरह तो एन चौदह तो वैसे ही बेटा इधर वैभव वैभव का कोड क्या आएगा चलो तो टी बीस पे यू इक्कीस पे भी बाईस ए वन जे दस आई नौ बी टू एच एट ए वन बी बाईस अब ये तो हुआ ए टू जेड वैसा सेम चीज तुझे जेड टू ए भी दे सकता है ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा जहां पे तेरे को या तो ए टू जेड पूछेगा या तो जेड टू ए क्लियर क्लियर ओके अब ध्यान सुनना ये तो हुआ एक टाइप ऑफ क्वेश्चन अब Z2A की बात करें तो सर मेरे को यार जेड टू भी ऐसे रट्टा मरवा दो ना जिससे मेरा काम आसान हो जाए मरवा तो मरवा तो ध्यान से देखना इधर सो यहाँ पे तुझे वो लोग Z वन और A देंगे 26 क्योंकि तू उल्टा आएगा यहाँ पे याद रखना N आएगा 13 पे और यहाँ पे कोड है ब गी जी एल क्यू बी जहाँ पे बी आएगा पच्चीस जी आएगा बीस एल पंद्रह क्यू दस वी पाँच ये मोबाइलो ए टू जेड भी याद हो गया जेड टू ए भी याद हो गया क्लियर क्लियर अब बेटा वो लोग कोड इस तरह से भी बना सकते हैं ध्यान से देखना इफ ब्लैंक इज रिटर्न एस कोड होगा वन 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 जीरो वन थ्री वन जीरो तो क्या किया तेरा दिमाग स्ट्रैक करना चाहिए अच्छा बी आता है टू पे मेरे को दिया वन एल आता है बारह पे दिया ग्यारह ए आता है वन पे दिया जीरो एन आता है फोर्टीन पे दिया तेरह के ग्यारह दिया दस माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस तो वो लोग पोजिशन्स में कुछ ना कुछ प्लस माइनस भी कर सकते हैं ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं फिर एक और तरह के जो क्वेश्चन है तूने ऊपर रिवर्स देखा वो ग्लोब वाला तो इधर भी होता है पोजीशंस को वो लोग रिवर्स करके देगा मतलब जैसे कि जेके एस सी एस सी अपन ने किया था तो जेके एस सी का कोड तेरे को वो लोग किस प्रकार से देंगे तो थ्री वन नाइन वन 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 जीरो तो दिमाग लगाना है अच्छा वो लोग ने सबसे पहले रिवर्स किया जे दस के ग्यारह एस उन्नीस सी थ्री और फिर पोजिशन तो पोजिशन के साथ साथ रिवर्स का तड़का भी दे सकते हैं आठवां दोनों का कॉम्बो पोजीशंस के साथ साथ रिवर्स भी करेंगे और प्लस माइनस भी करेंगे ऐसा क्वेश्चन तेरी बुक में एग्जिस्ट करता है मॉड्यूल में इफ़ रैड टू सिक्स सेवन टू जीरो ग्रीन विल बी कोडेड क्या तो उसमें रेड को सबसे पहले रिवर्स किया फिर पोजिशन फाइंड आउट किया ए टू जेड की और फिर वो लोग को दिया प्लस टू प्लस टू प्लस टू देखना क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत बार आ गए और फिर सबसे भारी और आखिरी वाला ए टू जैड इक्वल टू जेड टू ए मतलब ऐसा कुछ इफ कैट इज रिटर्न एज एक्स जी तो डॉग विल बी रिटर्न तो याद समझने का आगे पीछे से आंसर आ रहा नहीं है तो दिमाग देखने का ए वन तो उधर जेड वन ना अरे इधर जो वन उधर भी तो कोई ना कोई वन होगा ना ए टू जैड और जेड टू में। तो इधर कोई टू उधर कोई टू होगा इधर कोई थ्री इधर कोई थ्री होगा इधर कोई, होगा, इधर कोई ट्वेंटी उधर कोई ट्वेंटी होगा ए टू जेड इक्वस टू जेड टू ए तो चलो ये डॉक का कैसे सॉल्व करूँगा तो ए टू जेड के हिसाब से देखेगा डी फोर ओ फिफ्टीन जी सात और इसको ही देखेगा जेड टू ए में तो आएगा डी पे आएगा डब्ल्यू एल टी समझा कि नहीं समझा समझा कि नहीं समझा ख़त्म कोडिंग डिकोडिंग एग्जाम के पहले तो दो मिनट में रिवाइज कर सकता है कोई भी क्वेश्चन है ना तो अटकेगा नहीं मेरी गारंटी है ये चीज ट्राई करना तेरा आंसर आ जाएगा मैं वापस एक बार क्विकली रिपीट करता हूँ या तो गैपिंग वाली मस्ती होगी या तो पोजिशन वाली में तो तेरे को आता है आगे पीछे पोजिशन में तो ए टू जेड जेड टू ए ए टू जेड में ए वन जेड छब्बीस एम तेरा ई जो थी पाँच दस पंद्रह बीस पच्चीस जेड टू में जेड वन ए छब्बीस एन तेरा क्योंकि तू उल्टा आएगा व ए बब्बी तो बी पच्चीस जी बीस पंद्रह दस पाँच अब क्वेश्चनस की अगर मैं बात करूँ तो कोडिंग डिकोडिंग में तेरे को ऐसे ही दिखना है सबसे पहले मैं आगे पीछे ट्राई करता हूँ आगे पीछे से आंसर नहीं आ रहा है तो रिवर्स करके आगे पीछे करता हूँ रिवर्स करके आगे पीछे नहीं आ रहा है तो तोड़ फोड़ के रिवर्स करके आगे पीछे करूँ वो नहीं तो मैपिंग के क्वेश्चंस वो नहीं तो पोजीशंस ही पोजीशंस के क्वेश्चंस नॉर्मल ए टू जेड जेड टू के रह सकते हैं पोजिशन में कुछ ना कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं पोजिशन को रिवर्स कर सकते हैं पोजिशन में रिवर्स एंड प्लस माइनस कर सकते हैं एन ए टू जेड इक्वेस टू जेड टू देख a to z to z है ना समझने का m के सामने n आया a के सामने z e के सामने v स्ट्राइक करना चाहिए b के सामने y कि ये कैसे क्वेश्चंस है इधर a to z लिया इधर z to किया क्लियर आई होप आई एम क्लियर आई होप आई एम क्लियर अब मैंने कहना यूनिक क्वेश्चन देखा था पहले मॉक टेस्ट पेपर में वो देखते हैं इफ कैंप

टोटल आया आपका तैंतीस अब ये थर्टी थ्री को मुझे नाइन बनाना है कैसे बनाओ सोचो सोचो सो, सोचो सो, सोचो सो, सोचो तो वो लोग ने क्या किया पता है? ये नंबर्स को इंटरनली मल्टीप्लाई किया थ्री थ्री जा नाइन क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है तो टीम का कैसे आएगा तो टीम का टोटल करो बीस प्लस पाँच पच्चीस प्लस एक छब्बीस प्लस, प्लस तेरह आएगा थर्टी नाइन और इसको इंटरनली मल्टीप्लाई करो थ्री नाइन जा ट्वेंटी पहले पोजिशन्स लिया पोजिशंस को प्लस किया और फिर उसको ही नंबर को इंटरनली मल्टीप्लाई किया मतलब सपोज फिफ्टी फाइव आता तो फाइव फाइव जै ट्वेंटी फाइव थर्टी टू आता तो थ्री टू जै सिक्स वैसा थर्टी एट आता तो थ्री एट जै ट्वेंटी फोर वैसा आई होप सबको क्वेश्चन क्लियर है आई होप सबको क्वेश्चन क्लियर है चल इसमें से एक आध क्वेश्चन मैं तेरे को और बता देता हूँ जैसे कि ये देख इन अ अर्टन लैंग्वेज ड्यू इज रिटर्न एज वन सिक्स टू फाइव फाइव टू नाइन तो तुमने ड्यू को कैसे लिखा है वन सिक्स टू फाइव फाइव टू नाइन तो पोजिशंस चार पाँच तेईस इसके लिए बोला था स्क्वायर क्यूब लर्न करो देख किधर की चीज़ किधर का काम में आती चार का स्क्वायर सोलह पाँच का स्क्वायर पच्चीस तेईस का स्क्वायर फाइव ट्वेंटी नहीं तो उसने क्या किया पोजिशन का स्क्वायर किया तेरे पास देख एक और है गेट उसका भी तेरे को कोड दिया हुआ है फोर नाइन टू फाइव तो देखो ध्यान से सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव बीस का स्क्वा चार ओवर। तो वैसे तेरे को फाइंड आउट किसके लिए करना है च्यू के लिए टी बीस बीस का स्क्वायर चार सौ डब्ल्यू तेईस तेईस का स्क्वायर फाइव ट्वेंटी नाइन ओ पंद्रह पंद्रह का स्क्वायर च्यू च्यू फाइव आंसर विल बी फोर हंड्रेड फाइव ट्वेंटी नाइन टू टू फाइव कौन सा ऑप्शन है देख लो ऑप्शन समझा सबको समझा सबको आई होप कोडिंग डिकोडिंग सबको क्लियर है पहले से अच्छे से क्लियर है क्वेश्चन की डिमांड देखो क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है कैसे पूछ रहा है आपके एग्जाम में तो एकदम बच्चे जैसे क्वेश्चन आए थे खाली रिवर्स रिवर्स किया था लोगों ने आगे पीछे भी नहीं किया था जो रिसेंट अटैप का पेपर था उसकी बात कर रहा हूँ राइट right? अब कोडिंग डिकोडिंग के बेटा कुछ यूनिक क्वेश्चन है एक दो वो अपन देखते हैं ध्यान से सुनना सबसे पहले ये एटींथ क्वेश्चन और नाइन क्वेश्चन इसको सबसे ट्यूशन को नहीं बोलते एकदम बच्चे जैसे ध्यान सुनना इफ ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक ब्लैक इज कॉल्ड ब्लू ब्लू इज कॉल्ड रेड रेड इज कॉल्ड व्हाइट कॉल्ड ऑरेंज देन वीच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर ऑफ द ब्लड रुको सर मैं अभी काट के बताता बताऊँ ऐसा बोलने का नहीं मेरे को पता है कौन सा है लाल है पूरा ब्लड लाल है सबका लाल रहेगा ब्लड है हाँ ना तो अब तेरे को पता है ब्लड इज रेड

देखो क्वेश्चन देख विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बर्ड बर्ड कौन सा है पैरट बट पैरट को क्या बोला है रेड रेड तो यार आंसर विल बी क्लियर क्लियर अब आखिरी और भारी ये तो एकदम बच्चे जैसे एग्जाम में नहीं दिखते हैं पर ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में दिख सकते हैं ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर एक्सप्लेन करता हूं टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन ट्वेंटी फोर क्वेश्चन ट्वेंटी फोर से 256 means you are good or thank you thank you i know that First, six, 3, 637 means we are bad and 358 means good and bad मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ मैं पूछता हूँ वॉट इज द कोड फॉर आर आर के लिए कोड क्या होगा आर के लिए कोड क्या होगा तो इधर बेटा मैंने नाम दिया है इधर है ना सबसे पहले नंबरिंग दे दे वन टू थ्री और मैंने नाम दिया है कि कॉमन कॉमन वाला गेम खेलने का क्या है गेम का नाम कॉमन कॉमन वाला गेम कॉमन कॉमन वाला गेम मतलब अब देख आर तेरे को चाहिए तो आर कौन से कौन से तेरे को उसमें दिया स्टेटमेंट्स में दिया है तो सर आर वन में भी दिया है टू में भी दिया है तो ये वन एंड टू के कोर्ड्स को बाहर लेके आ तो वन के कोर्स है टू फाइव सिक्स टू के कोर्ड है सिक्स थ्री सेवन इसमें से कॉमन कौन सा है सिक्स तो उधर आर कॉमन था इधर सिक्स कॉमन था तो आर का कोर्ड सिक्स खत्म गेम ओवर गेम ओवर जो इधर कॉमन वो इधर भी कॉमन और वही उसका आंसर जो इधर कॉमन वो उधर भी कॉमन 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 वाला गेम समझा सबको समझा सबको जैसे कि चले एक और एग्जाम्पल तो बैड तो बैड सेकंड में भी है थर्ड में भी है बैड सेकंड में भी है थर्ड में भी है तो बैड की अगर मैं बात करूं तो उधर उसके कोड्स देख सिक्स थ्री सेवन थ्री फाइव एट तो कॉमन कौन सा है थ्री तो इधर बैड कॉमन उधर थ्री कॉमन बैड का कोड थ्री खत्म जो इधर कॉमन वो उधर भी कॉमन क्लियर क्लियर अब ध्यान से हैं इधर सुनना तो पर इधर तेरे को क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर एंड क्या तेरे पास एंड किधर भी कॉमन है नहीं सर मेरे पास तो एंड किधर भी कॉमन नहीं है सिंस एंड कॉमन नहीं है तेरे पास गुड़ तो कॉमन है तो गुड़ का कोड मिल जाएगा तो गुड़ का कोड किधर से मिलेगा तेरे जो है वन एंड थ्री में से अब वन में से सिक्स तो ऑलरेडी कट गया था आर के लिए तो बचा वन में टू फाइव एंड थ्री में बचेगा थ्री फाइव एट तो कॉमन कौन सा है फाइव तो ए तेरे को इसका ये ये मिला गुड़ का कोड है बेटा गुड़ का कोड मिल गया फाइव तो फाइव कटा फाइव कटा अब देख इधर बचा यू इधर बचा टू तो अपने आप कोड्स मिलते जाएंगे अब त, तुझे गुड़ तो मिल गया अब फाइंड आउट करना है बैड तो बैड के लिए अपन ने ओवरली भी देखा था वापस एक बार देख लेते हैं बैड कहाँ से मिलेगा मुझे टू एंड थ्री में से टू के कोड्स है थ्री सेवन इधर है थ्री एट राइट right. तो कॉमन कौन सा है थ्री बैड तो का कोड आ गया थ्री अब अब बैड भी गया थ्री भी गया तो इधर बचा एट इधर बचा एंड तो एंड का कोड आ गया एट कॉपी कर लो और मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ सुनना ध्यान से तो इधर क्या करने का है इधर बेसिकली तुझे कॉमन कॉमन वाला गेम खेलने का है जो इधर कॉमन उधर भी कॉमन और सर मेरे पास अगर कॉमन नहीं है तो, तो आजू बाजू वाले दिखा आजू मिला बाजू मिला तो अपने हम जो बीच वाला है वो मिल गया ना समझा समझा अब मेरा एक डाउट है खाली वो आखिरी डाउट ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना मेरा एक डाउट है सचिन इज़ फुअर सच ए पुअर चाइल्ड इज इटन एस सा सचिन इज सेड इज एस रे ग पा वॉट इज द कोड फॉर is? ऑप्शन सुनना ऑप्शन A सा ऑप्शन बी रे ऑप्शन सी ग ऑप्शन डी रे ग्या आंसर क्या आंसर सर इज इज हे इज इज पर सचिन सचिन एक वर्ड कॉमन है कि दो वर्ड कॉमन है दो वर्ड कॉमन है हे तो हर एक वर्ड के लिए एक कोड है ना तो एक वर्ड कॉमन तो एक कोड कॉमन तो अगर दो वर्ड कॉमन तो दो कोड कॉमन इसके लिए इधर तुझे रे रे भी मैचिंग मैचिंग ग ग भी मैचिंग मैचिंग तो इसके लिए कोड क्या होगा या तो रे या तो ग कोई भी हो सकता है मुझे पता नहीं है अरे अगर मैंने सपोज इसको रे दे दिया तो सचिन रोएगा नहीं नहीं मेरे को भी रे चाहिए समझ रहे है मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे है मैं क्या बोल रहा हूँ तो या तो रे या तो ग और अगर ऐसा ऑप्शन नहीं रहा ना तो उसके जगह ऑप्शन रहेगा डेटा इन एडिकुएट या कैन नॉट बी डिटरमाइन गलती से भी इन दोनों में से आंसर मार्क करने का नहीं सचिन का कोर्स भी सेम रहेगा या तो रहे या तो ग इसका कोर्स भी सेम रहेगा या तो रहे या तो ग डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन एंड अगर ये नहीं दिया तो डेटा इन एडिकुट और कैन नॉट भी डिटर्माइंड देगा और तुझे वही मार्क करना है क्लियर सो इसी के साथ कोडिंग डिकोडिंग भी होता है समाप्त और इसी के साथ अपना पहला चैप्टर मैराथन का होता है समाप्त मजा आया कहाँ से चालू किया था हम लोग ने सीरीज पूरा सीरीज कवर किया पूरा कोडिंग डिकोडिंग कवर किया ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कोई भी डाउट हो यू कैन रीच आउट टू मी इन कमेंट सेक्शंस एनी टाइम एंड एन नंबर ऑफ टाइम्स राइट नाउ बढ़ते हैं आगे विद द नेक्स्ट चैप्टर अपना फेवरेट चैप्टर ब्लड रिलेशन्स मुझे पता है तो ब्लड रिलेशन में बहुत डरता है काफ़ी डरता है सर चैप्टर है ना बहुत हार्ड लगता है समझ में ही नहीं आता है तो मैं क्या करूँगा बेटा मैं तुझे बताऊँगा कि ये चैप्टर तुझे क्यों एग्जैक्टली हार्ड लगता है और तू क्या कर सकता है ऐसा जिससे ये चैप्टर तुझे ईजी लगे ठीक है आ जाओ तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है हम हैं तो फिर क्या गम है आ जाओ सबसे पहले अपन ब्लड रिलेशंस की बात करते हैं सुनना इसको पहले हिंदी में समझते हैं क्योंकि आप लोगों को ये चैप्टर इसी के लिए डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि आप ये चैप्टर इंग्लिश में सॉल्व करते हो इंग्लिश में ये चैप्टर को देखने का भी नहीं ब्लड रिलेशंस खून के रिश्ते कि रिश्ता क्या कहलाता है नहीं है ना लड़की लोग को तो सबसे ज़्यादा अच्छे से पता ना रिश्ता क्या कहलाता है उनकी शिप्स रेडी हो जाती है उनके जोन्स रेडी हो जाते हैं है ना ब्रू जोन फ्रेंड जोन है ना सारे जोन तो हम लोग को यही देखना है कि ब्लड रिलेशंस हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा डेफिनेशन के साथ तो डेफिनेशन ब्लड रिलेशन का एकदम सिंपल है बोलता है सब रिश्ते खून के रिश्ते एक्सेप्ट फॉर स्टेप रिलेशंस या अडॉप्टेड रिलेशंस स्टेप रिलेशंस या रिलेशंस आर नॉट कंसीडर्ड एज योर ब्लड रिलेशंस बाकी सारे के सारे आर ब्लड रिलेशंस राइट नाउ टॉकिंग अबाउट द चैप्टर सबसे पहले मैं आपको कुछ सिंबल्स कराऊँगा ये सिंबल्स आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस इजीली क्रैक करने में फिर मैं आपके जितने भी रिलेशन है सब हिंदी में भी कवर करूँगा इंग्लिश में भी कवर करूँगा क्योंकि आपको रिश्ते हिंदी में आप बचपन से हिंदी पढ़ते आ रहे हो आप आजू बाजू में हिंदी सुनते आ रहे हो आपके घर पे भी वो रिश्ते हैं तो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा चैप्टर को ईजी बनाने में रादर देन सॉल्विंग इन इंग्लिश राइट right? सबसे पहले समझते सिंबल्स क्या होते हैं सिंबल्स और हम लोग उसको सिंबल्स को यूज़ कैसे करेंगे वो भी समझेंगे राइट right? सबसे पहले बात करते सिंबल्स की और सबसे पहले मेरी बात करता हूँ मैं कौन मैं सर थैंक यू मुझे बताने के लिए मुझे तो पता ही नहीं था मैं सर मैं वैभव कारिया तो ऑब्वियसली मैं सर तो ही हुई साथ में मैं मेल भी तो हूँ तो दुनिया के जितने भी मेल्स हैं दुनिया के जितने भी मिल्स हैं सारे के सारे डिब्बे बराबर सुना तूने तो सारे के सारे डिब्बे लड़की लोग अभी बहुत खुश होती रहेगी बोलते हैं सर एकदम सही बात है सारे लड़के डिब्बे होते तेरी भी बारी आएगी है ना कर्मा का नाम सुना है ना ऐसा हंसने का नहीं हम लोग पे है ना चलो तो जितने भी लड़के हैं सारे के सारे डिब्बे वैसे मेरे पापा वो भी डिब्बे प्लीज़ घर पे ये एक्सपेरिमेंट करना मत पापा को गलती से भी डिब्बा मत बोलना वैसे मेरे ग्रैंड पापा होते तो वो भी डिब्बे जितने भी मेल्स हैं सारे के सारे डिब्बे अभी तो नहीं है पर फ्यूचर में ज़रूर आ सकता है मेरा बेटा वो भी डिब्बा जितने भी मेल्स है सारे के सारे डिब्बे क्लियर पहला सिंबल समझा सबको मेल्स मतलब डिब्बा अब अपन सब लोग अपने पापा को ऐसा ऊपर ही दिखते ना पापा अबाउ जनरेशन अबाउ एरो ऊपर की जनरेशन जितने भी अबाउ एरो और बेटे को नीचे दे बेटे तो बिलो जनरेशन्स डाउनवर्ड एरो क्लियर तीन सिंबल हो गए पहला सिंबल मेल्स डिब्बा अबाउ जनरेशन ऊपर वाली जनरेशन पापा दादा पर दादादा है ना फिर नीचे की जनरेशन बेटा ग्रैंड बेटा है ना ग्रैंड सन सब नीचे डाउनवर्ड जनरेशन अब मैं डिब्बा तो मेरी डिब्बी भी तो होगी तो जितनी भी फीमेल्स है सारी की सारी डिब्बिया अब हस जितनी भी डिब्बी हंस रही थी पहले डिब्बों पे अब हस जितनी भी फीमेल्स है सारी की सारी डिब्बिया सर्कल्स तो वैसे मेरे पापा की भी तो डिब्बी है मेरी बहन वो भी तो किसी ना किसी की डिब्बी होगी और अभी तो नहीं है पर फ्यूचर में ज़रूर आ सकती है पापा की परी नहीं पापा की डिब्बी जितनी भी फीमेल्स है सारी की सारी डिब्बी अब बात करते हैं नेक्स्ट सिंबल की वो है मेरी और मेरी वाइफ के बीच में ऑब्वियसली हुई रहेगी टा 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 शादी न रे मैरिज मैरिज के लिए टू ऑपोजिट एरोस है ना टू ऑपोजिट अट्रैक्ट्स बोलते हैं ना इसके लिए टू ऑपोजिट एरोस पापा और मम्मी मैरिज टू अपोजिट एरोस अब मैं और मेरी बहन ऑब्वियसली भाई बहन भाई भाई बहन बहन कोई भी रहा तो हम दोनों एक ही जनरेशन के सिमिलर जनरेशन दो मुँह वाला एरो सिमिलर जनरेशन दो मुँह वाला एरो आई होप आपको सारे रिलेशंस क्लियर है मैं फटाफट फटाफट -फटा -फटा बता देता हूँ वापस मेल डिब्बा फीमेल डिब्बी अबाव एरो ऊपर वाली जनरेशन डाउनवर्ड एरो बिलो जनरेशन्स सेम दो मुंह वाला एरो सिमिलर जनरेशन सेम जनरेशन भाई बहन भाई बहन बहन सब लोग है ना और मैरिज के लिए टू अपोजिट एरो इससे बेटा तेरे को डायग्राम में किधर भी कंफ्यूज नहीं होगा हजार रिलेशन भी क्यों ना हो आने दे एकदम बड़ा डायग्राम बनना हो बनने दे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड तेरे आंसर आएंगे तो क्लियर कट देख सकता है मेरी बेटी मेरा पापा तो सबसे पहले मेरी बेटी मेरे को पपा पप्पा ऐसा बोला गई फिर मेरे पापा बोला गए तो मेरे पप्पा के पप्पा उसके लिए कौन होंगे दादाजी ग्रैंड फादर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आंसर आएगा ठीक है समझा मैं क्या बोला अरे समझा मैं क्या बोला अब सुन ध्यान से अब अपन है ना तेरे रिलेशन्स कवर करते हैं फटाफट फटाफट ठीक है इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज सर क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों यार हम लोग को भी बताओ क्यों फ़नी लैंग्वेज है सुन ध्यान से क्यों फ़नी लैंग्वेज है क्योंकि वो बाइफरकेशन नहीं करता ग्रैंड फादर बोल के छोड़ देता है अब ग्रैंड फादर मतलब दो लोग हो सकते हैं दादा भी हो सकते हैं नाना भी हो सकते हैं हा ना है ना है ना है ना हाँ बस तो अपने को अभी यही सीखने का है मैं तेरे को सबसे पहले हिंदी में बताऊंगा फिर अपन उसी चीज़ को कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में फटाफट फटाफट देख कितना विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में एक मिनट के अंदर अंदर तेरे ऑलमोस्ट सारे रिलेशंस कवर कर दूंगा एंड लेट स्टार्ट नाउ इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज क्यों फ़नी लैंग्वेज साथ, साथ में बोलते जाना पप्पा का पप्पा वॉट विल यू से दादा मम्मी पप्पा नाना इंग्लिश दोनों को बोलता है ग्रैंड फादर पप्पा की मम्मी दादी मम्मी की मम्मी नानी इंग्लिश दोनों को बोलता है ग्रैंड मदर पप्पा का भाई चाचा मम्मी का भाई मामा इंग्लिश दोनों को बोलता है अंकल पप्पा की बहन बुआ मम्मी की बहन मौसी इंग्लिश दोनों को बोलता है आंट अब ध्यान से देखना बच्चे लोग इधर कन्फ्यूज होते हैं मेरे भाई का बेटा भतीजा मेरी बहन का बेटा भान है ना मेरी बहन का बेटा भान इंग्लिश दोनों को बोलता है नेफ्यू मेरे भाई की बेटी भतीजी मेरी बहन की बेटी भांजी इंग्लिश दोनों को बोलता वापस वापस एक बार, वापस एक बार बार मेरे भाई का बेटा भतीजा मेरी बहन का बेटा भांजा इंग्लिश दोनों को बोलता नेफ्यू तो किधर भी क्वेश्चन में नेफ्यू वर्ड सुने तेरा दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए या तो मेरे भाई का बेटा रहेगा या तो मेरी बहन का बेटा रहेगा क्लियर फिर आगे बढ़ते हैं भतीजी एंड भांजी नीस अब देख दादा दादी विल कॉल यू पोता पोती नाना नानी विल कॉल यू नाता नाती पोता नाता ग्रैंड सन पोती नाती ग्रैंड डॉटर खत्म खतम गेम ओवर अब सुनना सुनना ध्यान सुनना मुझे पता है थोड़े रिलेशन और बाकी पर सुनना मोस्टली इतने रिलेशन कॉमन रिलेशन से वो दिख गया ध्यान सुनना पर कभी कभी इंग्लिश बायफर्केट करता है विद द वर्ड सच एज पैटर्नल एंड मैटर विद द वर्ड सच एज पैटर्नल एंड मैटरनल बोल देगा पैटर्नल ग्रैंड फादर तब दिमाग काम करना चाहिए कि अच्छा अब बायफर्गेशन कर रहा है वो बेटा अपना पैटर्नल नाम में आप पापा 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 नाम भी बोल रहे है पैटर्नल पापा के साइड का ग्रैंड फादर यानी कि हो जाएगा दादाजी और वैसे मैटर्नल मामा 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 के साइड का नहीं रे माँ का साइड का ग्रैंड फादर यानी कि नाना वैसे पैटर्नल अंकल और मैटर्नल अंकल भी दे सकता है पैटर्नल अंकल मतलब पप्पा के साइड का अंकल चाचा और मैटरनल अंकल मतलब माँ के साइड का अंकल मामा आई होप रिलेशन आर क्लियर टू यू क्लियर ओके अब मजा आएगा इधर अब मेरी जो बीवी है आएगी तो साथ में अपने रिश्तेदार भी लाएगी है ना उधर एकदम सोवर बन के बैठना पड़ता है नहीं और ऑब्वियसली लड़के के तो मज़े ही मजे होते हैं क्योंकि दामाद जी आए दामाद जी आए है ना सासू माँ ससुर जी सब पीछे पड़ जाते नहीं आ जाओ तो बात इधर करते हैं ध्यान सुनना अब मेरी बीवी के साइड के रिश्ते शादी वाले रिश्ते वापस इंग्लिश इज़ अ फ़नी लैंग्वेज क्यों इंग्लिश इज़ अ फ़नी लैंग्वेज है मेरे शादी के बाद जितने भी रिश्ते रहेंगे सबके पीछे लगा देने का इन लॉ सबके पीछे क्या लगा देने का इन लॉ जैसे कि मेरी वाइफ की माँ मेरी वाइफ के पप्पा मेरी वाइफ का भाई मेरी वाइफ की बहन सबके पीछे इन लॉ उसकी माँ सासू माँ मदर इन लॉ उसका पप्पा ससुर जी फादर इन लॉ उसका भाई ये सबसे फेवरेट अपना सुंदर है ना जेठालाल सुंदर वाला तो सुंदर साला है ना तो आप, आपको भी पता है जेठालाल दया और सुंदर तो दया का भाई जेठालाल की शादी हुई दया से दया का भाई साला साला को बोलेगे ब्रदर इन लॉ और साली रही तो ऑब्वियसली सिस्टर इन लॉ सबके पीछे इन लॉ अब उसके मम्मी पापा मुझे कुछ बुलाएंगे दामाद जी सन इन लॉ मेरे मम्मी पापा मेरी बीवी को बुलाएंगे क्या बहू डॉटर इन लॉ तो डॉटर इन लॉ है ना तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए अच्छा मेरा कोई तो बेटा रहेगा उसकी कोई तो वाइफ रहेगी क्लियर ये फ्लो से जाते हो ना क्वेश्चंस बहुत इजी बन जाते हैं आपके अब देख ध्यान से सुनना उसके पॉइंट ऑफ से मेरे मम्मी पापा मेरे भाई बहन कुछ ना कुछ लगेगा तो मेरे मम्मी पापा से सासू मां ससुर जी फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ फिर मेरा बहन मेरी बहन उसकी उसकी कौन लगेगी मेरी बहन उसकी कौन लगेगी उसकी लगेगी ननन है ना ननन अपन भाभी ननन का रिश्ता राइट तो ननन हिंदी वापस क्या बोलेगा ननन और इंग्लिश क्या बोलेगा वापस सिस्टर इन लॉ पर मेरा भाई देख इंग्लिश कितना स्पेसिफिक है इंग्लिश कितना क्लियर है भाई मेरे से बड़ा रहा तो जेठ जी छोटा रहा तो देवर जी है ना इंग्लिश बोल देता है ब्रदर इन लॉ ब्रदर इन लॉ क्लियर आई होप आपको क्लियर हो ठीक है तो अब देख कभी भी ब्रदर इन लॉ है ना तो दिमाग में आना चाहिए या तो मेरी बीवी का भाई होगा और अगर मैं लड़की हूँ मैं लड़की हूँ तो मेरे पति का भाई होगा मतलब या तो साला रहेगा या तो देवर जी जेठ जी रहेगी आई होप सबको क्लियर है सर एक दो रिलेशन अभी भी कवर नहीं हुए यार हमारे फेवरेट फूफा जी मौसा जी है ना घर में आ जाते हैं है ना चलो तो फूफा जी और मौसा जी अगर आया तो अंकल एक और रिश्ता है चाची जी बहुत कम दिखती है चाची जी आई तो आंट अब एक और चीज़ है एक और रिश्ता रह गया लड़की लोग का फेवरेट जी झा जी हमारे जीजू तो जीजा जी आए तो हस्बैंड इन लॉ नहीं बोलने का एक बच्ची मेरे को बोलती है कि सर जीजा जी, जी आए तो क्या तो उसकी फ्रेंड ने उसको सामने ही बोला मेरे सामने बोला बोलता है हस्बैंड इन लॉ गलत बात अगर ये सब चीज़ करोगे ना तो क्राइम पेट्रोल का एपिसोड बन सकता है है ना चलो ये सब चीज़ करने का नहीं जीजा जी आए तो जैसे साली सिस्टर इन लॉ जीजा जी ब्रदर इन लॉ क्लियर इसी के साथ साथ आपके सारे रिश्ते होते हैं समाप्त नाउ मैं आपको समझाऊंगा कि रिश्तों को कैसे यूज करके आपको डायग्राम बनाना है ध्यान सुनना आपके जो बेटा क्वेश्चन है ना वो तीन पार्ट में बायफर्गेटेड है सबसे पहला टाइप है ब्लड रिलेशन बेस्ड ऑन पजल्स आपका दूसरा टाइप है ब्लड रिलेशंस बेस्ड ऑन सिम्बॉल्स जो एग्जाम्स में बहुत ही रेयरली दिखता है ये नहीं करके जाते तो भी चलता है और फिर तीसरा है ब्लड रिलेशंस बेस्ड ऑन कन्वर्जेशन्स हाईली 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 इंपॉर्टेंट और फिर ये कर ठीक है सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें ही अटकते हैं ब्लड रिलेशन्स बेस्ड ऑन कन्वर्जेशन पर आज के बाद तू अटकेगा नहीं उसकी गारंटी मेरी राइट right. सो so, सबसे पहले लेट सी ब्लड रिलेशन बेस्ड ऑन पजल्स और उसका मैं आपको चार पांच क्वेश्चन करवाता हूं तो आपको उसके साथ क्या क्या आ जाएगा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ठीक है तो ये क्वेश्चन है अपने सामने कि ये symbols को कैसे यूज करना है और क्या करना है दिखते क्वेश्चन नंबर वन बात करते सबसे पहली लाइन की इसको हिंदी में कन्वर्ट करना इंग्लिश में मत सॉल्व करना हिंदी में समझ हिंदी में सॉल्व कर जल्दी आंसर आएगा या तो फिर तेरे को जो भी तेरे को लैंग्वेज आता है गुजराती मराठी पंजाबी सिंधी है ना जो भी लैंग्वेज तू बोलता है कच्ची पर ये मत बोल इंग्लिश मत बोल बहुत हार्ड गिरता है सॉल्व करने में देख पर्ड इंग्लिश में कन्वर्ट कर आंसर ला इज तो सबसे पहले समझना इज मतलब इक्व टू हिंदी में बोले तो वो ही या ही तो ए इक्व टू कौन तो ए ही कौन है ए वो ही कौन है ए वो ही, ही बी ब्रदर है ए वो ही बी का भाई है तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा तो ध्यान से देखना ए वो ही भाई है तो ए भाई है तो ए बन जाएगा डिब्बा किसका भाई है बी का तो बी उसके बाजू में रहेगा ना आएगा सिमिलर जनरेशन का एरो तो बी या तो उसका भाई रहेगा या तो उसकी बहन अपने को फर्क गिरता नहीं है देख अगर कभी भी वो लोग जेंडर ना देना तो दोनों के पॉइंट ऑफ से देखने का भाई के पॉइंट ऑफ से भी देखने का बहन के पॉइंट ऑफ से भी देखने का क्लियर क्लियर मैं वापस रिपीट करता हूं ए कौन है भाई है तो ए बन जाएगा डिब्बा सिमिलर जनरेशन का रोक जो भाई है किसका भाई है बी का बी का जेंडर अपने को दिया नहीं है अपने को पता नहीं है आगे सी इज एज मदर सी कौन है इज से ही सी ही कौन है ए की माँ तो ये अपनी माँ को ऊपर दिखेगा ना माँ 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 ऊपर दिखेगा और सी उसकी माँ का नाम है तो सी बन जाएगी डिब्बी क्लियर ओके आगे डी इज सी फादर डी कौन है सी का भी पप्पा है तो सी अपने पप्पा को वापस ऊपर दिखेगा उसके पप्पा का नाम क्या है डी फॉर डिपा क्लियर क्योंकि पप्पा था ना तो डिब्बा बन जाएगा आगे ई e इज बी सन ई e कौन है बी का बेटा है देख अभी भी बी का जेंडर तेरे को दिया नहीं है तो छोड़ दे ई e कौन है उसका बेटा है बस अब क्वेश्चन पढ़ पढ़ाव इज डी रिलेटेड टू ए नाइनटी नाइन परसेंट लोग को यही क्लियर नहीं होता है डी रिलेटेड टू ए तो ध्यान से सुनना मैं तेरे को रट्टा भी मरवा रहा हूँ मैं तेरे को समझा भी रहा हूँ दोनों करूँगा डी का रिलेशन ए के हिसाब से क्या है तो किसका पॉइंट ऑफ व्यू आया इसका पॉइंट ऑफ व्यू आया ए का आया ना हाउ इज डी रिलेटेड टू ए वॉट इज द रिलेशनशिप ऑफ डी विध रिस्पेक्ट टू ए विध रिस्पेक्ट टू ए मतलब ए के हिसाब से डी क्या हुआ ना तो अपन पॉइंट ऑफ व्यू किसका देख रहे हैं ए का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं? ए किसको बुला रहा है डी को तो ए डी को क्या बुलाएगा समझा के नहीं समझा समझा के नहीं समझा लोग बोलते हैं ना लोग बोलते हैं डी ए को क्या बोलेगा नहीं डी ए को नहीं ए डी को क्या बोलेगा और एक बार तेरे को इसको रट्टा मारना है तो रट्टा मार सकता है याद रखने का हमेशा ये रट्टा है पीछे वाले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे वाले पर्सन को देख ने का हमेशा पीछे वाला पर्सन तो पीछे कौन है ए उसके हिसाब से किसको देखने का डी को तो ये रट्टा क्लियर अरे क्लियर में क्या बोला अब ध्यान से सुनना मेरी बात तो हविज ए रिलेटेड टू सॉरी हाविस ए, आ, हाविस, हा, हाविल ए सी डी तो ए तू ए बन जा और धीरे धीरे डी दी को देख तो सबसे पहले तू सी को बोलेगा सी को क्या बोलेगा मम्मी माँ और माँ का ये कौन है पप्पा माँ इनको पप्पा बुलाते हैं ना तो तू क्या बोलेगा मम्मी का पप्पा अपन हैं नाना जी इंग्लिश बोलता है ग्रैंड फादर आई होप सबको समझा आई होप सबको ये चीज समझा क्लियर किसी को कोई डाउट किसी को कोई डाउट वापस मैं एक बार रिपीट करता हूँ सिंबल्स तुझे यूज करना है बराबर से बराबर और डी रिलेटेड टू है तो क्या करेगा क्या करेगा ए का पॉइंट ऑफ व्यू लेगा जो पीछे है उसका पॉइंट ऑफ व्यू चल मैं एक और तेरे को क्वेश्चन देता हूँ ट्राई कर आंसर देने की हाउ वॉट इज द रिलेशनशिप ऑफ व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ई मीन्स ए रिलेटेड टू ई तो किसका पॉइंट ऑफ व्यू लगेगा ई का तो किसका पॉइंट ऑफ व्यू लगेगा ई को ई एक बुला रहा है ए को तो देखने का सबसे पहले ई बी को बुलाएगा अब देख बी का बेटा ई था पर ई जो है वो इसको मां भी बुला सकता है पप्पा भी बुला सकता है ना जेंडर दिया नहीं है अगर तू उसका बेटा है तो वो या तो तेरी माँ होगी या तो तेरा पप्पा होगा और माँ या तो पप्पा का ये कौन है भाई है तो माँ का भाई या तो ये मेरा मामा है या तो पप्पा का भाई या तो मेरा चाचा है इंग्लिश क्या बोलेगा अंकल समझा कि नहीं समझा क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है तेरे को कॉन्सेप्ट्स के साथ रिलेशंस के साथ क्लियर लेना है आई होप सबको रिलेशन क्लियर है आई होप सबको रिलेशन क्लियर है क्लियर अरे क्लियर किसी को कोई डाउट किसी को कोई डाउट चलो आ जाओ अब इस पे बेस अपन एक दो क्वेश्चन और साथ में दिखते हैं फिर इसको ओपन करेंगे वाइंड अप चलो अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखाता हूँ सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन ध्यान से दिखना पी इज फादर इज क्यूज सन क्या बोलता है पी इज फादर पी की कौन किसकी बात कर रहा है वो पप्पा की बात कर रहा है और पी का पप्पा कौन है इज 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 equals टू वही क्यू का बेटा है तो सबसे पहले पी रहेगा पी का कौन रहेगा पप्पा रहेगा और ये पी का पप्पा कौन है क्यू का बेटा है पी का पप्पा ही क्यू का बेटा है इज फादर इज क्यूज सन समझा कि नहीं समझा अरे समझा कि नहीं समझा ओके चलो आगे देखते हैं ध्यान से एम इज द पैटर्नल अंकल ऑफ पी एम कौन है पप्पा का साइड का अंकल है तो पप्पा का साइड का अंकल यानी कि चाचा जी तो एम चाचा जी है किसका पी का तो पी का सबसे पहले पप्पा है है उसका कोई तो भाई रहेगा वो कौन है एम अब देख ले क्या एम चाचा जी है पी के एम इज द paternal अंकल ऑफ पी हाँ पी का पप्पा का साइड का भाई अरे ये पप्पा का भाई हो गया ना सिमिलर जनरेशन का एरो। Clear? Clear? Okay. आगे ध्यान से देखना एन इज द ब्रदर ऑफ क्यू एन कौन है भाई है किसका भाई है क्यू का डन डायग्राम ओवर सर मेरे को क्यू का जेंडर नहीं दिया पी का नहीं दिया तो अगर वो लोग बीच में भी आएगा ना तो दोनों पॉइंट ऑफ से देखने का देख इधर भी मैंने देखा था ना या तो माँ का भाई या तो पप्पा का भाई तो सेम चीज इधर भी

तो तो या तो तू डिब्बा हो सकता है या तो तू डिब्बी अगर मैं तेरा भाई हूं तो या तो तू तो मेरा भाई हो सकता है या तो तू तो मेरी बहन राय ना भाई या तो बहन का ये ये, ये कौन लगता है ये कौन लगता है ये क्यों का बेटा था ना तो मतलब या तो ये भाई का बेटा रहेगा या तो ये बहन का बेटा रहेगा और उसका भी भाई तो ये इन शॉर्ट ये क्यू का ये भी तो बेटा हुआ तो क्यू के दो दो बेटे वो मेरे पापा भी पी के पापा भी और ये भी समझा कि नहीं समझा अब देख भाई के बेटे तो भाई का बेटा भतीजा बहन का बेटा भांजा इंग्लिश दोनों को क्या बोलेगा इंग्लिश दोनों को क्या बोलेगा नेफ यू क्लियर सबको क्लियर सबको समझा क्या किया समझा सबको स्लोली स्लोली एक, एक एक रिलेशन देखने का घाई नहीं करने का एक रिलेशन बनाओ खत्म करो रिलेशन बनाओ खत्म करो मेरा डायग्राम मेरे सिंबल्स सर को बहुत हेल्प करेगा कोई भी रिलेशन तो कैसे भी पता लगा सकता है क्लियर चलो आ जाओ अब देखते एक, एक, कभी कभी तेरे को ना बीच में ऐसा लाइन मिल सकता है जैसे कि सी इज फादर ऑफ ए सी इज फादर ऑफ ए तो सी कौन है पप्पा है. किसका पप्पा ए का बट ए इज नॉट हिज सन वो तेरा पप्पा है पर तू उसका बेटा नहीं हाइया तू क्या तू लावारिस ऐसा बोलने का नहीं ए लावारिस नहीं ऐसा बोलने का नहीं है ना तो अगर वो तेरा पप्पा है तो उसका बेटा नहीं तो तू उसकी बेटी कभी कभी वो ऐसे भी देता है ए इज़ द सन ऑफ बी बट बी इज नॉट हिज मदर बी उसकी माँ नहीं है तो बी उसका कौन है पप्पा समझा तो ये लाइन के लिए तुम लोग ध्यान देना आया तो आ जाओ अब बात है ना इधर करते एक आखिरी क्वेश्चन की बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत ब्यूटीफुली फ्रेम्ड है इसके लिए मैं तेरे को करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर टेंथ मेरे को बहुत पसंद है क्वेश्चन राइट तो देख क्या बोलता क्वेश्चन इन फैमिली देर आर सेवन पर्सन कम्प्राइजिंग टू मैरिड कपल्स तो इन अ फैमिली कितने लोग हैं इन अ फैमिली तेरे पास सात लोग हैं सेवन पीपल कंप्राइजिंग टू मैरिड कपल्स तो दो कपल्स है एक कपला एक कपली दूसरा कपला दूसरा कपली एक डिब्बा एक डिब्बी दूसरा डिब्बा दूसरी डिब्बी ठीक है आगे क्या बोलता है टी इज द ओनली सन ऑफ एम एंड ग्रैंड सन ऑफ के टी कौन है अकेला बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके मैं तेरे को बताऊंगा टी अकेला बेटा है टी किसका अकेला बेटा है एम का अकेला बेटा है तो एम रहेगा उसका अकेला बेटा टी एंड ग्रैंड सन एंड टी कौन है टी ही ग्रैंड सन है ग्रैंड सन मतलब एकदम नीचे चलेगा ना तो इसके भी ऊपर कौन है कि अब ध्यान से देख ले क्या ये टी इसका ग्रैंड सन हो सकता है हा क्या ये इसका बेटा हो सकता है हा टी इज द ग्रैंड सन ऑफ के एंड टी इज द सन ऑफ एम सबको इधर तक समझा अरे सबको इधर तक समझा चलो और टी इज द ओनली सन बोला ओनली अकेला बेटा आगे देख एम इज अडो ओवर बस इसी लाइन की वजह से मैं क्वेश्चन लेने के मेरे चांसेस बढ़ गए और देख लोगों को वीडियो का मतलब तो पता रहता है वीडियो मतलब जिसकी जिसका पति मर गया और मतलब जिसकी बीवी मर गई जिसकी बीवी रेस्टिन पीस है ना जिसकी बीवी इन पीस जिसकी बीवी मर गई मतलब एम लड़का रहेगा लड़की रहेगा एम रहेगा लड़का वीडो मतलब जिसका पति है हाँ ना ओके okay. देख अगर तेरे को इधर से कन्फ्यूज होता ना तेरे को नेक्स्ट लाइन देख दी है एम एंड आर आर ब्रदर्स मतलब क्लियर कर बोलता है एम और आर कौन है भाई भाई है मतलब एम बी मेल हुआ ना दोनों भाई भाई है तो आर ब्रदर तो एम बी ब्रदर तो ऑब्वियसली दोनों को मेल होना पड़ेगा तो अगर तू इधर कन्फ्यूज़ होता ना तो तेरा आंसर उधर से आ जाता चलो आ जाओ पर फिर भी लोग रॉन्ग करते नया शब्द देखते ना लोग घबरा जाता है घबराने का नहीं सोचने का और फिर सॉल्व करने का चल आ जाओ एंड डब्ल्यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ J. देख क्या बोलता है डब्ल्यू कौन है डॉटर इन लॉ है किसकी डॉटर इन लॉ है डॉटर इन लॉ का मतलब क्लियर कर डॉटर इन लॉ मतलब बहू डब्ल्यू बहू है किसकी बहू है जे की तो सबसे पहले J रहेगा J का कोई बेटा रहेगा और वो बेटा किसी को बीवी चिल्ला रहता रहेगा और ऑब्वियसली J किसी को बहू बहू ऐसा बुलाता रहेगी तो अब देख आगे क्या बोलते हैं तेरे को आगे उसने दिया भी है जे हु मदर ऑफ आर एंड ग्रैंड मदर ऑफ दी जे हु हिंदी में हु मतलब जो जे है जो माँ है किसकी माँ है मदर ऑफ आर तो जे माँ है आर की एंड ग्रैंड मदर है डी की अब एक बात समझ जे के दो बेटे हुए एक तो एम और दूसरा आर एक तो एम और दूसरा आर अब एम की बीवी तो टपक गई थी ना तो बच्ची किसकी बीवी आर की बीवी आर की बीवी जे की क्या हो जाएगी बहू हो जाएगी ना और वो कौन थी डब्ल्यू तो जे देखना हो गया ना जे मेरा जे जे का बेटा आर आर की बीवी डब्ल्यू डब्ल्यू इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ जे जे इज़ द मदर ऑफ़ आर एंड ग्रैंड मदर ऑफ़ डी ख़त्म तो तेरे को एक कपल मिल गया आर डब्ल्यू तो दूसरा कपल कौन रहेगा तो देख ऑब्बियसली एम और आर भाई भाई ये एम के का बेटा था तो आर भी के का बेटा हो गया ये भी पप्पा रहेगा और दूसरी शादी हुई रहेगी के जे के खत्म क्या बोलता है क्वेश्चन हाउ इज डी रिलेटेड टू एम एम के हिसाब से डी कौन तो धीरे धीरे जा सबसे पहले ये मेरा भाई और ये भाई का ये कौन है सर डी का जेंडर नहीं दिया है तो बेटा या तो बेटी तो, तो मेरे भाई का बेटा भतीजा मेरे भाई की बेटी भतीजी नेफ्यू ऑप्शन सी सीफ और समझा सबको समझा सबको समझा किसी को कोई डाउट किसी को कोई डाउट अब तू देख इसमें से कौन सा भी रिलेशन निकाल सकता है बेटा कोई भी रिलेशन तेरी मर्जी तू निकाल सकता है पूछ तू मेरे से चल मैं बोलता हूँ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ़ डब्ल्यू हाउ इज़ डब्ल्यू रिलेटेड टू एम तो एम के हिसाब से डब्ल्यू तो देख सकता है आर मेरा भाई भाई की बीवी तो भाई की बीवी भाभी हुई ना भाई की भी क्या हुई भाभी सर भाभी को क्या बोलेगे सिस्टर इन लॉ सिस्टर इन लॉ डब्ल्यू एम को क्या बुलाएगा डब्ल्यू एम को अगर मैं उसको भाभी बुलाऊंगा तो वो मुझे क्या बोलेगा या तो देवर जी या तो जेट जी, जी ब्रदर इन लॉ क्लियर क्लियर कोई भी रिश्ता तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ला सकता है ये तेरे को सिंबल्स इतना हेल्प करेगी राइट तो इसी के साथ फर्स्ट टाइप दैट इज़ योर ब्लड रिलेशन बेस्ड ऑन पजल्स मैं करता हूँ एंड देखते हैं इसका भी एक ही क्वेश्चन देखेंगे ज़्यादा पूछा नहीं जाता और एकदम ईजी रहता है सिम्बॉिकली कोडेड ब्लड रिलेशन तो ये क्या है सिम्बॉलिकली कोडेड ब्लड रिलेशन पहले पढ़ मैं तेरे को बताता हूँ देख छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर थ्री ठीक है तो पी प्लस क्यू मीन्स पी इज द मदर ऑफ क्यू पी डिवाइड बाई क्यू मीन्स पी इज द फादर पी माइनस क्यू मीन्स पी इज द सिस्टर हर एक सिम्बॉल के सामने एक रिलेशन है इसके लिए इसको बुला सिंबॉलिकली कोडेड ब्लड रिलेशन और ये तेरे को रट्टा नहीं मारना है देख सकता है हर एक क्वेश्चन के पहले दिया रहता है क्योंकि बेटा यहाँ पे मैचिंग नहीं हो सकता है प्लस मतलब मदर प्लस मतलब कुछ भी हो सकता है फादर सिस्टर डॉटर सन वाइफ कोई भी रिलेशन हो सकता है और वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन बदलता रहेगा और पी क्यू भी एग्जाम्पल है पी क्यू की जगह पर कोई भी हो सकता है तेरा मेन फोकस रहना चाहिए प्लस पे मदर पे डिवाइड पे फादर पे माइनस पे सिस्टर पे क्लियर सबको क्लियर सबको क्लियर ठीक है तो अब इसमें करना क्या है सर तो तुझे क्वेश्चन पढ़ना है ऑप्शन से तेरे को डायग्राम बनाना है और वो डायग्राम में फिट होना चाहिए सो so, तेरे ऑप्शन तेरे को क्वेश्चन क्या बोलता है एम इज़ द डॉटर ऑफ आर तो तेरे दिमाग में क्लियर होना चाहिए आर रहेगी आर के नीचे डाउनवर्ड जनरेशन का एरो रहेगा तो एक आर का जेंडर कुछ भी हो सकता है पर एम जो है उसकी बेटी ही रहनी चाहिए फुट जो भी ऑप्शन में ऐसा डायग्राम बन रहा है ऐसा कुछ वो तेरा आंसर खत्म गेम ओवर तो ध्यान से देखते जाने का और सॉल्व करते जाने का सबसे पहला क्या है आर डिवाइड बाई एम प्लस एन मैं तेरे को एक करके दिखाता हूं आर डिवाइड बाई एम प्लस एन तो देख तो इसको ऐसा बोल सकते ना पी डिवाइड बाय क्यू तो डिवाइड का मतलब क्या था फादर P इज द फादर ऑफ Q तो इधर P इज द फादर ऑफ Q तो इधर क्या हो जाएगा R इज द फादर ऑफ M तेरा मेन फोकस डिवाइड पे होना चाहिए वापस बोला अल्फाबेट्स कोई भी हो सकते हैं तो आर इज द फादर ऑफ एम तो डायग्राम ऐसा बनेगा ना आर डिब्बा है किसका डिब्बा है एम का तो फादर है तो ऊपर रहेगा एम नीचे रहेगा आगे एम प्लस एन एम प्लस एन तो एम प्लस एन को तो पी प्लस क्यू भी तो लिख सकते हैं तो पी प्लस क्यू प्लस का मतलब क्या है मदर तो पी इज द मदर ऑफ क्यू इधर क्या हो जाएगा एम इज द मदर ऑफ एन खत्म अब देखो क्या चेक करने का था एम इज द डॉटर ऑफ आर क्या एम जो है एम आर की बेटी है ए आर की बेटी हा यार है आंसर ए खत्म गेम ओवर सर क्या कुछ भी बोलता है एक बार बी ऑप्शन करके बता चल बी ऑप्शन करके बता दो तो तेरे को आगे तेरा ये आंसर आ गया बी ऑप्शन में तेरे को क्योंकि तू फर्स्ट टाइम कर रहा है इसके खाली दिखा देता ईजी है एकदम ईजी है देख क्या बोलता है आर प्लस एन डिवाइड बाई एन देख आंसर नहीं आएगा तो प्लस प्लस का मतलब अभी अभी देखा था प्लस का मतलब क्या था मदर तो आर इज द मदर ऑफ एन फिर डिवाइड का मतलब देखा था फादर एन इज द फादर ऑफ एम खत्म क्या है इधर एम आर की बेटी है भाई तू पता ही नहीं लगा सकता है और ऑब्वियसली बेटी तो नहीं है मेरा बेटा एन और मेरे एन की भी वो कोई लगती है तो या तो मेरे बेटे की बेटी रहेगी या तो मेरे बेटे का बेटा रहेगा या तो ये मेरा ग्रैंड सन रहेगा या तो ये मेरी ग्रैंड डॉटर रहेगी पर मेरी बेटी हो सकती नहीं है समझा कि नहीं समझा समझा कि नहीं समझा एकदम है ब्लड रिलेशन बेस्ड ऑन सिंबल हाँ खाली एक मस्ती तेरे साथ वो ऐसी कुछ कर सकता है ध्यान से देखना देख पी इज द मदर पी इज द फादर पी इज द सिस्टर तो क्यों क्यू इज द मदर क्यू इज द फादर ये जो पीछे वाला है वो फादर मदर नहीं हो सकता है हो सकता है ध्यान से देख इधर देख इधर ऐसे किया है ए इज द सिस्टर पर इधर देख क्या दिया है डी इज द डॉटर मतलब ए प्लस डी मतलब तू नॉर्मली क्या सोचेगा ए इज द डॉटर ऑफ डी गलत है इधर क्या है डी इज द डॉटर ऑफ ए एस समझा समझा कि नहीं समझा उल्टा कर दिया उसने तेरे को जान बुझ के तो गड़बड़ करेगा क्योंकि देख इधर सीधा दिया इधर उल्टा दिया आ, इधर सीधा दिया बीच में दिया उल्टा ट्विस्ट तो एग्जाम में जब तू ये सॉल्व करेगा ना बहुत रेयर देखा गया एग्ज़ाम में मतलब पाँच छः अटैम्प्ट में एक बार ही आता है तो आता है ज़्यादा वो लोग पजल्स और कन्वर्जेशन पर ही फोकस करते हैं इसके लिए मैं भी इसको थोड़ा सा क्योंकि ईजी है तो खुद से मैनेज कर सकते हैं ठीक है अब अपना जो इम्पोर्टेंट मानना है ना मेन डिस्कशन वो यही है Blood relations based on conversations. बस तूने ये मेरे साथ पढ़ लिया तो questions orally तक सॉल्व कर सकता है पेन पेपर किसी की भी ज़रूरत नहीं है किसी की भी जरूरत नहीं है ना ओरली भी कर सकता है हाँ ओके थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो यू कैन यूज पेन पेपर बट तो कितने ऐसे क्वेश्चन है तो तू ओरली सॉल्व कर सकता है मैं खुद करवाऊंगा और एक ओनली ओनली बहुत इसमें परेशान करता है हैरान करता है तो अपन वो भी दिखेंगे राइट तो ध्यान से देखते हैं ब्लड रिलेशन बेस्ड ऑन कन्वर्जेशन लेट सीयर ध्यान से सुनना मैं क्या बोलता हूं सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन लिखेंगे ठीक है फिर मैं तेरे को मेरे स्टेप्स से करवाऊंगा वो स्टेप्स इंग्लिश की वजह से थोड़े बैकफायर भी करते हैं तो वो भी मैं बताऊंगा तेरे को और फिर तू बिना स्टेप्स के कैसे सॉल्व कर सकता है वो भी मैं बताऊंगा ठीक है तो ध्यान से लिखना क्वेश्चन साथ साथ में लिखना चालू करेंगे पॉइंटिंग टू अ वूमेन इन फोटो अ मैन सेड क्या बोला शी इज द मदर Of the father of my wife's only son, how is woman related to men? How is woman related to men? The answer to my सबसे पहला स्टेप सबसे पहला स्टेप कौन बोला सेड सो हु इज सेइंग दिस क्वेश्चन कौन बोला सो so यहां पे अ मैन सेड सो योर डायग्राम विल स्टार्ट विथ मैन योर डायग्राम विल स्टार्ट मैन मैन कुछ तो बोल रहा है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा सो मैन इज सेइंग समथिंग देन योर सेकंड स्टेप आइडेंटिफाई द वर्ड माई एंड गो आ गे क्या बोल रहा हूँ मैं आईडेंटिफाई द वर्ड माई एंड गो आगे नाइंटी नाइन परसेंट यू विल सी क्वेश्चन मे वर्ड माई सो यू हैव टू आईडेंटिफाई इट एंड गो आगे वॉट डज द क्वेश्चन से माई वाइफ कन्वर्ट दिस इन हिंदी आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है इंग्लिश में नहीं सॉल्व करना है माई वाइफ इट मीन्स मेरी बीवी और मैं कौन था मैन ना सो आई एम सेंग समिंग आई एम सेंग मेरी बीवी सो प्लीज़ मेक मेरी बीवी मेरी बीवी का क्या वॉट 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 माई वाइफ्स ओनली सन मेरी बीवी का अकेला बेटा है hey, तो मैं मैं बोल रहा हूँ मेरी बीवी का अकेला बेटा तो मेरा भी कौन होगा बेटा ऑब्वियसली तो माई एंड माई से आगे सी दिस वॉज योर फर्स्ट स्टेप हु सेड मैन सेड दूसरा स्टेप माई माई से आगे माई वाइफ ओनली सन तो यहाँ पे आपका स्टेप टू कंप्लीट हुआ जिधर भी आपका स्टेप टू कंप्लीट होगा बेटा उधर एक आप मार्किंग कर दोगे उधर एक क्या कर दो ये एक मार्किंग कर दो क्लियर क्लियर सबको समझा सबको समझा ठीक है सर अगर ऐसा कुछ रहता तो माई वाइफ ओनली सन्स फादर तो वापस मैं हो जाता तो स्टेप टू मेरे पे कम्प्लीट हो रहा है माई वाइफ ओनली सन्स मदर तो मेरी बीवी पे स्टेप टू तो कम्प्लीट हो रहा है माई वाइफ ओनली सन्स डॉटर तो मेरे बेटे की भी बेटी मेरी पोती की वो बात कर रहा है जिधर जिधर जाता है उधर उधर लेके जाने का एक एक रिलेशन तोड़ तोड़ के जब स्टेप टू कंप्लीट हो जाए तब स्टेप थ्री के पास जाने का लोग इधर ही गड़बड़ करते हैं ध्यान सुनना गो उल्टा या रिवर्स फ्रॉम माई गो रिवर्स फ्रॉम माई एंड जिधर तेरा स्टेप टू कंप्लीट हुआ ना उधर से स्टेप थ्री चालू होगा माई से उल्टा कौन सा रिलेशन है माई से उल्टा सर रिलेशन है फादर उल्टा जाने का उल्टा सो यू कंप्लीटेड स्टेप टू ऑन ओनली सन एंड दैट ओनली सन इस किसी को पापा पापा ऐसा बुला रहे हैं तो उसका पापा कौन हो गया ऑब्वियसली मैं हो गया तो अब ये वापस मेरे पे आ गया क्योंकि वो मेरे को बुला रहा है अब मैं मैं पापा पापा के पास आ गया अब पापा के पहले कोई रिलेशन है हाँ मदर तो मैं पापा मैं किसी को माधर माधर ऐसा बुला रहे तो मतलब ऑब्वियसली मैं किसकी बात कर रहा हूँ मैं मेरी माँ की बात कर रहा हूँ अब क्या मदर के पहले कुछ है नहीं तो यहाँ पे हो गया तेरा बेटा एंड यहाँ पे हो गया तेरा एंड नॉर्मली ये स्टार्ट टू एंड आंसर होगा हाउ इज दुम रिलेटेड टू मैन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू वुमेन कौन लगती है वो ऊपर वाली वुमेन कौन लगती है मेरी मेरी माँ लगती है आंसर इज मदर खत्म सर ये क्या किया वापस करवाना एक बार तो ध्यान से सुनना सबसे पहला स्टेप कौन बोला मैन बोला मैन के साथ डायग्राम चालू सेकंड स्टेप माई से आगे माय से आगे माई वाइफ ओनली सन तो इसको मैंने किया मेरी बीवी का अकेला बेटा मेरा भी कौन लगा बेटा उधर माई वाइफ ओनली सन के बाद फुल स्टॉप है तो मेरा उधर सेकेंड स्टेप हो गया कंप्लीट तीसरा स्टेप माय से उल्टा जिधर स्टेप टू कंप्लीट उधर से स्टेप थ्री जाने का पर उल्टा जाने का उल्टा जाने का माय के पहले क्या है फादर तो वो ओनली सन किसी को पापा पापा बोल पा रहा था तो उसका पापा कौन मैं मैन खुद और अब वो उधर सेट के मैन पे आ गया पॉइंट ऑफ व्यू अब चेंज होगा अब वो फादर किसी को मदर बुला रहा था तो उसकी माँ को बुला रहा था उसकी माँ ऊपर स्टार्ट ऊपर एंड ऊपर अब वो किसी को भी बुला सकता है वो फादर के पहले वाइफ भी हो सकता है फादर के पहले वाइफ तो मतलब मैं किसी को बीवी बुला रहा हूँ बीवी मतलब वो मेरे बाजू वाली समझा कि नहीं समझा समझा कि नहीं समझा अब सुन ध्यान से सुन सर पता कैसे चलेगा यू साइड ये शॉर्टकट कभी कभी बैकफायर भी करता है करता है ड्यू टू इंग्लिश तो कभी भी है ना क्वेश्चन में मैं बोल भी देता तो हूँ कब करेगा हर हिम हिज ऐसे सब वर्ड्स हैं ना सो नाइन्टी नाइन परसेंट शॉर्टकट बैकफायर करेगा पर पता कैसे चलेगा तो अब सुनना देख इसमें वो वर्ड्स तो नहीं है पर जब भी ये शॉर्टकट तू अप्लाई करेगा ना ये पूरा क्वेश्चन ये डायग्राम में बैठना चाहिए ठीक है अब देख वूमैन है ना कोई भी हो सकती है मेरी बाजू वाली भी तो वुमैन हो सकती है मेरी माँ भी तो वोमैन हो सकती है तो इसको बिठा के देखने का तो मैं बिठा के देखता हूँ सबसे पहले मैं ऊपर वाली को पॉइंट करता हूँ

वो किसके पप्पा की माँ है वो चालू बाय किसके पप्पा की माँ है वो मेरी बीवी ऑफ माई वाइफ ओनली सन मेरी बीवी के अकेले बेटे के पप्पा तो मेरी बीवी का अकेला बेटा का पप्पा यानी कि मैं मेरी वो कौन है माँ है बैठा पूरा बैठा सर अगर नहीं बैठता तो कैसे नहीं बैठता तो देख दिखाता तो सपोज ये वाइफ को मैं पॉइंट कर रहा हूं मेरी वुमन है देख इससे तो तेरा आंसर आ गया तेरे को पता चल गया शॉर्टकट राइट है सपोज देख तेरे को पता कैसे चलेगा शॉर्टकट नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन बैठेगा नहीं सपोज मैं देख मेरी बीवी को पॉइंट कर रहा हूं वुमे इन अ फोटोग्राफ आई से शी इज द मदर हाँ सर वो माए है मेरी बेटी की वो मा है शी इज द मदर ऑफ द फादर पर वो क्या किसी के बाप की माँ है, क्या मेरा बेटा तेरे को किसी का पप्पा दिख रहा है नहीं बैठा ही नहीं समझा समझा तो अब तेरे को ऐसे दिखने का कौन बोला माई से आगे माई से उल्टा या तो फिर स्टार्टिंग से पढ़ तेरा आंसर आ जाएगा अब थोड़े क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले ठीक है फिर इसको ये टॉपिक को करते हैं अपन वाइंड अप आई होप पहले से क्लियर है आपको इंग्लिश में मत पढ़ मैं अभी भी बोलता हूँ इंग्लिश में पढ़ेगा फंसेगा ओवली क्वेश्चन खत्म होगा अभी सपोज मैं ऐसा बोलता हूँ पॉइंटिंग टू अ वूमे इन अ फोटोग्राफ आई से शी इज द डॉटर इन लॉ तो वुमेन कौन है बहू है तो किसी ना किसी की तो बहू होगी और फिर किसकी बहू होगी तो घुमा फिरा के तेरे को लेके आएगा आंसर तो बहू है तो तेरा दिमाग ट्राई करना चाहिए अच्छा कोई तो रहेगा जिसका बेटा रहेगा उसकी वो वाइफ रहेगी ऐसा बोलेगा माय माय डॉटर डॉटर इन इन लॉ लॉ तो मतलब समझना चाहिए मेरे बेटे की बीवी वैसा क्लियर चल कॉपी कर लिया है तो अपन एक क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से देखना क्वेश्चन वन देख ओरली भी कर सकते हैं देख देख अब ये समझ ये कन्वर्सेशन है सिचुएशन है तेरे सामने लोग रह गए पॉइंटिंग टू अ वूमे सुरेश सेड तो किधर तो सुरेश रहेगा किधर तो वोमेन रहेगी चाहिए तो खुद सुरेश बन, बन जा मैं एक वुमेन को पॉइंट करते हुए बोल रहा हूँ सपोज उधर एक वुमेन है मैं उसको पॉइंट करते हुए क्या बोला शी इज द डॉटर वो बेटी है हिंदी में कन्वर्ट कर वो कौन है वो बेटी है शी इज द डॉटर वो वुमेन बेटी है तो किसी ना किसी की तो बेटी होगी तो किसकी बेटी है ऑफ माई फादर्स सिस्टर अब इसको हिंदी में कन्वर्ट करके वो किसकी बेटी है मेरे पप्पा के बहन की मैं कौन सुरेश तो सुरेश का पप्पा की बहन मतलब सुरेश की कौन हो गई बुआ उसकी वो बेटी है ख़त्म तो मेरी बुआ की बेटी मेरा आंसर क्या आता है कजिन हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू सुरेश सुरेश वो वुमेन को क्या बुलाएगा मेरी बुआ की बेटी कजिन वो तो मैं तब तेरे को कब का बोल रहा हूँ ख़त्म हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया किधर पेन पेपर की ज़रूरत गिरी किधर भी चल एक बार ये स्टेप्स के साथ अभी जाके करके ध्यान से देखना तो किधर तो भी क्वेश्चन में मैं वही बोल रहा हूँ स्टेप्स से मत जा स्टार्टिंग से सॉल्व कर तो भी तेरा आंसर आएगा देख स्टेप्स भी मैंने बनाया तोड़ भी मैं रहा हूँ ठीक है बहुत ईजी है तेरे को उसको बस खाली इंग्लिश में नहीं पढ़ना है इंग्लिश को बोलेगा नहीं नहीं भाई नहीं प्लीज सॉरी तेरा इधर काम नहीं है ठीक है चलो आ जाओ so, सो किधर तो भी सुरेश है किधर तो भी वो वुमेन है सुरेश इसको वुमेन को पॉइंट कर रहा है वो बोल रहा है शी इज द डॉटर तो ये किसी की बेटी है किसकी बेटी है ऑफ माई फादर मेरे पप्पा की बहन की वो बेटी है. तो इन शॉर्ट मेरी बुआ की बेटी ये मेरी बुआ है तो ये मेरी कौन हुई कजिन. तेरा डायग्राम मेरे पप्पा की बहन की बेटी बैठा बैठेगा ही समझा समझा चलो आ जाओ अभी एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ देखो क्वेश्चन फाइव वापस ओरली करेंगे मैं तेरे को सच्ची बोलता हूँ हु, होता है ओरली देख तू तो ले सकता है है ना आ जाओ देख ध्यान से देखना मैथ्यू टोल्डिस फ्रेंड श्याम पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ तो सपोज ये स्केल तेरा फोटोग्राफ है मैथ्यू टोल्ड टोलडिस फ्रेंड श्याम इधर तो तेरा फ्रेंड श्याम है तू मैथ्यू है ये तेरे हाथ में फोटोग्राफ है मैथ्यू टोल्ड टोलडिस फ्रेंड श्याम पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस फोटोग्राफ तो मैथ्यू बोल रहा है श्याम ए श्याम ये फ़ोटो देख ये कौन है हर फादर मतलब ये फोटोग्राफ का पप्पा अब तू ही मेरे को बता फोटोग्राफ लड़का रहेगा कि लड़की रहेगा सर फोटोग्राफ तो नॉन लिविंग थिंग है इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज चलो हर फादर तो फोटोग्राफ लड़के का रहेगा कि लड़की का रहेगा ऑबियसली लड़की का रहेगा ये लड़की का पप्पा कौन है इज मतलब इक्वस्ट टू लड़की का पप्पा ही लड़की का पप्पा ही कौन है इज द ओनली सन वही अकेला बेटा है लड़की का पप्पा ही अकेला बेटा ऑब्वियसली वो लड़की का पप्पा है तो किसी ना किसी का अकेला बेटा हो सकता है अब वो किसका अकेला बेटा है ऑफ माय मदर वो किसका अकेला बेटा है मेरी मम्मी का तो मैं कौन मैथ्यू मैं कौन मैथ्यू मैथ्यू की मम्मी अरे ना, मतलब मेरी मम्मी मैं मैथ्यू मेरी मम्मी का वो अकेला बेटा है तो मेरी मम्मी का अकेला बेटा यानी कि मैं खुद और मैं कौन हूँ ये फोटोग्राफ का पप्पा हूँ वापस 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 सर वंस मोर वंस मोर हर फादर इज द ओनली सन इसका पप्पा अकेला बेटा है मेरी माँ का तो मेरी माँ का अकेला बेटा यानी कि मैं मैं कौन हूँ ये फोटोग्राफ का पप्पा हूँ खत्म तो ये फोटोग्राफ किसकी है मेरी बेटी की समझा कि नहीं समझा सर अगर मेरे को डा ये शॉर्टकट वगैरह से जाने का है तो जाना तू मैथ्यू क्योंकि मैथ्यू कुछ तो बोला था मैथ्यू क्या बोला माय मदर मेरी माँ है ना माय मदर और माय के पहले क्या है ओनली सन तो ये मेरी जो माँ है वो किसी को ओनली सन बोला रही है यानी कि ओनली सन मैं और मैं कौन हूँ पप्पा हूँ किसका पप्पा हूँ वो फोटोग्राफ के पपा का फोटो के पपा का तो इन शॉर्ट अगर मैं इसका पप्पा हूँ और मैं मेरी माँ का अकेला बेटा हूँ तो मैं ही कौन हूँ फोटोग्राफ का पप्पा और मेरी माँ का बेटा तो मैं कौन हूँ मैथ्यू तो फोटोग्राफ हुई मेरी बेटी की वही तो मैं कब से कब बोल रहा हूँ तेरे से क्लियर सबको क्लियर चल सिक्सथ क्वेश्चन वापस मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेवन क्वेश्चन वापस मेरा वन ऑफ द फेवरेट अपन देखते हैं क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पिक्चर को सॉल्व करते करते हिंदी में कन्वर्ट कर आंसर आएगा क्वेश्चन सिक्स इंट्रोड्यूसिंग अमृता राज सेड तो पिक्चर में किधर तो भी राज होगा पिक्चर में किधर तो भी अमृता होगी तो राज ही अमृता को देख के क्या बोल रहा है देख हर मधर्र मतलब, हर मतलब उसकी उसकी मतलब मैं अमृता को पॉइंट कर रहा था ना मैं अमृता को इंट्रोड्यूस कर रहा था ना अमृता की माँ धीरे धीरे जाने का अमृता की माँ तो अमृता की माँ इज इज मतलब इक्व टू वो अमृता की मां वही कौन है वो ही अकेली बेटी है वही कौन है अकेली बेटी किसकी अकेली बेटी है ये मेरे सासू मां की माँ मदर इन लॉ तो मैं राज मेरी कोई तो सासू है ना सासू मां उसकी ये अकेली बेटी है कौन अमृता की मां हे तो मेरी सासू माँ की अकेली बेटी यानी कि मेरी बीवी हुई ना और मेरी बीवी कौन है अमृता की माँ है खत्म कितना टाइम लगा मेरे को पता तीस तीस सेकंड में आंसर आएगा तीस तीस सेकंड में मैं वापस रिपीट कर रहा हूं हर मदर उसकी माँ उसकी माँ कौन है अकेली बेटी है ओनली डॉटर किसकी ओनली डॉटर है मेरी सासू मां की तो मेरी सासू माँ की अकेली बेटी मेरी बीवी मेरी बीवी कौन है अमृता की माँ है गेम ओवर तो क्या पूछता है क्वेश्चन हाउ इज राज अमृता के हिसाब से राज कौन लगा कैसी लड़की है पापा की परी नहीं बन सकती है कभी अपने पापा को ही भूल गई क्लियर सबको क्लियर आई होप सबको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस में तोड़ तोड़ के पढ़ माय मेरा इज इक्वल्स टू वही हर उसका उसकी खत्म गेम ओवर चल सेवन क्वेश्चन देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन भी बहुत मस्त है और देख पॉइंटिंग टू अ लेडी गलती से भी रस्ते पे ये सब चीज़ करना मतलब झेल जा सकता है तू भले इधर जितना क्वेश्चंस में पॉइंट करना है कर ले ठीक है पॉइंटिंग टू अ लेडी ऋषि सेट गया था ऋषि एक बार झेल मेरे को पता है ऐसे सब हरकतें करे तो झेल कौन ले है? ऐसा नहीं करने का पॉइंटिंग टू ओ मैं नहीं 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 हाँ चलो सी ए हो तुम लोग आ जाओ तो ऋषि है किधर तो भी लेडी है ऋषि है लेडी को क्या कर रहा है पॉइंट कर रहा है और क्या बोलता है ध्यान से पढ़ द सन किसका सन ऑफ हर ब्रदर उसका सन उसके भाई का सन उसका किसका लेडी का ना तो लेडी को पॉइंट कर रहा था ना तो ऋषि लेडी को देख के क्या बोला उसके भाई का बेटा मतलब लेडी का कोई तो रहेगा भाई और वो भाई को रहेगा कोई तो बेटा और लेडी के भाई का बेटा क्या क्या क्या, क्या? इज मतलब इक्वल्स टू यही कौन है इस इज द ब्रदर तो लेडी के भाई का बेटा ही भाई है hey, किसका भाई है ऑफ माय वाइफ किसका भाई है मेरी बीवी का मैं ऋषि ना तो मेरी बीवी का मेरी बीवी का भाई मेरी बीवी का भाई, का भाई कौन है लेडी के भाई का बेटा लेडी के भाई का बेटा ही मेरी बीवी का भाई है अब ध्यान से हाउ इज दिस लेडी रिलेटेड टू ऋषि तो ऋषि पीछे कौन है ऋषि ऋषि के पॉइंट ऑफ से लेडी कौन लगी तो देख रिलेशन एकदम अजीब है ध्यान से देखना मेरी बीबी का भाई यानी कि मेरा कौन लगा ब्रदर इन लॉ साला ब्रदर इन लॉ का पप्पा ये उसका पप्पा था ना तो ये लगा मेरे ससुर जी और ये थी मेरे ससुर जी की बहन तो आंसर आएगा सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ वो सिस्टर है किसकी सिस्टर है ससुर जी की बहन है ना हिंदी में क्या बोलेंगे बुआ सास या बुआ जी सास क्लियर सबको क्लियर किसी को कोई डाउट किसी को कोई डाउट अब आखिरी क्वेश्चन जो एकदम हटके है और ये क्यों हटके है तुझे समझ में आ जाएगा बेटा क्योंकि यहाँ पे है ना ओनली शब्द से बहुत बड़ी गेम हो जाती है मैं इसके लिए बोलता हूँ ओनली शब्द का मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन बदलता है ध्यान से देखना क्वेश्चन Pointing to a boy, Ram said. Pointing to a boy, Ram said. ठीक है ये सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर बारह है पॉइंटिंग टू अ बॉय राम सेड तो किधर तो भी बॉय रहेगा किधर तो भी राम रहेगा तो राम जो है वो बॉय को पॉइंट कर रहा है और कुछ तो बोल रहा है क्या बोल रहा है बॉय को पॉइंट करके ही इज द ओनली सन हिंदी में क्या बोलेगा वो, वो अकेला बेटा है तो किसी ना किसी का तो अकेला बेटा होगा किसका अकेला बेटा है ऑफ माय ग्रैंड सन मेरे जो ग्रैंड फादर है ना अब देख मेरे ग्रैंड फादर दो हो सकते हैं या तो दादा या तो नाना मेरे ग्रैंड फादर का सन तो ऑब्वियसली वो मेरा पप्पा रहेगा ना तभी तो मेरा और उसका रिलेशन जुड़ेगा तो माई ग्रैंड फादर सन यानी कि मेरा पप्पा मेरे पप्पे का वो कौन है अकेला बेटा है तो मेरे पप्पा का अकेला बेटा मेरा कौन लगा जी नहीं रे मेरे पप्पा का बेटा मेरे पप्पा का बेटा तू खुद हुआ ना मेरे पप्पा का बेटा तू खुद हुआ अरे यार मेरे पप्पे का मैं देख वापस वापस माई ग्रैंड फादर सन माय ग्रैंड फादर सन यानी कि मेरा पप्पा मेरा पप्पा का वो अकेला बेटा है तो मैं खुद हुआ ना मैं खुद राम ना समझा कि नहीं समझा अब लोग क्या करेंगे डेटा इन कैन नॉट बी डिटर माइन राम हिमसेल्फ नहीं ऐसा हो सकता नहीं है अब ध्यान से सुनना मेरी बात अब ध्यान से सुनना मेरी बात सर क्या उसने किधर भी लिखा है माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन नहीं उसने किधर भी नहीं लिखा है माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन तो मेरे को कोई चाचा जी भी तो हो सकता है ना मेरे को कोई चाचा भी तो हो सकता है तो ऑब्वियसली ये रहेगा मेरे पप्पा का भाई वो भी तो मेरे वो भी तो कौन हुआ वो भी तो कौन हुआ ऑब्वियसली मेरे ग्रैंडफादर का बेटा हुआ मेरा चाचा और वो उसका भी कौन है अकेला बेटा है क्या वो मेरा चाचा का अकेला बेटा हो सकता है हाँ क्योंकि क्वेश्चन में तेरे को किधर भी बोला नहीं है कि तेरे दादाजी को अकेला बेटा है तेरे दादाजी को दूसरा बेटा भी हो सकता है और वो उसका अकेला बेटा वो तेरे चाचा जी का भी तो अकेला बेटा हो सकता है ना समझा कि नहीं समझा अरे समझा कि नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ तो देख वापस देख, देख बैठ रहा है ध्यान से देखना मैं उसको पॉइंट करके बोल रहा हूँ मैं उसको पॉइंट करके क्या बोल रहा हूँ कि तू कौन है तू कौन है तू अकेला बेटा है।, है? है तो किसका अकेला बेटा है तो किसका अकेला बेटा है तो तू मेरे तू मेरे दादाजी के बेटे का अकेला बेटा है तो ज़रूरी नहीं है मेरे दादाजी का बेटा मेरा पप्पा ही हो मेरा चाचा भी हो सकता है तो अब तू मेरा कौन लगेगा अब तू मेरा लगेगा कजीन ऑप्शन सी तो एक लोग है ना ब्रदर मार्क करके आते हैं या डेटा इन एडिक्वेट वो तेरा भाई नहीं लग सकता क्योंकि वो तेरे पप्पा का अकेला बेटा बोल दिया है माई ग्रैंड फादर सनस ओनली सन समझा सबको अरे समझा सबको किसी को कोई डाउट किसी को कोई डाउट क्लियर राइट सो विद दिस बी फाइंड अप ब्लड रिलेशन्स तो ब्लड रिलेशन में हम लोग ने तीन तरह के क्वेश्चन सारे कवर किए सिम्बॉल्स कवर किए मैंने तेरे को शॉर्टकट भी सिखा दिया है तू तो आराम से अब खाली प्रैक्टिस करेगा ना तेरा काम बहुत आसान है बस ये सिम्बॉल्स को भूलना मत और ये जो मैंने ट्रिक बताई हिंदी में सॉल्व करने की टॉप सीक्रेट रखना तेरे तक ही रखना ठीक है तेरा काम आसान है राइट सो नाउ योर टू चैप्टर्स आर रिमेनिंग दैट इज़ योर डायरेक्शन टेस्ट एंड योर सीटिंग अरेंजमेंट हम लोग इसको करेंगे ब्रेक के बाद सो प्लीज़ टेक ट्वेंटी मिनट्स ब्रेक राइट थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ शांति से चाय नाश्ता कर लो आराम से करेंगे बाकी के दो चैप्टर और आपके पूरे कवर हो जाएंगे बीस मार्क सी चलो सो so, बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट टू चैप्टर्स आ जाओ सो चालू करते बेटा विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ही क्या 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 हाँ बराबर सुना दिशा हम लोग जा रहे हैं अब दिशा के पास आ जाओ डायरेक्शन टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन बेटा डायरेक्शन ऐसे एकदम छोटा सा क्यूट सा चैप्टर है पर इसमें कंसेप्ट बहुत सारे हैं तो मैंने क्या किया है ये डायरेक्शन के ना तीन मस्त नोट बना दिए वो तीन नोट तेरा मेजोरिटी ऑफ द चैप्टर कवर करेगी और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है शेडो परछाई तो वो खत्म करके हम लोग परछाई का पार्ट देखेंगे राइट सो so, पहले ये तीन नोट क्या है जो तेरे ऑलमोस्ट चैप्टर कवर कर लेगा अपन वो समझते हैं राइट सो सबसे पहले ये समझ मेरा नॉर्थ तेरा नॉर्थ ऊपर तेरा साउथ मेरा साउथ नीचे बट तेरा वेस्ट तेरा ईस्ट एंड मेरा वेस्ट मेरा ईस्ट अलग हो जाएगा क्योंकि अपना फेसिंग अलग अलग है सपोज़ मैं ऐसा सो जाता हूँ सो गया मैं तो मेरा नॉर्थ उधर चला जाएगा मेरा साउथ उधर चला जाएगा वापस चेंज हो जाएगा डायरेक्शंस तो क्योंकि हम लोग क्वेश्चन है ना सब लोग एक ही सॉल्व कर रहे हैं ना तो सबका आंसर सेम आए चेंज ना आए यूनिटी रहे यूनिफॉर्मिटी रहे सो वी फॉलो दिस बड़ी दिशा का पहला नोट वी फॉलो द बड़ी दिशा का नोट तो ये क्या है बड़ी दिशा का नोट तो ध्यान से देखना तो आपका पहला जो नोट है बेटा वो है मेन डायरेक्शंस का आज के बाद आपको कोई कुछ भी पूछे आज के बाद आपको कोई कुछ भी पूछे आपका नॉर्थ हमेशा रहेगा ऊपर ईस्ट हमेशा रहेगा यहाँ पे साउथ यहां पे एंड वेस्ट यहां पे फिक्स्ड नो चेंज आप कहीं पे भी हो मुझे फर्क गिरता नहीं है राइट दिस सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड एस फिक्स्ड पॉइंट और क्रॉ सिंह क्या बोलते इसको फिक्स्ड पॉइंट या क्रॉसिंग हिंदी में बोले तो चार रास्ता राइट right. अब एक बात समझना ध्यान से आपको क्वेश्चंस जो आएंगे कि आप इधर जा रहे हो लेफ्ट ले रहे हो राइट right ले रहे हो साउथ जा रहे हो ईस्ट जा रहे हो आप यही पॉइंट से जाओगे फिक्स्ड पॉइंट तो आपको क्वेश्चंस इसी प्रकार के रहेंगे कि आप नॉर्थ जा रहे हो फिर आपने राइट मारा फिर लेफ़्ट मारा फिर राइट मारा फिर लेफ्ट मारा फिर राइट मारा ऐसे करते करते आप जा रहे तो सबसे पहली बात समझना कि वो लोग आपको क्वेश्चंस में नॉर्मली स्पेसिफाई करते हैं कि आप नॉर्थ जा रहे हो आप वेस्ट जा, जा रहे हो आप ईस्ट जा रहे हो साउथ जा रहे हो फिर लेफ़्ट लेट रहे हो पर एक बार एक क्वेश्चन में मैंने ऐसा कुछ पाया कि उसने स्टार्ट दिया ही नहीं और एंड भी नहीं दिया स्टार्ट दिया ही नहीं ऐसा बोल दिया अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ही टर्न लेफ्ट ही टर्न राइट ही टर्न राइट ही टर्न लेफ्ट इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ बस खत्म इतना ही तो यार मैं उसको चलाओ तो कहां पे चलाओ नॉर्थ में चलाओ ईस्ट में चलाओ साउथ में चलाओ कि वेस्ट में चलाओ तो बहुत ही समझने जैसी चीज़ है अब मैंने आपको क्या बोला था आप ये फिक्स्ड पॉइंट पे ही हो बराबर है अब ऐसा समझना ड्रोन व्यू है ड्रोन व्यू ड्रोन ना एकदम आपका खाली ये सर दिख रहा है है ना तो आपके सामने कौन सी दिशा होगी कुछ नहीं बोला है तो आपके सामने कौन सी दिशा होगी यस यू आर राइट आपके सामने नॉर्थ होगा तो अगर एक लड़का फिक्स्ड पॉइंट पे है और वो चल रहा है तो ऑब्वियसली उसका जिधर फेस रहेगा उधर ही वो चलेगा तो कहां पे चलेगा नॉर्थ में सो तो अगर कभी भी आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन कि क्वेश्चन चुप हो गया स्टार्टिंग पॉइंट को लेके और एंडिंग पॉइंट भी नहीं दिया आपको एंडिंग पॉइंट पूछा है तो बंदा हमेशा नॉर्थ में ही चलेगा क्योंकि आपका जो मुंह है आप वही डायरेक्शन में चलोगे ऑब्वियसली मैं ऐसे दिख के ऐसे तो नहीं चलूंगा बराबर है बराबर है तो आपका जिधर मुंह रहेगा जिधर फेस रहेगा आप उसी दिशा में चलोगे और मैं ये इसके लिए यहां पे बता रहा हूं क्योंकि ये सेम चीज कनेक्ट होगी सीटिंग अरेंजमेंट में आपका आने वाला नेक्स्ट चैप्टर में और होता ही होता है लोगों को आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं समझ में आता कि ये दोनों चैप्टर्स कनेक्टेड है बट तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है मैं आपको वो भी प्रूफ करके दूंगा ठीक है तो यही अपना पहला नोट का छोटा सा सब नोट द फर्स्ट छोटा नोट तो साथ साथ में लिखेगा अभी राइट सो इफ क्वेश्चन रिमेन्स साइलेंट About the starting point and provides information as a man started walking in a Particular direction from fixed point or crossing, then he will always. Walk in north. I hope आपको यह चीज clear है right? अगर कुछ नहीं बोला तो बंदा कौन सी दिशा में चलेगा नॉर्थ क्योंकि उसके सामने कौन सी दिशा रहेगी नॉर्थ अब आपको जो देखने वाली बात है वो ये ऊपर देखने वाली बात है कि सर आपने उसको नॉर्थ में लेके गए मैंने खाले वो जस्ट एग्जाम्पल दिया था फिर राइट लिया लेफ्ट लिया राइट लिया लेफ्ट लिया राइट लिया लेफ्ट लिया आपने कुछ ध्यान से नोटिस किया ये जितने भी टर्न्स मैंने लिए ये जितने भी टर्न्स मैंने लिए कितने के लिए कितने के लिए नाइन्टी डिग्री के सो लेफ्ट राइट का जितना भी टर्न्स होगा ना बेटा अगर कुछ नहीं बोला ना तो नाइन्टी डिग्री का ही होगा लेफ्ट राइट right का जितना भी टर्न्स होगा कुछ नहीं बुलाया तो कितने का होगा वो 90 डिग्री का तो आपकी ये सेकेंड नोट रखिए लेफ्ट और राइट मींस जिस भी दिशा में आप हो उस दिशा से 90 डिग्री का टर्न लेने का सो so, आप कोई भी दिशा में हो कोई भी दिशा में उस दिशा से फ्रॉम दैट डायरेक्शन यू हैव टू टर्न अ 90 डिग्री लेफ्ट और अ 90 डिग्री राइट क्लियर लेफ्ट और राइट मीन्स वेरेवर इन विच एवर डायरेक्शन यू आर फ्रॉम दैट डायरेक्शन यू हैव टू टेक अंटी डिग्री लेफ्ट और नाइन्टी डिग्री राइट टर्न ठीक है तो ये चीज़ याद रखना अब सर मेरा यही डाउट है कि यह लेफ्ट राइट ले तो कैसे लें बस यही आपका है दूसरा बड़ा नोट ठीक है आपका पहला बड़ा नोट होता है सम, समाप्त दैट इज योअर मेन डायरेक्शंस नाउ गोइंग ऑन टू द दूसरा बड़ा नोट That is, sir, how to take a left and how to take a right. अब ये पार्ट आपने अगर सीख लिया तो खत्म पूरा चैप्टर समाप्त पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है और लोग इसी में फंसते हैं आज मैं आपको सिखाता हूँ ध्यान सुनना सर ये नॉर्थ ये साउथ ये ईस्ट और ये वेस्ट बराबर है आपने ऐसे ही सिखा था हमें मैं, मैं सपोज़ जा रहा हूँ नॉर्थ में कहाँ पे जा रहा हूँ मैं नॉर्थ अब नॉर्थ में जाके मैंने मारा राइट तो व्हाट पीपल डू इज़ ऐसे हाथ पहला के वो शाहरुख खान के जैसे खड़े हो जाते हैं ऐसा हाथ फैलाता है और शाहरुख खान के जैसे खड़ा आता है ए, ए उधर राइट उधर राइट उधर राइट उधर तो राइट उधर तो वो कौन सा डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन है तो बोलते वो ईस्ट है तो उधर लेके चलो उसको समझा क्यों जब तू नॉर्थ में फेसिंग खड़ा रहेगा और ऐसा करेगा तो राइट तेरा उधर आएगा ना तो लोग राइट मुड़ जाएंगे समझा कि नहीं समझा फिर अब आप लोग जा रहे हो ईस्ट में फिर मैं सपोज़ बोलता हूँ आपने मारा लेफ्ट आपने क्या मारा लेफ्ट है तो आप है ना ऐसे ईस्ट में खड़े हो जाओगे और फिर बोलेगे ईस्ट का लेफ्ट ईस्ट का लेफ्ट ईस्ट का लेफ्ट मेरा हाथ उधर तो तो जा रहा है राइट तो नीचे जा रहा है साउथ में ईस्ट का लेफ्ट ऊपर जा रहा है नॉर्थ में तो तब उसको वापस ऊपर लेके जाओगे फिर नॉर्थ में जा रहे हो फिर वापस राइट उधर हाथ फैला के तो लोग ऐसा करते हैं बोलता है तू जो भी डायरेक्शन में जा रहा है ना उधर ऐसा हाथ फैला के खड़ा रह जा ऐसा नहीं करने का है ना ऐसा करने का नहीं किसी के आगे आग हाथ फैलाने का नहीं बी इंडिपेंडेंट सुन ध्यान से तो बात करते इधर अब यही चीज़ तो दो मिनट बाद बिना सोचे कुछ समझे ऐसा घूम फिर के भी बिना घूमे फिरे तेरा आंसर आ जाएगा एग्जाम में तो इतना घूम भी नहीं सकता है प्रॉब्लम हो जाएगा कॉपी केस हो जाएगा तो ये सब करने का नहीं ये सब रट्टो फाइन ट्रिक्स है है ना अब तू सुन मैं तेरे को एक्सप्लेन करता हूँ और ये लेफ्ट राइट कैसा है ना उसके पीछे का लॉजिक भी ये है ध्यान से सुनना मेरी बात घड़ी जो है घड़ी कितने प्रकार में घूमती है घड़ी है वो दो प्रकार में घूमती है एक तो क्लॉक और दूसरा आंटी क्लॉक सर वो आंटी नहीं एंटी होता है अपन ने अभी ब्लड रिलेशन किया ना है ना इसके लिए अभी भी आंटी इधर भी आई ठीक है तो एक क्लॉक और एक आंटी क्लॉक है ना तो बात करते इधर मैं हूँ अभी करंटली नॉर्थ पे मैं किधर हूँ अभी नॉर्थ पे कहाँ पे हूँ मैं नॉर्थ पे और नॉर्थ से मैं क्लॉकवाइज टर्न करना चालू करता हूँ नॉर्थ से मैं क्लॉकवाइज टर्न करना चाहता हूँ तो नॉर्थ का क्लॉकवाइज क्या आएगा ईस्ट ईस्ट का क्लॉकवाइज साउथ साउथ का क्लॉकवाइज वेस्ट वेस्ट का क्लॉकवाइज नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ देख घड़ी भी घूम रही है ना घड़ी भी ऐसी घूमती है ना नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सो इफ यू स्टार्ट मूविंग फ्राम नॉर्थ एंड मूव क्लॉकवाइज नॉर्थ के बाद ईस्ट ईस्ट के बाद साउथ साउथ के बाद वेस्ट और बेटा वो तो घड़ी है इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन नॉर्थ ईज साउथ वेस्ट नॉर्थ ईज साउथ वेस्ट नॉर्थ ईज साउथ वेस्ट नाव मैं वापस नॉर्थ पे यू और मैं आंटी क्लॉकवाइज घूमना चालू करता हूँ तो नॉर्थ कांटी वेस्ट वेस्ट कांटी साउथ साउथ का आंटी ईस्ट ईस्ट की आंटी नॉर्थ तो नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट 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 जैसे घड़ी सीधी सीधी घूम रही थी वैसे घड़ी उल्टी उल्टी भी घूम सकती है तो यहां पे ध्यान देना नॉर्थ से आंटी वेस्ट का आंटी साउथ का आंटी ईस्ट का आंटी नॉर्थ का आंटी वेस्ट का आंटी साउथ वो तो वापस वैसे भी चलता रहेगा ना समझा कि नहीं समझा सो ये क्लॉक और ये आंटी क्लॉक सर बट तूने तो बोला था लेफ्ट एंड राइट ये क्या है रुको जरा सब्र करो अब बारी मेरी ध्यान सुनना अब बात करते इस पर क्लॉकवाइज तो तू क्लॉक वाइज में राइट right हैंड को मूव करता है या तू क्लॉक वाइज में लेफ्ट हैंड को मूव करता है मतलब तू क्लॉकवाइज जो है वो ऐसे जाता है या ऐसे जाता है ऑब्वियसली सर वी यूज द राइट हैंड तो तू क्लॉकवाइज बोल कि राइट बोल बात एक ही है तो क्लॉकवाइज बोल या राइट बोल बात एक ही है और सर आंटी क्लॉकवाइज में तो तो तू मुझे बता क्लॉकवाइज अब आंटी क्लॉकवाइज तो आंटी क्लॉकवाइज में तू ऐसे राइट हैंड घुमाता है या तो यह हाथ घुमाता है कौन सा ऑब्वियसली सर वी यूज द लेफ्ट हैंड तो आंटी क्लॉकवाइज बोल कि लेफ्ट बोल बात एक ही है खत्म गेम ओवर आ गया नॉर्थ का क्लॉक ईस्ट तो नॉर्थ का राइट ईस्ट ईस्ट का राइट साउथ साउथ का राइट वेस्ट वेस्ट का राइट नॉर्थ नॉर्थ का राइट right, ईस्ट का राइट right, साउथ का राइट right, वेस्ट का राइट नॉर्थ खत्म गेम ओवर नो नीट टू नोट टू फाइव हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है वैसे ही नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट का लेफ्ट साउथ का लेफ्ट ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट का लेफ्ट साउथ का लेफ्ट ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ आ गया गेम ओवर समझा कि नहीं समझा अरे समझा कि नहीं समझा पक्का पक्का देख अब देख कैसे तू इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तू आंसर दे सकता है ध्यान से देखना जो चीज़ तू पहले सोच सोच कर रहा था वो यहां पे तू कैसे तू खुद अलग वे में फास्ट फास्ट कर सकता है ध्यान सबका इधर मैं जा रहा हूं नॉर्थ में मैंने मारा राइट मैंने मारा एक सेकेंड चलो वो भी सोच रहे हैं चल आ जाओ बात इधर करते हैं सो so, मैं जा रहा था नॉर्थ में और मैंने मारा राइट तो नॉर्थ का राइट ईस्ट सोचने का नहीं क्लॉक ईस्ट का राइट साउथ तो मैं साउथ में जाऊंगा साउथ का लेफ्ट साउथ का लेफ्ट उल्टा आंटी क्लॉक ईस्ट खत्म ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ नॉर्थ का राइट क्लॉक ईस्ट गेम ओवर वापस ईस्ट का लेफ्ट ऊपर आंटी का नॉर्थ नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट जिधर लोग क्वेश्चन पड़ेगा ना आई गारंटी उधर तेरा आंसर आ जाएगा समझा कि नहीं समझा अरे समझा कि नहीं समझा समझा सबको समझा सबको क्लियर वापस एक बार फटाफट फटाफट घड़ी फटा, फटा, दो हुई में आज के बाद तू इसको कभी भूलेगा भी नहीं और ऐसा हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं तेरे को और आगे जाके एक और रास्ता बताऊंगा कि इसकी भी तेरे को जरूरत नहीं रहेगी ऐसे नहीं बोला तो बीस में से बीस पक्का लेके जाओगे आज सो नॉर्थ का राइट ईस्ट का राइट साउथ का राइट वेस्ट का राइट नॉर्थ नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट का लेफ्ट साउथ का लेफ्ट ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ गेम ओवर चलो तो आपको है ना बेटा खाली ये ये पार्टी इतना ही कॉपी करना ठीक है कि आप नॉर्थ से टूवर्ड्स राइट जा रहे हो तो आप क्लॉक वाइज जा रहे हो या राइट जा रहे हो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड अगर उल्टा आ रहे तो एंटी क्लॉक वाइज आपका लेफ्ट चलो डन सबको समझा सबको समझा अब है ना हुआ क्या वो टाइगर को बड़ी दिशा तो मिली नहीं है ना कहाँ पे मिली अपन भी दिशा को ढूंढ रहे कब का चालू कर दिए ढूंढना। तो टाइगर को भी बड़ी दिशा मिली नहीं तो टाइगर किसके पास जाएगा अरे तो दिशा की छोटी बहन भी तो हो सकती है ना है ना तो टाइगर जाएगा छोटी दिशा के पास तो अभी तीसरा नोट अपना यही है जैसे बड़ी दिशा हो सकती है तो वैसे दिशा की छोटी बहन भी तो हो सकती है सब डायरेक्शन छोटी दिशा है ना इसमें से एक गाना भी बना था आपको याद रहेगा तो ले जाए मुझे कहा दिशाए दिशाए याद है सर वो हवाए था पर अपन अभी दिशा पढ़ रहे तो अपन दिशा पे फोकस करें नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और छोटी दिशा बेटा तो आपकी हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट फिर यहाँ पे रहेगी आपकी साउथ ईस्ट यहाँ पे रहेगी आपकी साउथ वेस्ट और यहाँ पे रहेगी आपकी नॉर्थ वेस्ट सर कितना इजी था ये तो अभी तक मैंने चालू किधर किया है अभी मैं चालू करूँगा नॉर्थ ईस्ट का राइट सोचो और जवाब देना नॉर्थ ईस्ट का राइट सो नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होता है नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होता है सर नॉर्थ ईस्ट का राइट होता है ईस्ट कितने सारे लोग ऐसा बोलेंगे चलो अगर आप लोग ये बात बोल रहे हो ना तो आप लोग गलत हो और मैं अभी प्रूव करके भी दूंगा और फिर मैं ऊपर जो नोट लिखा है ना उससे कनेक्ट भी करूँगा तेरी ये बात बराबर है कि नॉर्थ ईस्ट का क्लॉकवाइज आएगा पर वो ईस्ट नहीं आएगा वो मैं अभी प्रूव करके देता हूँ आ जाओ ए सर आपने है ना ऐसा सिखाया था कि जो भी लेफ्ट राइट के टर्न्स रहते ना वो नाइन्टी डिग्री के रहते हैं देखो अभी आप लोग ऐसे ऐसे नॉर्थ ईस्ट में जा रहे थे हाया ना पर आपने क्या बोला राइट मार ले और आपने यहाँ से यहाँ ये पॉइंट से आप ईस्ट बोल रहे हो कि नहीं पहले मैं नॉर्थ ईस्ट जा रहा था मैं राइट लूंगा तो मैं ईस्ट में जाऊँगा अब आप लोग ही मुझे देख के बताओ अगर आप नॉर्थ ईस्ट का राइट ईस्ट बोलते हो तो आपने नाइन्टी डिग्री का टर्न लिया कि फोर्टी फाइव डिग्री का टर्न लिया बोलो देखो आप ऐसे नॉर्थ ईस्ट में जा रहे थे पर आपने क्या बोला नॉर्थ ईस्ट से मैं राइट मार रहा हूँ तो साउथ ईस्ट होना चाहिए ना जितने भी लोग ने ईस्ट बोला तो मैंने ईस्ट का प्रूव करके भी दिया क्या ये जो एंगल बना वो 90 का बना कि 45 का बना 45 का बना और अपन ने लिखा था जिस भी दिशा में इन विच एवर वेर एवर डायरेक्शन यू आर उस दिशा से उधर से 90 डिग्री का टर्न लेने का इसका मतलब क्या था इसका मतलब क्या था कि अगर तू जिस भी दिशा देख बहुत सोच समझ कर मैंने बनाया है जिस भी दिशा मीन्स अगर तू बड़ी दिशा में है तो बड़ी दिशा का 90 ले छोटी दिशा में है तो छोटी दिशा का 90 ले और आप लोग ही थोड़ा सोचो बड़ी दिशा का नाइन्टी भी छोटी दिशा बड़ी दिशा का नाइन्टी क्या बड़ी दिशा ही होता है ना छोटी दिशा होता है क्या नहीं और छोटी दिशा का नाइन्टी भी बड़ी दिशा बड़ी दिशा का 90 बड़ी दिशा छोटी दिशा का 90 छोटी दिशा क्लियर क्लियर इसके लिए इधर मैं था, जिस भी दिशा में आई तो बड़ी दिशा में भी हो सकता है छोटी दिशा में तो उस दिशा से उस उस दैट डायरेक्शन समझा कि नहीं समझा अब इधर मैं प्रूफ भी करके दूंगा सर तो मतलब आप क्या बोलना चाहते हो नॉर्थ ईस्ट का राइट साउथ ईस्ट आता है बिल्कुल ये देख तो ये पॉइंट का देख अगर तू आड़े तेड़ी जगह पे ना तो छोटा तो सा प्लस बना ऐसे ये पॉइंट का साउथ ईस्ट तो ये पॉइंट का साउथ ईस्ट क्या होगा ये होगा ना तो बेटा ये जो तेरा ये हुआ 90 डिग्री का टर्न आप जा रहे थे नॉर्थ ईस्ट में फिर आपने मारा राइट तो आप अब साउथ ईस्ट में जा रहे हो क्या नाइन्टी डिग्री का टर्न हुआ जी हा बिल्कुल समझा कि नहीं समझा लॉजिकल रीजनिंग इज लॉजिकल जाओ बात करते इधर अब अब आपको आंसर आ जाएगा सोच समझ कर बताना फटाफट से फटाफट फट से नॉर्थ ईस्ट का राइट साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट का राइट साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट का राइट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का राइट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट साउथ वेस्ट का लेफ्ट साउथ ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ ईस्ट का समझा बड़ी दिशा का नाइनटी बड़ी दिशा छोटी दिशा का छोटी दिशा अब सोच समझकर वापस जवाब देना एक अपन वापस एक्सरसाइज करते हैं साउथ वेस्ट का लेफ्ट साउथ वेस्ट का लेफ्ट तो मतलब एंटी क्लॉक वाइज साउथ ईस्ट बराबर है अब सोच समझ कर जाओ देना नॉर्थ वेस्ट का फोर्टी फाइव डिग्री क्लॉक वाइज नॉर्थ वेस्ट का फोर्टी फाइव डिग्री क्लॉक वाइज तो देख नाइन्टी डिग्री क्लॉक वाइज करेगा तो नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा पर अपने को कितना चाहिए अपने को कितना चाहिए फोर्टी फाइव तो यही फोर्टी फाइव होगा ना तो फोर्टी फाइव में कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा नॉर्थ समझा कि नहीं समझा अरे समझा कि नहीं समझा सो so, वो आपके साथ इधर फोर्टी फाइव के टेबल्स में खेलता है राइट और ऐसे क्वेश्चंस भी है और एग्जाम में दो तीन बार आ भी चुके हैं जैसे कि नॉर्थ का 45 फाइव डिग्री क्या राइट नॉर्थ ईस्ट और फोर्टी फाइव के टेबल्स में भी आ सकता है फोर्टी फाइव नाइन्टी वन थर्टी फाइव वन एटी टू ट्वेंटी फाइव टू सेवेंटी थ्री वन फाइव एंड थ्री सिक्सटी सो आपको ऐसा भी बोल सकता है नॉर्थ ईस्ट का वन थर्टी फाइव डिग्री क्लॉकवाइज़ तो नॉर्थ ईस्ट का वन थर्टी फाइव डिग्री क्लॉक वाइज तो 90 डिग्री क्लॉक वाइज तो साउथ ईस्ट आ जाएगा अभी अभी मैंने पढ़ा है इतना अच्छे से और फिर ये तो 90 डिग्री हुआ पर अपने को और कितना जाना था वन थर्टी फाइव मतलब और फोर्टी फाइव जाना था तो साउथ ईस्ट से और फोर्टी फाइव डिग्री लेगा तो आंसर क्या आएगा साउथ समझा कि नहीं समझा अरे समझा कि नहीं समझा क्लियर चलो तो बस इतना काफ़ी है आपके लिए ये चैप्टर स्टार्ट करने के लिए अब बेटा ये जो चैप्टर के क्वेश्चन है ना कुछ इस प्रकार से बाईफर्केटेड है 50 टू 60 परसेंट स्टीरियो टाइप क्वेश्चन मतलब वो अगर आपने चार पांच क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया ना फिर चैप्टर मस्त वैसे ही चलेगा मेरी आपको ज़रूरत भी नहीं गिरेगी पर फिर पार्ट आता है मिसलेनियस क्वेश्चन का तो इंस्टीट्यूट क्या करती है मिसलेनियस क्वेश्चन में से नॉर्मली क्वेश्चन पूछती है और एक दो क्वेश्चन ऊपर से पूछती है अब मिसेलिनियस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस क्यों इतनी क्योंकि हर मिसेलिनियस क्वेश्चन तेरा कंसेप्ट टेस्ट करेगा तेरा कंसेप्ट कितना स्ट्रांग है और मैंने जितनी भी बात बोली ना बस आगे सब वही रिपीट होने वाली है अब और फिर जो तेरा रिमेनिंग पाँच से सात टका ऑफ द क्वेश्चन बचते हैं फाइव टू सेवन परसेंट ऑफ द क्वेश्चन दैट आर ऑफ परछाई शेडो ठीक है तो पहले हम लोग ये सारे क्वेश्चन खत्म करेंगे फिर परछाई पे आगे बढ़ेंगे राइट right? चलो आ जाओ सो so, बात करते हैं आगे अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की ठीक है तो मैं आपको है ना सबसे पहले वो स्टीरियो टाइप क्वेश्चन बता देता हूँ तो आप ये चैप्टर के साथ थोड़ा क्या फैमिलियर हो जाओगे और थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान रखना पेंसिल से एग्ज़ाम में वो प्लस बना देना ठीक है कि एग्जाम्स में आपको बच्चे जैसे क्वेश्चंस हार्डली देखने को मिलते हैं तो प्लस है ना आपकी बहुत हेल्प करेगा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट लिखने में तो लिखने में ही पर जब डिस्टेंस कैलकुलेशन के क्वेश्चन आएंगे तब ठीक है बहुत हेल्प करेगा चलो तो अपन पहले एक बच्चे जैसा क्वेश्चन देखते हैं तो आपको थोड़ा रफ आइडिया आ जाएगा देखो ध्यान से क्या बोलते हैं अ गर्ल इज गोइंग टू वेस्ट देन शी टर्न लेफ्ट है ना देन शी टर्न नाइनटी डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन इज शी गोइंग नाउ तो जब ऐसा क्वेश्चन आप लोग पढ़ोगे कि कोई किधर जा रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो सबसे पहले आपका काम रहेगा वही प्लस बनाना और मार्किंग कर दो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सर ये मेरा तो ये बिना प्लस के आंसर आता है आएगा पर जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएगा तब यही काम में आएगा जाओ और गर्ल इज गोइंग टूवर्ड्स वेस्ट तो क्या बोलती है गर्ल को वेस्ट में लेके जा ठीक है उसका पीछा नहीं करने का उसके साथ साथ में जाने का तो यहाँ से फिक्स्ड पॉइंट से मैं उसको वेस्ट में लेके जाता हूं सर कितना वेस्ट में गए अपने को पता नहीं है तो अंदाज से उसको थोड़ा वेस्ट में लेके जाऊँ अब यहां पे वो गर्ल पहुंच गई अब गर्ल क्या करती है धन शी टर्न लेफ्ट तो अभी अभी भी, भी सीखा था वेस्ट का लेफ्ट मतलब वेस्ट का आंटी क्लॉक क्या आ जाएगा साउथ बराबर है फिर क्या बोलता है धैन शी टर्न नाइनटी डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो अब समझने का वो साउथ में जा रही थी साउथ से नाइनटी डिग्री क्लॉक वाइज नाइन्टी डिग्री कंफ्यूज करने के लिए दिया अरे इट इज इंप्लाइड ना क्लॉक वाइज मतलब राइट एंड राइट का टर्न रहेगा मतलब कितने का रहेगा नाइनटी का ही रहेगा तो साउथ का राइट right हो जाएगा आपका वेस्ट तो पूछा गया था वो लड़की कौन से डायरेक्शन में जा रही है वेस्ट में जा रही है अब एक और बात का ध्यान रखना मैं वापस बता रहा हूँ कि ये डिस्टेंस नहीं दिया ना तो सारी लाइन्स इक्वल बनेंगी अगर डिस्टेंस नहीं दिया है तो सारी लाइनें इक्वल बनेगी क्लियर किसी को कोई डाउट इजी इजी तो चल मैं अभी आपको स्टूडियो टाइप क्वेश्चन लेके जाता हूँ ठीक है आ जाओ क्वेश्चन एट पे यहाँ पे आपको स्टीडियो टाइप क्वेश्चन मिलेगा स्टीडियो टाइप मतलब अगर आपने ये क्वेश्चन किया ना तो इसके साथ साथ मैं आपको जो बोला था ना फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट वो चीज़ें खत्म हो जाती है ठीक है तो ऐसे हम लोग दो तीन क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस अच्छा सा आ जाएगा देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है राम वॉक्स टेन मीटर साउथ फ्रॉम हिज हाउस देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स ट्वेंटी फाइव मीटर्स अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फोर्टी मीटर्स देन अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स फाइव मीटर्स टू रीच टू द स्कूल ठीक है आगे का क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ाऊंगा खत्म करके फिर अपन इधर आएंगे ठीक है चलो अब ध्यान सुनना तो सबसे पहले अपन बना लेते हैं ये प्लस नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट सो क्या बोलता है राम वॉक्स टेन मीटर्स साउथ फ्रॉम हिज हाउस तो ये उसका घर है कुछ नहीं बोला तो बोला था, था फिक्स्ड पॉइंट से ही चलेगा यहाँ से वो दस मीटर साउथ में गया तो उसको अंदाज से दस मीटर लेके जाओ और दस मीटर लिख भी देना देन टर्नस लेफ्ट ए तो साउथ का लेफ्ट एंटी कौ कैसा आएगा ईस्ट ईस्ट में कितना चला वो पच्चीस मीटर तो यहां से पच्चीस मीटर की अंदाज से लाइन सर अब जो पच्चीस मीटर है ना वो ऑलमोस्ट डबल हो गई दस मीटर के ठीक है दस मीटर से बड़ी बनेगी तो अब राम यहां पे पहुंचा फिर राम ने क्या किया अगेन टर्नस लेफ्ट एंड वॉक्स फोर्टी वापस उसने लेफ्ट टर्न लिया फोर्टी का तो ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ तो यहाँ से वो जा रहा है ऊपर ये सर आप इधर अटक क्यों गए वो तो चालीस जा रहा था ना हाँ पर अब तू ही मेरे को बता ये कितना रहेगा ये तो दस ही रहेगा ना देख ये प्लस की वजह से तेरे को कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड तेरा आंसर आया लोग क्या करते हैं पूरा बना लेते हैं फिर अगर ये डिस्टेंस पूछा ना इतना तो वापस कैलकुलेट करने को बैठते हैं टाइम बचा रहा हूँ मैं तेरा थैंक यू बोल थैंक यू अच्छा बात करते इधर सुनना पर वो तो जो गया था चालीस मीटर तो और कितना गया था तीस थर्टी तो ये दस और दस से तीस की लाइन क्या रहेगी बड़ी रहेगी तो राम पहुंचा इधर किधर अब देख टोटल हो गया ना फोर्टी मीटर्स नॉर्थ अब आगे एंड टर्न राइट एंड वॉक्स फाइव मीटर्स टू रीच टू द स्कूल और वहां से वो राइट मारता है तो नॉर्थ का राइट ईस्ट तो यहाँ से वो जा रहा है ईस्ट में कितना पाँच मीटर और यहाँ पे पहुंच गया ई स्कूल में अब सर आपने बोला था पचास से साठ टका चीजें इधर ही खत्म हो जाएगी हाँ अब सुनना ध्यान से मेरी बात बेटा जब भी ये तरह के क्वेश्चन बनते हैं ना तो तू नोटिस करना हाँ मैं भी तेरे को करवाऊँगा ही इससे है ना तीन प्रकार के क्वेश्चन तो फिक्स बन सकते कितने प्रकार का क्वेश्चन थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर फिक्स एंड फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर डिस्टेंस दिए तो चौथा टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकता है वरना डिस्टेंस का क्वेश्चन भी बनेगा नहीं पर वो पहले तीन प्रकार का क्वेश्चन क्या, क्या है मैं वो बताता हूँ ध्यान से सुनना सबसे पहला टाइप ऑफ जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बनेगा इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग ना इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग ना इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग ना इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग ना आखिर में वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा था जा रहा था चल रहा था देख रहा था सबका मतलब सेम सबका मतलब सेम तो आखिर में उसने स्कूल के लिए कौन सा डायरेक्शन लिया था उधर 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 कौन है स्कूल तो है ही है उधर कौन है ईस्ट भी तो है तो आखिर में वो चल रहा था ईस्ट में आखिर में वो जा रहा था ईस्ट में खत्म समझा कि नहीं समझा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन समझा तो देख लेना नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे रह गए अब बात करते दूसरे प्रकार ऑफ क्वेश्चन की सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आर ऐसा रहेगा इंग्लिश में अगर बोलो तो इंग्लिश में ऐसा रहेगा इन विच डायरेक्शन इज स्कूल फ्रॉम हीज हाउस और हिंदी में उसका स्कूल घर से कौन से डायरेक्शन में है तो इन विच डायरेक्शन इज स्कूल फ्रॉम हीज हाउस मतलब हाउस टू स्कूल तो हाउस टू स्कूल कौन सा डायरेक्शन में है तो हाउस टू स्कूल इट इज इन कौन सा डायरेक्शन North East। ईस्ट पर मेरे को पता क्या हर क्वेश्चन में घर और स्कूल होगा ऐसा जरूरी है तो कहना से स्टार्ट टू एंड तो आप ही लोग मुझे बताओ कि थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा ऑब्वियसली एंड टू स्टार्ट स्कूल टू हाउस है ना वो आलिया बट रो रही थी ना मुझे घर जाना है मुझे घर जाना है तो आप लोग भी ऐसा स्कूल पहुंच के बोलते हो ना मुझे घर जाना है मुझे घर जाना है तो अभी आप लोग कहाँ पे हो अभी आप लोग इधर हो स्कूल में यहां से आपको घर जाना है मैं अभी भी, भी बोलता हूं आगे भी बोलूंगा हजार बार बोलूंगा अगर तू आड़ी टेढ़ी जगह पे खड़ा है अदर देन दिस प्लस बड़ा प्लस तो उधर छोटा सा प्लस वापस बना तेरा काम बहुत आसान हो जाता है तो कभी मिस्टेक नहीं करेगा कभी भी मिस्टेक नहीं करेगा तो ये पॉइंट का नॉर्थ ये पॉइंट का ईस्ट ये पॉइंट का साउथ ये पॉइंट का वेस्ट तो ये डायरेक्शन में वापस घर जाएगा तो ये कौन सा डायरेक्शन है साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट आई होप सबको समझा आई होप सबको समझा देखो क्वेश्चन कितना इजी करना ना वो आपके ऊपर रहता है और एट द एंड एक मार्क मैटर करता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एक मार्क लॉजिकल रीजनिंग काफी लॉजिकल समझना जरूरी है तो वो पॉइंट से घर वापस आ रहा है सपोज मेरा घर इधर रहता सपोज तो मैं स्कूल से घर ये डायरेक्शन में जाता ना तो कौन सा डायरेक्शन होता नॉर्थ वेस्ट देख सोचने की भी जरूरत नहीं गिरती है फिर लोग क्या करते हैं ऐसा ढूंढने बैठते है किधर है उसका घर किधर है किधर है किधर है? है आ जाता है सोचो मत टाइम नहीं है सोचने का अपने पास आ जाओ तो इसी के साथ तीन तरह का क्वेश्चन खत्म अब चौथा तरह का क्वेश्चन खाली मैं बता रहा हूँ ठीक है वो है डिस्टेंस का वो डिस्टेंस का हम लोग यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे पर खाली बताना जरूरी है तुझे यहाँ पे देख डिस्टेंस जो है वो स्लोप में आ रहा है ना स्लोप में तो डिस्टेंस अगर स्लोप में आया है तो बचपन में तूने एक आदमी का नाम सुना था बराबर बोला क्या ियस थियरम या पाइथागोरस थियरम है ना पाइथागोरस बोल के गया था ना क्या बोला था जो स्लोप वाली साइड रहती है हाइपोटीनियस साइड रहती है वो एकदम बड़ी रहती है तो तू जिधर भी है, स्लोप है ना उधर तेरे को ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का और राइट एंगल ट्रायंगल बना के तुझे जवाब देने का बराबर है और ये कैसे मिलता था ये सी ये ए ये बी तो आप लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे सी इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र सर बट वो तो सी स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र होता है ना टेकिंग स्क्वाइड्स क्लियर तो ये आपके है स्टीरियो टाइप क्वेश्चन ये आपके है स्टीरियो टाइप क्वेश्चन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन ठीक है फटाफट फटाफट सबसे पहला वो कौन से डायरेक्शन में देख रहा था जा रहा था चल रहा था तो आखिर में वो कहां पे देख रहा था जा रहा था चल रहा था चला दो। दू। दूसरा घर से स्कूल स्कूल से घर स्टार्ट टू एंड एंड टू स्टार्ट चौथा डिस्टेंस सर ये तो स्लोप में आया तो हम लोग पाइथागोरस करेंगे स्लोप में नहीं आया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्लियर सबको क्लियर है किसी को कोई डाउट किसी को कोई डाउट ओके चलो आ जाओ आ अब हाँ, हाँ सर ये तो बता दो तो भा ये बेचारा उधर कब का रुका हुआ है अपने लिए हाँ बोल बोल क्या बोल रहा है तू इन विच डायरेक्शन इज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस देख कॉपी कर रहा है मेरी देख अभी अभी सीखा ना इन विच डायरेक्शन इज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस उसके घर से स्कूल मतलब ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है हाउस टू स्कूल का घर से स्कूल कौन सा डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट समझा कि नहीं समझा देख देख अब तू देख जो क्वेश्चन बना था ना कितना स्मार्ट रहता है कितने लोगों को पता ही नहीं चलता वो लोग स्कूल से कर लेते तो देख साउथ वेस्ट भी दिया उसने एग्जाम्स में ये सब चीजें वो करेगा तेरे साथ उसको फुल राइट है वो एक मार्क तुझे देगा ना पर इतना परेशान कर करके एक मार्क देगा ना सो पढ़ने का इन विच डायरेक्शन इज स्कूल कन्वर्ट करो कौन से डायरेक्शन में स्कूल है कहां से उसके घर से फ्रॉम हिज हाउस ठीक है समझा सबको चलो ओके आ जाओ अभी मैं आपको है ना क्वेश्चन नंबर ट बता रहा हूँ ठीक है ट्वेल्थ इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं क्या मिस्टेक करते हैं देखना ध्यान से और मैन इज फेसिंग इसउथ फ्रॉम देर एंड फाइव मीटर्स टू द वेस्ट इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम इज ओरिजिनल प्लेस बात करते इधर लाइन के यही लाइन के बारे में लोग क्या करेंगे पता है हे hey, सर ने ना मस्त सिखाया था एकदम ऐसा प्लस बनाने का तो सबसे पहले मैं प्लस बना देता हूँ फिर ऐसा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट मार्क करने का और जैसे ही नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट मार्क किया वापस इधर पढ़ के पढ़ने का आके अब मैन इज इस फेसिंग ईस्ट एंड ही टर्न लेफ्ट यस मेरे को आता है कितना इजी है यहाँ से मैन चल रहा है ईस्ट में और लेफ़्ट ले रहा है ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ सर क्या सिखाया आपने मेरे को एक ही बार में आ गया गलत है तू पढ़ो मैं वही बोलता हूं पढ़ो नहीं देगा वो एक मार्क फ्री में क्या लिखा है अ मैन इज फेसिंग ईस्ट अ मैन इज फेसिंग 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 ईस्ट फेसिंग ईस्ट वो अभी तक खाली ईस्ट में देख रहा है चल रहा नहीं है वो अभी भी है तो इधर का इधर ही अरे हो सकता हो उधर कोई मस्त उसको दिख गई पर बोलता है नहीं नहीं ये मेरे काम की नहीं है मेरे को तो लेट हो रहा है एग्जाम के लिए मेरे को तो लेट हो रहा है मैराथन लेक्चर्स के लिए चल चल मैं जाता हूँ तो मैं ईस्ट में मैं देख रहा था उसे फिर मेरे को याद आया कि एल का लेक्चर चालू है मैं वापस लेफ्ट मुड़ जाता हूँ तो ईस्ट का लेफ्ट ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ देख अभी भी मैं ईस्ट में खड़ा इधर का इधर हूँ मैं ईस्ट में देख रहा हूँ बोलता हूं नहीं 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 ये मेरे काम की नहीं है और मैं लेफ्ट मुड़ जाता हूं और मैं चल रहा हूं तो इन शॉर्ट में कौन से डायरेक्शन में चल रहा हूं मैं नॉर्थ में ही चल रहा हूं जो आप लोग ने पहले किया था वो गलत था वो कैसा था गलत था समझा कि नहीं समझा अरे समझा कि नहीं समझा को किसी को कोई डाउट किसी को कोई डाउट किसी को कोई डाउट पक्का एकदम पक्का चलो तो ये समझना तो ऐसा बेटा वो तरह से कुछ भी दे सकता है अ मैन इज़ फेसिंग साउथ एंड एंड राइट वॉकिंग तो मैन साउथ में देख रहा था और फिर राइट right मार के चल रहा है तो साउथ का राइट right, वेस्ट वो चलेगा किधर वेस्ट में साउथ में नहीं संभालना अब फेसिंग है कि वॉकिंग है देखना चलो आ जाओ बात करते इधर देन ही टर्न लेफ्ट एंड गोस टेन मीटर्स ओके okay. मतलब ये पूरे लाइन का मतलब यहां तक क्या था कि वो नॉर्थ में वॉक कर रहा है कितना मीटर दस मीटर फिर क्या दिया है देन टर्न्स राइट एंड गोस फाइव मीटर तो नॉर्थ में जाके वो राइट मारता है तो नॉर्थ का राइट अभी अभी सीखा था ईस्ट कितना चल रहा है पांच मीटर धैन ही गोस फाइव टू द साउथ और वहां से ईस्ट से वो पांच मीटर साउथ में भी जा रहा है और फिर वो क्या कर रहा है देन टर्न्स फाइव मीटर्स टू द वेस्ट और यहाँ से वो पाँच मीटर वेस्ट में भी मुड़ रहे हैं फ्लैग बना दिया उन्होंने चल आ जाओ अब यहाँ पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट था बेटा और यहाँ पे उसने किया था एंड तो अपन ने जो चार क्वेश्चन किए थे वही अपन वापस करते इधर सबसे पहले वो कौन सी डायरेक्शन में देख रहा था चल रहा था जा रहा था जो अपन ने पहले कवर किया ये वाला फेसिंग मूविंग गोविंग वॉकिंग नाउ तो कौन से डायरेक्शन में जा रहा था आखिर में वेस्ट दूसरा जब भी तू भी ऐसा प्रैक्टिस करने बैठे ना ऐसे ही करने का क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं मैं अभी भी बोलता हूं क्वेश्चन लाइक एनी अभी आप ही देख सकते हो कैसा ट्विस्ट दिया उसने चलो सेकेंड स्टार्ट टू एंड स्टार्ट टू एंड कौन से डायरेक्शन में खड़ा है नॉर्थ एंड टू स्टार्ट अगर मैं एंड पे खड़ा हूं मेरे को स्टार्ट देखना है तो कौन सा डायरेक्शन में जाना पड़ेगा साउथ और यहां पे अगर मैं डिस्टेंस की बेटा बात करूं तो ये देख यहाँ पे स्लोप नहीं है यहाँ पे तेरे को खाली इतना ही डिस्टेंस निकालना है तो ये डिस्टेंस कितना होगा तो समझो ध्यान से देख वो ऊपर गया दस नीचे आया पाँच तो ये कितना रहेगा दस माइनस पाँच सर बाकी का पाँच पाँच किधर गया तो देखो आप पाँच मीटर दूर उधर जा रहे हो वापस पाँच मीटर इधर आया तो पाँच पाँच कैंसिल ना राइट तो वो कितना दूर है अब टेन माइनस फाइव तो आपका आंसर आ जाएगा फाइव मीटर्स सर इधर तो स्लोप नहीं है यहां पर एक बात ध्यान रखना अभी तक तो उसने कभी किया नहीं है पर कर भी सकता है अगर मैं मस्ती करने जाऊँ ना तो मैं लिख दूंगा वॉट विल बी द टोटल डिस्टेंस तो फिर सब आएगा दस पाँच पाँच पाँच, 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 पाँच पच्चीस मीटर आंसर आएगा सो पढ़ना मैं वही बोलता हूँ क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है एक मार्क ऐसे देगा नहीं क्लियर क्लियर किसी को कोई डाउट ओके okay, आज इधर आप समझते हैं उसने अपने से क्वेश्चन क्या पूछा था तो पूछा इन विच डायरेक्शन ही वो कौन से डायरेक्शन में है कहाँ से फ्रॉम इज ओरिजिनल प्लेस मतलब जहां से चल रहा था वो कौन से डायरेक्शन में खड़ा है नॉर्थ में क्लियर ये हम लोग प्रैक्टिस के लिए बाकी के सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम में ये सब करने मत बैठना भाई चलो अब देख आई एम समिंग समिंग अप द जो स्टीरियो टाइप क्वेश्चन है वो ध्यान से तो सबसे पहला हम लोग ने पढ़ा वॉकिंग फेसिंग गोइंग मूविंग दूसरा पढ़ा स्टार्ट टू एंड तीसरा पढ़ा एंड टू स्टार्ट एंड चौथा डिस्टेंस नाउ डिस्टेंस के भी दो प्रकार के क्वेश्चन या तो ये सीधा सीधा डिस्टेंस देगा स्टार्ट टू एंड स्टार्ट टू एंड स्टार्ट टू एंड स्टार्ट टू एंड वरना वो आड़ा तेड़ा डिस्टेंस देगा और अगर आड़ा तेड़ा डिस्टेंस दे रहा है तो स्लोप बनेगा जिधर भी स्लोप बनेगा स्लोप तो पाई था नो no स्लोप तो नो पाई था मैंसा बोलता हूँ स्लोप तो पाई था नो स्लोप तो नो पाई था स्लोप नहीं है तो पायथागोरस मत अप्लाई कर वरना पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ेगा क्लियर तो चल अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ पाइथागोरस के साथ और ये स्टीडियो टाइप क्वेश्चन आपके हो जाएंगे खत्म फिर अपन वो मिसलिनियस क्वेश्चन पे बढ़ेंगे ठीक है चलो आ जाओ तो बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 तो देख अ ट्रेन रन्स 120 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन अपन चारों सॉल्व करेंगे ठीक है साथ साथ में करेंगे फटाफट फटाफट यहाँ से तो ट्रेन जो है वो छुक छुक गाड़ी जो है वो कहाँ पे जा रही है 120 किलोमीटर जा रही है वेस्ट में तो यहाँ से वो 120 किलोमीटर जा रही है वेस्ट में गई देख गई फिर ट्रेन ने क्या किया फिर ट्रेन ने 30 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन रन किया तो यहाँ से वेस्ट में जा रही थी और यहाँ से साउथ में जा रही है थर्टी किलोमीटर्स फिर ट्रेन ने क्या किया देन 80 किलोमीटर्स इन ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन बिफोर वॉकिंग स्टेशन बिफोर रीचिंग स्टेशन तो यहां से 80 किलोमीटर्स स्टेशन पहुंचने तक तो ये ट्रेन का स्टार्ट पॉइंट था बेटा ये आपका जो पॉइंट है वो आपका पॉइंट हो जाएगा स्टेशन वाला पॉइंट सबसे पहला क्वेश्चन ट्रेन कौन सी दिशा में जा रही थी आखिर में तो सर ट्रेन जा रही थी ईस्ट में दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट टू एंड ट्रेन कौन से डायरेक्शन में है अभी स्टार्ट टू एंड है सर साउथ वेस्ट में एंड टू स्टार्ट की अगर मैं बात करूँ अगर स्टेशन से मुझे स्टार्टिंग पॉइंट वापस जाना है तो ये कौन सा डायरेक्शन बनेगा बेटा ये बनेगा आपका नॉर्थ ईस्ट बोला उधर छोटा सा प्लस बना दो एंड चौथा इज योर डिस्टेंस क्या इधर स्लोप है क्या इधर स्लोप है तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा अब दो वे में आप राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हो एक ऊपर भी बना सकते हो और एक ऐसा साइड में भी बना सकते हो मैं साइड वाला बना रहा हूँ ठीक है तो हम लोग को ये फाइंड आउट करना है अब सबसे पहले बात करते इधर तो ये देखो ये जो कंप्लीट शेप जो बन रहा है वो कंप्लीट शेप रेक्टेंगल का बन रहा है अगर मैं देखने को जाऊं तो बराबर से है ना ये कंप्लीट शेप किसका बन रहा है रेक्टेंगल का वो मिसिंग पीस अगर मैं लगा दूं तो ये वाला तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड आर इक्वल है ना तो तीस ये तो ये भी कितने का हो जाएगा तीस का और ये एक सौ बीस का ये पूरा एक सौ बीस का है उसमें से ट्रेन ने अस्सी तो चल रही था तो ये बाकी का रहेगा कितना रहेगा वन ट्वेंटी माइनस एटी दैट इज 40 किलोमीटर्स तो पाइथागोरस पाइथा अप्लाई करेंगे सी इक्वल टू रूट ऑफ थर्टी स्क्वायर प्लस फोर्टी स्क्वायर थर्टी स्क्वायर इज नाइन हंड्रेड फोर्टी स्क्वायर इज सिक्सटीन हंड्रेड टोटल कम्स टू 2500, सो स्क्र रूट ऑफ 2500 इज नथिंग बट 50 किलोमीटर समझा कि नहीं समझा अरे समझा सबको समझा चलो इधर एक बार देख लेते हैं वापस इन विच डायरेक्शन इज स्टेशन फ्रॉम टेन स्टार्टिंग स्टार्टिंग वन से स्टेशन कौन से डायरेक्शन में था साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट आई रेस्ट माई केस योर ऑनर समझा कि नहीं समझा सबको मजा आया खत्म आधा डायरेक्शन खत्म आधा डायरेक्शन खत्म अब ऐसे क्वेश्चन देखा पांच मीटर इधर जा रहा है दस मीटर उधर जा रहा है बीस मीटर उधर जाए कौन सी प्लेस पे खड़ा है या कौन सा डायरेक्शन है कौन सी दिशा में देख रहा है बस यही सब क्वेश्चन पूछेगा क्लियर क्लियर चलो आ जाओ अब अपन है ना बेटा मिसलिनियस क्वेश्चन चालू करेंगे जो एग्जाम्स में पहले भी देखे गए और अभी भी आगे भी देखे भी जा सकते हैं क्योंकि ये तेरे कंसेप्ट टेस्ट करते हैं आ जाओ सबसे पहला मिसलिनियस क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर टू इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ देन नॉर्थ ईस्ट बिकम्स क्या ये पहला मिसलिनियस क्वेश्चन है तो साथ साथ में करेंगे ध्यान से इफ साउथ वेस्ट बिकॉम्स नॉर्थ तो आप लोग क्या करोगे एक प्लस बना दोगे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये हो गया साउथ वेस्ट ये हो गया नॉर्थ वेस्ट नहीं हो गया नॉर्थ ईस्ट ये हो गया साउथ वेस्ट और आपको क्वेश्चन बोलता क्या है वा आगे इफ साउथ वेस्ट बिकॉम्स नॉर्थ तो अब जो ये दिशा है ये दिशा ये क्या बन जा रही है नॉर्थ बन जा रही है बराबर है तो अब अगर ये नॉर्थ बनी तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी यहां पे तो नॉर्थ के सामने आएगा साउथ इधर रहेगा ईस्ट इधर रहेगा वेस्ट ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट ये हो जाएगा साउथ वेस्ट ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट ये हो जाएगा साउथ ईस्ट तो इफ साउथ, तो साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ दैन नॉर्थ ईस्ट विल बी क्या तो नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगा नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा साउथ समझा कि नहीं समझा समझा कि नहीं समझा इजी 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 पर अब ध्यान से सुनना मैं ऐसे नहीं करता ये तो नॉर्मल लोग ऐसे ही करते हैं अपन को बीस में से बीस चाहिए तो अपन कुछ हटके करेगा अब इसमें सर इसमें पर क्या हटके तो ध्यान से सुनना समझना देखना और सोचना आंसर सही नहीं जाएगा पर मेरा वे थोड़ा अलग है क्योंकि मैं थोड़ा अलग हूँ देख साउथ वेस्ट तो साउथ वेस्ट मतलब ये डायरेक्शन रहेगी बराबर है अब जो साउथ वेस्ट है वो नॉर्थ बन रहा है नॉर्थ तो साउथ वेस्ट जो है वो ऐसे घूम के भी नॉर्थ बन सकता है और जो साउथ वेस्ट है वो उल्टा घूम के भी नॉर्थ बन सकता है ना आया ना आया ना ये मेरा साउथ वेस्ट है मैं साउथ वेस्ट को ऐसे टर्न कर दूँ तो भी वो नॉर्थ बन जाएगा ऐसे टर्न कर दूँ तो भी वो नॉर्थ बन जाएगा तो क्लॉक पहले बनेगा कि आंटी क्लॉक पहले बनेगा ऑब्वियसली सर क्लॉक जल्दी इजी गिरेगा ना आंटी क्लॉक वाइज कितना घूमना पड़ेगा तो मैं साउथ वेस्ट को बेटा कितना डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कर दूं तो नॉर्थ बन जाएगा तो सर साउथ वेस्ट से 90 लोगे राइट में क्लॉकवाइज में तो नॉर्थ वेस्ट बनेगा नॉर्थ वेस्ट से और 45 लोगे तो नॉर्थ बनेगा तो इन शॉर्ट साउथ वेस्ट में आप वन थर्टी फाइव डिग्री क्लॉकवाइज ऐड कर दो तो नॉर्थ बन जाएगा समझा सबको समझा सबको तो वही नॉर्थ ईस्ट के साथ में करूँ नॉर्थ ईस्ट में वही अगर 135 डिग्री में क्लॉकवाइज टर्न करूँ तो कौन सा डायरेक्शन बनेगा आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट का क्लॉकवाइज 45 और 90 में हो जाएगा तेरा साउथ ईस्ट एंड 135 में हो जाएगा साउथ 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 कौन सा इजी लगा जा सकते हो इससे भी टाइम ज़्यादा खाएगा टाइम नहीं खाएगा देख के आंसर आ जाएगा देख क्वेश्चन अभी मैं बोल रहा हूँ कुछ भी बन सकता है कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है कोई फिक्स नहीं है ये डायरेक्शन direction आएगा डायरेक्शन कितने तेरे पास सपोज मैं बोलता हूँ इफ ईस्ट बिकम्स इफ ईस्ट बिकम्स साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बिकम्स क्या तो ईस्ट बिकम्स साउथ ईस्ट फोर्टी फाइव डिग्री क्लॉक वाइज तो नॉर्थ ईस्ट बिकम्स ईस्ट खत्म गेम हुआ बहुत हेल्प करेगा लोग क्या करेंगे वापस ये पूरा प्लस बनाएंगे फिर ईस्ट के जगह पे साउथ ईस्ट लिखेंगे फिर पूरा प्लस बनाएंगे उतने बार में तेरे तीन क्वेश्चन हो जाएंगे थैंक यू समझा सबको चलो आ जाओ तो ये था एक तरह का आपका मिसलिनियस क्वेश्चन मूविंग ऑन टू सेकेंड टाइप ऑफ मिसलिनियस क्वेश्चन वो क्या मैं आपको समझाता हूँ आपकी घड़ी क्लॉक नॉर्मली बारह किधर बचते हैं नॉर्थ में तीन किधर बचते हैं ईस्ट में छे किधर बचते हैं साउथ में और नौ किधर बचते हैं वेस्ट में है ना है ना तो बस अभी जो हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं ना वो वैसे ही देखने जा रहे हैं क्लॉक एंड डायरेक्शन मिक्स क्लॉक एंड डायरेक्शन मिक्स ध्यान से देखना सो so, वो लोग क्या करेंगे आपको एक घड़ी का एक टाइम दे देंगे और घड़ी के टाइम में आपको वो लोग बारह बजे की प्लेस किधर भी दे सकते हैं या कोई भी टाइम किधर भी दे सकते हैं आपको आवर हैंड एंड मिनट हैंड में से कोई एक दे देंगे या तो बारह किधर बज रहे वो इंफॉर्मेशन दे देंगे और फिर आपको दूसरा पूछेगी है, मिनट हैंड दिया है तो आवर हैंड पूछेंगे है? आवर हैंड दिया है तो मिनट हैंड पूछेंगे है. पर जरूरी नहीं है कि बारह नॉर्थ में ही बजेगा तीन ईस्ट में ही बजेगा छः नीचे ही बजेगा नौ इधर ही बजेगा नहीं चेंज भी हो सकता है एक बात याद रखना आपको डायरेक्शन स्टेबल रखने हैं क्लॉक को रोटेट करना है लोग क्या करते हैं क्लॉक को वैसे का वैसा रखते हैं डायरेक्शन रोटेट करता है ऐसा मत करना आंसर आएगा आंसर सेम आएगा बट तू लॉजिकली नहीं इॉजिकली नहीं तू अनलॉजिकली आंसर लाएगा थोड़े लोग क्या करते हैं ऐसा बोलते हैं बारह बजरे है साउथ में तो 12 इधर का इधर रखेंगे और साउथ इधर लिख देंगे क्या साउथ उधर है नहीं मैं वही बोल रहा हूं अनलॉजिकली सॉल्व करेगा तो तो आपको डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है घड़ी को चेंज करना है ठीक है डायरेक्शन आर फिक्स बड़ी दिशा फिक्स है चलो आ जाओ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ध्यान से देखना अ क्लॉक इज सो प्लेस बोलता है मैंने घड़ी को ऐसा प्लेस किया दैट इट ट्वेल्व नोन दोपहर के बारह बजे इट्स मिनट्स हैंड पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट तो ये नॉर्थ ये ईस्ट और घड़ी के मिनट हैंड बारह बजे दोपहर के मिनट हैंड मतलब बड़ा काटा वो नॉर्थ ईस्ट में है ये मुझे एक बात बताओ बेटा अगर मिनट हैंड दोपहर के बारह बजे नॉर्थ ईस्ट में है तो आवर हैंड किधर होगा दोनों घड़ी के कांटे हैं साथ में तो आवर हैंड भी किधर होगा उधर ही होगा ना इन शॉर्ट उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि बारह की तरह बज रहे नॉर्थ ईस्ट में अगर बारह नॉर्थ ईस्ट में बज रहे हैं, तो तो बाकी के बजा दे तीन बजेगे साउथ ईस्ट में छः बजेगे साउथ वेस्ट में और नौ बजेगे क्लियर आपकी घड़ी बन गई मतलब आपकी घड़ी ऐसी नहीं है आपकी घड़ी ऐसी है। अब वापस उसने अभी तक क्वेश्चन मेन क्वेश्चन चालू नहीं किया है अभी तक उसने खाली बारह बजे का इन्फॉर्मेशन दिया मेन क्वेश्चन अब चालू हुआ क्या बोलता है इन विच डायरेक्शन डज द आवर हैंड पॉइंटेड वन थर्टी तो अब आपको डेढ़ बजे की घड़ी बनानी है और आवर हैंड कौन सा डायरेक्शन में है वो पता करना है तो अपन यही घड़ी में डेढ़ बजे की घड़ी बनाते है, हैं डेढ़ बजे मिनट हैंड तो ईजी है मिनट हैंड किधर रहेगा साउथ वेस्ट में पर अपने को तो आवर हैंड पूछा है अब सोच समझ कर जवाब देना आवर हैंड डेढ़ बजे एक पे होगा दो पे होगा या एक और दो के बीच में होगा ऑब्वियसली डेढ़ बज रहे है, तो आवर हैं। तो आवरहैंड एक और दो के बीच में रहेगा तो बारह और तीन के बीच में एक और दो आएगा तो एक इधर दो इधर और ये एक और दो के बीच में विल बी ऑर आवर हैंड मुझे बताओ तो जरा आवर हेंड कौन से डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है ईस्ट में समझा कि नहीं समझा अरे समझा कि नहीं समझा किसी को कोई डाउट वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ बारह बजे का वो लोग ने इन्फॉर्मेशन दिया था जब मिनट हैंड नॉर्थ ईस्ट में था तो बारह बजे मिनट हैंड नॉर्थ ईस्ट में तो आवर हैंड भी नॉर्थ ईस्ट में तो उससे मैंने पूरी घड़ी बनाई फिर घड़ी बनाने के बाद उसने मेरे को डेढ़ बजे का आवर हैंड पूछा तो मिनट हैंड तो ईजी है साउथ वेस्ट में रहेगा तो आवर हैंड किधर रहेगा एक और दो के बीच में रहेगा तो मैंने एक और दो के बीच में बढ़ा दिया क्लियर चलो तो ये था बेटा घड़ी और डायरेक्शन मिक्स वाला क्वेश्चन नाउ मूविंग ऑन टू अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज सूरभी वाला ये सिक्सटींथ वाला ये क्या है मैं आपको दिख के बताता हूं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में दो से तीन बार पूछे गए मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो फोर्टी फाइव डिग्री के मल्टीपल्स में आपके साथ खेलेगा राइट right? तो देखते हैं क्वेश्चन सुरबी इज फेसिंग ईस्ट सुरबी किधर फेस कर रही है फेस, hey, फेस, ये देखिए, दे सर ने इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये रही सुरबी जो कि अभी भी है उधर की उधर ही सेंटर में ही है सेंटर से वो चेंज हो रही नहीं है और सुर भी यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रही है तो सुर भी यहाँ पे खड़े खड़े ईस्ट में देख रही है और फिर सुर क्या कर रही है हंड्रेड डिग्री क्लॉक वाइज टर्न ले रही है सर मुझे हंड्रेड डिग्री नहीं आता है पर नाइन्टी डिग्री तो आता है ना तो ईस्ट में वो देख रही थी ईस्ट में देखते देखते वो हंड्रेड डिग्री क्लॉक वाइज टर्न कर रही है अगर ईस्ट का हंड्रेड डिग्री क्लॉक वाइज नहीं आता है तो नाइन्टी डिग्री क्लॉकवाइज बोल तो ईस्ट का नाइन्टी डिग्री क्लॉक वाइज़ क्या आ जाएगा साउथ पर वो तो हंड्रेड डिग्री टर्न कही ना तो मतलब कहने से इसे भी अभी इधर किधर देख रही है हाँ या ना हाँ या नाइन्टी से थोड़ा ज़्यादा अब सुर भी उधर देखती है फिर बोलती है नहीं नहीं यार व्यू अच्छा नहीं है नहीं सीनरी अच्छी नहीं है एंड देन टर्न्स 145 फोर्टी फाइव डिग्री इन आंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वन फोर्टी आंटी तो नहीं आता है पर मेरे को इतनी बात पक्की पता है अगर यही पॉइंट से मैं हंड्रेड डिग्री क्लॉक से हंड्रेड डिग्री आंटी क्लॉक टर्न कर लूँ तो वापस मैं ईस्ट के ईस्ट में आ जाओगी अरे सौ डिग्री क्लॉक वाइज सौ डिग्री आंटी क्लॉक वाइज तो वापस उधर का उधर पर मैं तो वन फोर्टी फाइव मुड़ी थी मतलब और कितना मुड़ी थी फोर्टी फाइव डिग्री आंटी क्लॉक वाइज तो अब सुरभि कौन से डायरेक्शन में दिखती रहेगी नॉर्थ ईस्ट में समझा कि नहीं समझा समझा कि नहीं समझा पर ऐसा सब करने का नहीं इससे भी फास्ट में मैं बताता हूँ ध्यान से देखना अभी इधर लोग ऐसे ही जवाब देंगे पर अपन स्मार्ट है अपने को बीस में से बीस चाहिए तो ध्यान से देखना इधर सूर्भी की धर देख रही थी ईस्ट में तो इसको लिख के रख सौ डिग्री क्लॉक वाइज वन फोर्टी फाइव डिग्री आंटी क्लॉक वाइज तो अब तुझे देखना है भारी कौन है दोनों में किसका वज़न ज़्यादा है हु इज़ हैवियर क्लॉक या आंटी क्लॉक भारी है कि आंटी भारी है आंटी भारी है ना तो आंटी कितने से भारी है फोर्टी फाइव डिग्री से किलो नहीं बोलने का आंटी मारेगी और फिर आंटी पुलिस बुला लेगी तो ईस्ट का 45 डिग्री आंटी क्लॉकवाइज तो आपको आता है ईस्ट का 45 डिग्री आंटी नॉर्थ ईस्ट खत्म डायग्राम भी की भी ज़रूरत नहीं है समझा एक और क्वेश्चन करें एक और क्वेश्चन देख अब एग्जाम में ना इतना छोटा नहीं देगा वो एक दो क्लॉकवाइज देगा एक दो आंटी क्लॉकवाइज देगा फिर तेरे को दोनों को माइनस करने का और फिर आंसर लाने का ठीक है देख समझते इधर आ जा सबको समझाइए वाला ठीक है अब मैं बोलता हूं सूर्भी फेस कर रही है साउथ ईस्ट में कहां पे फेस कर रही है साउथ ईस्ट में शी टर्न्स 90, ये ऐसा ही एग्जामिनेशन क्वेश्चन है मैं तेरे को दे रहा हूं मैं घर का नहीं दे रहा हूं 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ तब दो क्लॉक व्इस है तो ये दोनों क्लॉकवाइस को ऐड कर दे तो टोटल तो कितना हो गया वन एटी डिग्री क्लॉक अब देखो भारी कौन सा है क्लॉक भारी की आंटी भारी है आंटी ने वजन कम कर लिया अब आंटी ने क्लॉक भारी है क्लॉक कितने से भारी है फोर्टी फाइव डिग्री से तो साउथ ईस्ट का फोर्टी फाइव डिग्री क्लॉक क्वेश्चन तो साउथ ईस्ट का फोर्टी फाइव डिग्री क्लॉक क्वेश्चन तो क्या आ जाएगा साउथ गेम ओवर जिधर लोग क्वेश्चन पड़ेगा ना मैं अभी भी बोल रहा हूं उधर तेरा आंसर आना चालू हो जाएगा पंद्रह पंद्रह सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं पंद्रह पंद्रह तेरे को उतना स्पीड रखना पड़ता है खाली बस जैसे क्वेश्चन पढ़ा हरे सुरी वाला क्वेश्चन धड़ धड़ा धड़ा कैल से चालू नाइनटी क्लॉक नाइन्टी क्लॉक एड माइनस वन थर्टी फाइव फोर्टी फाइव डिग्री खत्म पंद्रह सेकंड ना उससे ज्यादा ना उससे कम ख्लियर? क्लियर क्लियर सबको समझा एटापा क्वेश्चन समझा ठीक है तो हम लोग ने अभी तक मिसलेनियस क्वेश्चन कौन से कौन से कवर किए एक तो ये वाला मिसलेनियस क्वेश्चन कवर किया फिर दूसरा क्लॉक वाला और तीसरा ये सूर्य वाला ठीक है अब मूविंग ऑन टू चौथा मिस क्वेश्चन ध्यान से देखना इधर बहुत मजा आता है क्वेश्चन में बाद में पढ़ा होगा पहला तेरा ध्यान इधर रहना चाहिए एकदम लॉजिकली है एकदम ठीक है इसको तू रट्टा नहीं मारने का समझने की बात है नॉर्मली तू कौन सी दिशा में दिख रहा है नॉर्थ में दिख रहा है है ना तो तेरा राइट हैंड जाएगा ईस्ट में तेरा लेफ्ट हैंड जाएगा वेस्ट में है ना और पैर रहेगे साउथ में बराबर है पर वही अगर वही अगर मेरे पॉइंट ऑफ से बात करें तो तेरे हिसाब से मैं तो साउथ फेसिंग हूँ मेरा लेफ्ट हैंड एंड मेरा राइट हैंड बदल जाएगा हाँ या ना हाँ या ना हाँ तो बस अपने को वही देखना है और अगर इसी सिचुएशन को मैं रोटेट कर दूं मतलब मैं पैर के बल नहीं मैं सर के बल खड़ा हो जाऊं तो क्या होगा तो फिर वापस लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा ठीक है तो अपने को यही चीज समझनी है ध्यान से देखना सुनना समझना तो ये नॉर्मली तू है एंड यू आर फेसिंग नॉर्थ एंड यू आर फेसिंग नॉर्थ मतलब ऑब्वियसली तू नॉर्थ में दिख रहा है तो हम लोग को आपके बाल ही दिखेंगे गए ना सो so, अगर आप नॉर्थ में देख रहे हो तो ये आपका राइट right हैंड ये आपका लेफ्ट हैंड सो योर राइट हैंड इज इन ईस्ट योर लेफ्ट हैंड इज इन वेस्ट एंड यू आर फेसिंग नॉर्थ अगर इसी चीज को मैं रोटेट कर दू रोटेट अपसाइड डाउन तो अब आप पैर के बल नहीं सर के बल खड़े रहोगे पर अभी भी आप लोग किधर फेसिंग हो अभी भी आप लोग फेसिंग हो नॉर्थ में ये सेम डायग्राम का मैं उल्टा कर रहा हूं तो अब आपके ये राइट हैंड जो ईस्ट में था अब वो भी रोटेट हो जाएगा ना अब राइट हैंड किधर चला जाएगा वेस्ट में लेफ्ट हैंड किधर चला जाएगा ईस्ट में और अभी भी आप फेसिंग किधर हो यू आर फेसिंग नॉर्थ ऐसा नहीं बोलने का सर साउथ में तो आप साउथ में फेसिंग हो नहीं फेसिंग आपका मुंह कौन से डायरेक्शन में हाँ आपका सर साउथ में समझा कि नहीं समझा समझा कि नहीं समझा ठीक है ओके okay. यहां पे यू आर स्टैंडिंग ऑन योर लेग्स यहाँ पे यू आर स्टैंडिंग ऑन योर फेस है अपना हेड स्टैंड बोलते हैं हेड स्टैंड बस वही किया अब इसका ही, अगर ये तो फेसिंग नॉर्थ था तो अब फेसिंग साउथ होता तो क्या होता सर तो अब मैं बात करता हूं फेसिंग साउथ की तो मतलब अब अपने को अपना मुंह दिखेगा मुंह ऐसा ठीक है तो नाउ आई एम फेसिंग साउथ आप देख भी सकते हो मैं साउथ दिशा में देख रहा हूं फेसिंग साउथ अगर फेसिंग से है, तो ऑब्वियसली मेरा राइट हैंड चला जाएगा इधर मेरा लेफ्ट हैंड चला जाएगा यहां पे। तो मेरा राइट हैंड चला जाएगा कौन सी डायरेक्शन में वेस्ट में और मेरा लेफ्ट हैंड चला जाएगा ईस्ट में पर अगर यही चीज को मैं वापस रोटेट कर दूं रोटेट मतलब मैं वापस सरकेबल नहीं पैर केबल नहीं सरकेबल खड़ा हूँ तो अभी भी मेरा सर किधर है फेसिंग साउथ है ये देखो ये देखो दोनों में डिफरेंस दिखा दोनों में डिफरेंस समझा समझा अभी मेरा फेस किधर है साउथ की तरफ ये मेरे बाल नहीं है भाई हाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि फेसिंग साउथ है अभी भी ऐसा फेसिंग साउथ तो अब जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो चला जाएगा कहाँ पे वेस्ट में एंड मेरा जो राइट हैंड है वो चला जाएगा ईस्ट में बस खत्म आपको यही क्वेश्चन पूछा है देखो पढ़ो एक बार इफ एक्स तेरा एक्स जो है स्टैंड ऑन इज हेड विथ इज फेस टुवर्ड्स साउथ विथ इज फेस टुवर्ड्स साउथ एंड स्टैंड ऑन इज हेड इन विच डायरेक्शन लेफ्ट हैंड पॉइंट उसका लेफ्ट हैंड ये लास्ट जो डायग्राम बना लेफ्ट हैंड कौन सा डायरेक्शन में पॉइंट करेगा बेस्ट लोग क्या करते हैं पता है साउथ का लेफ्ट ईस्ट और आंसर ईस्ट लिख के आते हैं इधर लेफ्ट राइट नहीं पूछा है लेफ्ट हैंड राइट हैंड पूछा है आपको ठीक है तो अभी एक फटाफट फटाफट -फटा -फटा कॉपी कर लेना ये चीज़ वरना फोटो ले क्लिक कर लेना ये चीज का आपको क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है इससे ठीक है ऐसे भी क्वेश्चन है आपकी मॉड्यूल में ऐसे भी क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं कि इफ आई स्टैंड नॉर्मली ऑन माई लेग्स विथ माई बैक टूवर्ड्स नॉर्थ बैक टूवर्ड्स नॉर्थ मतलब पीठ नॉर्थ में तो मेरा फेस किधर रहेगा साउथ में समझा कि नहीं समझा विल विल वेयर समझाई राइट हैंड पॉइंट क्वेश्चन वो ऐसे भी दे सकता है विथ माई बैक टूवर्ड्स ईस्ट तो बैक अगर ईस्ट में है तो आपका फेसिंग किधर है वेस्ट में तो आपका राइट right हैंड जाएगा नॉर्थ में लेफ्ट हैंड जाएगा साउथ में क्लियर क्लियर किसी को कोई डाउट इसमें ओके ओके आज अब बेटा एक मैं आपको क्वेश्चन करवाना चाहूँगा वो है बड़ी दिशा एंड छोटी दिशा मिक्स तो हम लोग ने अभी तक जो क्वेश्चंस किया ना वो या तो वो बड़ी दिशा में जा रहा है और बड़ी दिशा में से ये लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट दे रे रहा है आपने कहीं पे भी बड़ी दिशा छोटी दिशा मिक्स क्वेश्चन देखा नहीं क्यों बड़ी दिशा में भी जा रहा है फिर वहाँ से छोटी दिशा में भी जा रहा है मतलब ऐसा कुछ रहेगा वो नॉर्थ में जा रहा है फिर राइट मार रहा है फिर वो वहाँ से साउथ ईस्ट गया फिर राइट मार रहा है फिर लेफ्ट मार के वो जा रहा है फिर वहां से वो ईस्ट मार ऐसे सब क्वेश्चन तो आपको इतना कॉशियस रहना पड़ेगा ना कि आप पूछो मत क्योंकि आपको पहले आप कौन सी दिशा में हो और वहां से कहाँ जा रहे हो फिर बड़ी दिशा का 90 बड़ी दिशा छोटी दिशा का 90 छोटी दिशा आपको ऐसा कंफ्यूज भी कर सकता है मैं नॉर्थ में चल रहा था और फिर मैंने 45 डिग्री का राइट टर्न मार के मैं चलने लगा तो मैं नॉर्थ ईस्ट में चल रहा हूँ समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ तो ऐसे क्वेश्चन तो चलो अपन देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं ध्यान से देखना आ जाओ डायरेक्ट एक होमवर्क सेक्शन है इसमें क्वेश्चन नंबर ग्यारह है अपन वो देखते हैं मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है वो ठीक है आ जाओ सो बात करते हैं ग्यारह ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखे गए ना एग्जाम मॉड्यूल के क्वेश्चन आ जाओ क्वेश्चन नंबर ग्यारह प्लस बना देता हूं पहले नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट क्या लिखा है पढ़ो राजू इज फेसिंग एंड मूव देख फेस कर रहा है कर वो चल रहा है कहां पे चल रहा है नॉर्थ में एंड मूव ट्वेंटी किलोमीटर तो राजू को यहां से ट्वेंटी किलोमीटर नॉर्थ में लेके जाओ अब राजू पहुंचा इधर किधर और ये किलोमीटर्स भी लिख के रखने लगा अब धीरे धीरे देख अगर तेरे को नहीं याद रहता ना तूने लास्ट कौन से डायरेक्शन में तू जा रहा था तो इधर एक छोटा सा एरो बना दे मतलब तो तू तो वो डायरेक्शन में वॉक कर रहा था ये भी तेरे को हेल्प करता है ठीक है क्योंकि तो देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन है तेरे को दो ढाई मिनट में सॉल्व करना है अगर तू तो इसमें मिस्टेक करेगा तो तेरे दो ढाई मिनट और जाएगी इन शॉर्ट तू तो पांच मिनट अफोर्ड कर सकता नहीं है तो ये सब चीज़ें तेरा टाइम बचाएगा तेरा आंसर गलत नहीं आएगा बहुत हेल्प करेगा देन ही टर्न टू इज राइट एंड मोस्ट ट्वेंटी किलोमीटर्स अब वो नॉर्थ में जा रहा था और नॉर्थ से वो राइट मारता है तो नॉर्थ का राइट ईस्ट ईस्ट में कितना जा रहा है ट्वेंटी तो अब याद रखने का वो ईस्ट में जा रहा था और जा रहा था ट्वेंटी अभी भी वो छोटी दिशा में ही है सॉरी बड़ी दिशा में ही है अब यहाँ से वो छोटी दिशा में जाएगा देन ही मूव टेन किलोमीटर्स इन नॉर्थ ईस्ट और यहाँ से ये पॉइंट से पहले भी बोला था अब अगर तू आड़ी तेड़ी दिशा में तेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो छोटा सा प्लस वापस बना दे यहाँ से वो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है यहाँ का नॉर्थ यहाँ का ईस्ट कितना जा रहा है दस किलोमीटर तो उसको दस किलोमीटर अंदाज से नॉर्थ ईस्ट में लिखे जाओ अब याद रखना वो छोटी दिशा में है छोटी दिशा का 90 छोटी दिशा तो 10 किलोमीटर गया नॉर्थ ईस्ट में अब बात करते इधर धैन ई टोड राइट अब याद रखना वो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा था नॉर्थ ईस्ट का राइट साउथ ईस्ट तो ये पॉइंट से वो साउथ ईस्ट में जाएगा कितना जाएगा ट्वेंटी किलोमीटर्स तो याद रखना वो ये पॉइंट से साउथ ईस्ट में बीस किलोमीटर गया और अब याद रखना कि वो साउथ ईस्ट में जा रहा था तो एक एरो बना दे अब उसने क्या किया धैन टर्न राइट एंड मूव ट्वेंटी किलोमीटर्स वापस राइट right मारा तो साउथ ईस्ट का राइट right, साउथ वेस्ट तो ये पॉइंट से वो साउथ वेस्ट जा रहा है ये पॉइंट से साउथ वेस्ट कितना ट्वेंटी किलोमीटर्स अब वो पहुंचा इधर किधर और साउथ वेस्ट में जा रहा था याद रखना और साउथ वेस्ट से उसने क्या करता है वो टर्न लेफ्ट एंड मोस्ट ट्वेंटी तो साउथ वेस्ट का लेफ्ट साउथ वेस्ट का लेफ्ट साउथ ईस्ट यहां से ट्वेंटी किलोमीटर क्या पूछा है इन विच डायरेक्शन इज राजू फेसिंग साउथ ईस्ट समझा कि नहीं समझा देख मैंने एक्सप्लेन करते करते तुझे ये तीन मिनट में सॉल्व करवाया तो तू सोच तू स्पीड रखेगा तो कितने टाइम में सॉल्व हो जाएगा डेढ़ से दो मिनट समझा समझा मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ अगर बड़ी दिशा छोटी दिशा मिक्स है तो तुम लोग क्या करोगे क्या करोगे सबसे पहले याद रखो तुम लोग कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो और फिर जिधर भी आड़ी तेड़ी जगह पे है ना उधर से छोटा सा प्लस बना चल मैं खाली एक बात में एक चीज़ बता रहा हूँ ध्यान सुनना ये तो कर लो तुम लोग मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ मेरे को है ना मैंने क्वेश्चन देखा था उसका कुछ क्रक्स था मैं आपको वो बता रहा हूँ ठीक है पूरा क्वेश्चन नहीं है थोड़ा कुछ क्वेश्चन मैंने पढ़ा था ना उसने क्या किया था वो क्वेश्चन में तो आपको वो भी बताता हो तो लो वो लोग वैसी चीज़ भी तेरे साथ कर सकते तेरे को मेंटली प्रिपेयर रहना है ठीक है चल अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ध्यान सुनना मैंने क्वेश्चन में ऐसा कुछ देखा था एक बंदा नॉर्थ में जाता है ऐसा दिया था फिर वो लेफ्ट मारता है तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या आएगा नॉर्थ का लेफ्ट क्या आएगा वेस्ट आएगा वेस्ट वो यहाँ से वेस्ट में जाता है फिर वो लोग ने क्या दिया था लाइन ध्यान से सुनना फिर वो लोग ने लाइन ऐसा कुछ दिया था वेस्ट में जाने के बाद वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेता है वेस्ट में जाने के बाद वो 135 डिग्री का क्लॉक वाइटर्न लेता है हाई लो कितना डिफिकल्ट है इजी है ना वेस्ट का वन थर्टी फाइव क्लॉक वाइज तो नाइनटी डिग्री क्लॉक वाइज नॉर्थ फोर्टी डिग्री नॉर्थ ईस्ट तो वो यहां ये पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट जा रहा है ये पॉइंट से समझा कि नहीं समझा समझा कि नहीं समझा ठीक है तो वो लो लोग ऐसी चीजें भी देते हैं फिर बोलेगे उसने राइट मारा तो नॉर्थ ईस्ट का राइट साउथ ईस्ट तो ये पॉइंट से किधर जाएगा साउथ ईस्ट में तो आपको ध्यान से पढ़ के सॉल्व करना है क्लियर अरे क्लियर सबको समझा मैं क्या बोला ठीक है तो वो लोग ऐसा कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं आपको और ये क्वेश्चन था बड़ी दिशा छोटी दिशा मिक्स का अब एक आखिरी क्वेश्चन आप लोग के सामने फिर डायरेक्शंस ऑलमोस्ट समाप्त एक्सेप्ट परछाई ठीक है ये क्वेश्चन मैं इसके लिए करवा रहा हूँ ये देख ट्वेल्थ और थर्टीन वैसे ही सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैं इसके लिए करवा रहा हूँ क्योंकि बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू प्लस चेंज होगा तो जो हर बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट देखना है, एक नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एक कई नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है ठीक है क्योंकि हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चेंज होगा आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन थर्टीन द आखिरी क्वेश्चन क्या बोलता है क्वेश्चन थर्टीन बाबू इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज टू हंड्रेड मीटर्स अवे क्वेश्चन तो बोलता है बाबू है तेरी बाबू किसकी नेबर है रहीम की नेबर है एंड हिज हाउस किसका हाउस बाबू का हाउस इज टू हंड्रेड मीटर्स अवे तो बाबू का हाउस रहीम के घर से दो सौ मीटर की दूरी पे इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन किसके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के रहीम के वेस्ट तो सबसे पहले इतना बड़ा प्लाजा नहीं बनाने का सबसे पहले रहीम बना देने का रहीम रहीम का नॉर्थ वेस्ट तो रहीम का नॉर्थ रहीम का वेस्ट ये डायरेक्शन में है बाबू का घर ये डायरेक्शन में बाबू का घर और ये कितना डिस्टेंस है ये 200 मीटर का डिस्टेंस है समझा कि नहीं समझा अब आगे क्या बोलता है पढ़ जोसेफ इज रहीम्स नेबर जोसेफ किसका है वापस रहीम का ही नेबर है और उसका घर भी 200 मीटर दूर है इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन तो अब रहीम के साउथ वेस्ट रहीम का साउथ रहीम का वेस्ट यहां पे किसका घर है 200 मीटर दूरी पर जोसेफ का तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है आप तरीके से पूछ सकता है इन विच डायरेक्शन इज बाबूज हाउस विथ रिस्पेक्ट टू जोसेफ तो जोसेफ के हिसाब से बाबू का घर कौन सा डायरेक्शन में नॉर्थ खत्म और बाबू के हिसाब से जोसेफ का घर साउथ खत्म समझा कि नहीं समझा अरे समझा कि नहीं समझा अब आगे देख आगे क्या बोलता है पढ़ो गोपाल इस जोसेफ ने गोपाल किसका नहीं बर है? जोसेफ का नहीं बर है। और 200 मीटर दूर रहता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में तो गोपाल जोसेफ का नहीं बर है। अब गोपाल जोसेफ का साउथ जोसेफ का ईस्ट देखने का तो जोसेफ का साउथ ईस्ट ये रहेगा और इधर किसका घर है गोपाल का 200 मीटर अब आगे क्या बोलता है वो आपको तो ध्यान से देखना आगे दे से रॉय इज गोपाल नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड इन टू हंड्रेड मीटर्स अवे इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन रॉय गोपाल का भी नेबर है तो गोपाल के नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है गोपाल का नॉर्थ गोपाल का ईस्ट यहां पे किसका करे दो सौ मीटर दूर पे रॉय का तो ये बना आपका कुछ डायग्राम बाबू रहीम जोसेफ गोपाल रॉय समझा कि नहीं समझा क्या बोलता है क्वेश्चन देन वेयर इज द पोजिशन ऑफ रॉयज हाउस बोलता है रॉय का घर किधर है इन रिलेशन टू बाबू बाबू के घर से रॉय का घर कौन से दिशा में है तो ये बाबू का घर इधर था तो ये प्लस बाबू को अगर रॉय के घर जाना है तो ये डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ना तो ये डायरेक्शन कौन सा है साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट समझा कि नहीं समझा देखो तुझसे डिस्टेंस भी पूछ सकता था डिस्टेंस भी पूछ सकता था वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं क्लियर सबको समझा सबको समझा किसी को कोई डाउट ठीक है तो ये हर बंदी के पॉइंट ऑफ से नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट था इसके लिए क्वेश्चन किया इसी के साथ 95 फाइव परसेंट डायरेक्शन ओवर अब बात करेंगे परछाई के बारे में है ना शेडो आ जाओ तो बेटा शेडो के लिए कुछ चीज़ें समझनी जरूरी है तो मैं नोट लिखवा रहा हूं शैडो का आप लोग भी साथ साथ में लिखोगे शेडो और फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं सिचुएशन सन शैडो सिचुएशन या तो मॉर्निंग की होगी या तो सनराइज की होगी सेकेंड या तो इवनिंग की होगी या तो सनसेट की होगी मॉर्निंग या सनराइज तब सन किधर रहेगा सूरज दादा किधर रहेगा तो सूरज दादा रहेगी ईस्ट में और इवनिंग का या सनसेट का क्वेश्चन तो सन कहाँ पे रहेगा वेस्ट में सर शेडो किधर बनेगी वो मैं अभी बताता हूँ आपको ठीक है ध्यान से सुनना सपोज ये तुम हो और तुम जो है ना मस्त सनकिस्ट फ़ोटो लेने जा रहे हो सुबह सुबह तो मॉर्निंग में जो सन रहेगा वो कहाँ पे रहेगा ईस्ट में और तुम्हें सनकिस्ट फ़ोटो चाहिए तो ऑब्वियसली तुम लोग सन को रहोगे फेसिंग ना तुम लोग सन को दिखते रह गए हा 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 और हाथ में तुम्हारा फोन रहेगा मस्त ऐसा और सन अपनी रेज आपको देगा ए ए, ए ले, ले ले और आप सनकिस्ट फ़ोटो लेना चालू कर दो तो अब एक बात बताना आप सनकेस्ट फोटो लो मुझे वांधा नहीं पर आपके शेडो आपके आगे बनेगी कि आपके पीछे बनेगी ऑब्वियसली सर मेरी जो शेडो है ना मेरे पीछे बनेगी तो शेडो कौन सा डायरेक्शन में बनी वेस्ट सो इफ इट इज 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 द केस ऑफ मॉर्निंग वेर सन इज इन द ईस्ट द शेडो विल बी फॉर्म्ड इन द वेस्ट इफ यू आर फेसिंग द सन सो मॉर्निंग सिचुएशन और सनराइज सिचुएशन सन इन ईस्ट शेडो इन वेस्ट तो अब आप लोग ही बताओ इवनिंग के सिचुएशन में अगर आप लोग सन ईस्ट फोटो रहें सन रहेगा वेस्ट में पर आपकी शेडो बनेगी ईस्ट में समझा कि नहीं समझा समझा कि नहीं समझा किसी को कोई डाउट किसी को कोई डाउट ओके एक और बात इसमें से निकल के आती है सर क्या मुझे मेरी शेडो दिख रही है नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं अब सन को फेसिंग हो वॉट इफ आप सन को फेसिंग नहीं होते सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो क्या आपको आपकी शेडो दिखती जी हाँ बिल्कुल ध्यान से दिखना मैं आपका अभी फेसिंग चेंज कर रहा हूं फोन भी हटा दे रहा हूं और आपका मुंह भी चेंज कर रहा हूं अब आप फेसिंग हो वेस्ट में तो अगर आप वेस्ट में फेसिंग हो तो आपको सन की जो रेज है वो पीछे से लगी सुबह सुबह और आपका जो शेडो है आपके आगे बनेगा ना ना आया मेरे पे भरोसा नहीं है ना तो कल सुबह ट्राई करके देख लेना ये चीज़ चलो क्लियर अरे क्लियर देख लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल है लॉजिकल अभी मैं बोलता हूँ रिलेट कर सकता है ब्लड रिलेशन रिलेट कर सकता है डायरेक्शन रिलेट कर सकता है सिटिंग अरेंजमेंट रिलेट कर सकता है समझा सबको सो सेम चीज हो जाएगी इवनिंग में भी तो अगर मैं सन को फेसिंग नहीं हूं तो मुझे मेरी शेडो दिखेगी तो कभी कभी है ना बेटा वो लोग स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट नहीं देते कभी कभी वो लोग इस भाषा में बात करते हैं वन मॉर्निंग राम स्टार्ट्स वॉकिंग इन अ डायरेक्शन वेर ही सीज हिस शेडो ही टर्नस लेफ्ट ही टर्नस लेफ्ट आधे लोग डर जाते हैं क्या बोला है कितना हार्ड क्वेश्चन है तो तुझे समझना है वन मॉर्निंग सन रहेगा ईस्ट में राम उस दिशा में चल रहा है जहाँ पे उसको अपनी परछाई दिख रही है मतलब तो राम किधर चल रहा है वेस्ट में खत्म लोग पड़ेगे तो सॉल्व करना चालू करेगा समझा सबको अरे समझा सबको किसी को कोई डाउट किसी को कोई डाउट किसी को कोई डाउट ठीक है तो ये चीज़ याद रखना ये चीज़ याद रखना अगर तू सन को फेसिंग है यू वॉन्ट सी योर शेडो इफ यू आर नॉट फेसिंग द सन यू आर ऑपोजिट ऑफ सन यू विल सी योर शेडो ठीक है ओके सर अब दोपहर का क्या दोपहर को शेडो बनती नहीं है सर बनती तो इतनी इतनी छोटी सी पर गिनी जाती नहीं है यहाँ पे जो शेडो का डेफिनेशन है ना बोलता है कि सर से लेके पैर तक प्रॉपर शेडो बनना चाहिए और वो या तो सुबह पॉसिबल है या तो शाम को आफ्टरनून को नहीं क्योंकि जो सन है वो सर पे रहता है और अपने को सनकिस नहीं सनस्लैप्ड फोटो मिलती है नहीं तो आफ्टर उनको नो शेडो इस फॉर्म और आपको जितने भी क्वेश्चन देखने डायरेक्शंस के देख लो मॉर्निंग लिखा रहेगा इवनिंग लिखा रहेगा सनराइज लिखा रहेगा सनसेट लिखा रहेगा किधर भी आफ्टरनून भी स्पेसिफाई नहीं किया रहेगा किधर भी ये लोग टाइम स्पेसिफिक भी नहीं देते क्वेश्चन आज तक मैंने एक भी क्वेश्चन टाइम स्पेसिफिक भी नहीं दिखा कि सुबह के पांच बज रहे शाम के छह बज रहे नहीं मॉर्निंग इवनिंग सनराइज सनसेट खत्म क्लियर सबको समझा सबको समझा ये चीज किसी को कोई डाउट ओके okay. अब इसके जो क्वेश्चन है ना बेटा वो ऐसे कुछ क्वेश्चन है ऐसे कुछ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर जैसे एट सनराइज अमित एंड दीपक आर हैविंग फेसिंग कन्वर्सेशन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इच अदर द शैडो ऑफ दीपक इज फॉर्म टुवर्ड्स द राइट एंड ऑफ अमित इन विच डायरेक्शन इज दीपक फेसिंग ये नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ वन इवनिंग बिफोर सनसेट टू फ्रेंड्स रमन एंड अर्जुन वे टॉकिंग टू इच अदर फेस टू फेस इस रमन शैडो वॉज एक्टली फॉर्म टू हिज लेफ्ट इन विच डायरेक्शन वॉज अर्जुन फेसिंग ऐसे सब क्वेश्चन बनते हैं तो अब हम लोग इसको ही सॉल्व करने वाले इसको मैं आपको लॉन्ग कट से भी बताऊंगा और ऑब्वियसली आई हैव माय शॉर्ट कट ठीक है तो दोनों से फटाफट से फटाफट समझेंगे और सॉल्व करने की ट्राई करेंगे अब एक बात खाली इधर शेडो में समझ लेना सुन ले देख तो यहाँ पे शेडो ना शेडो बेटा चारों दिशा में किधर भी बन सकता है मतलब 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 मैं समझा नहीं सॉ सॉरी सॉरी वापस समझाऊँ चारों दिशा में कैसे बनेगा तो सुन इट डिपेंड्स ऑन योर फेसिंग इफ यू आर फेसिंग द सन इफ यू आर फेसिंग द सन आपका शेडो आपके पीछे बनेगा इफ़ यू आर नॉट फेसिंग द सन आपका शेडो आपके सामने बनेगा तो मतलब शेडो दो जगह पे बन सकता है अगर आप ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में देख रहे हो ईस्ट में देख रहे हो और सन ईस्ट में तो आपको आपका शेडो नहीं दिखेगा वेस्ट में बनेगा अगर आप सन को नहीं देख रहे हो मतलब आप वेस्ट फेसिंग हो तो भी आपका शेडो वेस्ट में बनेगा मतलब या तो शेडो आपके पीठ पे बनेगा या तो शेडो आपके सामने बनेगा ना तो वैसे नॉर्थ साउथ का भी तो हो सकता है सपोज मैं ना ईस्ट देख रहा हूं ना वेस्ट देख रहा हूं मैं देख रहा हूं नॉर्थ में जो अपन ने पहले किया था तो अब जो शेडो है ना मेरे लेफ्ट हैंड पे ना मेरे सामने बन रहा है ना मेरे पीछे बन रहा है मेरे दोनों हाथों पे बन रहा है ये मेरा हो जाएगा राइट right हैंड ये मेरा हो जाएगा लेफ्ट हैंड सो इफ आई एम फेसिंग नॉर्थ माई शेडो विल बी फॉर्मड ऑन माई लेफ्ट हैंड एंड इफ आई एम फेसिंग टूवर्ड्स साउथ तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड उल्टा हो जाएगा ना इफ आई एम फेसिंग साउथ माई शेडो विल बी फॉर्मड ऑन माई राइट हैंड तो ये तो सिचुएशन है जो तुझे समझ नहीं है देख ना इसके लिए इधर दिया था अब देख ऑब्बियसली अगर तेरे सामने कोई बंदा रहेगा तो उसका भी तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड रहेगा ना सपोज so, ये फेसिंग नॉर्थ है तेरे सामने बोला है फेसिंग ईच अदर तो उसका ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा और ये राइट right हैंड हो जाएगा अब तेरा जो शेडो है वो तेरे तो राइट right हैंड पे बन रहा है पर उसके लेफ्ट हैंड पे बन रहा है सो क्वेश्चन ऐसे ही रह गए द शेडो ऑफ अर्जुन इज फॉर्म टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड ऑफ अमित समझा या शेडो ऑफ अमित इज फॉर्म टूवर्ड्स ऐसे सब क्वेश्चन देन विच डायरेक्शन इज अमित फेसिंग नाउ देख पढ़ सकते तो। सब आपको पहले तो ये चीज समझनी जरूरी है कि दो लोग जो है वो ऐसे खड़े रह सकते हैं और सन इधर से या इधर से आ सकता है या तो दो लोग ऐसे रह गए जैसे तू और मैं और सन इधर रहेगा समझा मतलब पहली सिचुएशन ये जो तेरे सामने जो हम लोग दोनों हैं और सन या तो ईस्ट में या तो वेस्ट में एंड वी आर फेसिंग नॉर्थ साउथ या तो ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि भाई हम लोग जो है वो ईस्ट एंड वेस्ट ही देख रहे हैं और सन हमारे या तेरे पीछे ऐसा भी तो हो सकता है ना तो सर उनके हाथ किधर जाएंगे उनके हाथ ऊपर जाएंगे पर याद रखना जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी ना तो कभी भी शेडो लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे नहीं बनेगा ठीक है मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ ध्यान से देखना इधर सुनना अपने क्वेश्चन ही चालू करते हैं और साथ साथ में समझते हैं एट सनराइज अमित एंड दीपक आर फेसिंग हैविंग अ कन्वर्सेशन विद ईच अदर द दैडो ऑफ दीपक मतलब धूप किसको लगेगी दीपक को लगेगी इस फॉर्म टूवर्ड्स राइट हैंड ऑफ अमित और वो किसके हाथ पे बन रही है अमित के हाथ पे बन रही है मतलब तुझे अमित का लेफ्ट हैंड राइट हैंड डिटरमाइन करना है और धूप दीपक को लगानी है ठीक है दीपक जादू जादू करेगा ओम 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 करेगा है ना चलो अब देख मॉर्निंग का क्वेश्चन है मतलब बेटा सन किधर रहेगा सन विल बी इन ईस्ट अब सिचुएशन समझ कैसी कैसी हो सकती है देख अगर ये अमित पहला बंदा अमित तो दूसरा बंदा दीपक ऐसा हो सकता है ये अमित तो ये दीपक पर उल्टा भी तो हो सकता है ना कि ये अमित और ये दीपक है ना अब तेरे को याद रखना है कि तुझे धूप जो है शेडो दीपक की बनानी है शेडो तो दीपक या तो पहला हो सकता है या तो ये पीछे वाला दीपक बना है शेडो इधर और लेफ्ट हैंड राइट हैंड किसके अमित के तो अपन ये फर्स्ट सिचुएशन सॉल्व करते हैं ऊपर वाली कि वो अमित है और ये दीपक है ठीक है तो धूप जो है मैं धूप लगा रहा हूं मतलब सन के बाजू में अभी कौन है दीपक तो दीपक के पीठ पे धूप लगेगी बराबर है ओके अब अमित का लेफ्ट हैंड राइट हैंड डिटरमाइन करते हैं तो अमित ये पीछे वाला है अमित इज इस फेसिंग ईस्ट ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ तो उसका लेफ्ट हैंड चला जाएगा ऊपर और राइट हैंड आ जाएगा नीचे अब आप लोग ही मुझे बताओ जो दीपक की परछाई है वो बनना चालू होगी और जब वो दीपक की परछाई बनना चालू होगी वो अमित के लेफ्ट पे बन रही है अमित के राइट पे बन रही है कि अमित के ऊपर बन रही है वेरी गुड वो अमित के ऊपर बनेंगे ना और ये सिचुएशन तुम लोग रास्ते में भी हजार बार फेस कर चुके हो ये सिचुएशन तुम लोग रास्ते में भी हजार बार फेस कर चुके हो है ना देख तुम दो दो दोस्त लोग जब नीचे खड़े रहते हो रास्ते पे और धूप तेरे मुंह पे आती है तेरे दोस्त को बोलते हैं हे थोड़ा ऐसा ना थोड़ा ऐसा ना हाँ धूप लग रही है और जैसे वो थोड़ा ऐसा आ जाता है क्या होता है क्या होता है क्यों ऐसा कि उसका जो टकला है तेरे और सन के बीच में आ जाता है यही पे वैसे तो हो रहा है दीपक का जो टकला है वो अमित और सन के बीच में आ गया ना समझ तू तो तेरे लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे, पे शेडो बनेगा नहीं तेरे ऊपर शेडो बन रहा है उसका क्लियर क्लियर ओके तो सर मतलब अमित दीपक ऑब्वियसली ऐसे फेसिंग हो सकते नहीं तो अब सेकेंड सिचुएशन ट्राई करते हैं नीचे वाला ठीक है ये तो सेकेंड सिचुएशन ट्राई करते हैं अब धूप है ना धूप धूप है ना धूप किसको लग रही है दीपक को और दीपक की तरह पीछे पीछे तो मैं धूप है ना धूप ये टर्न मार मार के ऐसा टर्न टर्न करके करके कर, कर, अपन दीपक को धूप लगा दे ठीक है अमित से ऐसा बाईपास कर रही है आर पार जा रही है तो अगर दीपक को धूप लगेगी तो देखना दीपक ईस्ट फेसिंग है ना और अपन ने पढ़ा था शेडो उसकी बनेगी वेस्ट में अब अब रमित के राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड की बात करते हैं अमित इज फेसिंग वेस्ट वेस्ट का राइट नॉर्थ तो अमित का राइट हैंड रहेगा ऊपर और लेफ्ट हैंड रहेगा नीचे बराबर है तो अब आप लोग देख के बताओ अगर ये अमित है तो अमित के सामने शेडो बन रही है राइट पे बन रही है कि लेफ्ट पे बन रही है अमित के सामने सो दिस इज अ कंक्लूजन वेर इफ टू पीपल्स आर स्टैंडिंग लाइक दिस एंड सन या तो ईस्ट में या तो वेस्ट में किधर भी है? मेरे को नहीं फर्क गिरता है तो शेडो या तो ऊपर बनेगा या तो सामने बनेगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे बनेगा नहीं तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे शेडो कब बन सकता है सर तब यही सिचुएशन में अपन वापस देख बेटा तू एक बात समझ ये एक ही क्वेश्चन है पर तू उसको एक बार नहीं चार बार सॉल्व कर रहा है दो बार तो ये किया अब दो बार ये भी तो करना पड़ेगा ना अपने को अब ध्यान से देखा अपन ये देखते हैं ठीक है ठीके? जैसे उधर किया वैसे सेम सिचुएशन इधर भी तो हो सकती है ठीक है मॉर्निंग का सिचुएशन सन है ईस्ट में और ये दोनों उन दोनों के हाथ ठीक है अब बात करते हैं सपोज ये अमित तो ये दीपक नीचे वाला दीपक मतलब अगर तू अमित तो मैं दीपक और अगर मैं अमित तो तुम दीपक तो सबसे पहले अपन यही पॉसिबिलिटी सॉल्व करते हैं थर्ड पॉसिबिलिटी ठीक है मैं अमित हूं मैं तो मतलब मेरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो मेरा राइट right हैंड मैं नॉर्थ फेसिंग हूं तो मेरा राइट right हैंड जाएगा ईस्ट में और मेरा लेफ्ट हैंड जाएगा वेस्ट में और धूप तुझे लग रही है तुझे लग रही है धूप तू दीपक है तो तेरी तेरी धूप तेरे को लगी और तेरा शेडो बनेगा इधर ना अब देख के बता वो मेरे लेफ्ट हैंड में बन रहा है कि मेरे राइट right हैंड में बन रही है शेडो द शेडो ऑफ दीपक इज फॉर्म टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड ऑफ अमित पर अपने को क्या दिया था द शेडो ऑफ दीपक इज फॉर्म द राइट हैंड ऑफ अमित मतलब ऑब्वियसली मैं अमित नहीं हूं और वो तू दीपक नहीं है अपन उल्टे है। तो अपन अभी ये लास्ट सिचुएशन जो है ना वो ट्राई करते हैं ठीक है ध्यान से देखना अब ऑब्वियसली तू दीपक है तो धूप तेरे को लगेगी चौथा और आखिरी और मैं अमित हूँ मैं ऊपर हूं तो मेरा राइट हैंड मैं फेसिंग साउथ हूं तो मेरा राइट हैंड तो नीचे चला जाएगा मतलब इधर चला जाएगा और मेरा लेफ्ट हैंड इधर चला जाएगा अब धूप जो है ना बेटा वो तुझे लग रही है तुझे धूप तुझे लग रही है। तो तेरा शेडो ऑब्वियसली इधर बनेगा ना अब ध्यान से देखो क्या 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 तेरा शेडो मेरे राइट हैंड पे बन रहा है क्या देख तू इधर है मैं उधर हूँ तेरे को धूप लगी तेरा इधर बना शेडो तू उधर है तेरा राइट हैंड उधर रहेगा है। उधर से क्या तेरे राइट हैंड पे मेरा शेडो है सॉरी सॉरी हाँ वो तू था ये मैं था क्या क्या तेरा शेडो मेरे राइट हैंड पे है हाँ और तू देख भी सकता है तू विजुअलाइज कर सकता है ये चीज़ बन गया आंसर तो यहाँ पे तू किधर फेसिंग है सर मैं तो नॉर्थ फेसिंग हूँ तेरे बाल थे ना और और मैं किधर फेसिंग हूं मैं साउथ फेसिंग हूं तो इन शॉर्ट दीपक इज नॉर्थ फेसिंग एंड अमित इज साउथ फेसिंग तो क्या पूछा है यहां पे इन विच डायरेक्शन इज दीपक फेसिंग दीपक इज फेसिंग नॉर्थ समझा कि नहीं समझा सबको सिचुएशन समझी और सबको सिचुएशन समझी किसी को कोई को डाउट किसी को कोई डाउट एक क्वेश्चन चार में सॉल्व हो सकता है मैं वापस रिपीट करता हूँ ध्यान से क्विकली एक क्विक रिकैप करते हैं ध्यान से दो लोग या तो ऐसे रह सकते हैं या तो दो लोग ऐसे रह सकते हैं या तो अगर दो लोग ऐसे रह गए तो शेडो या तो ऊपर बन सकती है या तो सामने बन सकती है पर दो लोग अगर ऐसे रह गए तो या तो शेडो लेफ्ट हैंड पे बनेगा या तो शेडो राइट हैंड बनेगा डिपेंडिंग अपॉन द फेसिंग देख ऐसे भी दे सकते हैं मैं अभी भी बोल रहा हूं दीपक का शेडो अमित के राइट हैंड पे बन रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दीपक का शेडो उसके लेफ्ट हैंड पे बन रहा है तो देखना तू तू नॉर्थ फेसिंग है तो तेरे तो लेफ्ट हैंड पे तेरा शेडो बनाना तो जो शेडो है वो तेरे लेफ्ट राइट पे भी बन सकता है सामने वाले के लेफ्ट राइट पे भी बन सकता है यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली ये था लॉन्ग कट देख मैं शॉर्टकट डायरेक्टली इसके लिए नहीं समझा क्योंकि आपको पहले ये चीज समझनी जरूरी है है ना शॉर्टकट जाने का पर पहले लॉन्ग कट भी आना चाहिए कंसेप्ट आने चाहिए अब बात करते हैं शॉर्टकट की शॉर्टकट में साथ साथ में लिखूंगा और साथ साथ में एक्सप्लेन करूंगा ध्यान से देखना इधर और ये शॉर्टकट खाली यही प्रकार के क्वेश्चन के लिए है ठीक है ये प्योर शेडो के क्वेश्चन है दो तीन अटम्प से नहीं आए आई एम हाईली एक्सपेक्टिंग इन दिस अटैम्प हाईली एक्सपेक्टिंग और आ गया था मजे ही मजे ठीक है तेरे मजे ही मजे क्योंकि बीच में दो तीन अटैम्प ऐसे थे जिसमें वो लोग ने कंटिन्यूअसली पूछा फिर अभी दो तीन अटैम्प बंद कर दिया और ये प्योर शेडो के क्वेश्चन है ठीक है तो शॉर्टकट माई वी के कट शॉर्टकट का मैंने नाम रखा है सन किधर है सॉरी सन का लेफ्ट राइट देखिए शॉर्टकट का नाम है सन का लेफ्ट राइट देख ठीक है यह शॉर्टकट का नाम है सन का लेफ्ट राइट देखो अब बात करते हैं शॉर्टकट की तो सबसे पहला स्टेप डिटरमाइन करो मॉर्निंग का क्वेश्चन है कि इवनिंग का क्वेश्चन है सर इससे क्या होगा तो इससे पता चलेगा सन किधर है इससे क्या पता चलेगा सन किधर अब बात करते आगे अब बात करते आगे तो इधर पता लगा कि ये मॉर्निंग का क्वेश्चन है कि इवनिंग का क्वेश्चन है दे दिया है सर एट सनराइज, तो ये क्वेश्चन में सन किधर होगा तो सर ये क्वेश्चन में सन होगा मॉर्निंग में और ऑब्वियसली सन होगा ईस्ट में सन इन ईस्ट सबको फर्स्ट स्टेप समझा सबको फर्स्ट स्टेप समझा अब सेकेंड स्टेप पे जाते हैं सेकेंड स्टेप ही मेन है ध्यान से सुनना पर्सन का लेफ्ट इक्वल्स टू सन का लेफ्ट एंड पर्सन का राइट इक्वल्स टू सन का राइट पर्सन का लेफ्ट इक्वल टू सन का लेफ्ट एंड पर्सन का राइट इक्वल्स टू सन का राइट सर मेरे पास तो दो दो पर्सन है अरे हाँ ना आपके पास तो दो दो पर्सन है तो पर्सन कौन सा लेने का आप ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना जिसका हाथ वो पर्सन जिसका हाथ वो पर्सन जिसका शेडो वो पर्सन नहीं ठीक है एक जन का शेडो बनता है एक जन का हाथ रहता है ऐसा भी हो सकता है और एक ही जन का शेडो बन रहा है और एक ही जन का हाथ है वो भी हो सकता है मैंने बोला था ना शेडो किसी के हाथ पे भी, भी बन सकता है तेरे हाथ हाथ पे पे भी बन सकता है है तो 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 अब जिसका हाथ अब जिसका वो पर्सन पर्सन ध्यान से सुनना ऑफ दीपक इज फॉर्म मेरा नहीं है। किसका हाथ दिया हुआ है द राइट हैंड ऑफ अमित तो अमित मेरा पर्सन होगा मैं वापस रिपीट कर रहा हूं जिसका हाथ वो पर्सन तो राइट हैंड किसका दिया है अमित का तो यहां हो गया अमित अमित का राइट अपन ने क्या लिखा था पर्सन का राइट इक्व टू तो सन का राइट तो अमित का राइट इक्व टू तो सन का राइट तो सन किधर था ईस्ट में तो आपको लेना है ईस्ट का राइट तो ईस्ट का राइट हमें अब भी अब भी सिखाया था थोड़ी देर पहले ईस्ट का राइट क्या होता है साउथ तो और ये किसका हाथ था अमित का तो गेम ओवर अमित इज फेसिंग साउथ नहीं है तेरे पे भरोसा नहीं है कुछ भी ऐसा थोड़ी होता है ए तू ने इतना पहले डायग्राम से सिखाया फिर ऐसे ही एक सेकंड में आंसर दे रहा है देख लो देख लो मैजिक नो कमेंट्स नो कमेंट्स तू बराबर है तूने बराबर बोला था बीस में से बीस आएगा प्रूफ ऐसे ही करते जादू मैजिक समझा सबको तो सर तीसरा स्टेप क्या है तो तीसरा स्टेप है ना बेटा खाली चेक स्टेप है क्वेश्चन में देखो कौन पूछा है क्वेश्चन में देखो कौन पूछा है क्वेश्चन में या तो अमित हो सकता है या तो दीपक हो सकता है देख अगर अमित हुआ तो अपना काम उधर ही खत्म हो गया ना अमित इज फेसिंग साउथ पर तेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा था वेर इज दीपक फेसिंग और अपने को पता है दीपक इज ऑपोजिट ऑफ अमित तो ऑपोजिट ऑफ अमित मतलब कैन आई इसे ऑपोजिट ऑफ साउथ और ऑपोजिट ऑफ साउथ क्या होता है बेटा इट इज नथिंग बट नॉर्थ इट इज नथिंग बट नॉर्थ दीपक इज फेसिंग नॉर्थ वही तो क्वेश्चन ने पूछा था खत्म ये ओवर। आई होप सबको समझा ऑब्वियसली सर बहुत ईजी वाला दिया आपने सबसे पहले एक बार वापस देख लेते हैं हम लोग समझते शॉर्टकट का नाम क्या है सन का लेफ्ट राइट देखने का ठीक है शॉर्टकट क्या बोलते हैं सबसे पहले डिटरमाइन करके मॉर्निंग का क्वेश्चन है कि इवनिंग का क्वेश्चन है तो इससे पता चलेगा सन की तरह फिर पर्सन का लेफ्ट इक्वेस्ट टू सन का लेफ्ट पर्सन का राइट इक्वेस्ट टू सन का राइट जिसका हाथ वो पर्सन जिसका हाथ वो परसन। और क्वेश्चन में देखो कौन पूछा है क्लियर सबको क्लियर सर अब तूने बोला था तो और ये तो इतना लिखा है तूने हाँ तो अब मैजिक देखना मैजिक अब तुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखेगा करे नेक्स्ट क्वेश्चन इनो से भी फास्ट आंसर आएगा अपना है ना काम शुरू शुरू करे छः सेकंड में अपना काम खत्म हो जाएगा छः सेकंड में ध्यान देना इधर नेक्स्ट क्वेश्चन और ये मार्क गेट सेट गो वन इवनिंग तो वन इवनिंग है तो सन किधर होगा सर सन ऑब्वियसली होगा वेस्ट में डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन पर रमन शेडो नहीं एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट तो किसके लेफ्ट में शेडो बन रहा है रमन का तो रमन का लेफ्ट पर्सन का लेफ्ट तो पर्सन का लेफ्ट सन का लेफ्ट वेस्ट का लेफ्ट साउथ तो रमन फेसिंग साउथ अर्जुन फेसिंग थैंक यू समझा कि नहीं समझा किधर डायग्राम की जरूरत की दी बता मुझे जादू मैजिक सेकंड में काम खत्म अब भी बोलता हो लोग खाली इतना पड़ेगे ओ एन ईवन ईवी एन एनजींग उधर तेरा आंसर आ गया वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं सन किधर है वेस्ट में रमन चेडो बन रहा है नहीं किसका दिया है लेफ्ट मतलब रमन का ही लेफ्ट दिया तो पर्सन रमन हो गया तो रमन का लेफ्ट सन का लेफ्ट वेस्ट का लेफ्ट साउथ जून फेसिंग नॉर्थ मजा आया मजा आया ये प्योर शेडो क्वेश्चन प्योर शेडो क्वेश्चन क्लियर किसी को कोई डाउट किसी को कोई डाउट ओके ठीक है तो इसी के साथ आपका तीसरा चैप्टर भी होता है समाप्त डायरेक्शंस Now moving on to the akhri chapter that is seating arrangement. Seating arrangement. Now talking about beta seating arrangement, तो लोग जो इसका review देते हैं sir बहुत lengthy है यार answer नहीं आता है 10 दस minute तक बड़े क्वेश्चन आए दस दस बारह बारह मिनट किधर निकल जाएगा पता नहीं चलेगा तो यहाँ पे भी जैसे मैंने सारे चैप्टर्स के लिए कुछ ना कुछ तिगड़म किया है ये चैप्टर के लिए भी मेरे पास तिगड़म है ठीक है देखो बाकी के चैप्टर्स कैसे हैं सर ने ऐसे सॉल्व किया तो मेरे को भी ऐसे ही सॉल्व करना है ऑब्वियसली ब्लड रिलेशन में तू फादर बोलेगा मैं भी फादर बोलेगा तू मदर बोलेगा मैं भी मदर बोलेगा वैसे पैटर्न तो पैटर्न तो तेरे लिए भी सेम मेरे लिए भी सेम डायरेक्शन में तेरे लिए भी डायरेक्शन सेम मेरे लिए भी डायरेक्शन सेम हा ऐसा नहीं तो क्वेश्चन तू कैसे भी सॉल्व कर सकता है मैं कैसे भी सॉल्व कर सकता हूं तू पहली लाइन से सॉल्व करेगा मैं तीसरी लाइन से सॉल्व करेगा आंसर मीन द सेम तो यहां पे पहले अपन बात करते लोग यही नहीं समझते सबसे पहले अपन चर्चा करते थोड़ी अरेंजमेंट के बारे में अरेंजमेंट आप लोग ने पहले भी किधर सुना हुआ है सबसे पहली गलती लोग यही करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ा नहीं और लोग खेलना चालू कर देते नहीं क्वेश्चन को समझना जरूरी है सबसे पहले बात करते हैं अरेंजमेंट बेटा अरेंजमेंट और किधर पढ़ा है तुम लोग ने परम्यूटेशंस चार लोग चार अलग अलग बेस में बैठ सकते हैं पांच लोग तीन अलग तुम करता है ना अलग अलग परम्यूटेशंस तुमको मेरे से ज्यादा आता है नहीं तो आपको वही समझना जरूरी है सर क्या इधर भी इतने ऐसे वेज आएंगे दस वे बीस वे पचास वे सौ वे जितना भी तू सॉल्व करता है जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएगा ही आएगा पर सर मैं तो एक ही आंसर मार्क करता हूं वही तो तेरी सबसे बड़ी गलती है कितनी बार वो लोग ने एग्जाम में ऐसा किया है मैं आज आने वाले डेढ़ दो घंटे में मैं तेरे को वो भी समझा दूंगा कितनी बार एग्जाम्स में वो लोग ने ये चीज की है तुझे लगता है आंसर एक है पर आंसर एक नहीं दो दो आंसर रहते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में एक अटैम्प्ट में वो लोग ने ऐसा गेम किया था ना कि लोगों के आंसर नहीं आ रहे थे एक क्वेश्चन का बोलता है क्वेश्चन रॉन्ग है पर जबकि वो क्वेश्चन राइट right था करा होगा मैं सर्कुलर अरेंजमेंट में क्वेश्चन तो मेरे रास्ते से जाएगा तो तू तो कैसे बचेगा वरना कैसी तेरी हालत खराब हो सकती है क्योंकि इंस्टीट्यूट सीटिंग अरेंजमेंट में तो प्रॉपर मस्ती करता है लास्ट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ तो उन्होंने खाली तीन ही क्वेश्चन पूछे पर आठ आठ दस दस लोग के क्वेश्चन पूछे जहाँ पे आठ लोग दस लोग बैठे तो पहले तो ये दिमाग से ख्याल हटा दो कि एक क्वेश्चन का एक ही अरेंजमेंट रहेगा नहीं एक से ज़्यादा भी हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकता है और हो सकता है क्या होता ही है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन क्यों कैसा क्वेश्चन पूछा दूसरी बात ये कि यहाँ पे तीन तरह का क्वेश्चंस रहे आपका लीनियर अरेंजमेंट आपका सर्कुलर अरेंजमेंट और आपका पॉलीगोनल अरेंजमेंट आप लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट खत्म करो अब जो पॉलीगोनल अरेंजमेंट है ना वो सर्कुलर से ही बना सर्कुलर खत्म किया तो पॉलीगोनल भी खत्म फ्री में आता है वो तो बात करते हैं सबसे पहले लीनियर अरेंजमेंट की लीनियर अरेंजमेंट मतलब लोगों को लाइन में बिठाया आइधर रो और कॉलम सर्कुलर अरेंजमेंट में लोगों को सर्कल्स में बिठाया टेबल्स में अब जैसे ही टेबल्स के क्वेश्चंस बने ना तो लोगों ने बोला ये मेरे घर पे तो सर्कल शेप का टेबल नहीं है मेरे घर पे तो रेक्टेंगल शेप का है ट्रैंगल शेप का है पेंटागोनल शेप का है तो दैट इज़ नथिंग बट पॉलीगोनल अरेंजमेंट जब सर्कल शेप का टेबल नहीं है बाकी के टेबल्स हैं अदर न सर्कल के भी तो शेप से तो हो गया पॉलीगोनल अरेंजमेंट पर आखिर में कंसेप्ट रिमेन्स द सेम सर्कल और पॉलीगोन के खाली थोड़े वर्ड्स डिफरेंट आते हैं मेन जो ज़्यादा देखा जाता है वो है लीनियर अरेंजमेंट लोग लीनियर में ही फंसते हैं सर्कल में तो फिर भी लोग कर लेते सॉल्व जो फंसते वो लीनियर में ही फंसते तो हम लोग का ज्यादा फोकस है लीनियर अरेंजमेंट में ही रहेगा आपको थरली लीनियर अरेंजमेंट करा होगा फिर सर्कुलर और फिर पॉलीगोनल का एक आध दो क्वेश्चन अपन करेंगे, राइट और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। अब मैं वो भी खुल्लम खुल्ला बोल देता हूँ मेरे वे से जाने के तीन फायदे आपको मिलेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के मेरे वे से जाने का आपको तीन फ़ायदे मिलेंगे सबसे पहला फायदा आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा दूसरा फायदा आपका जितना भी अरेंजमेंट्स है आपको सब दिखेगा सब चाहे वो फिर गलत वाला अरेंजमेंट हो या सही वाला अरेंजमेंट हो सारी पॉसिबिलिटीज दिखेगी और तीसरा रास्ता आपका टाइम भारी मात्रा में सेव होगा जो लास्ट टाइम के तीन क्वेश्चन थे ना बेटा वो ऑन एन एवरेज अगर कोई नॉर्मल बंदा सॉल्व करने बैठता ना तो 20 से 25 मिनट चला जाता तीन क्वेश्चन के लिए खाली पर वही मेरे रास्ते से वो आंसर आपके दस से बारह मिनट में आ रहे थे समझा कि नहीं समझा जैसे कि मैंने बोला देखो अगर वो लोग एक चीज डिफिकल्ट करेंगे ना तो दूसरी चीज सामने इजी करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट में भले ही वो लोग लो ने 10 बारह मिनट 10 बारह मिनट ले लिया बच्चे लोग का पर ब्लड रिलेशन के साथ क्वेश्चन ऐसे पूछे ना कि अगर तू उसको सॉल्व करने को बैठे ना तो तीन मिनट में सॉल्व होते थे इवन तो इवन इफ यू टोटल इट आउट ट्वेल्व मिनट्स प्लस थ्री मिनट्स या फोर मिनट्स सिक्सटीन मिनट्स सिक्सटीन मिनट्स में दस क्वेश्चन बात उधर की उधर ही आ गई इंस्टीट्यूट को भी पता रहता है ये चीज़ कि एल का पेपर बच्चे लोग का आधे घंटे में सॉल्व हो जाएगा तो आधा घंटा एल के लिए अलॉट करते हैं फिर ऐसे लोग टाइम वाइफरकेट करके रखते हैं हाँ अभी थोड़े बच्चे लोग ना ऐसा बोलते यार मेरा पेपर छूट रहा है व्हाट इज़ द मेन रीजन ऑफ पेपर छूटना क्योंकि वो लोग सोचने बैठते अगर आप सोचने बैठ रहे हो मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है इफ योर कंसेप्ट आर नॉट क्लियर यू स्टक स्टक एंड स्टक अब आपको कोई भी शेडो कोई भी कितनी बार बार कुछ भी पूछेगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा आपके कंसेप्ट क्लियर है वैसे ही सिटिंग अरेंजमेंट भी अभी आपके कंसेप्ट क्लियर रहूँगा ब्लड रिलेशन के भी कंसेप्ट क्लियर है सीरीज के भी कंसेप्ट क्लियर है कोडिंग डिकोडिंग का भी क्लियर है कंसेप्ट शुड बी क्लियर क्वेश्चन अनगिनत है लॉजिकल रीजनिंग के ऐसे अगर आप देखने को जाओ क्वेश्चन ये चार चैप्टर के आई हैव मोर देन टू थाउजेंड क्वेश्चन सीरीज के खाली छ सौ सात सौ है कोडिंग डी कोडिंग के दो सौ तीन सौ प्लस है ब्लड रिलेशन के उतने डायरेक्शन पर यह जो अपन ने किया ना आप लेके बैठोगे ना तो आप वो दो हजार में से मैक्सिमम मैक्सिमम उन्नीस सौ से साढ़े उन्नीस सौ क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो जितना मैंने खाली आ, आज आपको पढ़ा है कंसेप्ट शुड बी क्लियर अब वो खुद चीज जब अब ये रिवीजन लेक्चर के बाद मैराथन लेक्चर के बाद आप खुद एल आर लेकर बैठोगे ना आप ही बोलोगे नहीं सर बात तो आपने सही की थी कॉन्फिडेंस पास्ट पेपर लेके बैठना ना चलो बस और कोई क्वेश्चन नहीं वो तो आपके इंस्टीट्यूट के ही है आज शिद्दत से साढ़े छह बजे के बाद आप खाली पास्ट पेपर्स लेके बैठो बीस में से आपको क्योंकि आपने अभी तक पूरा सब नहीं दिखा है ठीक है तो एक दो क्वेश्चन का मैं रूम निकाल भी देता हूँ अठारह मार्क आप आराम से कवर कराओ आराम से विदाउट एनी डाउट एनी डाउट पास चार अटैम्प पाँच अटैम्प के पेपर ले लो आप और आप खुद आप में चेंज आज के बाद नोटिस करोगे ठीक है पहले ये सीटिंग अरेंजमेंट खत्म करते हैं थोड़ा इसमें ट्विस्ट एंड टर्न ज़्यादा है पर आपको समझना जरूरी है तो आपका काम आसान है खाली मैं जैसा बोलता हूं वैसे कर जैसे मैंने बाकी चैप्टर्स के लिए फिल्टर लगाया ना यहां पर मैंने थोड़ा फिल्टर्स लगा दिया अब मैं वही बोल रहा हूँ आप दो तीन क्वेश्चन देख रहे हो पर मैं दो सौ तीन सौ क्वेश्चन देख रहा हूँ ठीक है तो मैं आपको जो जो भी बात बता रहा हूँ ना वो टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ सो तो बात इधर करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट की ध्यान देना इधर सबसे पहले लीनियर अरेंजमेंट बेटा लीनियर अरेंजमेंट के दो नोट है कितने नोट है सबसे पहली नोट वही बेटा लेफ्ट राइट वाली मैंने आपको डायरेक्शंस में भी बोला था मैं आपको इसको सीटिंग अरेंजमेंट के साथ कनेक्ट करके दूंगा और वो वक्त आ चुका है सपोज ये है बांडिया ये कौन है बांडिया मैं बोलता हूं डांडिया इज टू द लेफ्ट ऑफ बांडिया डांडिया इज टू द लेफ्ट ऑफ बांडिया तो डांडिया इधर ए पे रहेगा कि डांडिया इधर बी पे रहेगा अब थोड़े लोग बोलेंगे ए पे रहेगा थोड़े लोग बोलेंगे बी पे रहेगा जो स्मार्ट बच्चा रहेगा ना वो बोलेगा सर उसका मुंह किधर है समझा अरे मुंह भी तो मैटर करता है उसका कि तेरा लेफ्ट मेरा लेफ्ट नहीं तेरा राइट मेरा राइट नहीं क्योंकि अपना दोनों का मुंह अलग अलग कनेक्ट हुआ ऐसा ही कुछ हम लोग ने पहले भी तो पढ़ा था ये yes, सोर तो अब बात करते इधर तो सबसे पहले ना सुन रट्टा मरवाता हूं तुझे पॉइंट ऑफ व्यू तो हमेशा याद रखना अगर कुछ नहीं बोला है लीनियर अरेंजमेंट में कुछ नहीं बोला है सो यू शुड लेफ्ट टेक योर लेफ्ट तेरा लेफ्ट एंड तेरा राइट अगर कुछ नहीं बोला है तो तेरा लेफ्ट एंड तेरा राइट सो वेर इज योर लेफ्ट तो योर लेफ्ट इज दिस एंड वेर इज योर राइट

उस दिशा वो लेफ्ट जिधर लिखा है उधर कौन सी दिशा है तो सर उधर तो है ना उधर वेस्ट है और उधर राइट जिधर लिखा है इधर कौन सी दिशा है ईस्ट बराबर है सोच समझ कर जवाब देना कौन सा ऐसा डायरेक्शन है जिसका मैं लेफ्ट मारता हूँ तो वेस्ट आता है और कौन सा ऐसा डायरेक्शन है जिसका मैं राइट मारता हूं तो ईस्ट आता है इन शॉर्ट तेरे को वो लो लोग ने कुछ नहीं बोला तो ये बंदा किधर फेसिंग है हे ऐसा तो सर तूने डायरेक्शन में भी लिखा था कि कुछ नहीं बोला है तो बंदा किधर चलेगा नॉर्थ में तो यस अगर वो लोग ने कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में कि वो चार लोग बैठे हैं वो दस लोग बैठे तो लोग कैसे बैठे रह गए वो लोग लो नॉर्थ फेसिंग बैठे रह गए इसके लिए तूने इधर लेफ्ट लिखा इसके लिए तूने इधर राइट लिखा खत्म बात समझा कि नहीं समझा अरे समझा कि नहीं समझा समझा कि नहीं समझा सबको समझा ये चीज तेरा लेफ्ट तेरा राइट इन शॉर्ट रट्टा नहीं मारने का ये रट्टा था समझ जाने का अगर कुछ भी नहीं बुलाया तो लोग नॉर्थ फिसिंग है आई बेट तेरे को आज से पहले ये चीज नहीं पता थी ऐसे तो ऊपर से कितनी सारी चीजें थी कंसेप्ट क्लियर आज के बाद क्लियर कुछ नहीं बोला तो लोग कितने फेसिंग रहेगी नॉर्थ में तो सर क्या इधर भी ऐसा क्वेश्चन आएगा दे आर फेसिंग ईस्ट यस दे आर फेसिंग साउथ यस दे आर फेसिंग वेस्ट यस तो सबके हिसाब से लेफ्ट राइट दिखने का पर एक्चुअली मैं तेरे को बोलूँ ना तो डायरेक्शन की लीनियर अरेंजमेंट में कोई भी इज्जत नहीं है कोई भी इज्जत नहीं है डायरेक्शन की लीनियर अरेंजमेंट में कोई भी इज्जत नहीं है सपोज देखिए ये ये लेफ्ट ये राइट right में कर देता हूँ मैंने रोटेट किया है ये लेफ्ट ये राइट में कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया तेरा डायरेक्शन क्या हो गया चेंज हो गया तो डायरेक्शन तेरा वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द फेसिंग देख वापस लेफ्ट राइट चेंज ये तो है रोटेशन है ये तो डायरेक्शन है डायरेक्शन डायरेक्शन तो तू भाई तू नॉर्थ में लेफ्ट राइट ऐसा देख कि तू ईस्ट में लेफ्ट राइट ऐसा देख कि तू साउथ में लेफ्ट राइट देख बगर वो बंदा सपोज डांडिया था वो इधर लेफ्ट में है तेरे और तू नॉर्थ फेसिंग है तो अगर तू साउथ फेसिंग रहेगा ना तो भी डांडिया तेरे लेफ्ट में ही रहेगा तो ईस्ट फेसिंग रहेगा ना तो भी डांडिया तेरे लेफ्ट में रहेगा क्या वो लेफ्ट का राइट में चला जाएगा नहीं बिल्कुल नहीं अरे क्योंकि तू नॉर्थ से साउथ घूम रहा है ईस्ट घूम रहा है वेस्ट घूम रहा है तो उसका भी तो मुंह वैसे घूमेगा ना तो इसके लिए लेफ्ट राइट जो है वो रिमेन्स द सेम इन वेरेवर विच एवर डायरेक्शन यू आर पर अपन ऐसा नहीं करेंगे अपन वापस लॉजिकली सॉल्व करेगी अनलॉजिकली नहीं ठीक है इलॉजिकल तो दूर की बात है देख अब आधे लोगों तो ये भी नहीं पता रहेगा कि भाई अनलॉजिकल जैसा कोई शब्द नहीं होता है इसके लिए मैं बोल रहा हूं बार बार अनलॉजिकली लोग सॉल्व करते कैसे आंसर लाता ऐसा बोलते है ना ठीक है दूसरे क्वेश्चन में कंफ्यूज गए तो आई सम अप अपर द नोट लेफ्ट राइट मीन्स तेरा लेफ्ट तेरा राइट इन शॉर्ट कुछ नहीं बोला तो किधर फेसिंग है नॉर्थ फेसिंग है अब दूसरा नोट की बात करते हैं सेकेंड नोट तो सेकंड नोट है ना बेटा ये स्टेटमेंट्स है जो स्टेटमेंट्स आए टाइम मतलब तेरे को दो तीन क्वेश्चन में एक बार तो ऐसे स्टेटमेंट्स दिखी जाएंगे ठीक है तो ये स्टेटमेंट्स का मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं ए इज लेफ्ट ऑफ बी बट राइट ऑफ सी तो क्या बोलता है ए इज लेफ्ट ऑफ बी ए किर है बी के लेफ्ट में तो सपोज ये बी है तो बी का लेफ्ट उधर रहेगा बी के लेफ्ट में कौन है ए बट राइट ऑफ सी बट इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंड कंजंक्शन तो ए इज लेफ्ट ऑफ बी एंड राइट ऑफ सी मतलब राइट ऑफ सी कौन है ए ये दो स्टेटमेंट है ए इज लेफ्ट ऑफ बी एंड ए इज राइट ऑफ सी समझा समझा और अगर सर नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी है ना अपना

तो ए इज लेफ्ट ऑफ बी पर ए इज राइट right ऑफ सी सबको समझा सबको समझा चलो अब दूसरा स्टेटमेंट समझते हैं ए इज लेफ्ट ऑफ बी हु इज राइट ऑफ सी तो ए इज लेफ्ट ऑफ बी तो सर ये तो सेम है राइट ऑफ सी ब्लड रिलेशन में भी किया था who मतलब कॉमा जो है ना हम लोग ने क्वेश्चन देखा इन ले जे इज दर राइटर ऑफ आर जे तो ए बी के लेफ्ट में बी जो सी के राइट में बी हुईट ऑफ सी तो बी सी के राइट में तो बी सी के राइट में क्या सी इधर बैठ सकता है नहीं तो वापस सी इधर रहेगा क्या सी के राइट में बी है हाँ. सेम टू सेम सी ए सी ए गलत है सर ये गलत है ए गलत है गलत है ओके okay, तो तुम लोग बोलते रहोगे ये गलत है तो ये सही है ये देखता हूँ ये सही है एज टू द लेफ्ट ऑफ बी बी के लेफ्ट में ये है बी राइट ऑफ सी क्या सी के राइट right में बी है, है तो ये सही है पहला आला सही है कि दूसरा वाला सही है इंक पिंग की फादर हैज डॉन्ग की ऐसा सब करने का नहीं है ना आंसर बता सीधा सीधा ये सही है पहला सही है कि दोनों दूसरा सही है आधे बच्चे बोलेगे पहला सही है आधे बच्चे बोलेगे दूसरा सही है मेरा आंसर है दोनों सही है दोनों सही है देख लेफ्ट बोला है लेफ्ट मतलब कितना भी लेफ्ट हो सकता है राइट बोला है राइट मतलब कितना भी राइट हो सकता है, B, right जो है वो बी के लेफ्ट में है बी जो है सी के राइट में है मैंने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में बोला था अरेंजमेंट एक से ज्यादा अरेंजमेंट आ सकते हैं प्रूफ आपके माइंड में आप लेके बैठे हो एक ही अरेंजमेंट है नहीं एक से ज्यादा भी आ सकता है और आता है समझा कि नहीं समझा अरे समझा कि नहीं समझा किसी को कोई डाउट पक्का पर अब कंडीशन आएगी ना

कंडीशन आते गए ना तो तेरे वेस कम होते गए पर ऐसा नहीं समझ देगा कि वे थे कंडीशन आए कम हुए कम हुए कम हुए कम हुए, कम हुए, कम हुए एक बजेगा नहीं दो भी बच सकता है तीन भी बच सकता है क्लियर क्लियर किसी को कोई डाउट किसी को कोई डाउट ठीक है तो अब हम लोग करेंगे बेटा क्वेश्चंस और मैं जैसा जैसा बोलता हूँ वैसे वैसे ही तू क्वेश्चन सॉल्व करेगा ठीक है मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की है कि लोग गलती क्यों करते हैं मतलब लोग ऐसा क्या करते हैं कि इनको ये हार्ड गिरता है और फिर मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया और फिर मैंने कुछ समझा तुम लोग क्या करते हो क्वेश्चन पढ़ते हो फोर गर्ल्स आर सीटेड फॉर अ फोटोग्राफ तुम लोग इसको भावी नहीं देते सबसे पहले फोर गर्ल्स अरे आई I मीन mean, हाँ थोड़े लोग बोलेंगे फोर को ठीक है चलो फोकस गर्ल्स पे नहीं होना चाहिए फोकस फोर पे होना चाहिए चार लोग हैं सबसे पहले तो इस पर फोकस कर मतलब बेटा एक बात समझ तेरे पास बिठाने के लिए खाली चार ही प्लेसेस है एक दो तीन और चार ऐसे तेरे पास कितनी प्लेसेस है चार ना एक ज्यादा प्लेस है ना एक कम तो याद रखना जब भी तुम लोग ये टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना सबसे पहले वो जगह बना दो वो सीट बना दो तेरे पास चार ही सीटें ना कोई इधर बैठ सकता है ना कोई उधर लोग सबसे बड़े पहले बल, बड़ी गलती यही करते हैं लोग यही नहीं समझते अब कुछ ने बोला है तो लेफ्ट राइट लेफ्ट इधर राइट इधर अब बात करते हैं इधर क्वेश्चन की फोर गर्ल्स आर सीटेड फॉर अ फोटोग्राफ ठीक है सबसे पहले क्या लाइन शिका इज टू द लेफ्ट ऑफ अरीना मंजू इज टू द राइट ऑफ अरीना इज बिटवीन रीना एंड मंजू हु इज सेकंड लेफ्ट इन द फोटोग्राफ तो अब याद रखना मैं वापस कुछ बताता हूँ तुझे ध्यान देना इधर मैंने एक बेटा प्रायोरिटी लिस्ट बना दी है hey, ये तो तूने पहले भी करवाया था ऑडी वन में आज ये वो वाली नहीं है ये थोड़ी अलग है ठीक है मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है मतलब मैंने ना जब क्वेश्चन देखना चालू किया था ना थोड़े सालों पहले तो तब मैंने नोटिस किया था कि लोग है ना सेम टू सेम लाइंस रखते हैं खाली लोग नाम बदलते हैं जगह बदलते हैं तो मैंने फिल्टर्स लगाना चालू किया कि अलग अलग स्टेटमेंट्स कितने हो सकते हैं और तब मैंने देखा कि भाई ज़्यादा कुछ नहीं करते लोग है ना ज़्यादा कोई इतना खास चेंजेस नहीं करते और मैंने ये प्रायोरिटी लिस्ट बना दी कि जब भी क्वेश्चन में तू ये चीज़ देखेगा ना तो सबसे पहले इसको ही सॉल्व कर उसके पीछे भी कारण है है ना तो सबसे पहले मैंने जो नोटिस बात की ना वो मैंने फिक्स्ड पोजीशंस की क्या किया फिक्स्ड पोजीशंस अब फिक्स्ड पोजीशंस भी दो तरीके का हो सकता है ध्यान देना फिक्स्ड पोजीशंस भी दो तरीके का हो सकता है लेफ्ट एंड राइट ऐसा नहीं कैसा रहेगा ना मतलब दो वेज में दो बातों में फिक्स्ड पोजीशन बन सकता है तो वो लो लोग ना कभी कभी ऐसा दे देते हैं राजू इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम लेफ्ट तो पहला लेफ्ट और दूसरा लेफ्ट राजू इधर ही बैठेगा अगर ये क्वेश्चन दस लोग का हो पचास लोग का हो सौ लोग का हो डेढ़ सौ दो हजार दस हजार बीस हजार कितने भी लोग को तुझे बिठाना हो आखिर में उसने अगर बोल दिया कि राजू इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट राजू इधर ही बैठेगा खत्म बिठा दे उसको देख ना तूने भी फेस किया है पता है कोई ऐसा रहता है यार बहुत बहुत कचकच करता है मेरे को इधर ही बैठना है तो क्या हाँ भाई हाँ बैठ जा बस ऐसा ही अपन कुछ कर रहे हैं ऐसा ही अपन कुछ कर रहे हैं वो रो रहा है बच्चों की इधर रो रहा है मैंने, मैंने को सेकंड लेफ्ट बैठना है बिठा दे उसको पहले तेरा बहुत काम आसान हो जाएगा तेरा बहुत काम आसान हो जाएगा समझा कि नहीं समझा देख ना तू ही सोचना अगर दस हज़ार लोग भी रहे तो भी वो सेकंड फ्रॉम लेफ्ट ही बैठेगा वो बाकी के प्लेसेस पर बैठ सकता नहीं है उसको बिठा दे उधर खत्म काम गेम ओवर सोतना अगर तेरे दस लोग हैं तो दस लोग में से एक तो बैठ गया या चार लोग है चार में से एक बैठ गया मतलब पच्चीस टाका क्वेश्चन सॉल्व समझा तो सर अगर ऐसी फिक्स्ड पोजीशन वाली लाइन नहीं रहेगी तो कैसे रहेगी तो किसी बंदे के हिसाब से भी फिक्स्ड पोजीशन रह सकता है बंदे के हिसाब से फिक्स्ड पोजीशन मतलब तेरे को ऐसे देखा राजू इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सपोज गिल गिल के सेकंड राइट में राजू बैठा है तो अब सबसे पहले समझते हैं क्या गिल इधर बैठ सकता है हाँ तो उसके सेकंड राइट में राजू इधर आ जाएगा तो देख चार में से दो लोग हुए। ये पर ऐसा भी तो हो सकता है गिल इधर ही बैठा है और राजू इधर चला गया सेकंड राइट में ऐसा हो सकता है क्या गिल इधर बैठ सकता है क्या नहीं क्यों नहीं राजू को बैठने की जगह ही नहीं है खत्म गेम ओवर क्या गिल इधर बैठ सकता है नहीं राजू बैठ सकता तो गिल ना तो ये प्लेस पे बैठ सकता है ना तो ये प्लेस पे गिल खाली यही दो प्लेस पे बैठ सकता है समझा कि नहीं समझा ये तेरे को सारी पॉसिबिलिटी साथ साथ में करनी है बेटा मैं ना मेरा क्वेश्चन खाली एक ही बार पढ़ूंगा मेरे को उसको दूसरी बार पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं एक ही लाइन को हर प्लेस में बिठा के देख रहा हूँ तुम लोग यही गलती करते हो तुम लोग क्या करते हो क्वेश्चन पढ़ते हो लिखते हो नोटिस करना देख सच्चे में तो करता है दिल से हाँ बोलना तुम लोग क्या करते हो क्वेश्चन पढ़ते हो लिखते हो फिर वापस अगर उसके बीच में कोई रहा तो उसको काटते हो वापस बनाते हो फिर वापस पढ़ते हो फिर वापस काटते हो वापस बनाते हो वापस पढ़ते हो वापस, पढ़ते हो, वापस काटते हो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तू तो तेरे को इतना ऐसा लगेगा कितना गंदा है वो मैच ही कितना गंदा लिखा है मैंने और फिर लास्ट में एक बार क्रॉस कंफर्म करने के लिए वापस पूरा क्वेश्चन बिठा के देखते हो टाइम कितना वेस्ट होगा है ना तो देख मैं तेरे को वही बोल रहा हूं मैं एक लाइन एक ही बार पढ़ूंगा सबको यह समझा दूसरा फिक्स्ड पोजीशन धंधा या तो तेरे को लेफ्ट राइट से वो लोग फिक्स दे देंगे या तो ऐसे किसी बंदे के हिसाब से फिक्स देंगे तो ये क्वेश्चन में किधर भी ऐसी लाइनें नहीं है ओके अगर ऐसी लाइनें नहीं रहेगी ना देर आर हाई चांसेस वो तेरे को बिटवीन वाली लाइनें जरूर देगा डैश इज बिटवीन डैश एंड डैश डैश इज बिटवीन डैश एंड डैश देर आर टू पर्सन बिटवीन डैश एंड डैश तो इसको भूलने का नहीं इसको सॉल्व करने का पहले क्योंकि बेटा तू तो खाली ऐसा बिटवीन बी एंड सी तो तेरे तीन लोग बैठ गए ध्यान से देखना तो इधर बिटवीन लाइन है रीटा इज बिटवीन रीना एंड मंजू रीटा किधर है रीना और मंजू के बीच में तो तू ही देख क्या रीना को तू इधर बिठा पाएगा सॉरी कौन थी रीटा थी ना बीच में रीटा क्या तू तो रीटा को इधर बिठा पाएगा बता मुझे नहीं सर नहीं नहीं बिठा सकता रीटा इज बिटवीन रीना एंड मंजू अगर मैं रीटा को इधर बिठा तो एक लड़की फोटो से बाहर चली जाएगी और फिर क्या वो फोटो लेने देगी नहीं तो, तो रीटा इधर भी नहीं बैठ सकती रीटा इधर भी नहीं बैठ सकती इन शॉर्ट रीटा बीच के दो प्लेसेस में बैठ सकती है हया हाँ ना हाँ तो अब रीटा को इज्जत से बिठा तो रीटा को मैं इधर सेकंड प्लेस पे बिठाता हूँ तो रीटा इज बिटवीन रीना एंड मंजू तो रीटा इधर तो रीना इधर और मंजू इधर ना अब ध्यान सुनना जब जब बिटवीन वाली लाइन आएगी जब जब बिटवीन वाली लाइन आएगी अक्षय कुमार भी आएगा है इधर अक्षय कुमार किधर से आया समझा था समझाता जब जब बिटवीन वाली लाइन आएगी तब तब अक्षय कुमार आएगा रीटा इज बिटवीन रीना एंड मंजू तो अक्षय कुमार आ सकता ना और बोलेगा क्या आना है ना कर सकता है कि नहीं कर सकता है रीटा इज बिटवीन रीना एंड मंजू तो रीटा अभी भी इधर की इधर ही है और मंजू इधर चली गई और रीना इधर चली गई क्या ऐसा हो सकता है हाँ क्यों नहीं समझा तो बिटवीन वाली लाइन आया तो अक्षय कुमार को भूलने का नहीं करके देखने का ये तेरी दूसरी पॉसिबिलिटी हुई देख वापस बोल रहा हूँ अरेंजमेंट एक से ज्यादा वेस्ट बन सकते हैं अब ये तो हुआ खाली रीटा जब सेकंड प्लेस पे बैठी अब रीटा वैसे थर्ड प्लेस पे भी तो बैठ सकती है सपोज रीटा इधर बैठी तो रीटा इधर तो रीना इधर मंजू उधर वापस अक्षय कुमार आएगा काम धंधा ही नहीं अक्षय कुमार को रीटा इधर मंजू इधर रीना उधर खत्म ये एक ही लाइन से तेरी चार पॉसिबिलिटी पड़ी बस आज के बाद मुझे ये लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं अब चौथी बंदी बची थी कौन शिखा तो अब सब जगह पे शिखा को बिठा दे शिखा 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 बैठ जाना ना बेटा शिखा खत्म सर कुछ भी ऐसा मत कर मेरा तो कब का आंसर आ गया अरे इजी क्वेश्चन है इसके लिए जब दस लोग का क्वेश्चन रहेगा ना मैं बोल रहा हूं यही चीज तेरे को बचाएगा अब देख मेरा काम कितना आसान हो जाता है देख मैं तेरे को ना मैं आगे बताता हूं क्या मस्ती होगी तेरे साथ मैं वो बताता हूँ अब रिमेनिंग लाइन्स पढ़ना ती, तीसरा और आखिरी जो प्रायोरिटी रिमेनिंग लाइन्स फिक्स्ड पोजीशन हो गया बिटवीन वाला लाइन्स हो गया सारी पॉसिबिलिटीज आ गई रिमेनिंग लाइन्स पढ़ क्या बोलता है पढ़ शिका इज टू द लेफ्ट ऑफ रीना रीना के लेफ्ट में शिका है रीना के लेफ्ट में शिका तो देखते जा रीना क्या रीना के लेफ्ट में शिका है नहीं काटो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती क्या रीना के लेफ्ट में शिका नहीं है काटो नहीं हो सकता समझा मैं क्या कर रहा हूँ भले अब कैंसिल कैंसिल कर तू क्या करता हे रीना शिका मंजू रीटा छी 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 रीना शिका मंजू रिटा छी 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 तो इसमें तेरे को क्या भाई तेरे को इसमें क्या तकलीफ है चलो बात करते थे अब रुक जा चल सपोज मैं क्वेश्चन दे, देख दे, मैं तेरे को क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करता है वो बता रहा हूँ सपोज तेरे को यही दो लाइन दी थी रिटायज बिटवीन रीना एंड मंजू एंड तेरा क्या आ, बस क्वेश्चन खत्म हाँ शिका के लेफ्ट में रीना आ, कौन सा था हाँ द तो लेफ्ट ऑफ रीना रीना के लेफ्ट में शिका देख रहे क्या रीना के लेफ्ट में शिकाया है क्या रीना के लेफ्ट में शिकाया है भाई लेफ्ट तो कितना भी लेफ्ट हो सकता है ना इमीजिएट उसने वर्ड यूज़ किया नहीं है गेम ओवर अब मैं सपोज क्वेश्चन इधर ही एंड कर देता हूं और मैं तेरे को क्वेश्चन खुद का बना के पूछता हूं टू द हु इज टू द राइट ऑफ रीटा के राइट में कौन ऐसा मेरा क्वेश्चन है तो रीटा के राइट में कौन ए ऑप्शन मंजू बी ऑप्शन रीना सी ऑप्शन शिखा डी ऑप्शन आधर ए और बी बता बता अगर तुझे अक्षय कुमार नहीं पता तेरा आंसर आता ही नहीं तू क्या करता पता आधे लोग मंजू मार करके आते आधे लोग रीना मार करके आते और जो बाकी के लोग को क्लिक होता अरे डी ऑप्शन तो दोनों दिया है तो चल मैं एक बार चेक करता हूँ तब तू क्या करता या तो तेरा अरेंजमेंट ही आता या तो तेरा अरेंजमेंट ही आता तो या तो दो से दोनों में से अगर क्योंकि देख तू एग्जाम के प्रेशर में ऑलरेडी टाइम जा रहा है तेरू घाय में टेंशन में ना पानी पीने का भी वक्त नहीं है और तू मंजू मेरा मैं मंजू मंजू थोड़े यस रीना रीना इसी तरह एक मक आ गया नहीं तो एक मां देख के आया और जितने स्मार्ट लोगे जो साउंडेड साउंड माइंड से जो सॉल्व कर रहे ऑप्शन पड़ेगा बोला अरे यार बी भी, भी दिया है इधर ए और बी चल मैं एक बार देखता हूँ दूसरा ऑप्शन आएगा क्या और फिर वो क्या करेगा वापस क्वेश्चन पड़ेगा और फिर वापस अरेंजमेंट लाएगा जबकि ये देख मैंने तेरे को स्टार्टिंग में ही बोला था क्या मेरा रास्ता क्या मेरा रास्ता आखिरी रास्ता मैंने पहले ही बोला था टाइम बचाएगा बचा ना तू क्या करता तो दूसरा अरेंजमेंट ढूंढने को जाता अरे साथ में ही आ गया अधिक तू स्मार्ट होता तू इधर कंफ्यूज भी नहीं होता सीधा डी मार्क करके आता बोला था मैं वही बोल रहा हूँ देख इवन दो इसमें फिक्स्ड वेज नहीं है सॉल्व करने के मेरा रास्ता तेरे को बहुत काम में आएगा फिक्स्ड पोजीशंस बना दे मतलब पहले सबसे पहले लोगों जितने लोग होते हैं सीट्स बना लेफ्ट राइट मार्क कर ये सब चीज़ तेरे को याद रखनी है जगह बना लेफ्ट राइट मार्क कर अगर नॉर्थ फेसिंग है तो ठीक है अगर बाकी का फेसिंग है तो, तो पहले लेफ्ट राइट मार्क कर फिर लेफ्ट राइट मार्क करने के बाद ये भी, भी देख, नहीं है तो बिटवीन देख फिर चीज खाली लेकर कोई भी क्वेश्चन दस दस में सोल्व करते आएंगे और जो क्वेश्चन दो दो तीन तीन मिनट के, के अंदर आंसर आएंगे समझा कि नहीं समझा एग्जाम में ऐसा है लोग करते हैं भाई मैं अभी भी बोल रहा हूं करते हैं वो लोग ऐसे ओडी ऑप्शन नहीं चल तेरे को भरोसा नहीं ये देख तेरे को मैं दो तीन क्वेश्चन हूं ऐसे ये देख आ जाओ ये देखिए क्या लिखा इधर ये देखिए देख ये देखिए देख इधर देख इधर देख समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं ये तो लीनियर अरेंजमेंट था सर्कुलर में भी ऐसा हो सकता है नहीं अभी तक तो सर्कुलर में दिखा नहीं पर ऐसा सर्कुलर में किया था मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा तेरे को मैं करवाऊंगा ऐसा वो लोग ने सर्कुलर में किया था तो किधर भी कुछ भी कर सकते हो लोग तेरे सामने दो आंसर है चल तो अभी ये क्वेश्चन अपन ख़त्म करते पहले फिर आगे बात करेंगे तो ध्यान से सुनना बेटा ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं पहले तो क्या बोलता है हु इज सेकंड लेफ्ट इन द फोटोग्राफ अरे सॉरी एक और लाइन रहेगा तेरा हाँ मंजू इज टू द राइट ऑफ रीना चल अब इससे खत्म करते हैं मंजू इज टू द राइट ऑफ रीना देख अगर ये भी क्वेश्चन इधर ही एंड होता है तो हु सेकंड लेफ्ट इन द फोटोग्राफ तो वापस दो आंसर था इधर रीना और मंजू पर उन्होंने एक लाइन दिया है मंजू इज टू द राइट ऑफ रीना रीना के राइट में मंजू है क्या इधर रीना के राइट में मंजू है नहीं है तो तेरा आंसर आ गया शिखा रीना रीटा मंजू वही सेकंड लेफ्ट रीना समझा कि नहीं समझा रही सबको क्लियर है सबको क्लियर है चल तब क्वेश्चन साथ, साथ में देखेंगे अब सबसे पहले ना मैं यही क्वेश्चन लेता हूँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ बेटा ये क्वेश्चन जो है ना वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग है वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग है सब इधर आके अटकते ही अटकते हैं अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है पर वापस तेरा अगर कंसेप्ट क्लियर है तेरे को कोई नहीं रोक सकता है अब क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये वन ऑफ द कम्पिटेटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन है सी ए का नहीं था ये तो वन ऑफ द कंपीटेटिव एग्जाम्स में वो लोग ने आंसर दिया जब सोल्यूशन दिया तो लोगों ने सॉल्यूशन दिया डी अब जब ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने लिया तेरे मॉड्यूल में जब तेरी नौ लेला की मॉड्यूल बनाई उसमें भी ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है उसमें भी इंस्टीट्यूट ने आंसर डी दिया क्योंकि वो लोग कॉपी पेस्ट करते हैं सब लोग कॉपी पेस्ट करते हैं पर इसके पीछे की कहानी अलग है वो मैं कहानी क्या है मैं बताता हूँ आंसर डी नहीं है अपन सॉल्व करेंगे आंसर अलग आएगा अपना आंसर राइट है और उसके उसका प्रूफ मैं तेरे को बाद में दूंगा जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बाद में क्योंकि अपन भेड़ चाल में नहीं चलेंगे जो सब करते हैं अपन नहीं करने वाले ठीक है देख तो अगर सच्चा है ना तो इंस्टीट्यूट किधर ना किधर वो चीज देखता है कैसे देखता है इंस्टीट्यूट नहीं तो भगवान देखता है वो देखता जरूर है मैं तेरे को बताता हूं सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं 2017 से लेके जब से एल आया है 2017-18 से तब तो से लेके आज तक इतने सालों में लोग यही सॉल्यूशन रेफर करते हैं पर बहुत लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने इसका सही आंसर दे दिया है ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने इसका सही आंसर दे दिया है किधर दिया है वो मैं तेरे को एग्जैक्टली exactly नहीं बताऊंगा रफ आइडिया दूंगा फिर वो तेरा काम रहेगा तेरे को मिलता है तो देख लेना क्योंकि मैंने देख चुका हूँ मैं वो देख चुका हूँ ठीक है चल और मैं सही सॉल्यूशन ही पढ़ाऊंगा और इंस्टीट्यूट ने मेरा साथ दिया क्योंकि भगवान ने मेरा साथ दिया चल आ जा देखते इधर पढ़ते सुनना क्या लिखा है फाइव चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो तो कितने चिल्ड्रन बैठे हैं पाँच एक दो तीन चार पाँच क्या बोलता है क्वेश्चन पढ़ फटाफट एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी तो क्या बोलते हैं? एस जो है वो पी के बाजू में बैठा है पर टी के बाजू में बैठा नहीं है एस जो है वो पी के बाजू में बैठा है पर टी के बाजू में बैठा नहीं है तो अपन ने पहले बल्ट का मतलब पर किया था पर है ना तो कौन टी के बाजू में नहीं बैठा है एस ना एस टी के बाजू में बैठ सकता नहीं है बराबर है सबको बराबर है हा किसी को कोई डाउट इंग्लिश तेरा अच्छा है मैंने भी ऊपर तेरे को पढ़ाया ए सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी बट राइट ऑफ सी हाँ ना तो ए हाँ इधर नॉट ना, ना बोला है ना बोला एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू तो बी पर नॉट टी बोला है ठीक है चल के इज सिटिंग नेक्स्ट टू तो आर हु इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट फिक्स्ड पोजीशंस सो के इज सिटिंग नेक्स्ट टू तो आर के आर के बाजू में बैठा है आर हु इज सिटिंग आर जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में है तो ये तेरा लेफ्ट ये तेरा राइट हो जाएगा आर तेरा आ जाएगा इधर अब आर के बाजू में के बैठा था के उधर नहीं बैठ सकता ऑब्वियसली के इधर बैठेगा के भी हो जाएगा फिक्स क्योंकि आर फिक्स था आर हिल सकता नहीं है तो अब के भी हिल सकता नहीं है दो लोग हो गए ख़त्म अब तेरी तीसरी लाइन जो तूने ऊपर पढ़ी थी एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी क्या एस पहले दो जगह पे बैठ सकता है नहीं तो एस इधर बैठेगा अब समझ एस इधर तो पी इधर क्योंकि तो पी उधर तो नहीं बैठ सकता है अब एस थर्ड प्लेस पे और कोई वे में नहीं बैठ सकता है अब एस इधर तो पी इधर जा सकता है पहले ऐसे सिटिंग नेक्स्ट टू पी एस इधर तो पी इधर भी तो हो सकता है और आखिर में एस ये चौथी जगह पे आखिर में एस चौथी जगह में पी इधर खत्म तेरे सारे अरेंजमेंट्स आ गए तेरे सारे अरेंजमेंट्स आ गए ठीक है अब आर के तो फिक्स है ना तो आर के को बिठा देते हैं आर के बैठ जा आर के बैठ जा आर के बैठ जा आर के बैठ जा बच्चा कौन था टी ना तो टी इधर टी इधर टी इधर टी इधर अब तुझे पता था एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी एस पी के तो बाजू में पर टी के बाजू में नहीं है तो मतलब दूसरा कटा तीसरा भी कटा क्योंकि एस टी के बाजू में बराबर है अब तेरे एक और लाइन आगे दी थी एंड टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के टी के के भी बाजू में बैठा नहीं है के टी लगनी चाहिए नहीं पहले में के टी नहीं लगी देख तो आंसर क्या आ गया आर के एस पी टी ओके okay, और क्वेश्चंस क्या बोलता है हु इज और आर एडजेसेंट टू एस एडजेसेंट मतलब आजू बाजू एस के आजू बाजू में कौन है तो एस के आजू में है के बाजू में है पी आंसर है के एंड पी सर तूने तो पी एन टी बोला था मैं नहीं बोल रहा वो तेरा मॉड्यूल बोल रहा था और वो सब पागल लोग जो लो गलत सॉल्व करते हैं वो लोग बोलते हैं अब बताता हूं तो सर उनका आंसर पीएन टी आया तो उनका अरेंजमेंट क्या था मैंने तेरे को स्टार्टिंग में बोला था जितने भी अरेंजमेंट है सब मेरे में तेरे को दिख जाएंगे और तेरे को दिख सकता है आर के पी एस टी एस के आजू बाजू में कौन है पीएन टी तो लोग डी मार्क करते हैं जबकि ये गलत है क्यों गलत है क्योंकि तुझे भी पता है एस टी नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी देखना अगर तू ये अरेंजमेंट ये अपना दूसरा वाला अरेंजमेंट वो लोग का राइट अरेंजमेंट है तू भी मेरे को बता क्या ये सही है क्या ये सही है एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी समझा तो सर उन लोग ने ये आंसर क्यों मार्क किया यार ऐसा अब मैं तेरे को समझाता हूं इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज वो लोग क्या बोलते हैं एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी सॉरी एस इज सिटिंग नेक्स्ट टूपी वो लोग क्या बोलते हैं एस नेक्स्ट टू पी पी के नेक्स्ट पी के नेक्स्ट तेरे नेक्स्ट तेरे बाद में वो लोग नेक्स्ट का मतलब लेते हैं बाद में पागल लोग नेक्स्ट का मतलब इधर बाद में नहीं है नेक्स्ट का मतलब या तो आजू या तो बाजू इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज पहले ही बोला है नेक्स्ट के दो मतलब होते हैं ये भी तेरा नेक्स्ट हो सकता है अरे तेरे को थोड़ी पता है तू किधर से देख रहा है अगर तू इधर से देख रहा है तो तेरा नेक्स्ट ही हो गया इधर से देख रहा है तो तेरा नेक्स्ट ही हो गया नेक्स्ट का मतलब ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है और वो लोग क्या बोलते हैं नहीं 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 नेक्स्ट का मतलब बाद में अगर तू नेक्स्ट का मतलब बाद में ले रहा है तो फिर बट का मतलब लॉन्ग नहीं रहा है तू बट के साथ मस्ती कर रहा है पर का मतलब किधर गया फिर समझा सबको ये देख तुझे स्टार्टिंग में बोला था जितने भी पॉसिबिलिटी सब दिखेगी टाइम बचेगा कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा प्रूफ करके बता मेरा आंसर रॉन्ग है प्रूफ करके बता आर के एस पी टी रॉन्ग है देख ले देख ले एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी है ना आर इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट है ना के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड के इज ऑल्सो नॉट सिटिंग बिसाइड टी बोल किधर गलत है भेड़ चाल में मत चलो भेड़ चाल में मत चलो बहुत इंपॉर्टेंट है अब सुन भगवान ने मेरा साथ कैसे दिया वो सुन मैं अकेला था जो इसके साथ अड़ा था ये आंसर के साथ और इंस्टीट्यूट ने 2021 में मॉक टेस्ट पेपर्स दिया और मॉक टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये था अब एग्जैक्टली exactly मुझे अटेम्प्ट नहीं याद है तेरे पास चार मॉक टेस्ट पेपर्स है तू जाके देख सकता है पर यार पक्का ट्वेंटी ट्वेंटी वन सेम क्वेश्चन दिया और उसमें आंसर इंस्टीट्यूट ने ए ही मार्क किया अब देख इंस्टीट्यूट के दो मटेरियल एक मॉड्यूल और एक ये एक 2017 वाला एडिशन एक ये ट्वेंटी ट्वेंटी वन वाला ऑब्वियसली तू नया वाला फॉलो करेगा आंसर गलत है पता नहीं इंस्टीट्यूट को कैसे पता चला रेक्टिफाई किया पर किया ज़रूर हाँ एक और चीज़ बहुत लोग है ना मेरे को मैसेज करते हैं सर गूगल पे ये आंसर है तूने ये माफ करवाया भाई किसने बोला गूगल सही है गूगल पे सारे आंसर सही होते हैं गूगल भी तुम और मैं जैसे ही अपलोड करता है मैं चाहूँ तो अभी मैं आंसर डी भी दे सकता हूँ मैं आंसर सी भी जाके दे सकता हूँ गूगल है लोगों ने ऐसा कि, क, ऐसा ऐसा हवा बना दिया है hey, सर गलत है गूगल राइट है समझा वो आखिर में वो मशीन ही है हम लोग आदमी है हम लोग साउंड वे में बात कर सकते वो नहीं कर सकते और हम लोग ही वो अपलोड करते हैं समझा कि नहीं समझा सबको वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन सर अगर मैं एग्जाम में आया तो क्या मैं करूंगी ऑब्वियसली ये ऐसा सवाल पूछना भी मत क्लियर आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू चलो अब है ना एक मैं फिफ्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ क्यों मैं फिफ्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वो लोग नॉर्थ फेसिंग नहीं है यहाँ पे वो लोग ईस्ट फेसिंग है तो मैं तुझे बताना चाहता हूँ बेटा अगर आड़ी तेड़ी दिशा में वो लोग लो लो फेसिंग है आड़ी तेड़ी दिशा में तो सुनना अब एक बात को तू घाट मार के चल रहे अगर वो लोग नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग है तो तू रो वाइज अरेंजमेंट करेगा और अगर वो लोग ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग है तो तू कॉलम वाइज अरेंजमेंट करेगा इवन दो लोग ने नहीं बोला देख वापस मैं बोलता हूँ आंसर से मतलब है तू कैसे सॉल्व करता है उससे मतलब नहीं है ठीक है और मैं जो ये तेरे को बता रहा हूँ इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये देखने में और सॉल्व करने में अच्छा लगता है कॉलम में जब ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग होता है है ना तो अपन इधर बात करते हैं फाइव बॉयज़ आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट तो अपन पांच लोग को खड़े करते हैं फेसिंग ईस्ट में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा अब वो लोग फेसिंग ईस्ट है ना तो अब सबसे पहले लेफ्ट राइट मार्क कर ले ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ तो ऊपर रहेगा लेफ्ट ईस्ट का राइट साउथ तो नीचे रहेगा राइट सबसे पहले तेरा काम यही रहेगा अब जैसे तूने किया था वैसे ही कर जैसे तूने किया था वैसे ही कर मतलब फिक्स्ड पोजिशन बिटवीन वाला लाइन रिमेनिंग लाइन पढ़ता है क्वेश्चन पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन विपिन चवन तवन विपिन चवन आर टू द लेफ्ट ऑफ नकुल चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हाउ पार इज तवन फ्रॉम द राइट सर फिक्स्ड पोजिशन दिखी दिखी इफ विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट बिठा दे विपिन को तो लेफ्ट ऊपर है ऊपर से चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा विपिन बैठेगा इधर सर फिक्स्ड पोजीशन भी है चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन चवन तवन और विपिन के बीच में क्या चवन नीचे बैठ सकता है नहीं तो चवन ऊपर बैठेगा चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन सर अक्षय कुमार अक्षय कुमार बिटवीन नहीं आएगा देख मैंने प्रायोरिटी लिस्ट भी बहुत दिमाग से बनाई है अरे अगर तू अक्षय कुमार को लाता है मतलब तवन विपिन कोष्ट करता है तो फिर फिक्स्ड पोजीशन हिल जाएगी ना समझा तो देख मैंने कितना मेहनत से कितना दिमाग से वो चीज बनाया है क्यों मैंने बिटवीन वाली लाइन को पहले नहीं लिखा यही कारण था समझा अरे समझा अगर इधर फ़िक्स्ड पोजिशन नहीं दी रहती ना पोसा दो तो स्वैप कर सकता है पर इधर फ़िक्स्ड पोजिशन दे दी वीपीएन उधर से हिलेगा ही, ही नहीं अब इधर तो अक्षय कुमार भी आएगा नहीं इवन दो बिटवीन वाला लाइन ला।

तो वन कौन सी प्लेस पे फर्स्ट सेकंड, थर्ड इज फोर्थ फ्रॉम द राइट क्लियर सबको क्लियर किसी को कोई डाउट किसी को कोई डाउट ठीक है चलो अब है ना बेटा एक बड़ा वाला क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे आठ दस लोग हैं ठीक है आठ या नौ लोग हैं वैसा क्वेश्चन करते हैं ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर नाइन्थ ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्या बोलता है 8 a B ए बी सी डी ई एफ जी are एच आर स्टैंडिंग इन आर सिटिंग इन लाइन तो आठ लोगे एक लाइन में सबसे पहले सर मैं बिठा देता हूं सब लोगों को एक दो तीन चार पांच छः सात आठ ये लेफ्ट ये राइट वो आगे क्या बोलता है इज सेकेंड राइट टू डी पहले पढ़ ई e कि कोई बैठा है तो डी का पहला राइट right, डी का दूसरा राइट right. और डी के चौथे लेफ्ट में एक लेफ्ट दो लेफ्ट तीन लेफ्ट चार लेफ्ट को तो बैठा है तो थोड़ा दिन मग लगा दो इधर चार इधर छे और तू खुद एक साथ ना तो मेरे को बता तू डी क्या डी अब इज्जत से उसको बिठाना चालू कर देख डी अकेला नहीं बैठ रहा है डी के साथ दो लोग बैठ रहे हैं लेफ्ट में भी बैठ रहा है राइट में भी बैठ रहा है क्या डी इधर बैठ सकता है नहीं 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 क्या डी इधर बैठ सकता है हाँ पहला दूसरा तीसरा चौथे पे कौन है उसके एच पहला दूसरा ई अब इसी को आगे और थोड़ा पढ़ क्या डी इधर बैठा क्या डी बाजू में बैठ सकता है इधर हाँ डी इधर इधर बैठा पहला राइट दूसरा राइट ई एक लेफ्ट दो लेफ्ट तीन लेफ्ट चार लेफ्ट एच ए खत्म गेम ओवर खत्म अब ना डी इधर बैठ सकता है क्योंकि ई नहीं बैठ पाएगा ना डी इधर बैठ सकता है तो डी के पास बैठने की कितनी जगह है खाली दो ही जगह है और तेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है अभी दो ही पॉसिबिलिटीज है साथ साथ में पॉसिबिलिटीज को इवेल्युएट करना सीख समझा समझा ओके okay. अब आगे पढ़ना चालू कर सी एन एफ आर इमीजिएट ने ना अपने पास सी एन आर एफ है अब देख सी एन एफ आर इमीजिएट ने तो सी एफ है तो एफ सी भी तो हो सकता है ना है ना सी एफ है तो एफ सी भी हो सकता है ये मैं डांस नहीं कर रहा हूँ तेरे को समझा रहा हूँ चल बट सी इज नॉट एन इमीजिएट ने ऑफ ए पर सी ए के बाजू में बैठा नहीं है जी इज नॉट इन नेबर ऑफ ई बोलता है ई e के बाजू में जी चलेगा नहीं तो अपने पास ई e था तो ई e के ये बाजू भी जी नहीं बैठ सकता ये बाजू भी जी नहीं बैठ सकता और नीचे भी दिख ले ई e के ये बाजू जी बैठ सकता उधर तो बैठने की जगह ही नहीं समझा चलो नेक्स्ट ओनली टू पर्सन सीट बिटवीन ए एंड ई बोलता है ए और ई e के बीच में खाली दो लोग बैठ सकते हैं अब देख ई e के राइट में तो ये e बैठ सकता नहीं है कि तो भाई एक ही बंदा है या तो कोई नहीं है तो ऑब्वियसली ई e के लेफ्ट में ये रहेगा पहला बंदा दूसरा बंदा और ए e इधर पहला बंदा दूसरा बंदा और ए e इधर अब बस क्वेश्चन खत्म क्या बोलते हैं सी एन एफ आर इमीजिएट ने तो सी एन एफ है तो एफ एन सी भी हो सकता है सी एन एफ है तो एफ एन सी भी हो सकता है बट तेरे को बोला था देख अभी चार पॉसिबिलिटी हो गई दो की चार हुई एच सी एफ ए भी हो सकता है एच एफ सी ए भी हो सकता है पर वो क्या बोलता है कि सी इज़ नॉट एन इमीजिएट ए सी इज़ नॉट एन इमीजिएट ए खत्म वापस दो ही पॉसिबिलिटी बची समझा कि नहीं समझा अरे समझा कि नहीं समझा अब बात करते हैं आगे तेरे पास दो ही बंदे बच्चे एक है बी दूसरा है जी एक है बी दूसरा है जी तो ऑब्वियसली अगर तू फर्स्ट सिचुएशन की बात करें तो जी ना इधर बैठ सकता है ना इधर बैठ सकता है क्या जी को बैठने की जगह है नहीं खत्म फर्स्ट पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी योर आंसर तो जी अगर इधर नहीं बैठा तो जी इधर बैठ जाएगा और बी बचा इधर वो इधर बैठ जाएगा अरेंजमेंट आ गया जी एच सी एफ ए डी बी डिस्कशन मैंने चालू किया था टू हाँ डिस्कशन मैंने चालू किया था एग्जैक्टली exactly तीन मिनट हुए डिस्कस करते हुए टू तो नहीं थ्री मिनट हुए एग्जैक्ट तीन मिनट में डिस्कशन करके मैंने तेरे को इसका आंसर दिया तू सोच सकता है अगर तू ये चीज खुद से करता है यही पेज पे तो कितना टाइम में आंसर आता धड़ाधड़ धड़ाधड़ आठ लोग बनाए धड़ाधड़ धड़ाधड़ सोचा ये इसके लेफ्ट में इसके राइट में चीजों को सोचो समझो और सॉल्व करो तो आंसर जल्दी आएगा खाली लिख मत अब थोड़े लोग क्या करते हैं पता है ई सीट सेकेंड राइट ऑफ डी अच्छा इधर डी है इधर ई e है और एक जगह छोड़ देते हैं फोर्थ लेफ्ट है एक दो तीन चार इधर एच है फिर सी एन एफ आर इमीजिएट ने बस और बैठ जाते हैं ये क्या हो रहा है ए और ई के बीच में चार लोग ए इधर लिख देते हैं फिर अटक जाते अब मैं क्या करूं अब मैं क्या करूं उसको पता ही नहीं है कि इसके बीच में तीन लोग हैं दो लोग इधर कौन है इधर कोई है कि नहीं है इधर कोई है कि नहीं है देख ये देख मैंने जो जो भी तेरे को मैं बातें बोली मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूं मैं तेरे को बहुत हेल्प करेगी सबसे पहले जितनी जगह उतनी जगह बना दे लेफ्ट राइट मार्क कर ईस्ट वेस्ट है तो कॉलम मेकर है ना फिर फिक्स्ड पोजीशन बिटवीन अक्षय कुमार खत्म बहुत हेल्प करेगा तुझे क्या बोलता है द पर्सन ऑन द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इसको एक्सट्रीम्स भी बोलते हैं एंड भी बोलते हैं कौन है जी एंड ई क्लियर आई होप लीनियर अरेंजमेंट तेरे को अब क्लियर है पहले से ज्यादा क्लियर सो दिस वॉज लीनियर अरेंजमेंट बेटा ठीक है अब अपन बात करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट की सर्कुलर अरेंजमेंट किया तो साथ साथ में पॉलीगोनल भी फ्री में आता है तो देख सर्कल में ना दो चीजें समझनी जरूरी है इसका थियरी खाली बस इतना ही है याद तो तुम लोग सर्कल को देख सकते हो फेसिंग द सेंटर रहोगे या तो तुम लोग सेंटर में नहीं देखते रहोगे नॉट फेसिंग द सेंटर रहोगे फेसिंग द सेंटर एंड नॉट फेसिंग द सेंटर सो सबसे पहले बात करते हैं फेसिंग द सेंटर की सपोज ये ए ये बी ये सी ये डी तो ए के लेफ्ट में कौन है बी है ना ए के राइट में कौन है डी बी के लेफ्ट में कौन है सी बी के राइट में कौन है ए सी के लेफ्ट में कौन है डी सी के राइट में कौन है बी डी के राइट में कौन है सी डी के लेफ्ट में कौन है ए तो तू ये क्या कर रहा है तो वो खुद वो बंदा बन रहा है और लेफ्ट राइट म करना है बस इधर तेरे को वही करना है पॉइंट ऑफ व्यू वापस तेरा तेरा लेफ्ट तेरा राइट अरे तू टेबल में वो प्लेस में बैठा है वैसा सॉल्व कर तेरा काम हो गया अब इधर बात करते ए, बी, सी, डी। अब सोच समझ कर जवाब देना सोच समझ कर जवाब देना सी के राइट में कौन है सी के राइट में कौन है सर, डी डी के राइट में कौन है ए ए के राइट में बी बी के राइट में सी सी के राइट में डी डी के राइट में ए के राइट में बी किधर तो दिखा हुआ है नहीं समझा अब वापस देख वापस देख सी के लेफ्ट में बी बी के लेफ्ट में ए ए के लेफ्ट में डी के लेफ्ट में सी के लेफ्ट में B, के लेफ्ट में ए भी किधर देखा हुआ है ऐसा मतलब क्लॉक ऐसा मतलब आंटी क्लॉक तो डायरेक्शन हाँ तो तू तो देख सकता है भाई सी किधर देख, कि देख रहा है नॉर्थ में डी किधर देख रहा है ईस्ट में ए साउथ में बी खुद देख सकता है तो यहाँ पे point of view किसका लेने का तो यहाँ पे बेटा लेने का राइट एंड एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा तो लेफ्ट मतलब यहाँ पे राइट right, लेफ्ट कैसे लेने का एस पर क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज सपोज तेरे को बोले ए इज राइट ऑफ बी व्हेन नॉट फेसिंग द सेंटर ए इज राइट ऑफ बी तो बी का राइट right, मतलब बी के क्लॉकवाइज में ये बैठेगा ऐसा समझा या ए इज लेफ्ट ऑफ बी तो ए के एंटी क्लॉक में बी बैठेगा बी के एंटी क्लॉक में यही बैठेगा बेटा तुम लोग को है ना मेजोरिटी अगर कुछ नहीं बोला है ना तो फेसिंग द सेंटर रहेगा एंड मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन फेसिंग द सेंटर के ये क्योंकि ये जो पार्ट है ना नॉट फेसिंग द सेंटर का वो लोग ने ऑलरेडी डायरेक्शन में कवर कर लिया है देख मैंने तभी भी बोला था तुझे जब डायरेक्शन कर रहे थे डायरेक्शन सिटिंग अरेंजमेंट कनेक्टेड है 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 और है क्लियर समझा मैं क्या बोला समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक है अब इसका भी जो बेटा क्वेश्चन है ना मैं तेरे को समझा देता हूँ सबसे पहले हम लोग ये मस्त सिक्स थर्ड यही करेंगे यही क्वेश्चन करेंगे और मैं तेरे को बताता हूँ कि एग्जाम में वो लोग ने क्या किया था जून ट्वेंटी टू के पेपर में तेरे साथ वो तो कैसे स्कैम करता है और अगर तू मेरे साथ नहीं होता तो तेरी क्या हालत होती ठीक है ध्यान से देखना इधर बात इधर करते हैं सबसे पहले तुम लोग ऑब्जियसली सर्कल बनाओगे विदाउट एनी डाउट जितने भी लोगों को बिठाओगे ना तुम लोग उन लोगों को इक्वी डिस्टेंट बिठाओगे कैसे बिठाओगे इक्वी डिस्टेंट अब ये एरो भी करने का दिस एरो इंडिकेट्स यू आर फेसिंग द सर्कल ठीक है इक्वी डिस्टेंट मतलब इक्वल स्पेसिस अब मैं जो पहले बंदे को बैठा होगा ना वो हो, इधर ही बैठा होगा सेंटर में देख ये सर्कल है तू तो किसी को किधर भी बिठा सकता है अरे क्योंकि इसमें कोई एंड रहते नहीं अब तू ही किधर शादी में जाता है तो तू किधर भी जाके बैठ सकता है ना पहले सो पर मैं ना मैं बंदे को सेंटर में ही बिठाऊंगा क्योंकि लेफ्ट राइट देखना ईजी हो जाएगा ठीक है तो मैं ना क्वेश्चन पढ़ना चालू करता हूँ सिक्स पर्सनस आर सिटिंग इन अ फेसिंग सेंटर ऑफ द सर्कल पारिक इज बिटवीन बबीता एंड नरेंद्र देख अब यहाँ पे अगर मैं तेरे को बात करूँ ना तो फिक्स्ड पोजिशन डायरेक्टली नहीं आती सेकंड लेफ्ट थर्ड राइट किसी बंदे के हिसाब से फिक्स्ड पोजिशन आ सकती है जैसे पारिक इज थर्ड राइट ऑफ बबीता तो बबीता इधर और पारिक उसके थर्ड राइट right में तो बबीता इधर है तो राइट इधर चला जाएगा पहला राइट दूसरा राइट तीसरा राइट पारिक इधर ऊपर आ जाएगा किसी पर्सन के हिसाब से फिक्स्ड पोजीशन हो सकती है ठीक है पर डायरेक्टली फिक्स्ड पोजीशन होगी नहीं अब मैं बंदे को सबसे पहले बंदे को इधर इधर ही क्यों बिठाऊंगा क्योंकि लेफ्ट राइड right देखना इजी हो जाएगा ठीक है तू किधर भी बिठा सकता है आंसर रिमेंस द सेम अब बात करते हैं इधर सबसे पहले तो यहाँ पे अगर फिक्स्ड पोजीशन ऐसी नहीं रही तो बिटवीन वाली लाइन आएगी तो ऑब्वियसली अगर तू फिक्स पोजिशन और, और एक और एक और बात समझ लेना फिक्स पोजिशन में बबीता के साथ पारिक भी बैठ रहा है

आएगा ना ऐसे भी तो सकते हैं पारी किधर का इधर है नरेंद्र इधर बबीता इधर पर तू है ना तू मेरे साथ पढ़ा नहीं आज से पहले तू अक्षय कुमार पढ़ा नहीं था ठीक है अब मैं एग्जाम में क्या किया ना? तो तेरे को मैं वो बताता हूँ ये क्वेश्चन और एग्जाम का और जून ट्वेंटी टू का क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम था ध्यान से देखना तो तूने मेरे साथ पढ़ा नहीं है तेरे को अक्षय कुमार पता नहीं है तू सॉल्व कर रहा है आगे लिखा है आशा इज बिटवीन चित्रा एंड पंकज तो ऑब्वियसली आशा इधर नहीं बैठ सकती आशा इधर नहीं बैठ सकती किसी दो बंदे के बीच में बैठी है तो आशा चली जाएगी इधर आशा हो गई फिक्स आशा इज बिटवीन चित्रा एंड पंकज तो ऐसे लिख देगा चित्रा इधर पंकज इधर और फिर तो है ना आगे मत पढ़ना उधर क्वेश्चन में ऐसी लाइन दी थी चित्रा इज ऑपोजिट ऑफ बबीता चित्रा किधर है बबीता के ऑपोजिट है तो तू क्या करेगा अरे 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 छी 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 ची ची अरे चित्रा है ना इधर चली जाएगी और तू कैंसिल करेगा चित्रा इधर लिखेगा और पंकज इधर लिख देगा ये मेरा आंसर आ गया सर कुछ भी बोलता है कितना इजी था ये तो ओके अब तूने क्वेश्चन नंबर वन पढ़ा चार क्वेश्चन दिए थे वो, लोग ने? वो वो अटैप में इसी इसी क्वेश्चन से चार क्वेश्चन दिए थे क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फोर तूने कुछ क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर था सपोज़ आशा और तूने आशा ए ऑप्शन मार्क कर दिया फिर तूने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा हु इज इज़ लेफ्ट ऑफ बबीता हु इज लेफ्ट ऑफ बबीता बबीता के लेफ्ट में कौन है तो तेरा आंसर क्या आया पंकज हाँ ना तेरा आंसर क्या आया पंकज और तू ए ऑप्शन में देख रहा है पंकज नहीं है बी ऑप्शन में देख रहा है पंकज नहीं है सी ऑप्शन में देख रहा है पंकज नहीं है डी ऑप्शन में दिख रहा है पंकज ही नहीं पंकज का उलोग ने नाम ही नहीं दिया था जून ट्वेंटी टू पंकज का उलोग ने नाम ही नहीं दिया था वापस तो क्वेश्चन पड़ेगा अरे ऐसा ऐसा पारिक किस बिटवीन बबीता एंड नरेंद्र आशा इज बिटवीन चित्रा एंड पंकज चित्रा इज ऑपोजिट ऑफ बबीता एकदम सही है एकदम सही है वापस तो क्वेश्चन पड़ेगा वापस ऑप्शन नहीं वापस क्वेश्चन देखेगा टाइम वेस्ट तो बोलेगा तो गलत है ये इंस्टीट्यूट को कुछ आता ही नहीं है हर बार प्रिंटिंग मिस्टेक करता है छी नहीं आता इन चिट्ठ को मैं थर्ड क्वेश्चन बताऊँ थर्ड क्वेश्चन का तेरा आंसर आया नरेंद्र सपोज ऑप्शन बी फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आया आशा ऑप्शन ए वापस वापस आशा आया और तू बार आके बोलता है हे, हे, हे तेरे को पता है वो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था ना उसमें ना गलत था सेकंड क्वेश्चन उसमें क्या था मिस्टेक था ना ऑप्शन ए में पंकज था ना ऑप्शन बी में पंकज था ना ऑप्शन सी में पंकज था ना ऑप्शन डी में पंकज था और वो तेरा दोस्त या तेरी दोस्त तुझे बोलते अरे पर आंसर सी फॉर चित्रा था आंसर सी फॉर चित्रा था मैंने खुद सॉल्व किया था और हो गया तेरे साथ स्कैम और फिर तुझे, ए, क्या कुछ भी बोलते मेरे को बाकी का आंसर बता तो बाकी का आंसर तो पहले पहले का आंसर है ना आया था पंकज ऑप्शन बी दूसरे का आंसर आया था ऑप्शन सी तीसरे का आंसर सपोज था पारिक ऑप्शन डी एंड चौथे का आंसर था चित्रा ऑप्शन बी हो गया स्कैम हो गया स्कैम तुझे लगा था तूने फर्स्ट मार्क किया, ती मार्क किया, मार्क किया तीन मार्क किया फोर मार्क किया यस तीन 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 मार्क 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 मिल गए तू पॉजिटिव के जगह पे नेगेटिव मार्क लेके आए फर्स्ट भी गलत है नसीब चल तूने सेकंड सेकेंड मार्क नहीं किया और उसने तेरे साथ किया स्कैम क्वेश्चन था बबीता के लेफ्ट में कौन है पंकज तो तू किया स्कैम उल्टा भी तो हो सकता है अब ध्यान से देखना ध्यान से देखना ध्यान से देखना अब तूने मेरे साथ पढ़ाई की थी तेरे को पता है पारिक इज बिटवीन बबीता एंड नरेंद्र पर अक्षय को आ सकता है मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ सपोज ब्लू कलर यूज कर रहा ब्लू कलर देखना पारिक इधर का इधर ही है तो नरेंद्र इधर बबीता इधर और बबीता के सामने चित्रा थी तो सपोज ये रेड वाली बबीता चित्रा तो बराबर है अब मैं ब्लू वाली बबीता के सामने चित्रा इधर भी तो हो सकती है ना रे तो चित्रा इधर तो पंकज उधर और अभी भी आशा इज बिटवीन चित्रा एंड पंकज अब तूने लाइन पढ़ी बबीता इज बिटवीन एंड बबीता इज ऑपोजिट ऑफ चित्रा बबीता क्वेश्चन खत्म अब तूने क्वेश्चन पढ़ना चालू किया तो उसने क्या किया था ना उसने एक पॉसिबिलिटी से नहीं जो एक अरेंजमेंट था उससे नहीं दूसरे अरेंजमेंट से तो क्वेश्चन आ, आ जाएगी चारों के चार सही आ जाएगी उन लोगों को अरेंजमेंट मिला तुझे अरेंजमेंट नहीं मिला पहले ही बोला था एक क्वेश्चन का एक अरेंजमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है अब तू अगर मेरे साथ होता तो हु इज लेफ्ट अगर तेरे को अगर तेरे को पंकज ऑप्शन में नहीं दिखता तेरे को बबीता के लेफ्ट में पारिक दिखता और तू तो पारिक मार्क करके आता तो ऐसा नहीं बोलता इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है और तेरे बाकी के सारे भी सही आते इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट तेरे यही एक्सपेक्ट करता है तेरे कंसेप्ट क्लियर हो अब अगर तू मेरे साथ होता तो तेरे को पता है ये भाई ये आंसर नहीं तो ये आंसर है स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में मैंने तेरे को बोल दिया था स्टार्टिंग ऑफ द सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने तेरे को बोल दिया था मेरे रास्ते से जाएगा कभी आंसर गलत नहीं आएगा टाइम बचेगा जितनी पॉसिबिलिटीज है सारी दिखेगी समझा समझा अब चल आगे का पार्ट अपन खत्म करते हैं इसका इसमें क्वेश्चन ने में कुछ और पूछा है चित्रा इज इमीजिएट लेफ्ट ऑफ बबीता बबीता के इमीजिएट लेफ्ट में चित्रा है अब तू ही मेरे को बता सपोज ये ब्लू वाली बबीता जी है तो क्या बबीता के लेफ्ट में चित्रा है नहीं तो बबीता इधर नहीं तो बबीता इधर नरेंद्र इधर नहीं तो नरेंद्र इधर और बबीता के लेफ्ट में चित्रा है तो ब्लू वाली चित्रा आ जाएगी ये भी हटेगा और पंकज आ जाएगा इधर ये भी हटेगा खत्म आंसर इज पारिक बबीता चित्रा आशा पंकज नरेंद्र इज़ राइट ऑफ़ बबीता बबीता के राइट में कौन है बबीता के राइट में है समझा सबको क्वेश्चन क्वेश्चन समझा किसी को कोई डाउट क्लियर चलो आ जाओ अब एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं सर्कुलर का ध्यान से देखना फाइव परसेंट आर सिटिंग फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल देख कितना फटाफट आंसर आता है तेरा इसका तो पांच लोग हैं दो तीन तीन चार और पांच ठीक है क्या बोलता है क्वेश्चन प्रमोदित सिटिंग टू द राइट ऑफ राजन राजू सिटिंग बिटवीन ब्रिजेश एंड नवीन तो अपने बिटवीन लाइन से चालू करना है राजू को बिठाता हूं इधर बोलता है राजू किसके बीच में राजू को कर देता हूँ फिक्स ब्रिजेश एंड नवीन तो ब्रिजेश इधर तो नवीन इधर उल्टा भी तो हो सकता है ब्रिजेश इधर तो नवीन इधर अब क्या बोलता है राजू इज लेफ्ट ऑफ ब्रिजेश तो राजू की तरह ब्रिजेश के लेफ्ट में तो देख ब्रिजेश अगर इधर उधर बैठा तो उसका लेफ्ट ऊपर चला जाएगा क्या उसके लेफ्ट में राजू है नहीं तो ब्रिजेश किधर बैठेगा इधर तो नवीन किधर बैठेगा इधर अब देख ले क्या ब्रिजेश के लेफ्ट में राजू है हाँ आगे क्या बोलता है प्रमोद इज सिटिंग टू द राइट ऑफ राजन अपने पास दोनों नहीं है राजन इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ब्रिजेश के राइट में राजन तो ब्रिजेश के राइट में राजन है और एक और लाइन थी अपने पास राजन के राइट में भी कौन है प्रमोद प्रमोद बैठ गया इधर क्या बोलता है क्वेश्चन हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ नवीन नवीन के लेफ्ट में कौन है नवीन के लेफ्ट में तो नवीन के लेफ्ट में कौन है इसी किसी? किसी को कोई डाउट किसी को कोई डाउट ठीक है तो ये था बेटा आपका सर्कुलर अरेंजमेंट अब पॉलीगोनल अरेंजमेंट तो मैं क्या कर रहा हूँ ना लोगों को है ना सबसे पहले इवन दो सी ए फाउंडेशन दे रहे पॉलीगॉन का मीनिंग ही नहीं पता रहता है है ना वो ऑनलाइन वाले रहेंगे आधे से ज़्यादा तो नहीं चलो देखते हैं पॉलीगोनल अरेंजमेंट थ्योरी रिमेंस द सेम है इसकी आ, मैं खाली ये तेरे को एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ पॉलीगॉन का मतलब क्या है और उसके शेप्स कैसे दिखते हैं पॉलीगोनल अरेंजमेंट मतलब सबसे पहले फिगर हैविंग एट लीस्ट 3 साइड्स क्लोज्ड फिगर बोल तो भी चलेगा क्लोज्ड फिगर हैविंग एट लीस्ट 3 साइड्स अब मैं क्या करने वाला हूं सबसे पहले मैं तुम लोग को वो फिगर के साइड्स लिखा दूंगा नंबर ऑफ साइड्स वो फिगर का नाम और वो फिगर का डायग्राम वो दिखता कैसा है ठीक है तो सबसे पहले तीन साइड वाला फिगर जो तेरी जिंदगी में भी एग्जिस्ट करता रहेगा ट्रायंगल सर इतना भी सच नहीं बोलना था इमोशनल डैमेज चलो अच्छा और ये दिखता कैसा है नाचोस जैसा है, चिप्स डोरिटोस, फिर चार साइड वाला फिगर क्वाड्रिलेट्रल्स, इसमें सब आ गया स्क्वायर, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम्स काइट्स रोमबस सब आ गया सब सब अब देख अगर उसको आठ लोगों को बिठाना ना तो आठ लोगों को इसमें भी बिठा सकता है अब वो आठ लोगों को कैसे बिठाएगा देख उसने तो वो ट्रायंगल में भी छह लोगों को बिठा सकता है मिड पॉइंट्स पे भी बिठाएगा कॉर्नर्स पे भी बिठाएगा ठीक है तो वो चीज़ का तो ध्यान रखेगा अब वैसे ही क्वार्रीलेटल्स में भी रेक्टेंगल स्क्वायर्स में भी वो ऐसे क्वेश्चन रहते अपन करने वाले वो चार लोगों को मिड पॉइंट पे बिठाएगा चार लोगों को कॉर्नर्स पे बिठाएगा ठीक है तो ध्यान रखना पांच साइड वाला पैंटागॉन अब मैं नाम क्यों बोल रहा हूँ तेरे को पता क्योंकि कभी कभी ऐसा देखते हैं फा, फाइव नहीं देते पीपल आर सिटिंग इन अ पेंटागोनल शिप तो तेरे को समझ में आना चाहिए अच्छा पाँच लोग बैठे वैसा तो फिर पेंटागॉन कैसे दिखता है पेंट हाउस सुना है पेंट हाउस घर 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 हाँ बस घर के जैसे दिखता है पाँच साइड फिर आता है छठा हेक्सागॉन हेक्सागॉन कैसे दिखता है ऊपर से भी घर दिखता है नीचे से भी घर दिखता है फिर आता है साइड साठ साइड सेप्टागॉन या हेप्टागॉन ये कैसा दिखता है ऊपर से घर के जैसे दिखता है नीचे से बोट के जैसा हाउस बोट सात साइड और फिर आठ साइड तक ही अपने को याद रखना है वो है ऑक्टागोन और तू मेरा पोकी मोन आ जाओ बल बस और मैं तुम्हें तो चुनता हूँ है ना देखते थे ना बचपन में आ जाओ पर अभी इधर ये कर अभी सी फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है ना वरना खत्म हो जाएगा वो और हार जाएगी अपन इधर देख बात करते इधर ऑक्टागोन की तो ये सात साइड वाला मैंने बोला था हाउस बोट है ना ऊपर से घर नीचे से बोट और ये ऑक्टागोन रहेगा ऊपर से भी बोट नीचे से भी बोट ठीक है तो ये हो गया आपके सारे के सारे पॉलीगॉन हाँ आगे नौ भी है दस भी है पर अपने को उतना नहीं आने वाला है ठीक है चलो अब ध्यान से सुनना ये तेरे हो गए शेप्स ठीक है अब वहाँ पे भी कंसेप्ट द वापस से मैं जैसे बोला फेसिंग द सेंटर नॉट फेसिंग द सेंटर कुछ नया नहीं, नहीं है देख अगर मैं रहता ना मैं स्मार्ट रहता ना तो यहाँ पर अपने को किधर भी डायग्राम से सॉल्व नहीं करने का है मैं ना सर्कल में ही आठ लोगों को बिठा देता पर हाँ एक जगह पे अटक सकता है दैट इज़ वर्ड्स यहां पे तेरे को वर्ड्स मिलेंगे डायगोनल्स, जो सर्कल को होते नहीं है ठीक है तो इससे अच्छा है तू तो इसी से जाना मस्ती करने का नहीं है गोली बेटा मस्ती नहीं आना? है ना बात इधर करते आ जाओ तो इसका क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है फोर बॉयज एंड फोर गर्ल्स आर सिटिंग अराउंड स्क्वेयर फेसिंग सेंटर इधर भी कुछ नहीं बोला तो सेंटर फेसिंग वन परसेंटिंग एट कॉर्नर एंड वन परसेंट द मिड पॉइंट ठीक है तो आ जाओ करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ध्यान सुनना क्या बोलता है मधु इज सिटिंग डायगनली ऑपोजिट टू उषा मधु किधर है डायगनली ऑपोजिट टू उषा तो सपोज मधु इधर है मधु डायगनली ऑपोजिट है किसके उषा के तो उषा चली जाएगी इधर अब क्या बोलता है उषा हुई टू द राइट ऑफ गीता उषा किधर है गीता के भी राइट में सपोज गीता इधर है क्या गीता के राइट में उषा दिख रही है नहीं तो गीता इधर नहीं रहेगी गीता किधर रहेगी इधर अरे हाँ ना चल आगे आगे, आगे, आगे बोलता है राम हुईज टू द लेफ्ट ऑफ गीता राम किधर है गीता के भी लेफ्ट में तो ये गीता गीता का लेफ्ट राम इधर आ जाएगा आगे बोलता है राम इज टू द लेफ्ट ऑफ गीता इज डायगनली ऑपोजिट टू गोपी राम हु इज टू द लेफ्ट ऑफ़ गीता बराबर है इज डायगनली ऑपोजिट ऑफ गोपी राम की तरह गोपी के सामने डायगनली ऑपोजिट है देख इससे प्रूफ हो गया कि रसोड़े में कौन था राशि थी क्योंकि गोपी तो राम के सामने थी हैंड्स प्रूफ चलो आ जाओ तो गोपी गोपी इज टू द लेफ्ट ऑफ बोस गोपी की तरह बोस के लेफ्ट में है तो बोस इधर तो ही बोस के लेफ्ट में गोपी होगी ना बराबर है अब आगे क्या बोलता है आगे दे से पोजिशन ऑफ सुमा इज नॉट टू द राइट ऑफ मधु सुमा की पोजिशन मधु के राइट right में नहीं है तो सुमा इधर चली जाएगी ना बट इन फ्रंट ऑफ प्रेमा पर सुमा है प्रेमा के सामने तो प्रेमा चली जाएगी इधर बैठ गए सब लोग क्या बोलता है हु इज सिटिंग ऑपोजिट ऑफ बोस बोस के सामने कौन बैठा है इधर तो बैठी है कौन बैठी है गीता इजी अरे इजी समझा सबको समझा सबको किसी को, सब को कोई डाउट किसी को कोई डाउट सेम ही सर्कल के जैसे ही खाली इधर वर्ड्स के आगे गया डायगोनल अब एक पेंटागोनल शेप करते हैं फिर मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है वो अपन सॉल्व करते हैं वो बहुत ब्यूटीफुली फ्रेम क्वेश्चन है इसके लिए वो मैं करवाना चाहता हूँ क्वेश्चन टू फाइव चिल्ड्रन ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन अ कॉर्नर्स ऑफ अ पेंटागोनल शिप देख फाइव भी दिया पैंटागॉन भी दिया पेंटागॉन बोला था पेंट हाउस ऊपर से भी घर और नीचे से भी घर नहीं घर ही रहेगा वो बेटा वो एग्जागौन था ये पैंटागॉन है हो गए पांच लोग क्या बोलता है पढ़ बी इज बिटवीन ई एन सी तो अपना आ जाएगा ना सबसे फेवरेट लाइन बी इज बिटवीन ई एन सी तो बी इधर मैं फिक्स कर देता हूं तो ई e इधर सी इधर पता ऐसा भी तो हो सकता है ई e इधर और सी इधर ओके आगे क्या बोलता है डी टू द राइट ऑफ ई के राइट right में डी सपोज ई इधर बैठता है क्या ई e के राइट में डी बैठ सकता है नहीं तो e इधर बैठ सकता है नहीं तो e इधर कौन रहेगा सी तो सी इधर तो इधर e तो इधर e तो डी उसके राइट में डी और इधर कितना टाइम लगा दस सेकेंड क्या बोलता है क्वेश्चन लेफ्ट ऑफ सी सी के लेफ्ट में कौन है A. कितना ईजी था ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आए एक एक मार्क के लिए आए आते हैं कुछ भी कर सकते हो लोग देख सीटिंग अरेंजमेंट ईजी रखिए तो और कुछ हार्ड रखिएगा और कुछ हार्ड रखिए तो ईजी रखें कुछ भी कर सकते हैं उन लोग पे सब अच्छा एल आर हार्ड रखेगी तो स्टैटिस्टिक्स इजी रखे स्टैटिस्टिक्स इजी रखेगी तो मैथ्स मैथ कुछ भी कर सकते हो लोग चलो अब मेरे वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन पे आते हैं देख कितना बड़ा क्वेश्चन है डरने की जरूरत नहीं है मैं स्टार्टिंग की तीन लाइन तेरे को बता देता हूँ मैं क्या है ठीक है तो अपना टाइम सेव होगा चल ध्यान से सुनिए तो ये क्वेश्चन है ना बेटा क्या बोलना चाहता है सबसे पहले वो लोग एक शेप जो स्क्वायर है या रेक्टेंगल जो भी है उसमें वो लोग बैठे हैं किसमें बैठे देख ले आठ लोग बैठे स्क्वायर टेबल में ठीक है तो स्क्वायर टेबल में आठ लोग बैठे हैं क्वेश्चन क्या बोलता है ना मैं तेरे को आगे बोलता हूँ वो लोग आगे क्वेश्चन में बोलते हैं कि जो चार लोग जो सेंटर में बैठे वो लोग नॉट फेसिंग द सेंटर है और चार लोग जो कॉर्नर्स में वो लोग फेसिंग द सेंटर है समझा तो ये उसने क्या किया फेसिंग एंड नॉट फेसिंग द सेंटर का मिक्स क्वेश्चन दिया तो अब तू किसी को किधर भी बिठा सकता नहीं है अब तू किसी को किधर भी बिठा सकता नहीं है सबसे पहले उसको पूछना पड़ेगा बेटा क्या तू फेसिंग द सेंटर है अगर वहां बोलेगा तो उसका लेफ्ट राइट देख पर अगर वो ना बोला तो क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज मतलब वो नॉट फेसिंग द सेंटर है तो तू किसी को किधर भी बिठा सकता नहीं है इसके लिए लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट भी तेरे को दिया है ध्यान से देखना एक बार पढ़ ले चाहिए तो आउट ऑफ एट फोर दर्नर फोर एट द मिड पॉइंट एट द फेसिंग द सेंटर एट द कॉर्नर आर फेसिंग द सेंटर एंड द मिड पॉइंट आर फेसिंग आउटसाइड उल्टा भी कर सकता था अब देख ध्यान से क्या बोलता है एस इज थर्ड राइट ऑफ पी फिक्स्ड पोजीशन पी जिधर भी उसके थर्ड राइट right में अगर पी फेसिंग द सेंटर है तो पी का लेफ्ट राइट right. अगर पी नॉट फेसिंग द सेंटर है तो क्लॉक में थर्ड राइट क्लियर रहना चाहिए पर उसने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है P facing the center. पी इज फेसिंग द सेंटर मतलब पी कॉर्नर्स पर ही बैठा है सपोज मैं पी को बिठाता हूं इधर पी इज फेसिंग द सेंटर पी हो गया मेरा फिक्स पी हो गया मेरा फिक्स तो अब पी फेसिंग सेंटर है कोई भी किधर भी कोई कौन से भी कॉर्नर पे बैठ सकता है वो यार एस तो right तो right. तो right, right, right मतलब क्या गया नॉट फेसिंग द सेंटर मतलब सपोज तेरे को ऐसा कुछ दिया ना जो टी है वो टी एस के लेफ्ट में बैठा है तो एस नॉट फेसिंग द सेंटर है तो उसका लेफ्ट आ जाएगा वैसा ठीक है सबको समझा चल अब आगे तेरे को दिया था एस इज थर्ड री पी इज नॉट इज फेसिंग द फिसिंग वाई इज नॉट सिटिंग बिसाइड पी और एस बोलता वाई जो है ना वाई ना तो पी के बाजू में बैठा है ना तो एस के तो पी का आजू बाजू देख ले नहीं वाई नहीं वाई, नहीं वाई इधर भी नहीं वाई इधर भी नहीं तो देख दो लोग तो फिक्स हो गए तो आठ में से दो लोग गए तो आठ में से दो लोग गए तो बचे छ लोग छः लोग में से बीच चार जगह पर वाई तो बैठ सकता नहीं है तो वाई कितने प्लेसेस पे बैठ सकता है या तो वाई इधर बैठेगा या तो वाई इधर बैठेगा वाई के पास बैठने की खाली दो ही जगह है आगे पढ़ टी इज थर्ड राइट ऑफ आर टी किधर है आर के थर्ड राइट ना टी है ना आर है आगे बढ़ आर इज नॉट सिटिंग एट द मिड पॉइंट आर मिड पॉइंट पे नहीं बैठा है मतलब आर कॉर्नर पे बैठा है देख एक कॉर्नर पे तो पी आ गया तो या तो आर इधर रहेगा चल मैं अलग कलर देता हूँ या तो आर इधर रहेगा या तो आर इधर रहे सॉरी या तो आर ये कॉर्नर पे रहेगा या तो आर ये कॉर्नर पे वाई के साथ रहेगा आगे आर इज ऑल्सो नॉट सिटिंग बिसाइड्स वाई आर भी वाई के बाजू में बैठा नहीं है अब ध्यान से बहुत देख इधर तेरा गेम खत्म हो जाता है अगर तू तो स्मार्टली समझता है तो आर के पास बैठने की तीन जगह थी ठीक है और वाई के पास बैठने की दो जगह थी और आर और वाई आजू बाजू में नहीं चाहिए इधर को सपोज मैं आर को इधर बिठा तो इधर तो ये प्लेस से तो वाई जाएगा ही जाएगा ये प्लेस से भी वाई जाएगा ना वाई के पास बैठने की दो ही जगह अगर आर उधर गलती से भी बैठा तो वाई को बैठने की जगह मिलेगी नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली आर इधर बैठ सकता नहीं है सपोज okay. आर इधर बैठ जाता है तो उसके बाजू में तो वाई चलेगा नहीं तो बेटा अगर उधर वाई नहीं चलेगा वाई उधर से हट गया तो वाई के पास ऑलरेडी दो जगह थी दो में से एक जगह चली गई तो अब एक ही जगह बची ना तो वाई किधर बैठेगा अब तेरे को पता था सॉल्व करना अगर गलत हुआ तो अपन आर को उधर भी नहीं बैठेगा आर के पास एक ही जगह बैठेगी अभी तो सॉल्व कर टी इज सिटिंग थर्ड राइट टू तो आर आर का भी थर्ड राइट आर फेसिंग सेंटर है तो आर का थर्ड राइट बेटा तुझे देखना है तो थर्ड राइट आर का हो जाएगा आपका पहला दूसरा तीसरा टी आ जाएगा इधर अब तुझे क्या दिया है सो यू हैव बीन गिवन विथ देर आर ओनली वन पर्सन बिटवीन पी and वी पी और वी के बीच में एक ही बंदा है मतलब इन शॉर्ट वी वी कॉर्नर पर बैठा ना तो पी इधर तो वी ओ कॉर्नर पर नहीं बैठ सकता क्योंकि वाई बैठा है तो वी उधर नहीं तो वी इधर बैठ जाएगा ना सर आर का क्या होगा आर तो अभी उधर बैठा ना तो बैठने देना उसको मैं इसको इधर से कट करता हूँ अभी फिलहाल अब तेरे पास दो जगह बच्ची है और दो लोग बच्चे हैं देखते हुए क्या दिया उसके बारे में क्यू इज़ नॉट सिटिंग बिसाइड वी वी के बाजू में क्यू होना चाहिए नहीं मतलब क्यू इधर नहीं बैठ सकता है तो क्यू इधर बैठ जाएगा और डब्ल्यू बैठ जाएगा इधर देखो गया सॉल खत्म गेम सब हो गया सॉल्व वापस मैं लाइंस याद दिला देता हूँ पी इज फेसिंग द सेंटर एस इज थर्ड राइट ऑफ पी वाई पी और एस के बाजू में नहीं है वाई आर के भी बाजू में नहीं है अरे ना हा ना ओके फिर आगे तेरे पास और क्या लाइन थी टी इज थर्ड राइट ऑफ आर ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन पी एंड वी और आखिरी लाइन कौन सी पड़ी है पन्ने डब्ल्यू हाँ, था उसको वो भी बैठ गया खत्म पूरा अरेंजमेंट सॉल्व क्लियर अब देखते क्वेश्चन देख तू बोलेगा सर मेरा पाँच मिनट चला गया अरे पर पाँच मिनट के लिए तेरे को चार क्वेश्चन दिए उसने है ना ऐसा भी कर सकते हो पूरा सीटिंग अरेंजमेंट इधर ही दे दिया उसने तेरे को एक क्वेश्चन और देगा देगा तो चल देखते क्वेश्चन देखते विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग वाई वाई के हिसाब से कौन सा ट्रू है टी इज नॉट सिटिंग बिसाइड वाई टी इज़ नॉट सिटिंग बिसाइड वाई तो बैटर है ना चलो ये तो गलत बात है ये तो फॉल्स है वाई सिटिंग एट द मिड पॉइंट फॉल्स सेकेंड लेफ्टिंग देंटर है फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट आर है चौथा लेफ्ट नीचे आएगा पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है वाई ऑप्शन ए थर्ड वॉट इज द पोजिशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू आर आर के हिसाब से क्यू किधर है आर के हिसाब से आर के हिसाब से क्यू किधर है इमिजिएट राइट right. ऑप्शन ए टेंथ क्वेश्चन हु इज टू द थर्ड राइट ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू का थर्ड राइट देख पूरे क्वेश्चन में उसने किधर भी नॉट फेसिंग द सेंटर में मगजमारी नहीं किया इधर क्या देख इसके लिए मैंने एरोस बना के रखे कि तेरे को समझे तो डब्ल्यू क्या फेसिंग द सेंटर है नहीं नॉट फेसिंग द सेंटर है और तुझे क्या पूछा है हु इज थर्ड राइट ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू का थर्ड राइट तो पहले राइट पे पी दूसरे राइट पे थी तीसरे राइट पे वाई आंसर विल वाई ऑप्शन डी समझा कि नहीं समझा अरे समझा कि नहीं समझा तो ये था आपका बेटा पॉलीगोनल अरेंजमेंट एंड इसी के साथ सीटिंग अरेंजमेंट भी होता है समाप्त राइट मैं आपको भी एक बार बता दूँ आज के दिन में हम लोग ने ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर कर लिए सब कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है सारे कंसेप्ट कवर किए मैं स्टार्टिंग से आपको एक बार क्विक गो थ्रू दे देता हूँ सबसे पहले हम लोग ने चालू किया था सीरीज़ के साथ सीरीज के चार पार्ट किए थे हम लोग ने नंबर अल्फाबेटिकल अल्फा न्यूमरिक कंटिन्यूस फिर नंबर में भी दो फाइंड द मिसिंग टर्म फाइंड द रॉन्ग टर्म रॉन्ग टर्म के साथ साथ ऑड मैन आउट भी करवाया था मैंने फिर हम लोग आगे बढ़े थे उसमें सीरीज़ में वो पूरा खत्म करके आगे बढ़े थे कोडिंग डिकोडिंग उसके भी मैंने अलग अलग पैटर्न अलग अलग रास्ते आपको सब बता दिया था फिर कोडिंग से आगे बोले थे हम लोग ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन में तीन टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग ने कवर किए थे आपको सिंबॉल्स भी बताया था सब कुछ बताया था तीन टाइप के क्वेश्चन कन्वर्जेशन में शॉर्टकट्स बताए थे मैंने आपको और बोला भी था हिंदी में सॉल्व कर ये चैप्टर को बहुत ईजी हो जाता है फिर डायरेक्शन टेस्ट डायरेक्शन टेस्ट के ऐसे चार नोट बड़ी दिशा आपका लेफ्ट राइट right, छोटी दिशा और आपका शेडो और फिर मैंने डायरेक्शन में स्टीरियो टाइप क्वेश्चन सबसे पहले बताए फिर मिसलेनियस क्वेश्चन बताए फिर शेडो के क्वेश्चन बताए फिर आए सिटिंग अरेंजमेंट में सीटिंग अरेंजमेंट में तीन तरह के क्वेश्चन लीनियर सर्कुलर, पॉलीगोनल, सर्कुलर खत्म किया था पॉलीगोनल साथ साथ में समाप्त और लीनियर में आपको मैंने दो नोट्स बताए थे वो चीज़ आपको ध्यान रखनी थी किसका लेफ्ट राइट right देखने का वो भी आपको ध्यान रखना था और मैंने आपको रास्ते भी दे दिए कि सबसे पहले जगह बनाओ जगह बनाने के बाद लेफ़्ट राइट मार्क करोगे वो सब हो जाए तो फिक्सड पोजिशन बिटवीन वाली लाइन्स रिमेनिंग लाइन्स दैट सॉल्व इतनी चीज़ों को आप ध्यान रख और तू सॉल्व कर और तुझे बहुत मज़ा आएगा पहले से अगर तू ये सब चीज़ याद रखेगा त बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको कुछ भी डाउट हो आप मुझे एनी टाइम रीच कर सकते हो ठीक है और आप लोग को कोई भी डाउट कभी भी कभी भी एग्जाम तक आए हाँ एग्ज़ाम तक ही आया बस उसके आगे नहीं है क्योंकि भाई अपने को अभी इंटर में भी जाना है राइट सो so, कोई भी डाउट आपको आए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो ठीक है हैड अ ग्रेट टाइम विथ यू आई होप मैंने आपका एलआर काफ़ी इजी बना दिया राइट एलआर मेड वी इजी विथ वीके काफ़ी इजी विथ वीके और प्लीज़ ये वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि ये बीस मार्क आपको बहुत हेल्प करेगी राइट थैंक यू सो मच हैड अ ग्रेट टाइम विथ यू बाय बाय